A very 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 good afternoon to all my SV atoms. What's up बच्चे क्या हाल चाल है फटा फट से मुझे चैट से बताओ whether all of you can hear me or not so that we can very quickly get started with one of the most awaited session जिस session का आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे finally वो time आ चुका है कि आज हम chemical bonding को बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करके लास्ट तक खत्म करेंगे लास्ट uh, ईयर जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था दैट वाज सच अ लवली सेशन उसको बहुत सारे बच्चों ने देखा सो so, इस बार आई थॉट कि क्यों ना सेशन को और ज्यादा अच्छा बनाया जाए थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस लेवल की चीजें मैं आपको इस बार कराने वाली हूँ सो डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि आज का सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशन होना चाहिए ऑन यूट्यूब एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो ये केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जो ना बहुत इट्स इट्स अ ह्यूज टॉपिक मतलब मैं इस टॉपिक को जितनी गहराइयों तक पढ़ाना चाहूं आई कैन टीच यू इन दैट पर्टिकुलर डेप्थ बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मैंने इस टॉपिक को रबर बैंड की तरह स्ट्रेच किया तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे मुझे ये केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करने में आई लिटरली टेल यू जब हम लोग प्लस की क्लास में ये केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ाती हूँ आई रियली टीच दिस चैप्टर फॉर बच्चे टू मंथ डेढ़ से दो महीने मैं केवल केवल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाती हूँ बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग इज अ यू नो इट्स अ इट्स अ मेजर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जो मेजर पार्ट होता है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग तो बच्चे आज का वन शॉट फॉर श्योर काफ़ी लंबा चलने वाला है डेफिनेटली नॉट ट्वेंटी फोर आवर्स बट आई विल मेक श्योर कि हम छोटी से छोटी चीज़ बहुत डिटेल में कंप्लीट करें मे बी बैक बॉन्डिंग हो गया ब्रिज बॉन्डिंग हो गया सिलीिकेट्स uh, का स्ट्रक्चर हो गया ऑक्सी ऑक्सीऐसिड हो गए जितना मतलब मेरे से हो सकेगा आई डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आज मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊं तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है ठीक है अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको बिल्कुल भी केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया नहीं है यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद हाइब्रिडाइजेशन वी एस सी पी आर वी बी टी थियरी ये सारी चीजें में अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल घबराइएगा मत मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी और हम इस लेक्चर को बिल्कुल एडवांस लेवल तक का कंप्लीट करेंगे खूब सारे क्वेश्चन शो यू मैंने आज के सेशन में लिए हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेन के एडवांस के आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप आज नोट्स लिखने की बजाय आप ट्राई करें कि आप पूरी कंसंट्रेशन से समझें चीजों को ये जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग इट इज नॉट अबाउट कि आपके नोट्स में कितना लिखा हुआ है हर चीज आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है हर चीज आपके नोट्स में सारे टीचर्स आपको लिखवा देंगे बट स्टिल हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होती है बिकॉज हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आज बस है ना वो कहते हैं ना वो टाइपिस्ट की तरह टाइप करने में या लिखने में टाइम नहीं बर्बाद करना आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन आपका पूरा फोकस Uh, जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगी जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी उस पर होना चाहिए बिकॉज अगर आज का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो गया क्लियर हो गया बच्चे मार्क माई वर्ड आपकी ग्रेड ट्वेल्थ की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगी जैसे आप कोऑर्डिनेशन करते हैं फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती बिकॉज उनका केमिकल बॉन्डिंग वीक होता है उनको एस पी टू प्लेनर नॉन प्लेनर डायपोल मोमेंट ये सब नहीं पता होता तो वी विल मेक श्योर कि आज काफ़ी तसल्ली से बहुत ही डिटेल में हम कंप्लीट करने वाले हैं अच्छा हाँ आज एस वी शॉर्टकट खूब सारे आपको मिलेंगे चोटिला मेथड बहुत सारे बहुत सारे मैं आज, आज आपको शॉर्टकट सिखाने वाली हूँ तो बस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मगर एक चीज़ मैं आपको बोलूंगी मेरी एनर्जी आज क्लास में पूरी रहेगी बट थोड़ा सा चिल्ला के नहीं बोलूंगी क्योंकि आज आठ घंटे का मेरे ख्याल से सेशन चलेगा जितना मेरा प्रिपरेशन कह रही है मैंने जितनी स्लाइड्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी है जितने क्वेश्चंस आज लिए हैं तो मुझे लग रहा है कि सात साढ़े सात घंटे आठ घंटे आराम से सेशन चलने वाला है तो थोड़ा सा आ, मेरा गला भी मुझे मेरा साथ दे है ना आठ घंटे कंटिन्यूसली बोलती रहूंगी तो गला ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा सा हम धीमे धीमे बोलेंगे मुझे याद दिलाते रहना कि क्लास की जो स्लाइड्स हैं मैं देखो ब्लैंक स्लाइड्स पे आप लोगों को पढ़ाती हूँ आई हैव नथिंग रिटन ये क्वेश्चन लिखे हैं मैंने ठीक है ये क्वेश्चन हैं बस जो है उसके बाद आई विल टीच यू ब्लैंक प्रॉपर ब्लैंक स्लाइड्स पे पढ़ाऊंगी तो मुझे याद दिलाते रहना कि मैम बीच बीच में आपको फाइल जो है वो सेव करनी जरूरी है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आ, बच्चे इस पर्टिकुलर लेक्चर के जो नोट्स हैं वो डेफिनेटली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टी डॉट एम स्लैश अन अकेडमी एटम्स पर मिल जाएंगे इसके साथ साथ देर इज दिस लिंक टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश अन अकेडमी एटम्स इस लिंक को फॉलो करना है लास्ट टाइम बड़े सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि लिंक नहीं चल रहा मैंने खुद अब ये सब कुछ चेक करवाया है एवरीथिंग इज वर्किंग तो इस पर्टिकुलर लिंक पे भी आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं वो अपलोड करवा दिए जाएंगे आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है मैम मैं तो ट्वेल्थ फेल हूँ फिर भी जेई दूंगा मतलब देख लेना भाई वो परसेंटेज इंपॉर्टेंट होती है तो ट्वेल्थ में रीअपियर करो परसेंटेज अच्छी आए तभी जेई देने का फायदा नहीं तो फिर एक मिनिमम परसेंटेज होती है आपको ट्वेल्थ में उतनी परसेंटेज लानी पड़ेगी तब जाके आप जेई के लिए क्वालिफाई करते हो तो अंधाधुंध काम नहीं करना सोच समझ के करना है ठीक है बाकी अगर आप लोग अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे आना चाहते हो तो बच्चे आप डेफिनेटली प्लस पर भी आ सकते हो मेरे काफी सारे बैचेस चल रहे हैं जैसे मैं आपको बताती हूँ मेरा नर्चर बैच चल रहा है ये ग्रेड इलेवेंथ के पोर्शन का है नर्चर बैच में फर्स्ट नवंबर से मैं थर्मो और इक्विलिब्रियम ये दो चैप्टर्स बहुत एडवांस लेवल के पढ़ाने वाली हूँ एंड ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो जयी एडवांस में मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जहाँ पर थर्मो या इक्विलिब्रियम ना हो तो ये दो चैप्टर्स अगर किसी को करने हैं बहुत डिटेल में तो आप नर्चर को फॉलो कर कर सकते हो नर्चर में मैं मोल और स्ट्रक्चर ऑफ आइटम वैसे भी पढ़ा चुकी हूँ इसके अलावा बच्चे अचीवर टू नाट ओ में मैं आपको एडवांस लेवल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ जो आज केमिकल बॉन्डिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं इसका भी कई गुना डिटेल हम अचीवर टू डॉट ओ में और इवॉल्व में पढ़ेंगे तो जो भी बच्चे प्लस पर आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप ये कोड यूज कर सकते हो साक्षी जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाए एक और लास्ट इंफॉर्मेशन देती हूँ फिर मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ बच्चे ये काउंसलिंग फेस्टिवल चल रहा है अन अकेडमी की तरफ से हम सारे एजुकेटर्स आप लोगों से पर्सनली वन ऑन वन कॉल पर डिस्कशन कर रहे हैं तो जो भी बच्चे को कोई भी अगर आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है आप डेफिनेटली इस काउंसलिंग फेस्टिवल को अटेंड कर सकते हो आई थिंक राइट नाउ भी निशान सर का एक सेशन चल रहा है आप उसमें भी जा सकते हो अदरवाइज कल मैं एक सेशन लूंगी कल मेरा और निशान सर का कंबाइंड सेशन है तो आपके जो भी प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स हैं आप हमसे इंटरैक्ट कर सकते हो सारे अपने जो डाउट्स हैं सॉल्व कर सकते हो इसके लिए यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग इट इज कंप्लीटली फ्री और मैं हर बच्चे को पर्सनली एडवाइस करूंगी कि गो फॉर सच सेशन बिकॉज इससे यू यू नो विल बिकम वन वन स्टेप स्टेप क्लोजर क्लोजर टू टू योर योर गोल एम बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं भटक जाते हैं अपने गोल से गलत प्रिपरेशन मेथड यूज कर रहे होते हैं तो यू कैन डेफिनेटली इंटर विद योर टीचर्स जिससे आपको डेफिनेटली फायदा मिले ठीक है चलिए सो so, बच्चे आपको मैं स्लाइड मतलब आज बता देती हूँ वट विल बी दैटर्न यहाँ पर हमने कुछ थर्टी क्वेश्चन आई है जिन क्वेश्चन में ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुछ जेई मेन के हैं कुछ क्वेश्चन देखो जेई एडवांस के हैं तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिनको हम जैसे जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी ये सारे हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट है कंप्लीट कंप्लीट एक बार हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं आपको थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करूंगी ठीक है विल बी टेकिंग योर थियोरी चलिए एक और बात बताती हूँ आज का जो हमारा सेशन है ठीक है आज का जो मेरा सेशन है उसको मैं बीस पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगी आज का सेशन विल बी डिवाइडेड इनटू बस अब हम स्टार्ट कर देते हैं सेशन का नाम है केमिकल बॉन्डिंग आप सब जान चुके हैं थोड़ी सी सेटिंग मैं कर लेती हूँ सेशन का नाम है केमिकल बॉन्डिंग आज बीस सेक्शन हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सेक्शन सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस सेक्शन ये और सब मेन एडवांस सारी चीजें कराऊंगी सेक्शन ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सेक्शन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी टोटल ट्वेंटी सेक्शंस इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चंस हम कंप्लीट complete... बस बीस <laughs> अरे हाँ बस ही है मतलब केमिकल बॉन्डिंग भाई साहब आज आप एक बात समझ के चलना आज का सेशन जिस बच्चे ने बिल्कुल टोटली अटेंड कर लिया ना भाई साहब तुम्हारी लाइफ का एक मेजर बर्डन जो है वो खत्म हो जाएगा यू विल रियली फील सो बार विश्वास करके देखो आई नॉट लेट यू डाउन ठीक है चलिए। सबसे पहला जो हम अपना section start करने वाले हैं, लिख लीजिए सेक्शन नंबर वन मतलब मैंने इस पूरे चैप्टर को बीस हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ये बीस टॉपिक नहीं है मतलब इस, इस पूरे चैप्टर के बीस छोटे छोटे हिस्से हैं एक एक करके हम सारे हिस्से कंप्लीट करेंगे जिस बीस हिस्से में सबसे पहला हिस्सा हम कंप्लीट करेंगे व्हाट इज यू नो इंट्रोडक्शन हो गया लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स हो गया ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ठीक है मैम हाउ टू वॉच दिस काउंसलिंग सेशन बस ये काउंसलिंग सेशन का एक लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक पे क्लिक करना है फॉर्म वगैरह कुछ होता है वो फॉर्म भर दो आप ये सारे के सारे जो सेशन है इनको बड़े आराम से अटेंड कर लोगे आपके पास कॉल आएगा आपके पास एक मेल आएगा मेल पे जूम का लिंक होगा वो आप जूम मतलब वहां से आप आराम से क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हो ठीक है एक सेकेंड मैं आप लोगों की चैट्स भी कंटिन्यूसली यहाँ पर चला देती हूँ सो दैट मैं आप लोगों के कमेंट्स भी एक साथ सारे के सारे देख सकू चलिए बच्चे मुझे बताइए एक बॉन्ड क्या होता है जब भी मैं बात करती हूँ कि दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बना है इस बॉन्ड का क्या मतलब है क्या इस बॉन्ड का मतलब है कि ए और ए एटम को एक धागे से एक स्टिक से एक पेंसिल से जोड़ा गया नहीं बॉन्ड का मतलब होता है बच्चे कोई भी एक ऐसा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो किन्ही दो चीजों को आपस में जोड़ के रखता है जैसे मैं हूं और जैसे आप हो मैं एक टीचर हूं आप एक स्टूडेंट हो बट हमारे बीच में एक टीचर स्टूडेंट वाला बॉन्ड है ना जैसे कोई एक रैंडम बंदा है उसकी एक रैंडम बंदी है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है जो उनको आपस में हमेशा पूरी लाइफ साथ रखता है तो समझ आ गया बॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो दो एटम्स को जोड़ के रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जरूरी नहीं है केवल दो एटम्स को मान लो मेरे पास एक ए टू मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़कर रखने वाला बी जो फोर्स होता है इसको भी हम बॉन्ड कहते हैं ठीक है भाई दो चीजों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और बिटवीन टू आयंस जैसे एन ए प्लस और सी एल माइनस को जोड़ के रखने वाला जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या कहलाएगा एक बॉन्ड कहलाएगा एक मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना एक फैक्ट है जिसको आपको समझ के रखना है बच्चे जब कभी भी मैं एक एटम और दूसरे एटम के बीच का ये जो बॉन्ड है मुझे जब कभी भी इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो मुझे एनर्जी क्या होगी रिक्वायर्ड हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर मुझे दो एटम्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और जब कभी दो एटम्स दूर दूर हैं ये आपस में आकर एक बॉन्ड बनाएंगे तो जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी क्या होगी रिलीज ये कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसीलिए पहले दिन ही नोट डाउन करवा रही हूँ जब कभी एटम्स के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जब कभी एटम्स के बीच का बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई ठीक है अब क्वेश्चन आता है कि मैम बॉन्ड क्या होता है आपने समझा दिया मगर मुझे यह बताओ वाई देयर इज नीड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन भैया एटम बॉन्ड बनाना क्यों चाहेगा एक एटम है बड़े आराम से खड़ा था इसको क्या पड़ी थी अपना बॉन्ड बनाने के लिए तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना आपने पढ़ा था ल्यूस ऑक्टेट रूल लूस क्या कहता है हर एटम अपना आउटर मोस्ट ऑक्टेट जो है उसको कंप्लीट करना चाहता है जानते हो ना तो मान लो एक एटम है फ्लोरीन जिसके पास एक दो तीन चार पांच छ केवल सात इलेक्ट्रॉन है सात इलेक्ट्रॉन से वो स्टेबल नहीं है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है आपने ग्रेड टेंथ में पढ़ा था अब ये दूसरे आटम के एक दो तीन चार पांच छह में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं बस हर आटम की होती है कि मैम हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो अगर कोई आपसे पूछे कि बॉन्ड क्यों बनता है तो आपको बस इतना याद रखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए अब जरूरी नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपको शेयर करना पड़े आपने बचपन में क्लास टेंोडियम कैसे लिखते हो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स और फिर थ्री एस वन सही है ना छत आठ नौ दस ग्यारह तो सोडियम के पास ग्यारह इलेक्ट्रॉन है और सोडियम चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो सोडियम क्या करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्या बनाएगा एन ए प्लस क्या आप सबको नजर आ गया कि इसका ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट हो गया मतलब एटम की टेंडेंसी ये होती है कि भैया मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए चाहे मैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करूं या गेन करूं या लूज करूं या जो मर्जी करूं मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए फिर जब एन ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो यही इलेक्ट्रॉन सी ने गेन कर लिया और ये क्या बनाएगा सी एल माइनस थ्री एस टू थ्री पी सिक्स बना लेगा यानी कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये जो लेन देन हुआ सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया इनके बीच में कुछ इंटरक्शन हुई और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आया इसी को ही कहते हैं बॉन्ड बन गया ये बॉन्ड एक अलग प्रकार का बॉन्ड कहलाता है नीचे वाला बॉन्ड एक अलग प्रकार का बॉन्ड कहलाता है आई थिंक सब बच्चे जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है तो जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन या कंप्लीटली लूज किया जाता है तो जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है आयनिक बॉन्ड क्या ये बात सही है दिस इज क्लियर टू एवरी वन मैम आई एम फॉलोइंग योर बाउंस बैक वन डॉट ओ एंड डूइंग ग्रेट इन टेस्ट थैंक यू मैम अरे क्या बात है ग्रेट 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 डन मैंने कहा था ना मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी मैं लिटरली ये सोच के चल रही हूं कि आपको कुछ नहीं आता जिनको आता है जिनको लग रहा है कि मैम ये बहुत बेसिक है बच्चे आपकी मर्जी मगर मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगी क्योंकि बाद में यही होता है पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है फिर जाके ये पूछते हैं है, मैम आपने तो कहा था बॉन्ड मतलब शेयरिंग होता है तो ये फालतू जो मिथ्स या जो फालतू आपने गलत कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख रखे है ना इन गलत कॉन्सेप्ट को सबसे पहले तो निकालो और नए तरीके से अच्छे से सब कुछ स्टार्ट करते हैं ठीक है ना आगे देखिए एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसी का ही दूसरा नाम होता है बच्चे dative bond. समझते चलेंगे सारी चीजें एक एक करके करते चलेंगे बच्चे मान लो मेरे पास है अमोनिया आपको कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगी बट मान लो अमोनिया ऐसा है अमोनिया आपको पता है इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन्स है अमोनिया इज हैविंग एट इलेक्ट्रॉन्स एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है अमोनिया का अपना ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है अमोनिया के सामने मान लो एक आ गया भिखारी भिखारी का मतलब एक दो तीन चार पांच छ इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसके पास आउटर में होने कितने चाहिए थे आठ अब बोरॉन कहता है कि मुझे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अमोनिया कहता है कि ठीक है तुम्हें दो इलेक्ट्रॉन चाहिए मगर तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा मैं अपने दो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा ये बॉन्ड एक शेयरिंग का ही बॉन्ड है अमोनिया ने अपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल कर बोरॉन को दिए नहीं है केवल उधार पे दिए कि चल तू खुश रहे तेरे घर का गुजारा चल जाए तो इस प्रकार के बॉन्ड को जब केवल एक पर्टिकुलर एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे को शेयर करने के लिए देता है तो हम ये जो लाइन है ये बॉन्ड ऐसे बनाते हैं कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वहां से एरो स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएगा एरो जिसको इलेक्ट्रॉन मिले इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉन्ड को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड ठीक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या या फिर डेटिव बॉन्ड डन ये सबको समझ आ गया मैम थ्री सेक्शन इज यूज दिस सेक्शन इज यूजफुल फॉर नीट स्टूडेंट बच्चे डेफिनेटली अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो जेई एस्पिरेंट हो मेन या जेई एडवांस एस्पिरेंट आज का सेशन हर बच्चे के लिए वर्थ इट है जिसको स्कूल में केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझ आया आप स्कूल लेवल का पढ़ना चाहते हो वर्थ इट है मैं अपने आप आपको बता दूंगी ये मेन स्पेसिफिक है ये एडवांस स्पेसिफिक है आप तसली से अटेंड करो आज आठ घंटे मेरे साथ स्पेंड करो आई विल मेक श्योर कि आपका इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा हंड्रेड परसेंट गारंटी मैं देती हूँ अपने सेशन के स्टार्टिंग में कोई ये नहीं कहेगा कि यार टाइम वेस्ट कर दिया मैम ने यू विल रियली फील सो कॉन्फिडेंट आफ्टर अटेंडिंग द सेशन इट्स माई प्रॉमिस बट फिर विश्वास रखना है मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये थोड़ी ना सोचते हैं कि भैया मुझे बुखार है ये ठीक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो जब आप ये सोचोगे दवाई असर करेगी या नहीं करेगी तो आप वैसे ही असर नेगेटिविटी से दवाई वैसे ही असर नहीं करती है, है ना तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहो मेरे पे विश्वास रखो मैं तुम्हें बढ़िया तरीके का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी फॉर श्योर ठीक है अब एक ऐसा ग्राफ मैं आपको सिखाने वाली हूँ बच्चे टाइटल डाल लो आज देखा मैंने कुछ नए तरीके की स्लाइड बनाई है मुझे लगा यार ब्लैक ब्लैक में बोरिंग हो जाता है आज मैंने आधी ब्लैक आधी रेड बड़े सोच समझ के बनाई है तो एक टॉपिक यहाँ तक हो गया अब एक अगला टॉपिक लिखिए टॉपिक का नाम है रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छा एक बात बताती हूँ मैं ना ये जो रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन आपको पढ़ा रही हूँ ना इसपे ना एक बड़ा सा मतलब ऐसे स्टार चिपका दो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप जेई मेन का पेपर उठा के देखोगे सीरियसली इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं आज के स्लाइड में मैंने इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं लिया अगर आपको इसके क्वेश्चन करने हैं बहुत सस्ते लेवल के क्वेश्चन 2019-20-21 इन तीन पेपर्स में जब आप PYQ करोगे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा बट क्या होता है ना मैं पूरी थियोरी पढ़ाऊंगी फिर वही का वही क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा अरे मैम ये तो टाइम पास हो रहा है तो इसीलिए मैं थ्योरी पूरी करा दूंगी इनके जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल आएंगे मेरी थ्योरी से बाहर नहीं आएगा वो आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करना अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना मैं एक डायग्राम बनाना चाहती हूँ और वो डायग्राम कुछ इस तरीके से नजर आएगा यहाँ है आर आर का मतलब है बच्चे वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स मेरे पास दो एटम है इन दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस कितना है और यहाँ पर मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट करना चाहती हूँ एनर्जी तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे मान लो एक एटम यहाँ पर है और दूसरा ए आटम इस एंफाइट डिस्टेंस पे है मतलब बोथ आर वेरी वेरी फार अवे वे फ्रॉम ईच अदर जब दो एटम्स आपस में बहुत दूर होंगे तो क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है कि तो सबको अच्छे से समझ आई मतलब जब दो एटम के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उनकी एनर्जी लगभग लगभग जीरो हो जाएगी कोई एनर्जी नहीं है अब आपने दो एटम्स को पास लाना शुरू किया सुनना मेरी बात को जब आप एक एटम एटम का मतलब है न्यूक्लियस और उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का मतलब है न्यूक्लियस और उस, और उसके पास इलेक्ट्रॉन जब आप दो एटम्स को पास लाना शुरू करेंगे तो ध्यान से देखो इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा सही बात है इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा यानी कि जब धीरे धीरे दो एटम्स पास आना शुरू करते हैं इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बनने लगते हैं और जब जब किन्हीं दो चीजों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेंगे यानी कि आप जानते हो एनर्जी क्या हो जाएगी रिलीज एनर्जी क्या हो जाएगी डिक्रीज तो पहले दो एटम्स दूर 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 थे जैसे ही जैसे वो पास आना शुरू करे एनर्जी देख रहे हो डिक्रीज 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 होती गई अब हमने इन दो एटम्स को एक ऐसे ध्यान से देखना एक ऐसे डिस्टेंस तक मेरे पास ये दो एटम्स आ गए जहां पर इनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन है यानी कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एकदम डोमिनेटिंग है बहुत बहुत अट्रैक्शन हो गई इतनी अट्रैक्शन हुई बच्चे कि जो इनके बीच की एनर्जी थी वो अपने मिनिमा पर चली गई सबसे कम एनर्जी आ गई भैया अब अगर तुमने इन दोनों आटम्स को और ज्यादा नजदीक लाने की कोशिश करी तो भाई साहब अब इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को इतने गंदे तरीके से रिपेल करेगा इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को इतने गंदे तरीके से रिपेल करेगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने एटम्स को और ज्यादा पास लाने की कोशिश करी तगड़े लेवल का रिपल्शन होगा और जब जब रिपल्शन होगा आप समझ समझ जाइएगा कि एनर्जी रिली इंक्रीज होगी तो देखना ये पहले एटम्स दूर थे एनर्जी कम 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 जब वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गए तो उनकी एनर्जी मिनिमम थी और अब अगर आप उनको और पास लाने की कोशिश करेंगे भाई साहब एनर्जी रैपिडली बढ़ेगी क्या ये बात सबको समझ आ गई ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर एट्रेक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस कर गए ये वो पॉइंट था जहां पर एट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से डोमिनेट कर रहे हैं ये वो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर एट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस को डोमिनेट नहीं कर पा रहे और अब समझो यहां से जीरो से और ये जो आर आया या ये जो डी आया डिस्टेंस सो so ये जो डी डिस्टेंस है बिटवीन द टू एटम्स ये वो डिस्टेंस है जहां पर दोनों एटम्स एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है दिस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ अब जिनको समझ आ गया बढ़िया जिनको नहीं समझ आया एक एग्जाम्पल देती हूँ एग्जाम्पल ये है बच्चे ठीक है एग्जाम्पल ये है मैम क्लास मैम मैं क्लास टेंथ में हूँ और मेरे जीओसी तक कर लिया है ऑर्गेनिक आपके लेक्चर्स को देख के आगे कौन सा चैप्टर जीओसी कर लिया जीओसी के बाद आइसोमेरिज्म करना आइसोमेरिज्म को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके करना अगर आप टेंथ में हो बहुत आसानी से आइसोमेरिज्म समझ नहीं आएगा तो धीरे धीरे करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना आ, एक एग्जाम्पल देती हूँ मान लो हमारे पास ठीक है एक बंदा है ठीक है बंदा बंदी का मतलब एक लड़का है और एक बंदी है जो काफी दूर है मान लो तुम बंदा और तुम्हारी जो बंदी है वो कहीं इंडिया के किसी कॉर्नर पे है तुम उसको जानते नहीं हो तुम्हारे बीच में कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं है एनर्जी जीरो जब तुम पेपर वेपर देते हो ठीक है बाय चांस पता चला कि तुम दोनों सेम आई में एडमिशन लेते हो फिर वो तुम्हारी क्लासमेट भी है फिर तुम उससे नोट्स वगैरह भी डिस्कस करते हो कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करते हो क्या हो जाएगा अट्रैक्शन होनी शुरू होगी और जब जब अट्रैक्शन होगी तो ईगो खत्म होगा ना मैं जनरली इस चीज को ऐसे कोरिलेट करती हूँ भाई जब दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन होती है तो जो उनका ईगो है जो एंगर है वो थोड़ा थोड़ा खत्म होने शुरू हो जाता है तो जब दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होगी उनकी एनर्जी रिलीज होगी जब दो दो बंदों या बंदी के बीच में अट्रैक्शन होगी तो ईगो या ये सब जो है ना गलत नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं ये चले जाएंगे अब एक बात बताओ शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा होता है जब तुम एक दूसरे से बात बात करते हो फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आ जाता है कि ठीक है भाई दिस इज द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप ठीक है अब वो बंदी तुम्हें हर रोज़ फोन के कर, कर कहे बाबू क्या कर रहे हो सोना ने खाना खाया नहीं खाया तो तुम भी इरिटेट हो जाओगे ना यू नीड अ स्पेस तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक एक पर्टिकुलर लेवल तक एवरीथिंग वाज़ ओके रिलेशनशिप वाज़ ऑसम बट फिर एक दूसरे की लाइफ में दखल अंदाजी करोगे भाई साहब तगड़े लेवल का रिपल्शन होगा इतना अंदर रिपल्शन होगा कि जो बॉन्ड बना था वो टूट जाएगा समझ गए तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है दो एटम्स जब आपस में दूर दूर पे थे इन्फिनिटी पे नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन पास आते जा रहे थे मैं मानती हूँ जब पास आ रहे थे आपको आप खुद सोचो ना भाई जब तुमने नया नया किसी लड़की को जानना शुरू किया तो उसकी अच्छी बातें भी होंगी उसकी गंदी बातें भी होती है मानते हो ना अच्छी बातें भी है गंदी बातें भी है उसकी बाते अच्छी लगती है कई गंदी लगती है मगर शुरू शुरू में क्या होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग होते हैं तुम्हें हमेशा अच्छी बातें ही पसंद आती है गंदी बातों को तुम सोचते हो कि कोई बात नहीं ये तो चिल है है ना बट जब तुम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू करते हो तो तुम्हें उसकी सिर्फ रिपल्शन वाली बातें याद आती है गंदी बातें याद आती है अट्रैक्टिव बातें दिमाग में नहीं घुसती है आई थिंक सब सब लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं ठीक है ना बढ़िया हाँ तो ब्रेकअप की सिचुएशन यहाँ से लाइफ की एक सीख मिलती है कि ब्रेकअप की सिचुएशन नहीं आने देनी हर एक को अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा स्पेस देना क्या हो जाता है कम्पल्सरी ठीक है आगे जाके बड़े होकर चीजें काम आएंगी खैर अभी तो क्या ही करना है चलिए यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी तो अब हम एक नया टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक का नाम है ये बंदा बंदी हटा देती हूँ ठीक है ना ये तो जस्ट एग्जाम्पल था कहीं अपनी लाइफ पे इसको लगाना मत शुरू कर देना अब मैं एक नए टॉपिक की शुरुआत करती हूँ जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड बच्चे मेरी कोशिश है आज 20 के 20 सब टॉपिक्स मतलब 20 के 20 सेक्शन जो हैं उनको तसल्ली से आपको कराऊं तो ध्यान से सुनिएगा अब ध्यान से देखिए बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है विच इज फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं दो इलेक्ट्रॉन की एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे एटम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया जब उन दो एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो जब जब शेयर किया मतलब इलेक्ट्रॉन हमने इधर उधर ट्रांसफर करे ठीक है शेयर भी करना शुरू किया तो क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी रिलीज क्या ये बात भी सबको अच्छे से क्लियर हुई अब मेरी बात बड़े ध्यान से इस चीज को समझना बच्चे कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो भी बन सकते हैं दैट विज ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट को यहाँ पर समझ लो सीख लो कि कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे हाउ मैनी हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स विल बी फॉर्म विल बी फॉर्म क्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मैं ग्राउंड स्टेट की बात करू या फिर इलेक्ट्रॉन है इन द एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में किसी आइटम के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है या फिर ग्राउंड स्टेट में किसी आइटम के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है आई एम श्योर ये बात आधे बच्चों के ऊपर से गई है मेरी बात सुनो कार्बन है कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो टू 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 कितनी होती है कार्बन दो दो चार पांच छो वन एस टू टू एस टू टू पी टू हम कभी भी इनर ऑर्बिट वाले को नहीं कंसीडर करेंगे केवल आउटर ऑर्बिट वाले ही बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन को मैं क्या लिख सकती हूँ टू एस में दो इलेक्ट्रॉन है टू पी में दो इलेक्ट्रॉन है अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है तो आप बोलोगे केवल केवल क्यों क्योंकि उसके पास केवल दो इलेक्ट्रॉन है मगर अगर मैंने कार्बन को थोड़ी सी एनर्जी दे दी ये एनर्जी कहां से मिलेगी एनर्जी हमारे रूम टेम्परेचर से मिलेगी पच्चीस डिग्री तो टेम्परेचर हम मान के चलते हैं ना पच्चीस डिग्री सफिशियंट की कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया जाए यहां पर कार्बन पहुंच गया कहां पर अपनी एक्साइटेड स्टेट में अब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है चार तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन चार बॉन्ड्स बना सकता है क्या ये ऊपर वाला फैक्ट क्लियर हुआ ये अभी जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे वहां पर ये बहुत काम आएगा कि कोई भी एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है इट डिपेंड्स अपॉन कि उस एटम के पास या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में या उसकी एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। डन हैप्पी हो ठीक है डन डन यहां तक सबको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई अब हमारे जेई में एक सवाल आता है एक नहीं हर पेपर में ठीक है हर पेपर में जेई का कोई भी पेपर हो वहां पर एक सवाल आता है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर राइट तो हमें पहले तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये बनाना आना चाहिए तो दिस मेक्स मी गो टू माई नेक्स्ट टॉपिक अभी मैं बिल्कुल बेसिक केवल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ अभी केमिकल बॉन्डिंग एज सच मैंने टॉपिक वाइज स्टार्ट भी नहीं किया ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जो नहीं पता होंगी तो आगे आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अटकोगे जस्ट एक मिनट पानी पीने दो आज पानी वानी पीते रहेंगे अच्छा ये तो तुमने बताया नहीं तुम बोलते नहीं हो मैम सेव कर लेना तुम बोलते रहना मैं सही बता रही हूँ ये क्या हो गया शेयर थोड़ी ना करना था सेव करना था। फाइल, टू ओ सेव ये बताते रहना नहीं तो फिर मत कहना मैम हमारी सारी की सारी जो स्लाइड्स हैं मतलब वो आपने अपलोड नहीं करी भाई साहब आज गया तो मैं पूरी दोबारा लिखने से मेरे बस की बात नहीं है ठीक है एक मिनट पानी पीन दो फिर पढ़ाती हूँ चलो ध्यान से देखो टॉपिक का नाम क्या है टॉपिक का नाम है वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स भाई जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके एक एक करके हमें स्ट्रक्चर जो है उनको बनाने की कोशिश करनी है सबसे पहले आपको पता है जैसे मीथेन है बस ये तो बचपन से सीखा है ना क्लास टेंथ में भी बनाया था बच्चे ये जो बीच वाला एटम होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेंट्रल एटम 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 वो एटम होता है जिसके ऊपर बाकी के आकर चिपक जाए ठीक है और ये जो निके से से छोटे छोटे से साइड आट, जो फालतू के एटम्स होते हैं इनको बोलते हैं हम साइड एटम्स तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सेंट्रल एटम और साइड एटम का क्या मतलब होता है ठीक है अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंट्रल एटम है ये साइड एटम है तो ध्यान से सुनो सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए तो लिख लो पॉइंट लिख लो सेंट्रल जनरली वो होता है जो लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए जो बिगर इन साइज हो बिगर इन साइज हो और जिसकी कोवेलेंसी कोवेलेंसी ज्यादा हो कोवेलेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म जो ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है उस एटम को बोलते हैं मतलब उस उस चीज को बोलते हैं उसकी कोवेलेंसी क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हुई ध्यान से सुनिएगा इतनी बात सबको क्लियर हुई अब मान लो मेरे पास है जैसे पॉइंट नंबर थ्री हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है बच्चा ये फ्लोरीन हो गया ये केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है ठीक है हाइड्रोजन हो गया फ्लोरीन हो गया ठीक है उसके बाद ओ पे माइनस ओ पे एक नेगेटिव चार्ज जब ऑक्सीजन सुनो पहले ये भी एक टॉपिक अच्छा है सुन लो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वन एस टू टू एस टू टू पी टू पी फोर सही है ना चार पांच छह सात सात आठ डन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू पी फोर मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है अगर मैंने ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अब ये क्या बन जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव यानी कि इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ओ माइनस ये केवल कैन बी ओनली साइड एटम्स ये केवल साइड एटम की तरह रिएक्ट करेंगे क्योंकि ओ माइनस केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है तो इस टाइम पे इसको मैं सेंट्रल एटम की कंसीडर सेंट्रल एटम की तरह कंसीडर नहीं कर सकती क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई अब मान लो मेरे पास कोई एक स्ट्रक्चर आ गया किसी ने कहा कि मैम लेटर से कि आपको फिफ्थ पॉइंट कोई कहता है मैम आपको लेटर से अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना है पानी का स्ट्रक्चर बनाना है एसओ फोर टू माइनस का स्ट्रक्चर बनाना है मैम आपको अमोनियम का स्ट्रक्चर बनाना है पी फाइव का स्ट्रक्चर बनाना है एस एफ फोर का स्ट्रक्चर बनाना है एनओ टू माइनस का स्ट्रक्चर बनाना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये मेरे से पूछेगा इन सबके स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तो मेरी बात ध्यान से सुनना दो छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ बस ये दो पॉइंट्स आपने अपने दिमाग में लिखने हैं और आप सारे के सारे स्ट्रक्चर बना पाओगे लिखिए पॉइंट नंबर सेवन और इन पे मार्क कर लो ऐसे स्टार और इस पे स्माइली ये दो पॉइंट्स आपको डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट याद रखने हैं मान लो आपके मॉलिक्यूल के अंदर सपोज आपके मॉलिक्यूल के अंदर एक नेगेटिव चार्ज है एंड एट द सेम टाइम ऑक्सीजन भी है तो बच्चे याद रखना जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना वो नेगेटिव चार्ज का भूखा होता है क्या होता है इट इज अ फूडी ऑफ नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन हमेशा हमेशा के लिए नेगेटिव चार्ज को ले लेगा तो so अगर आपके मॉलिक्यूल में नेगेटिव हेलो 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 बच्चे कैन यू प्लीज कंफर्म वेदर ऑल ऑफ यू कैन हियर मी और नॉट आ रही है आ रही आवाज़ आ रही है ओके 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 हाँ आई एम सो सॉरी एक्चुअली क्या कहते हैं मेरे पैर मैं इधर से उधर जा रही थी मेरे पैर से वायर हिल गई और वो स्विच निकल गया इसलिए कैमरा मतलब स्टक हो गया था ठीक है अभी यू कैन हियर मी ब्लैक मैजिक मतलब निशान सर की क्लास में कल मैं थी और एक बार भी मतलब उनकी क्लास में ये प्रॉब्लम नहीं आई बट मेरी क्लास में पता नहीं क्यों हमेशा या तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है या ब्लैंक हो जाता है पता नहीं क्या बीमारी है ठीक है मुझे लगता है लैग और ये ब्लैक मैजिक को भी थोड़ा केमिस्ट्री से ज़्यादा प्यार है क्या कर सकते हैं ठीक है मतलब कई बार हो जाता है ऐसा चलो नहीं कल मैं ना निशान सर की क्लास में काफ़ी देर थी आई वॉज सिटिंग बाजू वाले रूम में तो एक बार भी प्रॉब्लम नहीं आई कि भाई बंदा कहे कि कोई लैग आ रही है कुछ आ रहा है मेरी क्लास में कुछ ना कुछ कांड होता रहता है चलो ब्लर नहीं है यार अब ब्लर नहीं है सब बढ़िया है कुछ ब्लर तो नहीं लग रहा स्क्रीन सही है चलो ध्यान से तो मैं आपको वो दो पॉइंट्स बता रही थी जो सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सबसे पहला ये कहता है कि अगर आपके पूरे मॉलिक्यूल में कोई नेगेटिव चार्ज है ठीक है और उसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन भी है तो भैया ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को खींच कर आ जाएगा ऑक्सीजन चाहेगा कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज आए ठीक है और अगर गलती से आपके मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है मगर ऑक्सीजन नहीं है जैसे दावेदार है ऑक्सीजन है ना आजकल ये बिग बॉस का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे ये दावेदार कैप्टन बन गया ये हो गया वो हो गया ये सारी बातें चल रही है अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो दावेदार कौन है नेगेटिव या पॉजिटिव को लेने के लिए दावेदार कौन है सेंट्रल एटम अब ये जिन बच्चों ने कभी मेरे से पहले पढ़ा शायद उनको ये चीज क्लिक कर गई है कि मैम क्या कहना चाह रही है बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको लग रहा होगा कि मैम हमें कुछ समझ नहीं आया आप ये क्या कहना चाह रहे हो तो आपको ना घबराना नहीं है अब मैं आपको पांच स्ट्रक्चर्स कराऊंगी और पांच के पांच स्ट्रक्चर्स आप बच्चों को मस्त तरीके से समझ आएंगे ध्यान से देखेगा आपको केवल ये दो रूल्स ही याद रखने हैं नथिंग एल्स कल को मेरे को किसी ने कहा कि अमोनिया का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगी सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम कौन लूंगी नाइट्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन तो साइड एटम ही होता है नाइट्रोजन के पास कितने ल्यू कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं पांच है ना 2s2p3 तो, तो टोटल टो पांच पांच में लिखो 1 2 3 4 5 तीन हाइड्रोजन आएंगे एक 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 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे और एक लोन पेयर मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास बन गया अमोनिया के पास ये बात ठीक है कल को मुझे किसी ने बोला कि नहीं 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 ये तो बच्चों बच्चों का खेल है आप अमोनियम का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मैंने कहा ठीक है सेंट्रल एटम तो अभी भी कौन होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पांच एक दो तीन चार पांच मगर दुख की बात यह है कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे क्या है पॉजिटिव चार्ज और अगर कभी पॉजिटिव चार्ज आता तो वो बेचारे किसको मिलता है सेंट्रल एटम को पॉजिटिव चार्ज मिलने का मतलब नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो अब नाइट्रोजन पे पांच इलेक्ट्रॉन होने की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन हो गए केवल चार ठीक है चार इलेक्ट्रॉन हो गए और पॉजिटिव चार्ज किस पे है नाइट्रोजन पे अब एक एक हाइड्रोजन को बुलाओ एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज भी था आ गया क्या ये बात सबको समझ आ गई कल को कोई मुझे कहे कि अरे मैम क्या छोटे बच्चे वाली चीजें सिखा रहे हो आप एक काम करो एनओ टू माइनस का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मैम ये आपसे ना बन पाएगा ये आपकी ट्रिक से काम नहीं करेगा मैम एनओ टू माइनस का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मैंने कहा ओके नो वरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है नाइट्रोजन और जनरली जो एक होता है ना वही सेंट्रल एटम होता है ऑक्सीजन दो आपस में लड़ेंगे इससे अच्छा नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम बनाते हैं

तो क्या आपको दिखाई दे गया नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया अभी मैं आपको ये नहीं बता रही कि मॉलिक्यूल की शेप कैसे डिटरमिन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिटरमिन करते हैं ना 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 मगर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में जरूर आते हैं जहां आपसे ये पूछा जाता है बताओ इस मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर हैं तो आपको समझ तो आ रहा है ना ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना जो खाली बच जाते हैं इसको बोलते हैं लोन पेयर ये लोनली है अकेला बैठा है और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्ड बना लिया इसको क्या बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इस ट्रिक को दिमाग में रख के आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बड़े आराम से बना सकते हो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक स्ट्रक्चर बनाएं मान लो मैं आपको कहती हूं COCl2 का स्ट्रक्चर बनाओ किसका COCl2 का मैंने कहा मैम सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार ये कहीं पे भी चार चिपका लो क्लोरीन एक एक, एक बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो बन गया सीओ सी एल टू का स्ट्रक्चर ये मैंने ऐसे थोड़े अजीब तरीके से लिख दिया बाकी लिखने का बेस्ट तरीका सी सी एल सी एल ये लिखने का तरीका हम बाद में सीखेंगे मगर कम से कम अभी मेरे को स्ट्रक्चर बनाना आ जाए ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इतना क्लियर हुआ क्या ये बात सबको समझ आई पी डब्ल्यू स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं रोना मचाते हैं अरे यार ये तुमने डिवाइड कर रखा है ये ये स्टूडेंट ये ये स्टूडेंट टीचर टीचर स्टूडेंट स्टूडेंट तुम कहीं के भी स्टूडेंट हो बड़े सारे ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे बाउंस बैक अटेंड करते हैं दैट इज़ ओके यार शिद्दत से पढ़ो मतलब मैं कभी ये नहीं सोचती ये इस इंस्टीट्यूट का या इस टीचर का बच्चा है और ये मेरे पास आके क्यों पढ़ रहा तुम शिद्दत से पढ़ो यार कोई नहीं मैंने कभी ये नहीं सोचा ना कि मैं कम पढ़ाऊं या मैं क्यों अपने सारी ट्रिक्स यूट्यूब पे बताऊं मैंने कई टीचर्स ऐसे देखे जो ये बोलते हैं ये टीचर इतने स्टूपिड हैं मतलब मैंने सुना है ऐसे टीचर्स को बोलते हैं कि ये टीचर्स इतने स्टूपेट है यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा देते हैं अरे भैया पढ़ा रहे हैं बच्चों के भले के लिए पढ़ा रहे हैं बच्चे को सारी चीज अगर फ्री में भी मिल रही है ना तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे जितना आता है ना मैं अपने बच्चे के साथ शेयर करूँ ठीक है तो ये नेगेटिविटी नहीं फैलानी शिद्दत से पढ़ो कोई टेंशन नहीं है आराम से पढ़ो चलिए एक स्ट्रक्चर क्या आप सब बच्चे मुझे बनाकर दिखाएंगे आप मुझे स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए पी सी एल फोर और ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज पीसीएल फोर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज सोच के बनाइए जल्दी पी फोर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाएंगे पहले तो मैंने सोचा सेंट्रल पांच इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच है हा ना हाँ मैंने कहा यार पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब जब कोई दावेदार ना हो तो कहां पर आएगा सेंट्रल एटम पे तो फॉस्फरस से एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाए और फॉस्फोरस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाए चार क्लोरीन है बन गया पीसीएल फोर पॉजिटिव का स्ट्रक्चर एवरी वन आई यू ओके विद द स्ट्रक्चर ऑफ पीसीएल फोर पॉजिटिव एवरी वन इज ओके डन सामने देखिए अगर मैं आपसे कहूं एस ओ फोर टू का स्ट्रक्चर बनाइए सब लोग बनाएंगे पहले सेंट्रल एटम मैम सबसे मोटू कौन है सल्फर एक दो तीन चार पांच छ और रे 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 मैम मैम ध्यान से देखो दो नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव खाएगा कौन ऑक्सीजन तो दो ओ माइनस बनेंगे एक ओ माइनस इससे जोड़ दो एक ओ माइनस इससे जोड़ दो और चार ऑक्सीजन है एक डबल बॉन्ड यहाँ बनाओ एक डबल बॉन्ड यहाँ बनाओ मैं अभी कोई लूइज डॉट स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पर बीच वाले सल्फर का एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह इलेक्ट्रॉन हो गए तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू लूइज डॉट स्ट्रक्चर बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल डैन एक लास्ट आप मुझे करके दिखाएंगे Take your time. CLO का स्ट्रक्चर आप सब बच्चे बना के दिखाएंगे। समय लीजिए ठीक है? काव्य बच्चे देखो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्लॉक नहीं करवा सकती ठीक है ना तो स्टॉप स्पैमिंग स्टॉप स्पैमिंग आई एम सीरियसली आई गेट अदरवाइज आई किक यू आउट ऑफ द क्लास स्टॉप स्पैमिंग जल्दी मैम टाइम पास मत करवा कोई बात नहीं बिहारी मीना निकल जाओ क्लास से गेट आउट ऑफ द क्लास नो टाइम पास राइट व्हाई द हेल व्हाट आर यू डूइंग हियर जस्ट जस्ट गेट आउट ऑफ द क्लास बड़े आए टाइम पास मत कराओ निकल जाओ क्लास से चिल मारो जहां पढ़ना है पढ़ो मेरी क्लास में मत आओ बस टाइम पास मत करो पढ़े ClO4- का स्ट्रक्चर कैसे करेंगे ClO4- मैम क्लोरीन सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 6 7 अरे 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 मैम एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव को खींच लेगा क्या बनाएगा ओ माइनस बाकी तीन ऑक्सीजन बनाएंगे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी एल ओ फोर माइनस का स्ट्रक्चर सबको ड्रॉ करना आ गया कल को अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछू ध्यान से एक और ला एक और कर दो मजा आ रहा है क्वेश्चन करते हुए एक और स्ट्रक्चर आई थ्री माइनस जेई का बहुत प्यारा क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन ऑफ जेई बहुत प्यारा क्वेश्चन है टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर इसके बाद जेई के क्वेश्चन कराती हूं सम ऑफ लोन पेयर एक क्वेश्चन ये करेंगे देखो अब जेई के सीधा क्वेश्चन कराती हूं पहले ये करके दिखाओ पेन कहाँ गया करके दिखाओ कितने लोन पेयर आएंगे आई थ्री माइनस एक छोटा सा हिंट देती हूं आई थ्री माइनस समझ नहीं आ रहा ना मैम कौन सा सेंट्रल एटम कौन सा साइड एटम क्या आप इसको आई आई माइनस लिख सकते हैं टेक योर टाइम कोई फॉर्मुला नहीं यूज कर रहे हैं टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एक मिनट में पेन ले सो दैट मार्क कर दू कौन कौन से क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं आई थ्री माइनस इतना तो सबको समझ आ गया होगा है ना कि मैम मस्ट क्वेश्चन है आई थ्री माइनस मैम आयोडीन सेंट्रल एटम आयोडीन के पास एक दो तीन चार पांच छे सात इलेक्ट्रॉन क्या ये बात सही है आयोडीन के पास सात इलेक्ट्रॉन मगर मैम देर इज अगेटिव चार्ज और नेगेटिव आया तो ऑक्सीजन कहेगा मैं नेगेटिव लूंगा मगर पूरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है ही नहीं तो जब ऑक्सीजन ना हो तो दावेदार नेगेटिव का कौन है सिर्फ सेंट्रल एटम तो सेंट्रल एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए कितने आयोडीन आएंगे दो आयोडीन एक आयोडीन यहाँ एक आयोडीन यहाँ कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं दो कितने लोन पेयर नजर आ रहे हैं तीन जेई का क्वेश्चन है मेन एडवांस दोनों में पूछा गया है जेई मेन की बात करो जेई एडवांस की बात करो दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है डन चलिए अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे एक काम करते हैं क्वेश्चन उठा लेते हैं जो जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर एक दो तीन चार चलिए जेई मेन के क्वेश्चंस मैंने केवल इतना सिखाया ना सीधा जेई मेन के क्वेश्चंस पे आते हैं ओके टेक योर टाइम दिस इज द क्वेश्चन जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लीज टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेन पीवाई क्यू हाँ जी कर क्या दिखाइए जेई मेन का पीवाईक्यू है टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर यू हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ ठीक है यू हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ एक्जीओ थ्री एक्जीओ एफ फोर एंड एक्जी एफ सिक्स ठीक है आंसर ओके चलिए बहुत बढ़िया जिन जिन के आंसर आ रहे हैं जिन जिन के आंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया सामने देखिए एक्सीओ थ्री जिनोन कितने इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ तीन ऑक्सीजन एक दो तीन ऑक्सीजन कितने लोन पेयर एक एक्सी ओ एफ फोर जिनोन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ कितने ऑक्सीजन एक कितने फ्लोरीन एक दो तीन चार कितने लोन पेयर एक एक्सि एफ सिक्स एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ छ्लोरिन एक दो तीन चार पाँच छ कितने लोन पेयर एक टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर तीन कितना देर लगा जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू डू दिस जेई मेन पी वाई क्यू एंड नाउ दिस इज अ कंप्लीट थिंग फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो ये बकवास करते हैं क्लास में आके कि साक्षी मैम टाइम पास करें मतलब शेम ऑन यू गाइज शेम ऑन यू अगला क्वेश्चन करके दिखाइए क्वेश्चन नंबर चौदह ये है चौथा क्वेश्चन पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह नहीं यस टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम ऑफ एस सी एल टू ओ थ्री सी एल एफ थ्री एंड एस एफ सिक्स रिस्पेक्टिवली आर जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर करिए और मुझे आंसर बताइए समय लीजिए और आंसर बताइए बताइए आंसर बताइए समय लीजिए आंसर बताइए आ गया आंसर ए बी सी डी ए बी सी डी आ हा मेरे समझदार बच्चे फटाफट आंसर लिख रहे हैं ऑसम awesome, देखना जरा पहले है एस सी एल टू सल्फर सेंट्रल आइटम एक दो तीन चार पांच छ दो क्लोरीन चिपका दो तो कितने लोन पेयर हैं दो कितने लोन पेयर हैं दो या तो बी होगा या डी होगा ओ थ्री ओ थ्री को भी मैं बनाना सिखाती हूँ पहले बनाओ सी एल एफ थ्री एक दो तीन चार पांच छ सात ठीक है सी एल एफ थ्री कितने फ्लोरीन तीन एक दो तीन कितने लोन पेयर होने चाहिए क्लोरीन पे दो तो यहाँ पर भी दो है आंसर यहाँ पर भी दो है अच्छा टू वन टू जीरो टू वन टू जीरो ठीक है बहुत बी एंड डी देन सेम ही आ रहे हैं बहुत बी एंड डी ठीक है D में कुछ चेंजेस होंगे मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ D में एक मिनट यहाँ है टू वन टू जीरो टू वन टू टू ये था डी में था टू तो डी को मैं काट करके बी बोल देती हूँ ठीक है वो टाइपो है टाइपो है ठीक है टू वन टू टू कर दो ये टू दे रखा है ये टाइपिंग में गलत हो गया डन हो गया ये तो अब क्लियर हो गया कि जेई मेन के जो क्वेश्चन आएंगे जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पता करने हैं वो आप आराम से कर लोगे ठीक है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पता करने वाले क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे एक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वो आपका होमवर्क है ये फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये होमवर्क ये सब बच्चे खुद से करेंगे दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन कर पाओगे बिल्कुल सिंपल सवाल है ये जेई मेन के हैं कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि हल्के फुलके क्वेश्चन मैंने डाल दिए ये जेई मेन और एडवांस में मिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे आप दो, दो करा दिए एक आप डेफिनेटली घर से कर सकते हैं ठीक है चलिए कंटिन्यू करते हैं हम थोड़ा सा आगे कहाँ तक पहुंचे थे कहा गई थियरी हाँ जी सी एल ओ फोर हमारे कंप्लीट हो गया अब मैं फाइनली आप लोगों को इंट्रोड्यूस करती हूँ टू वन अनदर टॉपिक जिसका नाम है लुइस ऑक्टेट ओ सी टी ऑक्टेट रूल ठीक है लुइस ऑक्टेट रूल ये कहता है बच्चे कि हर एटम जो है वो ट्राई करना चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में सुनो एवरी ऐटम हर एटम क्या ट्राई करना चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में आउटर मोस्ट शेल में देअर शुड बी एट इलेक्ट्रॉन हर ऐटम ये चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और कहते हैं हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है जो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में केवल आउटर मोस्ट शेल में केवल दो इलेक्ट्रॉन यानी कि ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है हाइड्रोजन और अगर किसी एटम ने अपना ऑक्टेट या अगर अगर किसी हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया तो वो स्टेबल होगा ल्यूइस ने ऐसा बोला मतलब ल्यूइस के अकॉर्डिंग केवल वही वाले मॉलिक्यूल स्टेबल थे जिस मॉलिक्यूल में एटम के अंदर उनका ऑक्टेट जो था वो कंप्लीट था मगर आगे चलकर ऐसे देखा गया कि बड़े सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था फिर भी वो मॉलिक्यूल स्टेबल थे एग्जाम्पल जैसे आप एग्जाम्पल ले लो बी बी सी एल टू आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए तो इलेक्ट्रॉन तो तो है फोर इलेक्ट्रॉन फोर इलेक्ट्रॉन तो आठ इलेक्ट्रॉन से कम है तो अकॉर्डिंग टू तो ल्यूस ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए मगर बीई सी एल टू बड़े आराम से एग्जिस्ट करता है बी सी एल टू हो गया बी बी आर टू हो गया बी ओ एच टाइस हो गया ये सब बड़े आराम से एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर आठ इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऑक्टेट में ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जैसे बी एफ थ्री हो गया यहाँ पर बोरॉन के पास केवल छह इलेक्ट्रॉन है आउट तो शेल में तो सच तो कंपाउंड और सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज हाइपोवेलेंट कंपाउंड क्या कहते हैं हाइपोवेलेंट कंपाउंड ये वो कंपाउंड है जिनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो ल्यूइस के अकॉर्डिंग तो भैया ये एग्जिस्ट करने ही नहीं चाहिए थे मगर ये एग्जिस्ट करते हैं ठीक है थीके? आगे देखो जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल अगर आप कंसीडर करो PCl5 तो PCl5 की स्ट्रक्चर बनाओ एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस इनके अंदर दस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब इनका तो ऑक्टेट भरा था और उसके ओवर इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास ऑक्टेट मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है सच कंपाउंड्स आर वैलेंट कंपाउंड ठीक है ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड क्या मुझे कोई और एग्जाम्पल मिल सकता है हाइपर वैलेंट कंपाउंड का हाइपर वैलेंट कंपाउंड का एक और एग्जाम्पल देखो एस एफ सिक्स तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे सल्फर एक दो तीन चार पांच छह तो हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास बारह इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर वैलेंट कंपाउंड आगे आगे कहानी देखो अगर मैं आपको बोलूं बच्चे NO2 का स्ट्रक्चर बनाओ तो NO2 का स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाओगे नाइट्रोजन पे एक दो तीन चार पांच इलेक्ट्रॉन ठीक है ना एक ऑक्सीजन आया कहता कि मेरे को डबल बॉन्ड बनाने दे तो नाइट्रोजन के देखो एक दो तीन चार पांच छह सात इलेक्ट्रॉन हो गए अब नाइट्रोजन जो है है ना वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी वो क्या करता है कि चलो मैं डबल बॉन्ड बनाऊ करो ऐसा बना तो अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ तो आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन रख नहीं सकता तो नाइट्रोजन क्या करता है इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखना नाइट्रोजन ने एक अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया और जो दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह ऑक्सीजन को दे दिया इतना करने के बावजूद के बावजूद नाइट्रोजन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए एक दो तीन चार पांच छह सात तो क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गया ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तो अकॉर्डिंग टू ल्यूइस ये स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए मगर ये स्पीशीज बड़े आराम से करती हैं जैसे एग्जांपल एक और मॉलिक्यूल हो गया सी एल ओ थ्री स्ट्रक्चर बनाइए ClO3 थ्री का सब लोग सोच समझ के बनाएंगे ClO3 थ्री क्लोरीन एक दो तीन चार पांच छ सात एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड अरे क्लोरीन के पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो इन स्पीशीज को क्या बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तो लूस थोड़ा सा फेल हो गया बिकॉज लूइस ने यह बोला था कि भैया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती क्योंकि इसके अंदर तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है समझ लो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया जो पेयर नहीं हुआ तो ल्यूस के अकॉर्डिंग ये स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी बट बड़े आराम से ये स्पीशीज एग्जिस्ट करती है और ल्यूइस की देखो कैसे मतलब वो फेलियर आया ल्यूइस ने कहा कि भैया जैसे जीनोन है ये तो ऑलरेडी इनर्ट गैस है इसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट है तो इन्होंने बोला कि भैया ये तो कंपाउंड नहीं बनाएंगे मगर अभी जेई वालों ने क्वेश्चन पूछा ना एक् है न एक्स एफ सिक्स ये सारे कंपाउंड बनते हैं तो ल्यूइस ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये कंपाउंड बने कैसे क्या ये सब लोगों को अच्छे से सारी चीज क्लियर हो गई है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पहले यहां तक पूछें अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं ठीक है मैम अब तो सुन लो हां अब सुनाओ अब सुनाओ 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 क्या दिक्कत है एक्स एफ सिक्स हाइपर वेलेंट कंपाउंड है एक्स एफ सिक्स में ध्यान से देखो के पास कैसे एक्जी एफ सिक्स का स्ट्रक्चर बनाओ एक्जी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच है छः फ्लोरिन मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कैसे पॉसिबल हुआ यस इट इज एन हाइपर वन अब पहले तो मुझे यहाँ तक बताओ यहाँ किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछो नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं Done? O3 का अभी अभी आ रही हूं, O3 के structure पे अभी आ रही रही के पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मैं है इसीलिए मैंने ओ थ्री का स्ट्रक्चर उस टाइम पे नहीं कराया था मुझे दो मिनट और दो तो मैं अभी आती हूँ और कोई क्वेश्चन मैम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में क्या डिफरेंस है ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें एटम मिनिमम एनर्जी में होता है और जिसमें एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो होती है जो नेचर ने डिसाइड करी है मगर अगर आप उसको थोड़ी सी एनर्जी देते हो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटके किसी दूसरे स्टेट में चला जाता है ऐसी डन यहाँ तक क्लियर हो गया सेव पीडीएफ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ये पीडीएफ वाले बच्चे मुझे बड़े पसंद है मेरा काम अच्छा कर देते हैं फाइल डेस्कटॉप uh, Yes. चलिए आगे देखते हैं। अभी अभी देखो अभी हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी कंटिन्यू करनी है जो अभी हमने कंप्लीट करनी है तो उसके लिए घबराओ मत अभी मैं पढ़ाती हूं। अब क्योंकि मुझे इतना समझ आ गया कि बच्चों को कोवलेंट शायद समझ आ गया होगा बट अभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़ी कंफ्यूजन है तो क्यों ना एक काम करते हैं कि हम लोग सीओ रुको हम लोग सीओ ओ आर डी आई एन ए टी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं ठीक है लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड कि मैम कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कंफ्यूजन है सु, सुनिएगा बच्चे मान लो मेरे पास एक एटम है ए और उसके पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे पास एक एटम है बी जिसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मगर बी के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि वो ए के साथ शेयर कर सके मतलब समझो ए कहता है कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं दे सकता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा मगर B क्या है कहता है, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो मगर बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो जब एक पर्टिकुलर एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है तो बॉन्ड अभी भी बॉन्ड बना क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन दिए मगर ये जो बॉन्ड है इसको अभी भी हम शेयरिंग ही कहते हैं देखो मैं एक बार बताती हूँ जब ए ने अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए बच्चे इस प्रकार के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड मगर जब ए ने अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए बॉन्ड बनने के बाद आप ये नहीं पता कर सकते कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है बॉन्ड बनने के टाइम पे डिफरेंस होता है कि क्या ए और बी एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए हैं या ए ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी को दे दिया मगर जब बॉन्ड बन जाता है तो बॉन्ड को देखते ही मैं नहीं बोल सकती कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मगर एक कंडीशन है कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उस पर आप पॉजिटिव चार्ज लगा दो जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उस पे आप नेगेटिव चार्ज लगाते हो तो क्या मैं बोल सकती हूँ मगर बॉन्ड बनने के बाद आप ये नहीं पता कर सकते कि कौन सा कोऑर्डिनेट है और कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है ठीक है लंच ब्रेक अभी नहीं मिलेगा थोड़ी देर बाद मिलेगा जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ घबराओ मत बच्चे एक सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम बाकी डिस्कशन करेंगे और मैं एक और चीज़ आप सब बच्चों को हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ प्लीज मेरी बात सुनो बच्चे अगर आप चैट में मतलब अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली एक बात बताओ फॉर अ टीचर ठीक है मैं आज सोच के आई कि मैं बारह बजे हर रोज बाउंस बैक कितने बजे होता है दो बजे ठीक है मुझे पता था आज मेरा केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट ऐसा है जिसमें मुझे बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे हर कॉन्सेप्ट हर टॉपिक को पढ़ाने का मन है ठीक है अब जैसे YouTube पे बाकी सेशन हैं कि दो घंटे में तीन घंटे में केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाए मैं भी आपको तीन चार घंटे का वन शॉट लेके कह सकती हूँ ना हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा दिया बट मैं दिल से तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना कि ठीक है मुझे बच्चों को सब पढ़ाना है इसीलिए मैंने दो बजे की क्लास बारह बजे स्टार्ट करी सो देट लेट तक मैं पढ़ा सकूँ बारह बजे स्टार्ट करती हूँ आठ नौ बजे तक मैं आराम से पढ़ा सकती हूँ ना दो बजे स्टार्ट करके मैं ग्यारह बजे तक पढ़ाऊँ तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी मुझे भी मेरा छोटा बच्चा दो साल का मैं उसको ग्यारह बजे तक अकेला नहीं छोड़ सकती म, म, मैं बस इतनी चीज़ तो मैं कह रही हूँ बच्चे अगर आपको नहीं पढ़ना इफ़ यू आर लाइक ये टीचर बिल्कुल बेकार है इसका कुछ समझ नहीं आता बच्चे मैं आपको कहती हूँ प्लीज़ आप क्लास से चले जाओ ठीक है प्लीज़ लीव द क्लास अगर आपको नहीं पढ़ना बट अगर आप चैट्स में स्पैम करोगे कि ये टीचर बेकार है ये ओपी ये ओपी ये टीचर गंदी है तो आप ये सोचो ना कि मेरी जो पूरा का पूरा जो मेरा एनर्जी है मैं आठ घंटे पढ़ाने की एनर्जी आज कैसे मेंटेन करूंगी अगर आप ऐसी गंदी चीजें चैट्स में लिखोगे ये फ्री सेशन है अगर ये प्लस की क्लास होती ना और तुम इस तरीके से स्पैम कर रहे होते मेरे को दो मिनट लगने थे तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक करवा देती ठीक है चाहे प्लस का बच्चा हो ना मैं अकाउंट ब्लॉक करवा देती हूँ अगर किसी ने बदतमीजी करी क्लास में इट इज जस्ट कि तुम फ्री क्लास में आके ये सब गंदी चीजें करते हो स्टॉप डूइंग दैट बच्चे इट इज सो बैड मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा तुम्हारे लिए फिर तुम सुनोगे वो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है मेरे लिए भी अच्छा नहीं है तो कृपया करके जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो मेरी क्लास में आए मुझे कितने लाइव वॉचिंग है उससे कोई मतलब नहीं है अगर आज क्लास में दस बच्चे भी लाइव होंगे ना तो मैं दस बच्चों को भी पढ़ाऊंगी मगर मुझे फालतू बच्चों को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो जिसको लगता है ये ओपी ये ओपी ये टीचर बेकार है प्लीज बच्चे आप क्लास से चले जाओ जो आपको ओपी लगता है आप उनकी क्लास में जाके पढ़ो कोई मना नहीं है तुम मेरे सेशन को डिसलाइक कर दो मैं खुद बोलती हूँ दस बीस लोगों को ले आओ पैसे देकर डिसलाइक करवा लो चलेगा मगर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना उनका अगर तुमने नुकसान किया ना तो भाई साहब तुम मेरे से बहुत बुरा सुनोगे बहुत बुरा सुनोगे मैं सही बता रही हूँ अगर किसी ने मेरे बच्चों का नुकसान किया ना तो सही में तुम सुन लोगे जो स्पैमर आते हैं हमारी क्लास में ठीक है डन तो अब बकवास करनी बंद कर देना जिनको लग रहा है मैम आधा अधूरा एक्सप्लेन कर करिए प्लीज निकल जाओ क्लास से दफा हो जाओ अपने ओपी टीचर्स के पास जाके पढ़ो यहां मत आना

अब Lewis का कहना है कि सल्फर का एक दो तीन चार पांच छत आठ ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है है ना ने क्या किया कि ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ज्यादा नहीं कर सकते मगर ये दूसरा ऑक्सीजन अभी भी खड़ा है वो कह रहा है कि देखो मुझे तो अभी छह इलेक्ट्रॉन है दो और चाहिए तो अब सल्फर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरीके से ऑक्सीजन को दे देगा तो जब सल्फर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ तो हुआ क्या सल्फर के तो अभी भी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के भी आठ इलेक्ट्रॉन है मगर इस ऑक्सीजन के पहले जो छह इलेक्ट्रॉन थे अब ये भी किसमें कन्वर्ट हो गए आठ इलेक्ट्रॉन में तो ये है लुईस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सल्फर का स्ट्रक्चर इसी को मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख दूं सल्फर डबल बॉन्ड यहां बनाएगा

सल्फर यानी कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं Lewis के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर गलत है मगर रियलिटी में ये स्ट्रक्चर सही है क्यों क्योंकि थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं मैम इसका मतलब क्या है ऑक्टेट एक्सपैंड करने का ये हम आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे विल विल स्टडी दिस थिंग इन मोर डिटेल जब मैं आपको बॉन्ड बनाना सिखाऊंगी तब आपको समझ आएगा ऑक्टेट एक्सपेंशन का मतलब क्या मगर अभी याद रख सकते हैं थर्ड पीरियड वालों के लिए आप आराम से ऑक्टेट एक्सपैंड करो कोई दिक्कत नहीं है जैसे एक और स्ट्रक्चर करते हैं मान लो बच्चे मैंने NO3- का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करवाया तो आप कैसे करोगे मैम नाइट्रोजन पे पांच एक दो तीन चार पांच अरे 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 मैम नेगेटिव है और ऑक्सीजन भी है तो नेगेटिव कौन ले जाएगा ऑक्सीजन तो O- माइनस ए की बॉन्ड बनाएगा अब बच्चे कितने हमारे पास दो ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन तो ये दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया कितनी हो गए नाइट्रोजन के एक तो दो तीन चार पांच छठ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो कालेक्ट्रॉन है ये दोबारा शेयर नहीं हो सकते क्योंकि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता मगर ऑक्सीजन अभी भी मुंह लटका के खड़ा है कि देखो मेरे पास तो छह इलेक्ट्रॉन है तो अब नाइट्रोजन कहता है कि अरे ऑक्सीजन तुम रोवो मत मैं तुम्हारे साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हूं तो क्या ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया एनओ थ्री माइनस का स्ट्रक्चर एनओ थ्री माइनस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया डन स्ट्रक्चर देखो मान लो मुझे किसी ने कहा ओ थ्री ओजोन का स्ट्रक्चर बनाओ इसी में कंफ्यूजन थी ना अब क्या सब बच्चे एक बार ओ थ्री का स्ट्रक्चर खुद से ट्राई कर सकते हैं क्या एक बार सब बच्चे खुद से ओ थ्री का स्ट्रक्चर ट्राई कर सकते हैं करना बच्चे ओ थ्री का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे क्या मैं इसको ओ ओ टू लिख सकती हूँ एक ऑक्सीजन को सेंट्रल में एक दो तीन चार पांच छे अब ऑक्सीजन दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा डबल बॉन्ड बीच वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट ये करेगा बल्ले बल्ले अब करेगा दूसरा ऑक्सीजन को देखेगा ये मुंह लटकाए खड़ा है है हाँ ना जैसे हमारी क्लास में स्पैमर्स है बेचारा मुंह लटकाए खड़ा है कि अरे अरे अब मेरा क्या होगा ना तो मैं घर का ना घाट का तो ये ऑक्सीजन आके कहेगा कोई बात नहीं तेरे को भी पढ़ा देते भाई तू क्यों रो रहा है ये ऑक्सीजन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा डन और इसी ओजोन का स्ट्रक्चर थोड़े से स्मार्ट तरीके से लिखना चाहूं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए जिसने दिया उस उसपे पॉजिटिव जिसने लिया उस उसपे नेगेटिव ठीक है अब मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर सबका क्लियर हो गया दिस इज क्लियर टू एवरी वन किसी बच्चे को कोई प्रकार की प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो अब एक क्वेश्चन मैं देती हूँ एक क्वेश्चन मैं देती हूँ प्लीज करके दिखाना डन इतना लिख लिया सबने एक जेई का क्वेश्चन करके दिखाएंगे बच्चे एन टू ओ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए एन टू ओ एन टू ओ सबसे पहले आप सब जानते हैं कि हस नो मरो हंसोगे नहीं तो मर जाओगे ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं हमारी केमिस्ट्री की मरो मतलब सीओ नो मतलब एनओ हंसना मतलब एन टू ओ हसोगे नहीं तो मर जाओगे ये एन टू ओ जो होती है ये क्या कहलाती है लाफिंग गैस क्या कहलाती है लाफिंग गैस अब एन टू ओ का स्ट्रक्चर सब लोग बनाएंगे एन टू ओ का स्ट्रक्चर बनाइए एन टू ओ मैंने मन में सोचा यार एन टू हो तो मैम देखना ऐसे नहीं लग रहा पहले नाइट्रोजन बना लू एन ट्रिपल बॉन्ड एन ये तो बचपन से बनाया अब ऑक्सीजन बेचारा खड़ा है कि मेरे पास मैम छह इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है नाइट्रोजन कहता है अरे भैया रो मत मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन पेयर दे दूंगा सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चर और जब मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो जिसने दिया उस पे पॉजिटिव जिसने लिया उस पे नेगेटिव जिसने दिया उसपे पॉजिटिव जिसने लिया उसपे नेगेटिव डन चीजें अच्छे से समझ आई हैं। कोई यहां तक प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो एक छोटा सा टॉपिक जिसपे दुनिया भर के लोगों ने दुनिया भर के टीचर्स ने इतने फॉर्मूला सिखा रखे हैं, मैं कहती हूँ फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं है देर इज अ टॉपिक जो जेई मेन में भी कभी कभी पूछा जाता है टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज किस किस को फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है किस किस को फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है आ गया ना एन टू का स्ट्रक्चर बन गया सबसे एन टू का एक और स्ट्रक्चर भी है वो वो भी अभी हम सीखेंगे जब रेजोनेंस सिखाऊंगी तब सीखेंगे ठीक है देखो फॉर्मल चार्ज में ना मैंने कई फॉर्मुला देखे अच्छी अच्छी बुक्स में ये आ, हुई कीटर जेडीली बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में भी इंस्टिट्यूट के मॉड्यूल्स में भी ना कुछ कुछ फॉर्मूला दे रखे हैं कि पहले इस पे ये करो हाफ करो फिर प्लस लगाओ माइनस लगाओ अपने को कोई फॉर्मूला नहीं रटना मैंने तुम्हें अभी तक क्या सिखाया स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपने ना बस क्या करना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ अब हर एटम पे जो भी चार्ज है इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर वो क्या कहलाएगा उस एटम का फॉर्मल चार्ज लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ और जो भी आइटम पे चार्ज है उसको बोल दो उसका फॉर्मल चार्ज कुछ रटना नहीं है जैसे बच्चे सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड चार पांच छह एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड अब दूसरा अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये इसके साथ क्या बनाएगा और क्या कहता है? कि को कोवेलेंट में कन्वर्ट करो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर पॉजिटिव जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर सल्फर पे कितना चार्ज है प्लस वन तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज कितना ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है माइनस वन तो फॉर्मल चार्ज कितना माइनस वन इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है जीरो तो फॉर्मल चार्ज कितना जीरो डन दिस इज व्हाट इज फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज में बाकी और कुछ नहीं है फॉर्मल चार्ज में बाकी और कुछ नहीं है करके दिखाओगे अनदर क्वेश्चन आप मुझे एच थ्री ओ पॉजिटिव जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इस पे हर एटम पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताओ हर एटम पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताओ हाउ हाउ एम आई पुटिंग द डॉट्स बच्चे ऑक्टेट जैसे सल्फर था सल्फर क्या है थ्री एच टू थ्री पी फोर तो सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन छह तो मैं डॉट बनाऊंगी एक दो तीन चार ठीक है करें सेंट्रल कौन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच छ मगर क्योंकि पॉजिटिव है तो अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चिपकाओ और एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो अब कितने हाइड्रोजन आएंगे तीन एक दो तीन इस हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है फॉर्मल चार्ज जीरो फॉर्मल चार्ज जीरो फॉर्मल चार्ज जीरो ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव है तो फॉर्मल चार्ज कितना प्लस वन ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना प्लस वन क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई दिस इज क्लियर टू एवरी वन एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क किसी को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज तसली से पूछे किसी बच्चे को कोई प्रकार की प्रॉब्लम है प्लीज पूछे तो यहां तक मैं एक मिनट देख लेती हूँ कि क्या हम और कोई क्वेश्चन कर पा रहे हैं अभी जेई का डायमैग्नेटिक शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन शेप कैरेक्टर मैग्नेटिक पैरा बॉन्ड ऑर्डर एमओ टी पोलर नॉन पोलर पैरा ओवरलैप रुको एस पी थ्री डी टू बॉन्ड ऑर्डर एमओ टी डाईपोल बॉन्ड ऑर्डर ट्वेंटियथ क्वेश्चन एक बार करिएगा ट्वेंटियथ अभी कर पाओगे या नहीं एक मिनट लेट मी चेक फर्स्ट नहीं अभी अभी नहीं कर पाओगे कर भी पा सकते हो करो चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डू दिस क्वेश्चन ऑड इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ही तो बनाना है कर पाओगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवल कैरेक्टर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ठीक है करो ट्वेंटी क्वेश्चन प्लीज ट्राई एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन टेक योर टाइम और इस क्वेश्चन का आंसर करिए एन टू ओ एन टू थ्री चलिए स्ट्रक्चर बनाने हैं बाकी कुछ नहीं है जस्ट स्ट्रक्चर बनाने हैं आंसर करके दिखाओ यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर स्लाइड सेव बस इसके बाद स्लाइड सेव कर लेती हूँ पहले ये कर लो इतना कर लो फिर क्वेश्चन करते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करती हूं इसके बाद ये मेरे एटम्स आजकल समझदार होते जा रहे हैं द ऑक्साइड व्हिच कंटेेंस एन ऑड इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम N2 अभी बनाया और NO2 तो मैंने अभी-अभी बनाया था नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसके साथ ये और एक ऑड इलेक्ट्रॉन तो NO2 इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जानकर आपको खुशी होगी ये जेई मेन 2022 का सवाल है मुझे बताओ कितने घंटे लगे तुमको ये सवाल करने में कुछ चंद सेकंड्स लगते हैं इनऑर्गेनिक के सवाल करने में अगर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉग है तो बस पेशेंटली करो सब कुछ हो जाएगा घबराना नहीं है सब कर सकते हो सब कर सकते हो ठीक है तो यहां तक आपको एक खुशी की बात मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि हमारे आज के पूरे सेशन का जो बीसवा सेक्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं अब आप ये मत सोचना कि अरे मैम ने तो डेढ़ दो घंटे में एक सेक्शन कराया आपने मेरे काफ़ी वन शॉट अब अटेंड कर लिए यू नो राइट कि जो मतलब ये सेक्शंस मैंने इस तरीके से डिवाइड कर रखे हैं कि जो मुश्किल पार्ट है उसका भी एक ही सेक्शन है आसान पार्ट्स का भी एक ही सेक्शन है तो चलो तुम्हें डर लगता ना फिर तुम कहते हो मैम कितने सेक्शन कितने सेक्शन मैं अरे अब हट भी नहीं सकते अब कंटिन्यू करेंगे ठीक है ठीक है मैम आपके सारे वन शॉट टू एक्स पे देख के अब रियल स्पीड में अजीब लग रहा है आपकी आवाज़ हाँ नहीं वो ऐसा होता है कि कभी जब मैं खुद भी अपना कोई ऐसे सेशन जैसे कई बार मुझे देखना होता है कि मैंने अपने प्लस वाले बच्चों को क्या क्या पढ़ा दिया है क्या क्या रह गया वो पढ़ाना है तो कभी मैं भी अपना सेशन टू एक्स पे देखती हूँ ना या तुम्हें पता है जब भी मैं अपना व्लॉग भी टू एक्स पे देखती हूँ ना फिर नॉर्मल पे देख के मुझे लगता है कि मैं कितना स्लो बोलती हूँ फिर बाद में पता चलता नहीं दिस इज़ माई नॉर्मल स्पीड वो टू की हमें आदत हो जाती है हाँ तो जो हमारे वो वाले बच्चे हैं ना रिकॉर्डिंग वाले बच्चे जो रिकॉर्डिंग से देखते हैं उनको आप लोगों को ऐसा डेफिनेटली लग सकता है कि मैम ये आप तो टू एक्स पे बहुत तेज मतलब नॉर्मल आवाज़ लगती है ऐसे बड़ी स्लो लगती है तो, तो दैट इज ओके <laughs> कोई बात नहीं चलिए डन बच्चे यहाँ पर अब हम अपना एक नया जो टॉपिक है एक नया सब टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टॉपिक एक मिनट एक मिनट यस ठीक है ओके okay. मैं ना अब एक मिनट मुझे दे दो तुम्हें पता है मेरा लैपटॉप फोन कुछ भी चार्ज नहीं होता तुम्हारे चैट्स नहीं देख पाती हूँ फिर बंद हो जाएगा तो मेरे को चार्जिंग पे लगा दो फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाती हूँ ठीक है चलिए तो अब हम अपनी क्लास का एक दूसरा जो टॉपिक है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एंड इस दूसरे टॉपिक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थियोरी वी बी टी लिखिए टॉपिक का नाम पहले सेव कर लेते हैं सेव करते चलते हैं आज तो बहुत स्लाइड्स हमारी भरेंगी पांच सौ स्लाइड मैं ब्लैंक लेकर आई हूं ताकि मैं सब समझा सकू चलिए टॉपिक का नाम देखिए टॉपिक का नाम है वैलेंस बॉन्ड है्योरी और इस पर लिख लीजिए दिस इज़ सेक्शन नंबर टू टॉपिक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थियोरी तो आई थिंक अब आप बच्चे ये चीज तो अच्छे से समझ पाए हैं कि मैम अगर हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर को ही मतलब आंख बंद कर कर ब्लाइंडली फॉलो करें तो ल्यूइस सारे स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था लूइस केवल उन स्ट्रक्चर्स को स्टेबल मानता था जिन स्ट्रक्चर्स में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है जिनमें उन्होंने उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है या नोबल गैसेज है तो ल्यूइस ये नहीं बता पाया था कि ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट भी क्यों कर रहे हैं ठीक है तो अब ल्यूस के फेलियर के बाद हमें एक नई थ्योरी की ज़रूरत पड़ी जो एटलीस्ट हमें बता सके कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है तो हमारे पास एक नई थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसका शॉर्ट में नाम होता है वी तो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जब भी आपको बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड बनाने के लिए आप केवल 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 अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही यूज कर सकते हो जैसे ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p4 तो अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना चाहता है तो वो केवल अपना आउटर मोस्ट शेल यानी कि सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है वो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं कर सकता ठीक है तो VBT का जो सबसे पहला पार्ट है जिसको आज हम डिस्कस करते हैं इसको बोलते हैं ओवरलैप आपको पहले तो ये समझ आना चाहिए कि ओवरलैपिंग या ओवरलैप क्या होता है ठीक है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि अगर एक बॉन्ड बनना है तो एक बॉन्ड में केवल दो इलेक्ट्रॉन्स ही यूज होंगे और जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो जिस ऑर्बिटल में हैं उन दोनों ऑर्बिटल्स को ओवरलैप होना पड़ेगा यानी कि ये एक ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन में है एंड देन इज ऑर्बिटल जिसका इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन में है तो जब भी ओवरलैप होगा दोनों ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे शुड बी इन ऑपोजिट स्पिन जब ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आएगी और इसी को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड इसी को क्या बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड ये वीबीटी का ही पार्ट है जहां पर हम ओवरलैपिंग डिस्कस करते हैं ठीक है थीके? ये वीबीटी का ही पार्ट है आपने एक नई टर्म सुनी होगी जो जेई मेन में काफी यूज होती है कि जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं दे आर डायरेक्शनल इन नेचर ये टर्म आपको सुनने में काफी बार आई होगी मगर इसका मतलब समझा देती हूँ कोवलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर इसका मतलब है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनेगा यानी कि बॉन्ड बनते टाइम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज़ बी देयर इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली ठीक है बॉन्ड बनते मतलब सीरियसली बच्चे इतना समझाने के बाद भी ओ माय गॉड मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा यार अब मैं काम करती हूँ देखो अब मैं तो कुछ नहीं बोल सकती अब ये जो मेरे एटम्स है ना ये तुम्हें जवाब देंगे बच्चे मैं तुम्हें वापस बोल रही हूँ स्टॉप स्पैमिंग और अब हम ना एक और काम कंसीडर करते हैं ठीक है एक और काम कंसीडर करते हैं ये सब बच्चे लिख देना चैट में ठीक है ना तुम लिख रहे हो बहुत बढ़िया मतलब आई एम रियली फीलिंग सो हैप्पी कि तुम इतना गंदा स्पैम मचा रहे हो अब मैं तो ना इन स्पैमर्स को देखने वाली हूँ और मैं अपने बच्चों को भी रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों इनका रिप्लाई करना बंद कर देते हैं ठीक है ना लेट लेटस डू वन थिंग हम खुश हैं यार हम छोटे से टीचर हैं हमें कोई जानता नहीं दुनिया में है ना हम बहुत बढ़िया है हम खराब टीचर छोटे टीचर दस बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम खुश हैं अब हम अपना पढ़ाई करते हैं बस मेरे आज के सेशन का एक फायदा हो जाए कि मेरे दस बच्चों को भी ना अगर सेशन समझ आता है मेरे लिए बेस्ट है ये अब छोड़ो इनको ही देखना बंद कर दो ना यही सबसे बेस्ट है यार स्पैम करते जाओ तुम जितना मर्जी करो चलो ध्यान से देखो इतनी बात सबको समझ आई कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल होता है नेचर में डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा क्या ये बात सबको समझ आई एक और टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी इस टर्म को बोलते हैं बच्चे इंटर न्यूक्लियर एन यू सी एलई आर -E इंटर न्यूक्लियर एक्सिस

एक मेरा ये एटम इसका न्यूक्लियस अब इन दोनों के न्यूक्लियस से पास होने वाली एक्सिस को हम क्या बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो हम जनरली Z जेनरली को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं आप X भी मान सकते हो आप Y भी मान सकते हो बट जनरली हम Z एक्सेस मानते हैं मैम क्वेश्चन किस तरीके से आता है सामने देखिए बच्चे आपसे वो पूछेगा कि नाइट्रोजन का N2 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ आपसे वो कल को पूछेगा o2 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तो o2 का स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे इट्स अ होमवर्क फॉर यू n2 का स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा रही हूँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये स्टिल आसान है ध्यान से देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी vbt क्या कहती है अगर मुझे vbt के अकॉर्डिंग n2 का स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं पहले कहूंगी कि नाइट्रोजन लिखो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p3 फिर मैंने कहा देखो मैम वीबीटी ने कहा था अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते में। इसको टू पी वाई और बाइटल कह दिया इसको टू पी जेड ऑर्बिटल बाइटल कह दिया ये एक नाइट्रोजन आइटम ऐसा ही मेरे पास दूसरा नाइट्रोजन एटम होगा ये टू एस टू और ये क्या आ जाएगा टू पी थ्री सही है ये मान लो टू पी एक्स ये मान लो टू पी वाई ये मान लो टू पी जेड नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तीन और दो पांच कितने तीन और दो पांच नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तीन और ठीक है तो मैंने एक काम किया मैंने कहा मान लो Z एक्सिस हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है ये क्या है Z एक्सिस को मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मान लिया तो क्या टू पी और टू पी आपस में कंबाइन कर सकते हैं ये एक टू पी बनाया ये एक नाइट्रोजन है और ये दूसरा नाइट्रोजन इसका टू पी बनाया मगर हमें टू पी जेड टू इस तरीके से बनाना है कि एक का इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ स्पिन में रहेगा तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ स्पिन में रहेगा टू पी जेड टू आपस में बॉन्ड बना लिया ओवरलैपिंग हो गई अब हमने कहा कि जो टू पी है वो टू पी से ओवरलैप कर सकता है मान लो टू पी कुछ इस तरीके से बनाया मैंने ये टू पी तो जो दूसरा टू पी है वो मैंने इस तरीके से बनाया अब एक्चुअली जब आप पास जाके देखोगे ना दोनों नाइट्रोजन आइटम बड़ी पास पास है तो ये जो दोनों हमारे क्या कहते हैं और बाइटल है ना ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे मगर डायग्राम में मैं ये चीज दिखा नहीं सकती मगर मुझे पता है कि ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो इनको हम ऐसे से शो करते हैं कि भैया ठीक है ये दोनों भी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो ये टू पी एक्स टू पी एक्स बन गया ठीक है अब ये जो टू पी वाई है वो दूसरे टू पी वाई से बॉन्ड बनाएगा तो टू पी वाई विल बी परिस एज वेल तो ये टू पी वाई ऐसा दूसरे का टू पी वाई ऐसा ठीक है ये दोनों भी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियोरी ये हमारे नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनेगा तो वीबीडी के अकॉर्डिंग ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा क्या ये बात सबको यहां तक अच्छे से क्लियर है कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ठीक है चलो डन यहां तक सबको समझ आ गया अब जो अगली स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं बहुत इंपॉर्टेंट है मेन में इसका सवाल नहीं आएगा मगर अगर आप जय एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो इसका सवाल आना काफी जायज है ओवरलैपिंग के तरीके ओवरलैपिंग के टाइप्स टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग के तरीके प्लीज समझना एक बार समझाऊंगी मस्त तरीके से तुम्हें समझ आ जाएगा ध्यान से देखना बच्चे हमारी जो ओवरलैपिंग होती है दो और बाइटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है उसको मैं दो हिस्सों में क्लासिफाई करती हूँ एक होती है हमारी को एक्सियल एक्स आई ए एल को ओवरलैप दूसरी होती है को लेटरल एल ए टी आर ए एल को लेटरल ओवरलैप अब इसको समझना रटना नहीं है समझने की कोशिश करना एक्सियल ओवरलैप का मतलब होता है हेड टू हेड ओवरलैप दोनों सिरों के बीच में ओवीर -E दोनों सिरों के बीच में जब हम ओवरलैपिंग करते हैं और ये जो को एक्सियल ओवरलैप होती है ये अलोंग द एक्सिस होती है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो ओवरलैप होती है इसको बोलते हैं को एक्सियल ओवरलैप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये एक एस ऑर्बाइटल है ये दूसरा एस ऑर्बाइटल है ये दोनों आपस में आएंगे एक दूसरे के साथ मर्च करेंगे इस एक्सिस के अबाउट ओवरलैपिंग होगी इस तरीके के बॉन्ड को क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड इस तरीके के बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चे सिग्मा बॉन्ड क्या ये बात सबको समझ आई इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं सिग्मा बॉन्ड और इस तरीके की ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग इस तरीके की ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग और एस एस ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है इस बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हुई दिस इज क्लियर टू एवरी डन है अब अगर ओवरलैपिंग होती है को लेट्रल का मतलब है साइडवेज साइडवेज ओवरलैपिंग और ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है दिस इज डन परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को लेट्रल को लेट्रल का मतलब है ऐसे साइड साइड तरीके से देखो अगर मेरे दोनों हाथ आके ऐसे मिल रहे हैं इसको बोलते हैं को एक्सियल एक एक्सिस के अलोंग आके ओवरलैपिंग हो रही है एक्सिस ये रही मगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस अगर मैंने ओवरलैपिंग कराई इस तरीके की ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं को लेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग क्या ये बात क्लियर हुई दिस इज नोन एज को या फिर साइड ओवरलैपिंग इतना डन है अब इतना छोटी बेसिक चीज समझ आ गई अब मैं आपको टाइप ऑफ बॉन्ड बताती हूँ

Tell what next. और और इसके अगला जो हमारा वन शॉट है वो फिजिकल का है स्टेट्स ऑफ मैटर गैश स्टेट ठीक है स्टेट्स ऑफ मैटर गैश स्टेट वो हम uh, करेंगे अब ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा ये ऐसे सवाल जेई में लिटरली पूछे जाते हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने रट रखा होता है है ना रटने वाले बच्चों का कभी एडवांस में सिलेक्शन नहीं होगा मेन में फिर तुम्हारी रटी हुई चीजें काम आ जाए एडवांस में रटी हुई चीजें कोई दिन काम नहीं आएंगी मान लो मैं करा रही हूं पी पी ओवरलैपिंग पीपी ओवरलैपिंग क्या होती है ध्यान से देखना मैंने कहा मान लो z एक्सिस मेरी इंटर है मैंने मान लिया कि मेरी जो z एक्सिस है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दूसरे pz ऑर्बिटल के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चे सिग्मा बॉन्ड अलोंग द एक्सिस बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को क्या कहेंगे सिग्मा बॉन्ड आगे देखिए तीसरा मान लो तो मेरा z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है कौन सा इंटरन्यूक्लियर z मगर अगर मैं ओवरलैपिंग करा रही हूँ पी एक्स ये बाइटल uh, है ये दूसरा पीएक्स और बाइटल है और पी एक्स आप जानते हो इस परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस तो जब आप ओवरलैपिंग इस तरीके से कराते हो ये भी पीपी ओवरलैप है दिस इज ऑल्सो पी पी ओवरलैप समझ आ रहा ना? P -P overlap है ना पीपी ओवरलैप है मगर ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चे पाई बॉन्ड तो जब दो लोब दो लोब आपस में मिलेंगी वन इज टू वन दो दो लोब आपस में मिलेंगी तो तब कौन सा बॉन्ड बनता है नोन पाई बॉन्ड डन तब कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड अब एक क्वेश्चन देती हूँ सोच समझ के करिएगा मुझे बताइएगा जेई का सवाल है जो आपके सामने लिख रही हूं मान लो पीजेड और पीजेड हो रहा है जस्ट इमेजिन कि अगर मेरे पास बॉन्ड PZ, ओवरलैप PZ हो रहा है बट मैं अलोंग अलोंग ओवरलैप ओवरलैप करा रही द इज डन अब मुझे बताइए ये बॉन्ड का टाइप क्या है बॉन्ड का टाइप क्या है वॉट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड अगर पीजेड और पीजेड ओवरलैप कर रहे हैं मगर अलोंग वाई एक्सेस वाई एक्सेस के अलोंग ये ओवरलैप कर रहे हैं सोच के बताइए आंसर सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा अगर मैंने वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया ये मेरा पीजेड ये पीजेड तो अब तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी यानी कि जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा पाई बॉन्ड ऑसम बच्चे वेरी गुड ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं जो आपके आते हैं ना मल्टी करेक्ट उसमें एक स्टेटमेंट यही होता है कि व्हेन और वेन पीजेलैब अलॉन्ग वाई सिग्मा बॉन्ड आपको बताना होता है स्टेटमेंट सही है या गलत छोटी छोटी चीजें होती है बट लॉजिकल होती है इसीलिए बचपन से अच्छे से सीखोगे तो फिर अच्छा लगेगा ठीक है अच्छा अब एक और सोच समझ के करेंगे चार पॉइंट हो गए पांचवा पॉइंट देखिए फिफ्थ पॉइंट ये मेरा एक्स एक्सिस है ये मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसके अंदर अगर मैं एक एस और बाइटल को और पीएक्स और बाइटल की ओवरलैपिंग कराऊं एक एस और पी एक्स और बाइटल की ओवरलैपिंग कराऊं तो ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस हुई तो इतनी बात तो मुझे समझ आ गई कि ये जो बॉन्ड बना है ये क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड और ये जो ओवरलैपिंग है वो क्या कहलाएगी एस पी ओवरलैपिंग सही बात है ओवरलैपिंग विल बी नोन एज एस पी ओवरलैपिंग डन अगर मैंने अब अब इसको सोच के बताना मान लो मेरा पॉइंट नंबर सिक्स यहाँ पर लिखती हूँ ये मेरा सिक्स पॉइंट है मान लो मैंने क्या किया ये वाई एक्सिस अलोंग द एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के अलोंग मैंने एस और बाइटल को और पी एक्स और बाइटल को ओवरलैप कराया मैंने एस और पी एक्स और बाइटल को ओवरलैप कराया तो क्या बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग कौन सी कहलाएगी एसपी ओवरलैपिंग मगर जब ये ओवरलैप होगा तो ध्यान से देखो क्या ये ऐसा नहीं नजर आ रहा यहाँ पर जितना प्लस बनेगा यहाँ उतना माइनस हो जाएगा मतलब जितनी ओवरलैपिंग हुई उतनी एंटी ओवरलैपिंग हो गई तो ओवरऑल कोई ओवरलैपिंग हुई नहीं यानी कि यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा तो कल को अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द टाइप ऑफ बॉन्ड अगर एस और पी एक्स और बाइटल ओवरलैप करते हैं अलोंग द वाई एक्सिस तो आप आराम से बोल सकते हैं विल बी नो बॉन्ड कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा Done? कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा हैप्पी यहां तक क्लियर हुआ नाउ वेलकम टू जेई एडवांस की क्लास वेलकम टू जेई एडवांस की क्लास ध्यान से सुनिएगा

दो होते हैं अलोंग द एक्स डी स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड आपको बोल रही हूं अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग आप डी एक्स वाई का ओवरलैप कराएंगे सोचिए समझिए और मुझे आंसर दीजिए क्या बनना चाहिए टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर आप डी एक्स वाई डी एक्स वाई की ओवरलैपिंग करा रहे हैं अलोंग द एक्सिस अलोंग द एक्सिस क्या बनना चाहिए देखते हैं कौन कौन सही आंसर देगा इस चीज का कैसे बनाए मैम आपने सिखाया था dxy कुछ इस तरीके से होता है इन बिटवीन द एक्सिस ये dxy वाई है ये आपने सिखाया था इन बिटवीन द एक्सिस होगा सही बात है और अगर मैंने इसको एक्स एक्सेस कंसीडर किया मान लो ये एक्स एक्सेस है ये मेरी वाई एक्सेस है तो डी एक्स वाई इधर बनेगा समझ गए ये डी एक्स वाई ऐसे बनेगा ना ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इस तरीके से बनेगा इस तरीके से बनेगा तो ध्यान से देखेगा ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है को ओवरलैप है तो मैं बोल सकती हूँ कि पाई बॉन्ड बनेगा दिख गया कोलेट्रल ओवरलैप है एक लोब एक के साथ दूसरी लोब दूसरी के साथ यानी कि दो दो लोब्स का ओवरलैप हो रहा है इस प्रकार के बॉन्ड को बोलते हैं पाई बॉन्ड इस प्रकार के बॉन्ड को क्या बोलेंगे पाई बॉन्ड मगर अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा होता कि डी एक्स वाई और डी एक्स वाई की ओवरलैप कराओ अलोंग जेड एक्सिस और अब मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म किस तरीके का बॉन्ड बनेगा ये आप मुझे पता करके बताओ किस तरीके का बॉन्ड बनेगा मैंने कहा मैम मान लो ये मेरा z एक्सिस है ठीक है और एक्स वाई विल बी परपेंडिकुलर तो ऐसा आएगा ना ऐसा ये और यहाँ पर डी एक्स वाई ऐसे आएगा विच विल विच विल बी परपेंडिकुलर तो ये वाला जो लोब है वो इसके साथ मैच करेगा ठीक है ये जो ग्रीन वाला लोब है वो इसके साथ मैच करेगा आगे देखिए जो ब्लू वाला लोब है वो इसके साथ मैच करेगा और जो येलो वाला लोब है वो इसके साथ ओवरलैप करेगा यानी कि ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ अभी भी ओवरलैपिंग ऐसे हो रही है कोलेटरल तो बनेगा तो मतलब मैम सिग्मा बॉन्ड तो नहीं बनेगा मगर अब क्योंकि चार इसके लोब चार इसके लोब के साथ कंबाइन कर रहे हैं जब जब चार बी नोन एज अ डेल्टा बॉन्ड इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा बच्चे दैट काइंड ऑफ बॉन्ड विल बी नोन एज डेल्टा बॉन्ड क्या ये बात सबको क्लियर हुई एक आप और मुझे करके दिखाओगे तो बढ़िया हो जाएगा एक और आप करके दिखा दो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा डू वन मोर आपको एक आइडिया लग जाएगा एक और लास्ट क्वेश्चन है आठवां केवल एडवांस के बच्चों के लिए टाइम पास बच्चों के लिए नहीं है है ना एक तो जो चैट में स्पेमर्स है उनके लिए तो कतई नहीं है जेई मेन के लिए नहीं है जेई मेन में इतने तगड़े सवाल इतनी तगड़ी इमेजिनेशन नहीं आती है वहां सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बट हाँ अगर आप एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो ये चीज़ें आपको समझ आनी ज़रूरी है एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ आप ना डी एक्स वाई और पीएक्स का, पी का एकस टेक मी का आंसर आपके पास एक डी एक्स वाई और वाई है और एक पी एक्स और है इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग आप ओवरलैपिंग कराइए और एक और दे देती हूँ अगला पेज पे लिख लो आपको डी एक्स वाई और पी एक्स की ओवरलैप कराना है मगर अलोंग वाई एक्सिस वाई एक्सेस के अलोंग ओवरलैपिंग करानी है सोचो और मुझे आंसर दो। दोनों बढ़िया सवाल हैं। टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर क्या बात है मतलब तुम तो समझदार होते जा रहे हो नाइस nice. अगर अलोंग द एक्स एक्सिस कराना है तो ये तो क्लियर है कि मैम ये एक्स एक्सिस है PX बनाने है बनाना तो ये भी क्लियर है मैम ये PX है। और डी एक्स वाई बनाना है तो मुझे ये क्लियर है यहां पर ऐसे यहां पर ऐसे यहां पर ऐसे यहां पर ऐसे क्या ये बात भी सबको क्लियर है अब आपको पता ये है ये प्लस है ये प्लस है ये माइनस है ये माइनस है और ये प्लस है ये माइनस तो ऊपर वाला जो हिस्सा बनेगा वो प्लस प्लस का बनेगा नीचे ओवरलैपिंग होगी तो प्लस माइनस का बनेगा दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे मैं लिख दूंगी नो no ओवरलैप इनके बीच में कोई प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है अगला क्वेश्चन करिए लास्ट एडवांस का है सोच सोच समझ के करिएगा मुझे डीएक्स वाई और एक्स की ओवरलैप करानी है मगर अलोंग वाई एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग मुझे ओवरलैपिंग करानी है हाँ हाँ निखिल वेरी गुड जिसको बच्चे डीएक्स वाई पीएक्स ये सब नहीं पता प्लीज आप पिछले वाला लेसन जरूर देखिएगा ये ऑर्बिटल्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो कैसे सिखाया मैंने पहले तो मैम अलोंग द वाई तो y तो आप ऐसे बनाओ मैम पीएक्स तो पी एक्स क्लियर है कि इट विल बी परपेंडिकुलर टू द वाई ऑरबाइटल ठीक है

जब एक एक टक्कर मारता है तो सिग्मा बॉन्ड जब दो दो टक्कर मारते हैं तो पाई बॉन्ड और जब चार चार टक्कर मारते हैं तो डेल्टा बॉन्ड तो क्लियर है कि दिस बॉन्ड विल बी अ पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड हमारे पास यहां पर बन के रेडी हो जाएगा क्या ये बात ठीक है दिस इज क्लियर टू एवरी वन इतना सबको अच्छे से समझ आया कोई दिक्कत की बात है तो प्लीज बताइए ठीक है दिस इज डन हैप्पी हो यहां तक सारी की सारी कहानी समझ आ गई हैप्पी अब एक बार मैं देख लेती हूँ अगर देखो मेन में तो कोई सवाल ऐसा आएगा ही नहीं फॉर शोर sure. फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ डायमैग्नेटिक शेप हाइब्रिडाइजेशन फिर शेप कोवल एंड कैरेक्टर पैरा डाया पैरा बॉन्ड ऑर्डर एमओ पोलर नॉन पोलर पैरा ओवरलैपिंग थर्टीथ क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं एक बार आज की क्लास का तेरवा क्वेश्चन करके देखिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ओवरलैपिंग थर्टींथ क्वेश्चन वन सेकेंड लेट मी चेक आ कि अगर थर्टीन अभी कर पाओगे या और सिखाना पड़ेगा ओके okay. ये वन मैं नंबर लिख देती हूँ थोड़ा है ना ये वन हो गया ये टू हो गया ये क्या हुआ ये पहला क्वेश्चन वन फिर ये एक मिनट है लिखने दो नंबर लिखने दो ये क्वेश्चन नंबर टू ये क्वेश्चन नंबर थ्री ये फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कुछ तो गड़बड़ हो रही है नाइन तीन बार कैसे आ गया अरे 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 अर अर ये नाइन कैसे चला गया एक मिनट रुकना जरा ये कुछ स्पैम मतलब कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे भी हो रही है यार ये नाइन परमानेंट कैसे आ गया यहाँ पे चलो वापस देखती हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नाइन देखो लिखा ही नहीं गया था ना वहाँ पे ये नाइन ये टेन ये इलेवन ये ट्वेल्व ये थर्टीन चलिए टेक योर टाइम थर्टीन क्वेश्चन करिएगा टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर थर्टीन क्वेश्चन सब लोग समय लेंगे और इस थर्टींथ क्वेश्चन का आंसर करेंगे प्लीज टेक योर टाइम एंड टेल द आंसर फॉर थर्टींथ क्वेश्चन एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है करिए समय लीजिए आंसर करिए मार्क कर देती हूँ उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर एमओ टी डाइपोल बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डन बस ये वाला एक बार क्वेश्चन कर लो फिर अगला टॉपिक पढ़ाती हूँ डू दिस क्वेश्चन बच्चे ये प्लस माइनस कैसे लगाते हैं ये भी हमने अटोमिक स्ट्रक्चर में देखा था जो हमारे पी एक्स और बाइटल होता है या पी एक्स पी वाई पीजेड उसमें एक लोब पॉजिटिव एक लोब नेगेटिव होती है जो डी एक्स वाई डिवाइजेड डिजेड एक्स होते हैं इसमें ऑपोजिट वाली जो लोब्स होती है डीएक्स वाई डिवाइजेड डिजेड एक्स में ये जो दोनों होती हैं ये प्लस प्लस इधर वाली दोनों माइनस मतलब ऑपोजिट वाली सेम होती है अरे क्या बात है मतलब तुम ऐसे मतलब इतने स्मार्ट बिहेव मत क्या करो यार मतलब फिर मतलब ऐसे लगता है कि क्या ही कर रहे हो

प्लस प्लस और माइनस माइनस बने ठीक है मगर प्लस माइनस और फिर नीचे प्लस प्लस बन रहा तो वो कैंसल आउट हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है रीजन कह रहा है इट रिजल्ट्स ड्यू टू डिफरेंट ऑरिएशन और डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ द ऑर्बिटल ये भी सही बात है इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ मान लो जैसे ये ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल ऐसे अप्रोच कर रही है ठीक है ये एक्स एक्सिस है ये पीजेड ऑरबाइटल है तो पीज और बाइटल को नहीं ऐसे और इस इनकी अप्रोच गलत है इस अप्रोच से क्या हुआ ये ऊपर वाला प्लस था ये नीचे वाला और एस तो हमेशा तो प्लस, प्लस। तो इसीलिए ओवरलैपिंग जीरो हो गई तो बिल्कुल सही बात है कि भी सही है रीजन भी सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन तो हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए ए एकदम अप्रोप्रियट आंसर आ गया ठीक है इजी था जेईई मेन का क्वेश्चन था दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन 2022 जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन था तो इजी लग रहा है दैट मींस सही रास्ते पे चल रहे हो है ना इजी लग रहा है तो बढ़िया रास्ते पे चल रहे हो चलिए एक और क्वेश्चन कराऊं अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का कराती हूं ठीक है एडवांस लेवल का कराती हूं सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे अह एक और छोटा सा क्वेश्चन जेईई एडवांस ये क्यों नहीं गया इरेजर पिछले वाला क्यों नहीं जा रहा चलो ठीक है क्वेश्चन करके दिखाओ मेरा डी एक्सर वाइस् का ओवरलैप करवायर वाई स्क्वायर और बाइटल मगर ओवरलैप होगा अलोंग जेड एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेंगे बताइए सिग्मा पाई डेल्टा नो बॉन्डिंग क्या आपको लगता है क्या आंसर होना चाहिए सिग्मा होना चाहिए पाई होना चाहिए डेल्टा होना चाहिए नो no ओवरलैपिंग होना चाहिए व्हाट डू थिंक इज द करेक्ट आंसर इतना बता दीजिए सोच के समझ के आंसर बताइएगा सिग्मा पाई डेल्टा क्या लगता है डेल्टा अरे देखते हैं

ये इसके साथ करेगा ये इसके साथ करेगा तो चार चार सिर आपस में टकरा रहे हैं तो मुझे समझ आ गया द बॉन्ड विल बी अ डेल्टा बॉन्ड सो नाउ यू आर रेडी फॉर सच टाइप ऑफ जेई एडवांस के आप प्रो लेवल पे पहुंच चुके हैं खुद से आंसर दे रहे हो तो बच्चे लिटरली बहुत अच्छी बात है आपको मतलब यहां तक चीजें जो है अच्छे से समझ आ चुकी है Dan, happy? यहां तक सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया जेई मेन एडवांस के क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं आगे चलते हैं सो देर इज एनदर काइंड ऑफ टॉपिक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मुझे पता करके बताना है कौन सा बॉन्ड अच्छा किस किस को हमेशा यह प्रॉब्लम होती है कि मैम जब भी हम इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करते हैं कभी आप कहते हो ऊपर से नीचे बॉन्ड बढ़ता है कभी कहते हो बॉन्ड छोटा हो जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम एच एफ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या जैसे एच एच एफ हो गया एच सी एल हो गया ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ये वन एस वन एस और टू एस टू एस का स्ट्रॉन्ग है ये वन एस टू एस का स्ट्रॉन्ग है तो जब मुझे बॉन्ड के स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है इसमें हमेशा कंफ्यूजन होती है तो आज मैं आपको सिखाती हूँ हाउ टू कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड के स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करना है तो ठीक है मतलब बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंग है उसको कैसे कंपेयर करना है सबसे पहली चीज बॉन्ड कितना अच्छा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग कैसे है स्टेप नंबर वन आपको क्लियर होना चाहिए अगर आपको किन ही दो बॉन्ड्स के बीच में यह पता करना है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंग है तो हमेशा 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 याद रखिएगा कि जो हमारी को ओवरलैप होता है वो हमेशा 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 हमेशा, हमेशा को लेटरल ओवरलैप से ज्यादा बढ़िया बनता है मतलब जब मुझे दोनों हाथों को ऐसे मिलाना है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा कंपेयर टू मुझे अपने हाथों को ऐसे मिलाना है समझ गए जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने मेहंदी लगाई है इस हाथ पे भी इस हाथ पे भी ठीक है और मैंने क्या किया इस हाथ और इस हाथ पे मेहंदी लगाई है यहाँ पर आके चिपका दिया तो खूब डार्क कलर हो जाएगा ठीक है या फेविकॉल चिपकाई या इस पे भी इस पे भी अब मैंने दोनों हाथों को चिपकाया तो हाथ अच्छे से चिपकेंगे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा मगर अगर मैंने यहां पर फेविकॉल चिपकाई है, या वहां पर फेविकॉल चिपकाई अब जब मेरे दोनों हाथ यहाँ पर आके जुड़ेंगे तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये वीक बनेगा तो पहली बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई पहली बात अच्छे से क्लियर हो गई अगर मान लो मैम आप एक बात बताओ मेरे पास दो बॉन्ड है ठीक है और दोनों के दोनों बॉन्ड कोवलेंट क्या कहते हैं को एक्सियल है कि दोनों के दोनों बॉन्ड ऐसे ही बने हैं अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है या कौन सा बॉन्ड कम स्ट्रांग है तो बच्चे जिस बॉन्ड में साइज छोटा होगा वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास वन एस वन एस का एक बॉन्ड है एक टू एस टू एस का बॉन्ड है और एक थ्री एस थ्री एस का बॉन्ड है ठीक है ये तीन बॉन्ड है तीनों मुझे पता है ये वन एस वन एस वन एस वन एस वन एस वन एस इतना मुझे पता है कि भाई ये को एक्सियल ओवरलैप है तो क्योंकि वन एस वन एस छोटा है तो इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा क्योंकि थ्री एस थ्री एस बड़ा है इनके नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हैं तो बॉन्ड वीक बनेगा क्या ये फैक्टर भी सबको क्लियर हो गया सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए टाइप या सारे co -lateral तो आपको दिमाग किस पे चलाना है जो छोटे का, उसका बॉन्ड उतना बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा ठीक है अब इतना सबको समझ आ गया क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर है कोई दिक्कत तो पूछो तो मैं आगे कंपेयर करा सकती हूँ डन मान लो मैम एक दुख की बात आती है एक दुख की बात ये आ रही है मैम एक बॉन्ड है जो एस और 2s के बीच में बना है ठीक है? एक है ना टूएस 2p के बीच में बना है 2s और 2p के बीच में बना है एक बॉन्ड मैम 2p और 2p के, के बीच में बना है तीनों बॉन्ड अलोंग द एक्सेस है

तो थोड़ा सा देखो हम लोग सुबह उठते ही हैं खाखरा एक खाखरा खाया और एक कॉफी का कप पिया दैट्स इट या जिसने दूध या चाय पीनी है सो ऑन so तो लंच मैंने भी नहीं किया तुमने भी नहीं किया मुझे पता है भूख लग रही है क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है बट थोड़ा सा काम कंप्लीट कर लेते हैं फिर लंच करते हैं फिर लंच की भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी ठीक है चलो डन पहले मुझे ये बताओ अब कैसे करना है मैम आपने कहा ये भी अलोंग द एक्सिस है है ना ये भी अलोंग द एक्सिस है मैम आपने कहा ये भी अलोंग द एक्सिस है और मैम आपने कहा ये भी अलोंग द एक्सिस एक्सीजन लो तो तो काम खराब हो गया अरे अरे मैम हम ये भी सेकंड पीरियड का है ये भी दोनों सेकंड पीरियड के हैं ये भी दोनों सेकंड पीरियड के मैम और काम खराब हो गया अब मुझे पता करना है कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं बताती हूँ देखो जो टू पी होता है ना वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है देखो इसके इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में फैले हैं इसके इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में फैले हैं तो क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है ये ओवरलैपिंग तगड़ी करेंगे ये ये भाई अलग अलग ही मतलब पूरे पूरे में में फैला पड़ा है। ये अलग पूरे 3D में फैला पड़ा पड़ा है है तो overlapping बहुत कम कम होगी जहां जहां पर overlapping कम वो bond weak, जहां पर overlapping वो वो सबसे ज्यादा ंग क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी और आप सोच समझ के बताएंगे उसका आंसर क्या है? पहले ये लिख लो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को ये केमिकल बॉन्डिंग में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी छा, छांट के देखो तो आपको ये नहीं मिलेगा बट रेयरली ऐसा होगा कि किसी टीचर ने आपको ये पढ़ाया मैंने आपको ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि जब आगे जाके आप बॉन्ड कंपेयर करते हो ना मैम एच और पी का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या अमोनिया और एन और एच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या एस और एच का बॉन्ड है केमिकल बॉन्डिंग जब कंप्लीट हो जाएगी ना हम ब्लॉक केमिस्ट्री पे चलते हैं तब जाके ऐसे सवाल काम आते हैं इसीलिए मैंने आज पहले से ही अच्छे से करा दिया है ठीक है चलिए एक करके दिखाएंगे सब लोग सब लोग मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दो जस्ट वन क्वेश्चन आई एम आस्किंग क्वेश्चन लिखिए आपको मुझे बताना है द स्ट्रॉगेस्ट बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग अमंग नीचे दिए गए में से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप मुझे चूज कर कर बताएंगे सोच समझ के करिएगा गलत आंसर नहीं देना पहला है वन एस टू पी वन एस थ्री पी वन एस फोर पी वन फाइव पी वन फोर पी

ये सारे ऐसे हैं ये वन एस और ये पी एस और ये पी एस और ये पी एफ और ये पी तो मैम एक बात बताओ अलोंग द एक्सिस हैं सारे तो मैम जो सबसे और सारे तो वो, वो उसका भी कोई फर्क नहीं है डायरेक्शनल नेचर का तो मैम यही से डिसाइड कर लो जो छोटा उसका बॉन्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग तो ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर आप मुझे बताओ आ रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं ठीक है दस मिनट और पढ़ते हैं ढाई बजे ब्रेक ले लेंगे ढाई बजे ब्रेक लेंगे ठीक है आज हम धीमे धीमे अच्छे से पढ़ेंगे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं मचाएंगे सोच समझ के पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं मुझे बताओ मेरे पास एक नाइट्रोजन है ठीक है मेरे पास एक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है एक फॉस्फरस और फॉस्फरस के बीच में बॉन्ड बना हुआ है ये ए है और ये बी है अगर मैं पूछू बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए तो ऑप्शन लिखिए ए बी सी डी ए ग्रेटर देन बी ए लेस देन बी ए इक्वल टू बी बी Compared, कि आपको जो डेटा मैंने प्रोवाइड किया है वो सफिशिएंट ही नहीं है कि मैं उनको कंपेयर कर सकूं सोच के बताइए सोच के बताइएगा टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है सेम डाउट क्या डाउट है बच्चे एक बार डाउट वापस लिख दो डाउट जिस और भाई साहब भाई साहब ऑसम ऑसम ध्यान से देखिएगा कई बच्चे मैं आपको मतलब तुमने क्या मुझे समझा रहा कि मैम मतलब टाइम पास करवा रही है मतलब मेरे एटम्स भी ये सोच रहे हैं सोच समझ के करो वापस अरे यार इतनी फटाफट चार्ट आ रहे हैं कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ थोड़ी धीरे चैट्स लिखो सोच समझ के करो थोड़ा नॉर्मल लॉजिक यूज करना कंपलसरी होता है अंधाधुंध हमें मतलब आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक हम लॉजिक कंपेयर ना करें मैम हम आपको बताते हैं देखो मैम देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है मैम यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड है तो दोनों ही सिग्मा बॉन्ड है बढ़िया मगर मैम आपको पता है नाइट्रोजन अपना टू पी और टू पी यूज करेगा और मैम आप जानते हो थ्री पी थ्री पी यूज करेगा है ना मैम ने सिखाया था और जहां पर थ्री होगा वो बॉन्ड वीक होगा बॉन्ड वीक होगा तो मैम हमारा बी शुड बी ग्रेटर देन ए है ना हम सब लोग मतलब ये आप ये सोच रहे हो ना कि ये बॉन्ड वीक है

ऑल दो मैं मानती हूं कि बॉन्ड छोटा कौन सा होगा एन और एन का बॉन्ड छोटा होगा मगर क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में इतना ज्यादा लोन पे लोन पे रिपल्शन है कि ये बॉन्ड टूटना चाहेगा ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ए की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बी से कम होगी इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए बी क्या ये बात सबको समझ आई अब मैंने ये क्वेश्चन अपने मन से नहीं बनाया आप जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देखो वहां एसर्शन रीजन क्वेश्चन आया था मैंने उस एसर्शन रीजन क्वेश्चन को आपने आपके सामने लिखने के बजाय थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करा सो so दैट आप गलत करो इसका आंसर ठीक है एसर्शन रीजन में क्या था ना फर्स्ट स्टेट में मतलब वो बहुत आसान था तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गोल घुमा के आपको दे दिया सो so दैट आप सोचो अगर आज आपने ये गलती करी है तो पेपर के टाइम पर याद आएगी समझ गए डन अभी क्लियर है यहां पर होगी लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन दिस इज क्लियर टू एवरी वन डान रिपल्शन जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फ्लोरीन और फ्लोरीन ये जो छोटे आइटम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ये अगर दोनों पास पास रहते हैं इनके अंदर अलग लेवल की लोन पे लोन पे रिपल्शन होती है आपने सुना ना कैटिनेशन कार्बन में होती है कि कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड बनाता है मगर ऑक्सीजन में नाइट्रोजन में यहाँ पे कैटिनेशन पॉसिबल नहीं होती क्यों क्योंकि उनके लोन पर आपस में रिपेल करते हैं कि सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है डन हैप्पी हो यहाँ तक एक क्वेश्चन और करके दिखाओगे बस एक क्वेश्चन और करके दिखाओगे एक छोटा सा क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन ये है आपको कंपेयर करना है यू हैव टू कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग नीचे दी गई स्पीशीज की बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है ए बी सी डी नाइट्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक सब भारत से पीछे नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक सब भारत से पीछे नाइट्रोजन फॉस्फरस आर्सेनिक, सब भारत से पीछे या फिर फिरफरस नाइट्रोजन आर्सेनिक, सब भारत से पीछे एबीसीडी व्हाट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर ए बी सी डी व्हाट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सोचो समझो और आंसर दीजिएगा टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मैम कौन से बुक की प्रैक्टिस करनी है लेक्चर के बाद बच्चे कोई बुक नहीं बस आप जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए इक्कीस बाईस बीस के जो रिसेंट ईयर के पी वाई क्यूज है वो तो मैं आपको क्लास में करा ही रही हूँ थोड़े पुराने पी वाई क्यूज जैसे कि सत्रह अठारह उन्नीस के ये सारे आप खुद से करिए कोई और डी पी पी कोई और मॉड्यूल किसी चीज़ की जरूरत नहीं है पी वाई क्यू भी कर लो एक एक साल में ढाई ढाई हजार पी वाई क्यूज है टोटल तो इतने भी कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मैम डी मैम ए मैम क्योंकि हमें ना थोड़ा सा भी एक्सेप्शन दिख रहा था हम डी मार्क कर देते हैं सोचने का थोड़े ना हमने जिम्मा ले रखा है मैंने पूछा इन सब में से बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है यानी कि सबका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है एन एच बॉन्ड को कंपेयर करना है पी एच बॉन्ड को कंपेयर करना है ए एस एच बॉन्ड को कंपेयर करना है एस बी और एच बॉन्ड को मैम ये है टू पी और बाइटल ये है 1S, ये 3P, 1S. 4b 1s 5b 1s बस मैंने क्वेश्चन में जरा सा चेंज किया मतलब तुम फंस गए ना मैं 1s 2p इन सबको कंपेयर करना होता तो बताना किसका बॉन्ड सबसे स्ट्रांग सारे ही सिग्मा है sp SPSP, sp 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 pm तो मुझे तो बस ये देखना था जो छोटा उसका बॉन्ड उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो अमोनिया सबसे ज्यादा था तो ए इज द करेक्ट आंसर आ था ऐसे पूछती तो तुम कर लेते मैंने जरा सा घुमा के पूछा तो तुम फंस गए ना यही तो सीखना है कि क्वेश्चन बनाए ऐसे जाते हैं कि तुम फसो मगर क्वेश्चन में कुछ नहीं होता बस बेसिक पे फोकस करो अपने आप क्वेश्चन बनेगा मान लो मैं ये पूछती और ना मतलब तुम मैं मैं चंड यार मैं नहीं हूं मतलब सीधी एकदम ये देखना कहाँ गया हमारा अभी कहाँ गया कहाँ गया ये देखना क्या आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है इसको भी मैंने लाल डब्बे में लिखा था इसको भी लाल डब्बे में लिखा था जब इसको लाल डब्बे में लिखा तो तुम कह रहे थे इजी पीजी बड़े सारे बच्चे चैट में लिख रहे थे तो, इजी इजी पीजी इजी पुजी मैम कुछ अच्छा पढ़ाओ तब तो तुम एकदम ओवर स्मार्ट कर गए अब यही क्वेश्चन माड़ा ने चेंज करके दे दिया तो क्या मतलब डी मैम डी मैम डी पोते क्यों क्योंकि ना यहाँ पे आपने फोर्स आगे लिख दिया मैम कुछ तो एक्सेप्शन होगा मतलब कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर और कॉन्फिडेंस रखो मेरी टीचिंग पे नहीं कि तुम्हें खराब पढ़ा रही हो जब ये तुमसे हो गया तो ये तो बनना चाहिए था ना बस वही है ना तिल का पहाड़ बनाने में राई का पहाड़ बनाने की हमें आदत है धोखा कर गई मैम मैम धोखा नहीं कर गई मैंने तुम्हें टेस्ट दिया जेई का ये जेई का सवाल है ले ओ, अब तुम भी क्या याद रखोगे ये जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि दो के पेपर में आपको मिल जाएगा यार तुम सोचते हो ना मतलब मैम धोखा कर गई मतलब अमोनिया क्यों क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है दैट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू पी एंड वन एस ऑर्बिटल और टू पी का साइज छोटा होता है तो जब बॉन्ड बनेगा बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा इसीलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है ठीक है सेव पीडीएफ हाँ सेव पीडीएफ तो हम अभी कर ही लेते हैं डन चलो शुक्र है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं अब क्या मैं आपको आ, ये vbt के अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो ब्रेक के बाद ही करते हैं क्योंकि फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मतलब आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद हाइब्रिडाइजेशन तो सीधा आई वांट टू स्टार्ट विद हाइब्रिडाइजेशन सो कीप कर लेते हैं फाइल सेव हाय तो अब ब्रेक ले सकते हो ठीक है ब्रेक के बाद सीधा मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना शुरू करूंगी फिर अभी हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगी तो फिर ब्रेक नहीं दूंगी आधे घंटे तो इट्स बेटर अभी ब्रेक ले लो देख लेती हूँ कोई और कर पाओगे या नहीं डाया मैग्नेटिकेप्रिडाइजेशन एसिडिकेप कोवन कैरेक्टर मैग्नेटिक मैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर एमओटी पोलर पैरा रुको डी टू ऑर्डर एमओटी डाइपोल बॉन्डर्डर वी एसपीआर पीसीएल फाइव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन एस बी एवन कैके अभी अभी वीबीटी के कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे मेन के ठीक है तो अभी थोड़ा सा पढ़ा ब्रेक ले लो और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन ठीक है और ये टॉपिक्स की चिंता मत करना मैं अपने आप सारे टॉपिक्स तुम लोगों को करा दूंगी घबराना मत सब हो जाएगा ठीक है चलो ब्रेक ले लेते हैं बाईस मिनट का ही लेती हूं बाईस मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर में ना लोग पंद्रह का देते थे कोई निशान सर भी बीस का देते थे मैंने अलग स्टार्ट कर दिया बाईस का आजकल मैं देख रही हूँ सारे ही बाईस का ले रहे बच्चे खुद कहते हैं सर बाईस मिनट का ब्रेक दो है ना कोई उस दिन अभी लास्ट सर की क्लास में नहीं कहता सर बाईस मिनट का ब्रेक दो मैम पढ़ाओ हाँ नहीं मैं पढ़ा रही हूँ यार मगर अभी यही है कि फिर तुम थक जाओगे क्योंकि अब जब मैं हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करूंगी तो मुझे आधा पौना घंटा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना है फिर मैं बीच में नहीं रुकूंगी तो इट्स बेटर कि थोड़ा खा पी आओ ठीक है मैं भी लंच कराती हूँ फटाफट से और फिर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो में तुम्हें मजा आ जाएगा तो मस्त तरीके से पढ़ाऊंगी चलिए सो अस गेट द ब्रेक स्टार्टेड और हम अब मिलेंगे बाईस मिनट के बाद ओके okay बच्चों Thank <laughs> you. वॉट्स बच्चे क्या हाल चाल सब लोग आ गए वंस अगैन कैन यू ऑल हेयर मी आ गए सब लोग एक मिनट एक मिनट एक मिनट डन चलिए सो so, स्टार्ट करते हैं वापस से अपना आज का सेशन yeah. बस एक मिनट थोड़ी सी सेटिंग और चेंज करने दो तो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ एक सेकंड का टाइम हमको दे दो <coughs> कहाँ से आवाज़ आ रही है भाई अच्छा मेरे फोन में से आ रही है ठीक है एक सेकेंड थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं यस नाउ कैन यू ऑल हियर मी सब बढ़िया है चलिए यस मैम वेलकम बैक चलिए चलिए मैम डी पी पी कहाँ देते हो बच्चे मैं डी पी पी कराने के बजाय मैं आपको बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो आई अ थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करें डी पी पी करने की बजाय तो डीपीपी आप करना चाहो बाद में करो मगर सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है चलिए सो बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का एक नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है हाइब्राइजेशन लिखिए एक नया टॉपिक है नए तरीके से पढ़ने वाले हैं मगर

तो मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ाऊंगी सबसे पहले मैं बहुत डिटेल में पढ़ाती हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। उसके बाद, जो बच्चे, भी तो जैसे आपको अच्छा लगे आप दोनों इधर वन ऑफ द टू मैथ आप फॉलो कर सकते हो ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना टॉपिक लिखिए एच वाई बी आर आई डी हाइब्रिडाइजेशन देखो बच्चे मान लो मुझे पहले ना मीथेन बनाना है ठीक है मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी टू होगी ठीक है फिर आपने बोला कि मैम वन एस वाला ऑरबाइटल जो है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा नहीं क्योंकि वो इनर ऑर्बिटल है हम तो देखो मैम आउटर ऑरबाइटल यूज करते हैं तो आपने कहा मैम आउटर और बच्चे कार्बन पहले ना आप एक काम करो जब जब आपको दिमाग में थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर सोच लेती हूँ कि शायद मीथेन इस तरीके से दिखता होगा ये तो ल्यूस ने ही बताया था तो मैंने सोचा मुझे ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर ये बनाना है मगर अब ये देखना है कि वैलेंस बॉन्ड अकॉर्डिंग मीथेन बनेगा कैसे ठीक है फिर मैंने सोचा यार मैम ने कहा था कि कार्बन को कितने के पास चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसकी ग्राउंड स्टेट में नहीं है नहीं है ना कार्बन के पास केवल दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है मगर अगर कार्बन चार अनपेड चार सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहता है तो उसको चार अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैंने कहा मान लो कार्बन को मैंने थोड़ी सी एनर्जी दे दी, so वो आ गे। आ गे चार उसके चार बेटे हैं तीन बेटे हैं पतले पतले से पी और बाइटल आप जानते हो पतले पतले हैं और एक बेटा मोटू सा गोलू मोलू सा एस और बाइटल अब चार लड़कियों ने इससे शादी करनी है जो चार लड़कियां हैं जिसकी इनसे शादी होगी वो चारों लड़कियां हाइड्रोजन है चारों एक ही खानदान से बिलोंग करती हैं ठीक है थीके? तो अब हुआ क्या यहाँ पर 2s और हाइड्रोजन का 1s आया बॉन्ड बॉन्ड बनाने के लिए तो तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जो बनेगा बनेगा वो बनेगा 1S, 2S वाला सही बात है ना तीन हाइड्रोजन और ऐसे घूंघट में आ रही है मतलब देख रहे हो बिल्कुल दुल्हन की तरह चल के आ रही है कि चलो मेरी हाइड्रोजन मेरी हम हाइड्रोजन है हमारी कार्बनों से शादी होगी तो जब यहाँ पर बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड बन गया बच्चे 2p1s ये बॉन्ड बन गया 2p1s ये बॉन्ड बन गया 2p1s अब चारों बहनों की शादी हो गई तो चारों बहनों ने देखा कि ये तो गलत हो गया हमारी एक बहन तो बड़ी ज़्यादा मतलब तुम समझ रहे हो देखो देखो बॉन्ड कैसे कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा सारे 1s और 2p बॉन्ड है और हमें पता है 1s और 2s का बॉन्ड में उतनी ओवरलैपिंग नहीं होगी जितनी बाकियों में होगी तो क्या आपको यह समझ आ रहा है कि कहने का तात्पर्य तीन बहने बुरा मान जाएंगी मतलब तीन बहने एक साइड पे होगी एक बहन एक साइड पे होगी कि नहीं नहीं हम सबकी बॉन्ड भाई हम सब बहने हैं हमारी सबकी शादी तो कार्बन से हुई है तो ऐसा कैसे होगा कि एक बहन मतलब दूसरे तरीके से रह रही है हम तीनों को एक तरीके से रहना है ऐसा ना हो पाया सारी बहनें आपस में रूठ गई कहती कि नहीं हम तब तक इन्होंने अपने पापा को बोला पापा हम तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक ये चारों कार्बन जो चारों भाई हैं कार्बन इनकी प्रॉपर्टी सेम ना हो ये तो गलत हो गया हमारी एक बहन बिचारी भिखारी हम तीन अमीर हो गए तो तो लड़ाइयाँ हो गई समझ रहे हो और मैं अगर इसको टेक्निकल भाषा में बोलूं तो मैं ये कहना चाह रही हूँ जब आपने इस तरीके से बॉन्ड बनवाया ओवरलैपिंग कराई तो आपने ये देखा कि तीन बॉन्ड लेंथ सेम है और जो फोर्थ बॉन्ड लेंथ है वो बिल्कुल डिफरेंट है जबकि जब मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल स्टडी कराई यानी कि जब मैंने मीथेन के मॉलिक्यूल को प्रैक्टिकली स्टडी किया तो मुझे पता चला कि अरे अरे, अर पर तो चारों के चारों जो बॉन्ड हैं, वो सेम लेंथ के होते हैं यानी कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ठीक है ठीक है आप थोड़ी थोड़ी हाँ डी रेल हो चुकी हो कम बैक ऑन ट्रैक अरे मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से समझाओ ना फिर बच्चे भूल जाते हैं ठीक है दिमाग में, जाके। तो बस देती बाकी इतना क्लियर हो गया ना कि मैम ये गलत है अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी तो चारों बॉन्ड सेम बॉन्ड सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ के नहीं बनेंगे ठीक है हाइड्रोजन रूट के बैठ गई है अब हुआ क्या अगर प्रैक्टिकली मुझे पता चल गया कि चारों के चारों बॉन्ड जो हैं वो प्रैक्टिकली सेम होते हैं तो इस थियोरेटिकल स्टडी में मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा अब इस थियोरेटिकल स्टडी में हमने क्या चेंज किया हमने कहा हटाओ ऐसे बॉन्ड नहीं बनाएंगे हम इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं हम कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए रेडी करें उससे पहले मुझे इन सारी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है देयर इज री ऑफ एनर्जी अब आपने कई टीचर्स को कई बुक्स में ये एग्जाम्पल देते हुए सुना है कि मान लो कार्बन के चार और बाइटल हैं एक मैंगो हो गया और तीन एप्पल हो गए तो मैंने मैंगो और एप्पल का जूस बनाया इवन बचपन में मतलब जब मैं छोटे बच्चों को नाइन टेंथ को अगर मैं पढ़ा रही हूँ ना तो मैं भी यही एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो एक एस और बाइटल हो गया तीन पी और बाइटल हो गए आप जानते हो इनकी एनर्जी अलग अलग है तो हम इन सबको मिक्सी में डाल के मिला देते हैं है ना ये सुना होगा आपने मैंने भी इवन जब मैं टेंथ में पढ़ाती हूँ तो ये जब बचपन में टेंथ में पढ़ाया था तो ये एग्जाम्पल दिया था बट बच्चे इसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहते किया घोल किया That is not hybridization. Hybridization का मतलब ये होता है कि ऐसी एटॉमिक और जिनकी लगभग एनर्जी सेम है ठीक है एक पर्टिकुलर एटम atom की एटॉमिक और की एनर्जी का

अब मेरे पास जो चार ऑर्बिटल्स आई हैं वो ऐसे हैं और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं एस पी थ्री ऑर्बिटल्स क्यों एस पी थ्री क्योंकि पहले एक एस था और तीन पी थे अब मैंने इन सबको कंबाइन करके क्या हाइब्रिड इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन और यहां से जो नई ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब दीज आर हाइब्रिड ऑफ द प्रीवियस ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल्स समझ गए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन मैं बिल्कुल बेसिक्स से सिखाऊंगी अभी पहले मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया मान लो बच्चे मुझे अब बिल्कुल बेसिक से सीखते जाओ मान लो मुझे BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाना है तो मैंने कहा बेरिलियम बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2

अब दोनों अगर क्लोरीन आएंगे तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी 2s और 3p पी यहाँ होगी 2p और 3p तो दोनों बॉन्ड्स गलत बनेंगे अलग अलग बनेंगे ऐसा हमें नहीं करना अब हम क्या करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का मतलब इन दोनों को मैंने आपस में कंबाइन करवाया जब एक एस और बाइटल और एक पी और बाइटल आपस में बन मिलेंगे दो और बाइटल्स मिले ना इनको बोलते हैं एटॉमिक और बाईटल. एटॉमिक और ऑर्बिटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिले दो तो जब ये दो मिलेंगे और इनकी एनर्जी को मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो दो नए ऑर्बिटल्स का निर्माण होगा इन दो नए ऑर्बिटल्स को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और हाई पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे दो अभी भी एक-एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन दे दो दो तो देखो मैंने शेप इस तरीके से क्यों बनाई पहले ये एस था गोलू मोलू पी था पतला और लंबा अब मैंने इन दोनों को मिक्सचर हाइब्रिड बना दिया तो उसके पास दो लोब भी होंगे और वो गोलू मोलू भी होगा और लंबा भी होगा ठीक है इस जैसे रियल फिनोमिना नहीं ऐसा नहीं होता मतलब ये थियरटिकल एक्सप्लेनेशन है दिस इज जस्ट अ थियटिकल एक्सप्लेनेशन बाद में ये सब हाइब्रिडाइजेशन की थियोरी हम बोलेंगे नहीं, नहीं 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 ये काम की नहीं है फिर हम एमओटी पर आएंगे अभी तक हम सब थ्योरेटिकली सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है बच्चे आखिरकार हैं तो ऑर्बिटल ना और ऑर्बिटल का मतलब आप जानते हैं कि आखिरकार हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड तो ये आपस में रिपेल करेंगे अब हमारी ड्यूटी है कि इन ऑर्बिटल्स को इतनी दूर रखो ताकि ये एक दूसरे को कम से कम रिपल्शन शो करें तो एक ऑर्बिटल को मैंने ऐसे रखा और दूसरी और बाइटल को उसके 180 डिग्री पर रख दिया ये बन गया बेरिलियम अब बेरिलियम शादी के लिए तैयार है उसके दोनों जो बेटे हैं एक ये और एक ये 180 डिग्री पे प्रेजेंट है ताकि घर में जब नई बहुएं आए तो आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो अब क्लोरीन एक इसकी बीवी का नाम क्लोरीन आ रही है शादी करने के लिए क्लोरीन का थ्री पी यूज हुआ दूसरी वाली क्लोरीन आ रही है इसके साथ शादी करने के लिए इसका भी थ्री पी यूज हुआ तो अब जो बॉन्ड बन के तैयार हुआ बीई सी एल सी एल ये दोनों बॉन्ड जो हैं ये 180 डिग्री पर है कितने डिग्री पे है 180 डिग्री पर। और अगर मैं इसकी शेप देखू तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ है शेप क्या नजर आ रही है लीनियर और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगी एसपी हाइब्रिडाइजेशन सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसपी हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा धीरे बोलो नहीं वो मैं फ्लो फ्लो में ना ज्यादा बोल देती हूँ ठीक है फ्लो फ्लो में कई बार ज्यादा हम मतलब ऐसे मतलब फील में आके मैं ज्यादा तेज तेज पढ़ाने लग जाती हूँ ठीक है क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई दिस इज क्लियर टू एवरी वन पहले बताओ इतना हो गया तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं दिस इज क्लियर एस पी हाइब्रिटाइजेशन आगे देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा तो पांच दस मॉलिक्यूल्स का जो पूरा थियरी पार्ट है वो आप आराम से कर लोगे और जो शॉर्टकट है वो तो बड़ा ही आसान है वो मैं आपको आराम से सिखाऊंगी मान लो मेरे पास है बी एफ थ्री कौन है बी एफ थ्री तो मैंने कहा मैम बोरॉन को उठाओ बोरॉन होता है वन एस टू टू एस टू टू पी वन मैंने कहा मैम वन एस टू तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करेगा नहीं क्या क्या पार्टिसिपेट करेगा टू एस टू पार्टिसिपेट करेगा टू पी वन पार्टिसिपेट फिर मैंने कहा मैम बी का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा सा नजर आता है तो बोरॉन को तीन बॉन्ड बनाने हैं तो उसके पास तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मगर है तो नहीं तो फिर हमने करा बोरॉन को थोड़ा सा एक्साइटेड वो जब एक्साइटेड स्टेट में गया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया तो मेरे पास आया 2s में वन और 2p में दो इलेक्ट्रॉन हो गए सही बात है मगर अभी भी इनकी एनर्जी सेम नहीं है हमें करानी पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन हमें करानी पड़ेगी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी तो एक एस ऑर्बिटल और तीन पी दो पी ऑर्बिटल आपस में मिलकर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे sp2 अब तीन मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और तीन ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम एक दूसरे से दूर रखने के लिए मुझे उनको 180 डिग्री पर रखना पड़ेगा ये बन गया अब यहां पर तीन फ्लोरीन आएंगे एक बॉन्ड ऐसा बनाएगा एक बॉन्ड ऐसा बनाएगा एक बॉन्ड ऐसा बनाएगा तो आपको नजर आ गया कि bf3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी एस पी टू जो शेप होगी वो आपको दिखाई दे रहा है ट्राइगोनल प्लेनर एक प्लेनर शेप है क्यों प्लेनर है क्योंकि मैं इसको इस प्लेन ऑफ बोर्ड पे बना पा रही हूं और जो दो बॉन्ड के बीच का एंगल होगा बॉन्ड एंगल क्या कहलाएगा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री डन बॉन्ड के बीच का एंगल क्या कहलाएगा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री दिस इज डन आगे देखिए ये है सीएच फोर तो सी एच फोर में भी अब क्लियर हो गया शेप क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी एसपी थ्री अब जब मुझे एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास यहाँ पे कैमरा नहीं पड़ा मेरा वो सेल्फी स्टैंड नहीं पड़ा अदरवाइज मैं आपको दिखाती आपने आजकल ये ट्राईपोर्ड देखे ना जो व्लॉगिंग वगैरह के काम आते हैं कैमरा जैसे मेरे सामने लगा हुआ है कैसा सा होता है जैसे एक पंखा है पंखे के तीनों विंग्स को थोड़ा थोड़ा धक्का मार दो तो कुछ ऐसा सा नजर आएगा एक यहाँ पर हम कैमरा लगाते हैं और तीन ऐसे इसको ट्राई कहते हैं ना तीन नीचे पॉड तीन इसके नीचे पैर है और एक ये है तो इस शेप को बोलते हैं बच्चे टेक्ट्रा हेड्रल टी आर ए टेक्ट्रा हेड्रल और टेक्ट्रा हेड्रल शेप में जो बॉन्ड एंगल होता है वह कितना होता है 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट्स और कई बार आपको बुक्स में वो 109.5 डिग्री भी लिखा हुआ मिल जाता है बट जो एग्जैक्ट एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट्स ठीक है डन यहाँ तक सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ ये तो बेसिक था आपके स्कूल में भी सिखाया गया होगा आपके टीचर्स ने एन में भी कराया होगा आई एम श्योर इसमें मैंने कोई बहुत बड़ी आ, मतलब टाइप की चीज़ नहीं कराई ये काफ़ी बेसिक था मगर अब मैं जो थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल पूछूंगी आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस जेई में भी पूछे जाते हैं कि पी सी एल फाइव एग्जिस्ट करता है मगर पी एच फाइव एग्जिस्ट नहीं करता क्या आपने कभी जेई में ऐसे सवाल देखे हैं कि PCl5 एग्जिस्ट करता है बट PH5 एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा क्यों ऐसे सवाल आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट है ना तो वहां का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ इसको बोलते हैं बच्चे पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन मैं टॉपिक का नाम लिख देती हूं थोड़ा भारी भरकम नाम है टॉपिक सिंपल है लिखिए पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन कब होगा कब नहीं होगा ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ सामने देखिए बच्चे अगर मैंने पी सी एल फाइव लिया आप जानते हो क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा फॉस्फोरस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा क्यों क्योंकि देर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सीखा था ये पिछले चैप्टर में अगर फॉस्फरस और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपने टू खींचेगा और फॉस्फरस पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्या ये बात सब सब जानते हैं सबको समझ है अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो फॉस्फरस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है थ्री एस टू थ्री पी थ्री ये थ्री एस और ये क्या होता है थ्री पी डन आप भी जानते हो थ्री पी के बाद हमारे पास एक थ्री डी और वाइटल भी होगा जो खाली होगा ये थ्री एस है ये 3P है, ये 3D है अगर मैं बात करूं कि PCL5 में को कितने बॉन्ड बनाने हैं तो आप कहोगे पांच बॉन्ड बनाने हैं पांच बॉन्ड बनाने के पीछे आप समझ रहे हो कि फॉस्फोरस को पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या फॉस्फोरस के ग्राउंड स्टेट में पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है तो अगर फॉस्फोरस को पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या आपको ये बात क्लिक कर रही है कि मैम आपको फॉस्फोरस को एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाना पड़ेगा यानी कि मुझे इस एस इलेक्ट्रॉन को निकाल के डी में लेकर जाना पड़ेगा क्या ये बात सही है क्या ये बात सही है अब एक बात बताओ एस से पी में लेके जाना आसान था एस से डी में लेके जाने के लिए एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर एस और डी के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाएगा सब मानते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाएगा अब PCL5 के केस में क्या होता है क्योंकि फास्फोरस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है डेल्टा पॉजिटिव मतलब फास्फोरस के फास्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने की कोशिश करेगा यानी कि देखो अब जो 3s और 3p और 3d के बीच का गैप था वो कम हो गया गैप कम होने का क्या रीजन था क्योंकि फास्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशेंसी है तो यहां से इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाना आसान था इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन ओके थी बट जस्ट इमेजिन अगर यही केस मैं पी एच फाइव के साथ करती अगर यही केस मैंने पी एच फाइव के साथ किया तो सोचो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण फॉस्फोरस पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा मतलब न्यूक्लियस के अब न्यू फॉस्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है यानी कि न्यूक्लियस अब अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करेगा यानी कि 3s यानी कि 3s और 3p के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा थ्री और थ्री के बीच का भी जो गैप है वो बढ़ जाएगा यानी कि अगर अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक एक्साइट करना है मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है दिस इज द रीजन कि हमारे पास मतलब इस वाले केस में तो डी इलेक्ट्रॉन डी जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा मगर नीचे वाले केस में क्योंकि रीजन एग्जिस्ट करता है मगर पी एच फाइव एग्जिस्ट नहीं करता क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई है ठीक है क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई है आ गया अच्छे से समझ आ गया मैम एनवी सर की क्लास अन एकेडमी पे क्यों नहीं हो रही है बच्चे हो रही है एक्चुअली क्या था ना ये दिवाली वीक चल रहा था तो जिन टीचर्स की मतलब जैसे सर की मेरे को याद है प्लस की क्लास ना कंप्लीट हो गया था वो कोर्स कंप्लीट हो गया था सर को और क्लासेस ऐड करवानी थी बट क्योंकि दिवाली वीक था तो जो हमारी बैक एंड वाली टीम है उन सबकी छुट्टी थी हम टीचर्स की छुट्टी नहीं है बाकी सबकी टीचर सबकी छुट्टी थी हमने तो दिवाली वाले दिन भी क्लास लिए ठीक है तो उस चक्कर में वो क्लासेस ऐड नहीं हो पाई थी बट आई एम श्योर आज से क्लासेस रिज्यूम हो गया सर की ऑलरेडी क्लासेस ऐड हो गये, एक बार आप जाके सर की प्रोफाइल पे चेक कर लीजिएगा ठीक है इसको बोलते हैं कि इन केसेस में तो वापस से सुन लो वापस से सुन लो अगर हमारे सेंट्रल एटम पे कभी भी डेल्टा पॉजिटिव है तो सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में गैप कम होगा और गैप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहाँ तो तो पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन मगर अगर मेरे सेंट्रल एटम पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है तो भाई साहब हमारे और बाइटल के बीच में गैप ज्यादा हो गया अब इतना ज्यादा एनर्जी गैप हो गया कि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं हुआ कि मैं इस थ्री एस के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के थ्री डी में लेकर जाऊं और क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन थ्री डी में गया ही नहीं तो डी और बाइटल में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं आ गया अब सबको अच्छे से समझ आया दिस इज क्लियर टू एवरी वन यहां किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए ठीक है अब ध्यान से सुनेगा मैं थोड़ा सा डिटेल और पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ये सारे पॉइंट्स इतना जो मैं डिटेल में डिस्कस कर रही हूं बच्चे ये जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेन में तो आपको मैं अभी शॉर्टकट पढ़ाऊंगी पंद्रह मिनट मुझे और दे दो आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स आई विल डिस्कस वन शॉर्टकट विद यू बस वही शॉर्टकट याद रखोगे जेई के सारे सवाल हो जाएंगे बट एडवांस के सवालों के लिए डिटेल आनी जरूरी है ठीक है एडवांस के लिए आ, क्या कहते हैं डिटेल आनी काफी ज्यादा जरूरी है दिस इज डन इतना सबका अच्छे से समझ आ गया चलिए। अब हम ना एक टॉपिक डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन सबको अच्छे से क्लियर आ गया होगा अब एक और दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चे मैं अगर आपको कहूं कि मुझे अमोनिया का ठीक है आपको मुझे अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन पता करके बतानी है या ये बताना है कि अमोनिया कैसे बना होगा हमने अपना लॉजिक सेम रखना है जस्ट गिव मी वन हमारा लॉजिक एकदम सेम रहेगा सेम उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था मैंने लिखा नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन 2s2, 2p3, मैंने कहा मैम वन एच टू तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं अब अमोनिया ऐसा है तो इसका लूइज डॉट स्ट्रक्चर बना लो एन एच 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 आपको लूइज डॉट स्ट्रक्चर से दिखाई दिया अमोनिया ने तीन सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं ध्यान से सुनना ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है अमोनिया ने तीन सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो मैंने नाइट्रोजन को कहा भैया आपके पास तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन ने कहा देखो देखो मेरे पास तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन कहता है तो मुझे बताओ क्या मुझे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी यही तो हमारा यार एक्साइटेशन क्यों करते थे ताकि मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाए मगर मुझे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गए तो अब मुझे एक्साइटेशन करने की क्या जरूरत तो अगर मैंने सोचा चलो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराना मतलब एक्साइटेशन तो करानी नहीं पड़ी तो क्यों ना मैं काम करती हूँ ये तीन पी और वाइटल ऐसे होंगे एक पी एक्स होगा एक पी वाई होगा एक पीजेड होगा तीनों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तीनों हाइड्रोजन को बुलाओ अब आप देखो तीनों पी बॉन्ड सेम बनेंगे ये तीनो, तीनों सॉरी तीनों एनएच बॉन्ड सेम बनेंगे है ना तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मगर प्रॉब्लम ये हुई कि अगर मैंने अमोनिया ऐसे बनाया होता तो मेरे तीन एनएच बॉन्ड जो बनते दे वुड बी फॉर्मड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री 90 डिग्री के एंगल पे तीन एनएच बॉन्ड बनते लॉजिक समझना जब मैंने एक एन एच बॉन्ड बनाया मतलब एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये दूसरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये तीसरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अगर आप कभी भी बॉन्ड को 90 डिग्री के एंगल पर रखते हो ये बॉन्ड आपस में इतना गंदा रिपल्शन करेंगे इतना गंदा रिपल्शन करेंगे कि मॉलिक्यूल टूट जाएगा ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा कभी भी बॉन्ड्स को 90 डिग्री के एंगल पर रखना आसान नहीं होता फिर हमने सोचा कि यार मैम अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है अगर अमोनिया में इस प्रकार की कोई चीज नहीं होगी तो हम अमोनिया को कैसे सोचे अमोनिया कैसे स्टेबल रहेगा तो फिर हमें किसी ने कहा हमें किसी ने बोला कि आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी करना आता है हमने कहा आता है क्यों नहीं आता हमें नाइट्रोजन को एक्साइट नहीं कराना पड़ेगा मगर क्यों ना मैं अगर नाइट्रोजन का एस और बाइटल यूज कर लू अब एस और बाइटल को जब मैंने मिक्स करा तो मेरे पास चार हाइब्रिड और बाइटलिड और बाइटल चारों हाइब्रिड और बाइटल में मुझे एक दो तीन चार पाँच इलेक्ट्रॉन रखने हैं एक दो तीन चार पाँच इलेक्ट्रॉन रखने हैं अब मुझे हाइब्रिड और बाइटल को ऐसे रखना है एक दूसरे से सो दैट दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक अब हमने कहा चलो तीनों हाइड्रोजन को बुलाओ एक हाइड्रोजन आया एक आया एक आया अब ध्यान से सुनना कुछ नया इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ ज्योमेट्री क्या होता है ठीक है शेप क्या होता है ये सारी नई चीजें डिस्कस करने वाली हूँ ध्यान से सुनना डन ये बन गया तो अब हमने कहा ये देखो मैम ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में काम आ रहा है इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बच्चे बॉन्ड पे इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे बॉन्ड पे और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में काम नहीं आ रहा इसको हम क्या बोलते हैं लोन पे एल आई एल ये क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है अब दुनिया की नजरों से लोगों ने बोला मैम आपने एक एस और तीन मिक्स करें हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए sp3 ये क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन क्या आनी चाहिए SP3. अभी शॉर्टकट बच्चे शॉर्टकट के पीछे मत जाओ मैं शॉर्टकट अभी सिखा दूंगी कोई दिक्कत नहीं है मगर पहले अपने करो। SP3 चाहिए। अब दुनिया ने बोला मैम आपने ही तो सिखाया था एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए एक सौ नौ डिग्री सारे बॉन्ड एक सौ नौ डिग्री के होने चाहिए बिल्कुल सही बात है अब प्रॉब्लम आई देखो ये जो लोन पेयर है ना ये लोन पेयर ये केवल नाइट्रोजन एटम से एसोसिएटेड है मान लो ये नाइट्रोजन तो इस लोन पेयर के ऊपर केवल नाइट्रोजन का न्यूक्लियस की पकड़ है मगर इस बॉन्ड के पेयर के ऊपर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के न्यूक्लियस की पकड़ है तो क्या आप मान रहे हो जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के पकड़ में होगा तो वो ऐसे चिपके हुए रहेंगे कम एरिया में रहेंगे मगर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल एक ही एटम के पकड़ में है भाई वो तो फूला नहीं समाएगा, जा, जा। फ्रेंड के घर ना ग्रुप स्टडी करने जाना है मान लो मम्मी पापा दोनों है घर पे एक टाइम पे तुम्हारा मुंह नहीं खुलता कि कौन से फ्रेंड के घर ग्रुप स्टडी करने जाना है ना या मान लो मम्मी गई है नानी के घर पापा है घर पे तो तुम बोल देते हो पापा मम्मी तो है नहीं देखो आज पिज्जा मंगा लेते तुम थोड़ा मतलब ऐश करते हो तो यहाँ पर वही है नाइट्रोजन एटम के इन्फ्लुएंस में जो लोन पेयर है वो केवल एक ही एटम के इन्फ्लुएंस में भाई सब ये ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा ये इतनी ज्यादा जा, जगह ऑक्यूपाई करेगा कि ये फूला नहीं समाएगा तो जब इसका लोन पेयर ज्यादा ऑक्युपाई करेगा जगह तो अब ये लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा तो बॉन्ड पेयर विल बी फोर्स टू कम मोर क्लोज टू ईच अदर तो जो एंगल 109 होना चाहिए था अब वो 109 ना हो करके ये हो जाता है 107 डिग्री इसीलिए अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हुई क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हुई डन अब यहां से एक, एक चीज आती है जेई में ना ये दो तीन चीजें पूछते हैं एक पूछते हैं कि आप हमें बताओ कि जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो क्या हुई सुनो मेरी बात को ध्यान से समझना J में एक टर्म यूज किया जाता है आपने भी सुना होगा आपकी टीचर्स भी क्लास में बोलती हैं कि बच्चे शेप हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बताओ आपको अमोनिया की शेप हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बतानी है तो जब मैं बात करती हूँ ज्योमेट्री बताओ तो मैं बात कर रही हूं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब होता है मैं बात कर रही हूं कि सारे के सारे के ऑल इलेक्ट्रॉन में कैसे पड़े हैं इसके बारे में बताओ तो जब मैं बात करूं ज्योमेट्री की तो मेरे को बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखो ज्योमेट्री का मतलब है इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा यहां होगा यहां होगा यहां होगा तो जब जब इलेक्ट्रॉनिक जोमेट्री की बात आएगी आपने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसीडर करना है You have to consider the presence of both the bond pair as well as the lone pair in the molecule around the nucleus. तो अगर मैं अमोनिया की geometry की बात करूं तो आप बोलेंगे अमोनिया की geometry अभी भी क्या दिखाई देगी टेट्राहेड्रल। मगर मैंने अगर अमोनिया के शेप के बारे में बात करी shape का मतलब है आपको lone pair को count नहीं करना केवल बॉन्ड पेयर पेयर को को काउंट काउंट करना करना है लोन को काउंट नहीं करना है। तो अमोनिया जैसे इजिप्ट में पिरामिड पिरामिड बने हुए ना ऐसे पिरामिड की तरह दिखाई देगा इसको भूल जाओ तो अमोनिया कुछ ऐसा सा दिखाई देगा कुछ ऐसा कुछ ऐसा है हाँ ना और इस शेप को क्या बोलते हैं पिरामिडल और ये पिरामिड ट्राइंगल के ऊपर बना हुआ देखो नीचे एक ट्राइंगल ऊपर पिरामिड बना हुआ तो इसको बोल देंगे ट्राइंगुलर पिरामिडल ट्राइंगुलर पिरामिडल पिरामिडल ये इसकी शेप हो गई मगर अगर कोई ज्योमेट्री पूछे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो आप क्या बोलेंगे टेट्राहेड्रल क्या ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया आप तो फूड ब्लॉगर हैं आप पढ़ाती भी हैं नहीं मैं बताती हूँ पढ़ाती थी ठीक है अब मैं पढ़ाने के साथ साथ फूड व्लॉगिंग भी करती हूँ ये बढ़िया आई थिंक ठीक है थीके? पहले पढ़ाती थी केवल अब खाना बनाने का शौक हो गया इसीलिए तुम मेरे फूड व्लॉगिंग वाले वीडियोज भी देखते हो डन

अब मैं यहाँ पर दो छोटे 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 जो मॉलिक्यूल्स है उनको बनाती हूँ एक है इथीन और एक मॉलिक्यूल है इथाइन इन दोनों के बारे में भी आपको आना चाहिए कैसे देखना है ये भी मैं आपको दिखा सकती हूँ ध्यान से देखो बच्चे इथीन होता है सी टू एच फोर अब पूरा मैं वो स्ट्रक्चर बना बना के नहीं दिखा रही हूँ वो छोटे बच्चों वाले काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं जेई के लिए पढ़ा रही हूं तो मैं आपको एक लेवल का पढ़ाऊंगी अगर मैं इथिन की बात करूं तो समझना ये ऐसे ड्रॉ करते हैं अब ये आपने टेंथ में सीखा होगा प्लीज डू नॉट आस्क मी कि मैम ये कैसे ड्रॉ किया कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो तीन सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड तीन सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड ध्यान से देखो मैं आपको कुछ यहाँ पर अः यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही करी समझना है बच्चे ये कार्बन इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड

ये कार्बन भी क्या बना रहा है तीन सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन कितनी sp2 sp2 और जब SP2 होती है तो क्या मैं बोल दू ये प्लेनर होता है ये ट्राइगनल प्लेनर. जब ये प्लेनर प्लेनर जब होगा तो इस कार्बन और इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री तो बॉन्ड एंगल अभी अभी करके दिखाया था ना बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री डन क्या ये क्लियर है बढ़िया अच्छा ये बात है चलो क्या बातें करो मुझे नहीं समझ आया अच्छा एक और करके दिखाओ अगर मैंने लिखा इथीन अब आप करके दिखाएंगे, H -C -C -H, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पता करके बताओ एक मैंने क्वेश्चन लिखा सी थ्री एच फोर हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पता करके बताएंगे टेक योर टाइम हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है पता करके बताइए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पता करके दिखाओ इथिन में भी और सी थ्री एच फोर में भी टाइम लीजिएगा आंसर करके दिखाइएगा करें ये देखो एक कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एक ये और एक ये दो सिग्मा दो पाई दो सिग्मा का मतलब एसपी हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री यानी कि लीनियर आ गया C3H4 में कार्बन की शेप और हाइब्रिडाइजेशन पता करके दिखाइए वेरी गुड वेरी गुड C3H4 कार्बन की शेप और हाइब्रिडाइजेशन पता करके बताइए C3H4 कैसा सा दिखेगा कार्बन C3H4 लिखो तीन कार्बन एक दो तीन कार्बन चार हाइड्रोजन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करो एक दो तीन चार हर कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा एक दो तीन चार एक दो तीन चार बन गया तीनों कार्बन की शेप और हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एक दो तीन तीन सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड यानी कि एसपी टू यानी कि बॉन्ड एंगल वन ट्वेंटी डिग्री सिमिलरली ये कार्बन एसपी टू बीच वाला कार्बन केवल दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है यानी कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन 180 डिग्री आ गया ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं जहां पर आपको दिया जाएगा कोई भी कंपाउंड और पूछा जाएगा कितने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन एसपी है ये आपसे पूछा जा सकता है डन इतना सबको अच्छे से क्लियर है दिस इज क्लियर टू एवरी हैप्पी चलिए सामने देखिए अब थोड़े से शॉर्टकट की बारी आती है लेट अस डिस्कस अ फ्यू शॉर्टकट्स मिनट फाइल सेव कर लेती हूँ फिर आपके साथ शॉर्टकट्स डिस्कस करती हूं. फाइल सेव सेव डेस्कटॉप पे कर देते हैं यस अब मैं कुछ शॉर्टकट भी सिखा देती हूँ और फिर सीधा जेई के सवाल करेंगे एक मिनट हाँ कुछ शॉर्टकट्स भी सीख लेते हैं फिर सीधा विल स्टार्ट विद जेई के सवाल देखिए सामने बच्चे मान लो मुझे हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करना है ये पेज सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट के या जेई के या एडवांस के स्टूडेंट हैं सुपर इंपॉर्टेंट पेज अगर मुझे किसी भी चीज़ की किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करनी है तो मुझे दो चीज़ें लेनी है एक मुझे लेना है सिग्मा बॉन्ड एक मुझे लेना है लोन पेयर तो किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का टोटल अगर आप लेंगे तो यू विल गेट हाइब्रिडाइजेशन अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर टोटल आपका टू आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp अगर नंबर थ्री आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp2 फोर आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp3 फाइव आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp3d सिक्स आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 डन और सेवन आ रहा है जो कि अपने सिलेबस में नहीं पूछा जाता एस पी थ्री डी थ्री डन बस आपको ठीक है ट्रिपल की जरूरत नहीं है वहां पाई बॉन्ड को काउंट ही नहीं करना हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए केवल सिग्मा, केवल सिग्मा फोन गिर जाता चैट देख रही थी मैं फोन गिर जाता टेबल से हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए केवल सिग्मा और लोन पेयर को काउंट करना है पाई बॉन्ड को कतई काउंट नहीं करना समझ गए को अगर अनपेड अभी सब करा हो अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे सब अभी कैलकुलेट करेंगे सब करेंगे रुको होते है? ऐसा भी पूछा जाता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एक एस जाएगा, जाएगा, जाएगा इन तीनों में से भी कोई एक हो जाएगा कोई भी विच विच एवर इज अलोंग द एस पी टू में एक एस होगा मान लो एक पी एक्स और एक पी वाई हो गया एनी टू पी और बाइटल एस पी थ्री में एक एस होगा एक पी एक्स यूज होगा पी वाई यूज होगा पीजेड यूज होगा डन एस पी एस पी टू एस पी थ्री में कौन कौन से और बाइटल यूज होंगे डन अब मेरी बात ध्यान से सुनो अगर मैं एस पी थ्री डी और बाइट एस पी थ्री डी की बात करती हूँ अच्छे से समझिएगा तो ऐसा लगता है कि मैम एस पी एक्स पी वाई पी जेड और डी कोई भी एक डी यूज़ होना चाहिए मगर जो हमारी एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन होती है इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू हाइब्रिडाइजेशन एक होता है एस पी टू एक होता है पीडी हाइब्रिडाइजेशन तो जब भी हम एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे ये दो से मिलकर बना है ठीक है 1.5 लाख बर्बाद किसके भाई दो से मिलकर बना है, एक एस पी टू और एक पीडी हाइब्रिडाइजेशन अब ध्यान से सुनिएगा एस पी टू में क्या होता है हमारे पास एक एस एक होता है एक पी एक्स होता है एक पी वाई होता है और पी डी में एक पी जेड होता है और एक डी जेड बाइटल यूज होती है ये जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने आप सबके सामने स्क्रीन पर रखा है ये जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके बारे में मैं थोड़ा और विस्तार में चर्चा करना चाहूंगी सामने देखिए आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बोला एस पी थ्री डी दो तरीके से मिलकर बनी है एक एस पी टू और एक पी डी ठीक है एस पी टू में एक एस होता है एक पी एक्स होता है पी वाई होता है पी डी में एक पी जेड होता है और एक डी जेड स्क्वायर होता है तो पहले एस पी एक्स और पी वाई से मिलके आपको नजर आ रहा है एस पी टू बनेगा तो कुछ ऐसा बनना चाहिए एक ये एक ये एक ये क्या आप सबको नजर आ रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा क्या ये नजर आ गया एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तो तीन बॉन्ड ऐसे बनने चाहिए ऐसा 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 और ये जो तीन बॉन्ड है ध्यान से देखिए इस एक 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 बॉन्ड में कितना परसेंटेज एस एस कैरेक्टर होगा मतलब अगर पी एक एक पी और एक और पी मिलकर बने हैं तो एक एस को आपने तीन में डिवाइड किया है ना तो कितना परसेंटेज एस होगा वन बाई थ्री इंटू हंड्रेड यानी कि थर्टी थ्री परसेंट एस कैरेक्टर होगा इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितना P character होगा तो आप देखिए मैंने दो P orbital को तीन हिस्सों में divide किया थर्टी थ्री परसेंट एस होगा क्या ये बात समझ इस बॉन्ड में थर्टी थ्री परसेंट मैम पीजे नहीं लिया एस टू में बच्चे मैं बस एक प्लेन चाहती थी और मुझे जनरली प्लेन का मतलब समझ आता है प्लेन है ना जनरली हम सोचते हैं प्लेन प्लेन मतलब इसीलिए मैंने ये प्लेन बनाने के लिए यहाँ पर पी एक्स और पी वाई ले लिया और मुझे ये वर्टिकल एक्सिस पे चाहिए था तो मैंने दिमाग लगाया कि पी जेड ऐसे होता है एंड डी जेड स्क्वायर भी ऐसे होता है ये दोनों वर्टिकल वर्टिकल है इसीलिए इन दोनों को मैंने एक साथ कंबाइन किया ये जेई में पूछा जाता है कि एस थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन में डी कौन सा होता है तो डी होता है डी जेड आपस में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म तो ये कुछ ऐसे नजर आएगी ये कुछ ऐसे से नजर आएगी पीडी और बाइटल अब जब ये पी डी और बाइटल बनेगी सोचो इसमें परसेंटेज पी कितना पचास परसेंटेज डी कितना पचास और परसेंटेज एस तो है ही नहीं ना क्योंकि यहाँ पे तो s मिला ही नहीं जब s को मिलाया ही नहीं तो परसेंटेज s कहाँ से आएगा कहने का मतलब sp3d में जो दो बॉन्ड बनेंगे जो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड बने इनके अंदर परसेंटेज p कितना है 50% d कितना है 50 मगर परसेंटेज s कैरेक्टर है ही नहीं तो क्योंकि ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड में परसेंटेज s कैरेक्टर नहीं है इसीलिए इनको s लेस बॉन्ड बोलते हैं कि इसके अंदर एस कैरेक्टर है ही नहीं आपको मैंने लास्ट वन शॉट में सिखाया था कि एस होने का मतलब ये कि उसके अंदर मतलब percentage होने का मतलब ये कि वो बॉन्ड न्यूक्लियस के पास होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा तो जब किसी में एस है ही नहीं तो ये बॉन्ड लंबे होंगे लॉन्ग होंगे वीक होंगे और इन बॉन्ड्स को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स और ये जो तीन येलो कलर के बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एस ज्यादा है इसीलिए ये शॉर्ट होंगे ये स्ट्रॉन्ग होंगे है ना और इन बॉन्ड्स को बोलते हैं इक्वेटोरियल e -U -A -T -O -R -A -L, इक्वेटोरियल बॉन्ड क्योंकि आपको ऐसा नजर आ रहा होगा दे आर लाइंग ऑन द दर्टेज ऑफ इक्वेलेटर ट्राइंगल एक ऊपर एक नीचे समझ आया तो इसीलिए इन बॉन्ड्स को बोलते हैं एक्सियल और साइड वाले बॉन्ड्स को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स मैम कितनी देर बचा हुआ है एनी आइडिया बच्चे बहुत चलेगा अभी तो क्या टाइम हुआ है अभी तो साढ़े तीन हुई है ना अभी साढ़े तीन हुई है न तो आज आठ बजे तक चलेगा वन शॉट आज लंबा वन शॉट है बच्चे तो आज अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगी तो मैं जल्दी वाइंड अप नहीं करूंगी आज बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मेजर चैप्टर आज हम कर रहे हैं तो ये तो अभी साढ़े सात आठ बजे तक चलेगा ठीक डन इसीलिए अगर मैं एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन की शेप बोलू तो शेप देखो क्या होती है एस पी थ्री डी ऐसा होता है तीन ऐसे बनाते हैं दो ऐसे बनाते हैं ध्यान से देखना ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल आप सबको नजर आ रहा है एक पिरामिड ऊपर से बनता हुआ एक पिरामिड सबको नीचे से बनता हुआ नजर आ रहा होगा एक पिरामिड नीचे से बनता हुआ तो इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर टी आर आई ए एन जी यू एल एर ट्राइंगुलर का क्या मतलब क्योंकि ट्राइंगल पे बन रही है देखो ये ट्राइंगल पे एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड इसीलिए बोलते हैं ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर क्या नाम है, है इसका ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल समझे हो समझे हो ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल ठीक है चलिए मैम ऑर्गेनिक कब होगा दैट स्माइल वेन यू सेट आठ बजे तक चलेगा चलेगा आठ से ज्यादा भी हो सकता है अभी तो मैं तुम्हें खुशी खुशी बता रही हूँ आठ बजे तक चलेगा साढ़े आठ भी बच सकती है मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकती हूँ मैंने पहले ही बोला था आज का वन शॉट मैंने भाई साहब मेरे दो तीन वन शॉट बहुत लंबे होते हैं एक केमिकल बॉन्डिंग एक थर्मोडाइनमिक्स एक इक्विलिब्रियम और एक अपना होता है जीओसी ये चार वन शॉट मतलब मैं और एक मोल कॉन्सेप्ट ये चार पांच चैप्टर्स मतलब मैं इतनी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री

पता नहीं नौ बजेगी आठ की वो तो डिपेंड करता है हम पढ़ते चलते हैं ठीक है थीके? मगर इतनी गारंटी है तुम जितना भागोगे ना कि मैम इतना नहीं पढ़ाओ मत पढ़ाओ ये मेरी गारंटी है कि अगर आठ नौ घंटे तुमने मेरे साथ हाथ स्पेंड कर लिया ना केमिकल बॉन्डिंग का कोई ऐसा सवाल नहीं जो जेई मेन में आएगा और मेरा बच्चा ना करके आए ये मैं गारंटी लेती हूँ इतना लंबा वन शॉट लेने के बाद मेरा बच्चा मेरा हर एटम हर एटम केमिकल बॉन्डिंग का सवाल करके आएगा क्योंकि वो इन्हीं नोट्स में से आएगा जेई मेन में इससे बाहर नहीं आएगा और अगर एडवांस में भी सवाल आता है तो तुमसे बन जाएगा हंड्रेड परसेंट गारंटी लेती हूँ केमिकल बॉन्डिंग इज नॉट टफ इट्स जस्ट हमारे दिमाग ने सोच रखा है कि बहुत बड़ा चैप्टर है सिंस इट इज लेंदी बच्चों को लगता है इट इज टफ इट इट इज इज टेंदी आई अग्री बट इट इज नॉट टफ ठीक है चलिए अब एक क्वेश्चन अगर मैं एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन की बात करती हूँ तो मुझे बताना है एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज होते हैं विच ऑल जब हम एस पी थ्री डी टू की बात करते हैं जब मैं एस पी थ्री डी टू की बात करती हूँ तो मेरा एक एस और यूज होता है पी एक्स यूज होगा पी वाई यूज होगा पी जेड यूज होगा मेरा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी यूज होगा और डी जेड स्क्वायर भी यूज होगा तो दो डी ऑर यूज होते हैं दोनों वो हैं जो द है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी और डी जेड स्क्वायर भी अब होता क्या है ये सारे आपस में मिक्स होते हैं ऑल ऑफ देम गेट मिक्स्ड टुगेदर छह बॉन्ड बनेंगे ऐसे चार ऐसे प्लेन ऑफ द पेपर में लाई करेंगे एक अबव द प्लेन लाई करेगा एक बिलो द प्लेन लाई करेगा चार होंगे ठीक है चार होंगे चार चार प्लेन में होंगे एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई हर बॉन्ड में अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज एस कितना तो एक s को आपने कितने में डिवाइड किया एक दो तीन चार पांच छ तो वन डिवाइडेड बाई सिक्स इन टू हंड्रेड परसेंटेज पी कैसे निकालेंगे कितने P हैं? तीन तीन को कितने में डिवाइड किया सिक्स में इन टू हंड्रेड परसेंटेज डी कैसे निकालेंगे कितने D हैं? दो कितने में डिवाइड किया छ में मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड और जब मैं एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन बनाऊंगी तो आप देखेंगे एक स्क्वायर बना एक पिरामिड ऊपर बन रहा है एक पिरामिड नीचे बन रहा है और इसका नाम होता है स्क्वेयर बाय पी वाई आर ए पिरामिडल तो जो शेप आएगी वो कैसी आएगी स्क्वेयर बाय पिरामिडल सारे एंगल या तो 90 डिग्री के होंगे या फिर 180 डिग्री के होंगे ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री एंड 180 डिग्री और बिल्कुल सही बोला आपने इसी स्क्वायर बाय पिरामिडल को ऑक्टा हेड्रल भी बोलते हैं ऑक्टा ऑक्टा का मतलब है आठ हेड्रल का मतलब है फेसेस तो इसके पास आठ फेस होते हैं ध्यान से देखो चार फेस ऊपर एक दो तीन चार चार फेस ऊपर चार फेस नीचे पांच छह सात आठ इसीलिए इसको ऑक्टा हेड्रल भी बोलते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्टा हेड्रल डन हैपी हो यहां तक सबको अच्छे से समझ आ गया दिस इज क्लियर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज यहां तक पूछिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए मैंने आपको VBT में ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल में सिखा दी हैं तो वीबीटी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं अब एक मिनट आ मैं चेक कर लेती हूँ वेदर कैन वी डू वन क्वेश्चन शेप हाइब्रिडाइजेशन अभी नहींक्साइड शेप कोवोलन पैरा मैग्नेटिकॉन्ड ऑर्डर एस पी थ्री डी टू बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन एस एफ फोर कोवोलन कैरेक्टर आइसो इलेक्ट्रॉनिक अभी थोड़ा सा और अब मैं आपको बताती हूँ जो जितनी कहानियां मैंने आप सबके सामने सुनाई है ठीक है स्लाइड्स का कलर देखकर जर्मनी का फ्लैग याद आ गया अच्छा मतलब मुझे मैंने आज वैसे ही सोचा मैंने कहा यार आठ घंटे खड़े हो पढ़ाना है काली स्लाइड्स पे तो मैं बोर हो जाती हूँ देखो सीरियसली लाल स्लाइड पे फिर मेरे को लगा कि बड़ा ज़्यादा हो जाएगा लाल एकदम से तो आज मैंने काली और लाल स्लाइड मिक्स कर दी ठीक है मैम प्लीज अनब्लॉक फ्रॉम चैट प्लीज़ नहीं बच्चे मेरे पास अब ये चैट को अनब्लॉक करने का कोई कंट्रोल नहीं है जिसने स्पैम मचाया अब वो भुगतेगा देखो मैंने मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अभी डन चलिए यहाँ तक बच्चे हमारे चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाता है और अब क्योंकि आप लोग काफी देर से पढ़ाई कर रहे हैं एडवांस लेवल की चीजें पढ़ रहे हैं तो अब क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी फील कराऊं थोड़ा सा सस्ता लेवल का सामान पढ़ते हैं हम जिसको बोलते हैं वी एस अगले एक घंटे के बाद कितना बज गया है एक बार मैं ये सेव कर लेती हूँ एक बार सेव कर लेते हैं फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं मतलब अब जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ फुल ऑफ शॉर्टकट्स और अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वी एस पी आर थियोरी ठीक है सामने देखेंगे सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया ब्रांड न्यू टॉपिक इस ब्रांड न्यू टॉपिक का नाम है वी एस ई पी आर थ्योरी अब क्या होता है अगर जेई के बचपनों वाले क्वेश्चन करें मतलब जो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं वो क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं बट जब मैं एडवांस की बात करती हूँ तो वो बहुत ही बेसिक और छोटी छोटी चीज़ें पूछता है जो हमें नहीं पता होती तो मैं आपको पहले वो बेसिक चीजें करवा देती हूँ फिर सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे बच्चे वी ए सी पी आर थियोरी का फुल फॉर्म है लिख लो वैलेंस वी एल ई एन सी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या आपको इस थ्योरी के नाम को देखकर कर ये लग रहा है कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन के बारे में बात करती है क्या ये बात सही है ये एक ऐसी थियोरी है जो वैलेंस शेल के, के, के मैं, SP3, क्या? अभी क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे वो बताती हूँ ये एक ऐसी थियरी है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन के बारे में बात करती है इसके कुछ वो कहते हैं ना पॉस्टुलेट्स हैं कुछ फैक्ट्स हैं तो सबसे पहला मैं आपको फैक्ट बताती हूँ ये थियोरी ये कहती है कि अगर लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन है वो खतरनाक रिपल्शन होती है सबसे ज्यादा होती है अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होती है वो फिर भी कम होती है और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की रिपल्शन तो साव कम होती है कहता है कि एक अभी लॉजिकल बात है ना लोन पेयर एक एटम के इन्फ्लुएंस में होता है खाली तो लूज लूज होता है और दो लोन पेयर लूज लूज होंगे तो ग्रेटर बॉन्ड पेयर रिपल्शन व्हिच इज ग्रेटर रिपल्शन ठीक है कि मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड में जैसे एक डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की जो रिपल्शन है इसको मैं ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देती हूँ मल्टीपल एम यू एल टी आई मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड की रिपल्शन इज ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की रिपल्शन विच इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की रिपल्शन कहते हैं सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है इसीलिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की रिपल्शन कम होती है मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड की रिपल्शन जो है ज्यादा होती है ठीक है ये ये सबको समझ आ गया दिस इज क्लियर टू एवरी वन क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो ठीक है अब मेरी बात सुनो बच्चे बचपन से जो आप पढ़कर आए हो जैसे अब कुछ छोटी मोटी चीजें मैं बता देती हूँ उसके बाद हम सीधा टॉपिक पे आ जाएंगे जैसे मान लो मैंने मीथेन की, मीथेन की बात करी ठीक है मीथेन की बात करी बट बच्चा देखो मीथेन में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो इस तरीके से होता है ना ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ फिर हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ सही है अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन्स का थ्री डायमेंशनल में अरेंजमेंट कैसा है यानी कि अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन की

या फिर इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री की बात करूँ तो वो वन एंड द सेम थिंग आएगी वो क्या आएगी वन एंड द सेम थिंग मगर जैसे मैंने आपको बताया वाटर या अमोनिया तो अमोनिया की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऐसे नजर आएगी ना ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये हाइड्रोजन और ये लोन पेयर तो अगर इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री देखूं है ना इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखूं तो आंसर क्या आएगा टेट्राहेड्रल और अगर मैं मॉलिक्यूल की शेप देखूं, शेप तो शेप में क्या करेंगे लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे इसका नाम क्या आ जाएगा पिरामिडल, क्या ये बात सबको समझ आ गई शेप और जोमेट्री में कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसीलिए पहले से ही डिटेल में समझा रही हूं ठीक है पानी ध्यान से सुनिएगा पानी वॉटर वॉटर कुछ ऐसे से नजर आता है अगर आप लोन पेयर वगैरह बनाओ तो वैसा अगर मैं पूछूं वाटर की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या या वाटर की शेप क्या तो अब आप सोचेंगे मैम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो हर प्रकार के इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री इसकी 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 तो मुझे तो ये टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है टेट्राहेड्रल मगर अगर मैंने पूछा पानी की शेप क्या या पानी की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या तो मैं लोन पेयर को नहीं कंसीडर करूंगी मुझे तो बस ये वी नजर आ रहा है तो मैं लिख दूंगी या तो शेप है बेंट या इस शेप को मैं वी शेप बोल सकती हूँ सही है सी सो किसको नजर आ रहा है मुझे नहीं पता या तो ये बेंट है या वी शेप नजर आएगी क्या ये बात सबको समझ आ गई अब करते हैं वी एस सी पी आर थियोरी यहाँ बेसिक चीजें समझा दी अब तुम देखो वी एस पी आर एकदम छोटे बच्चों का खेल है वी एस पी आर इज सिंपल सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल थ्योरी देखो मान अब मैं यहाँ पे पूरा वी एस पी आर समझा रही हूँ वी एस पी आर और जो पहले हमने मेहनत करी है ना अब उस मेहनत का फल हमें मिलेगा देखो मान लो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन है एस पी ठीक है और मेरे पास इस तरीके से है कि मेरे पास बॉन्ड पेयर दो हैं और लोन पेयर जीरो है बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर जीरो तभी तो बॉन्ड पेयर की भी बजाय बोलो सिग्मा बॉन्ड दो हैं और लोन पेयर जीरो लो सिग्मा दो लोन प्यार जीरो. तो कैसा सा नजर आएगा? एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड दोनों को कितने ठीक है नीड ऑफ वी एस पी आर अभी कराती हूँ अभी कराती हूँ अभी बताती हूँ मतलब थियरी अभी कराती हूँ पहले शॉर्टकट सीख लो अब शॉर्टकट स्टार्ट किया आगे देखो मान लो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड थोड़ा उल्टा लिख दो एसपी को यहां ना लिखो एसपी को लास्ट में लिख देना hybridization SP, ऐसे लिख लो मान लो मान मेरे पास सिग्मा है तीन, लोन है जीरो, तो सिग्मा लोन जीरो, अभी भी समझ आ गया hybridization कितनी हो जाएगी एसपी टू तीन सिग्मा बॉन्ड को एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पे रखेंगे कैसे वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री क्या शेप हो जाएगी ट्राइगनल ट्राइगनल प्लेनर क्या शेप हो गई ट्राइगनल प्लेनर आगे देखो मान लो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड तो है दो और लोन पेयर है एक तो टोटल कितना हो गया तीन तीन का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितनी एस पी टू? तो अगर मैं बनाऊं दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर तो आप सबको समझ आ रहा है जब मैं शेप की बात करूंगी तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करूंगी जब लोन पेयर कंसीडर नहीं होगा तो कौन सी शेप हो जाएगी बेंट या फिर वी शेप क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई क्योंकि लोन पे और ज्यादा एंगल मतलब ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा तो इसको और इसको धक्का मारेगा ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी बट अब क्या हो जाएगा लेस देन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री अब क्या ये लॉजिक समझ आया अब वी एस पी तुम्हें बहुत आसान लगेगी अब यू विल फाइंड अ लव फॉर वी एस ई शॉर्टकट काम आएगा क्या बिल्कुल शॉर्टकट हर जगह काम आएगा मेन के सारे क्वेश्चन आप शॉर्टकट से कर पाओगे कोई फॉर्मूला भी नहीं रटवाऊंगी आई विल नॉट लेट यू मग अप एनी ऑफ द फॉर्मूला बिना फॉर्मूला के केवल शॉर्टकट से काम करवाऊंगी ठीक है मगर वो मेन के लिए एडवांस में पूरा लॉजिक काम आता है आगे देखो सिग्मा बॉन्ड कितने बच्चे तीन आ, आ, पहले उल्टा करो सिग्मा बॉन्ड कितने बच्चे चार लोन पेयर कितना जीरो टोटल क्या चार चार का मतलब हाइब्रिडाइजेशन एस ठीक है चार सिग्मा बॉन्ड ऐसा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स और शेप क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल किसी को कोई प्रॉब्लम शेप क्या हो गई टेट्राहेड्रल किसी को कहीं पे प्रॉब्लम आए तो पूछते रहना आगे देखो अब तुम्हें चमकेगा भी क्लियर भी होगा और फील भी आएगी देखते रहो रट्टा कुछ नहीं मारना यहाँ पे ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देती हूं मैंने भी क्या जगह बचाने की कोशिश करी साफ सुथरा लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड बच्चे 3 लोन पेयर एक टोटल नंबर कितना चार चार मतलब SP3. तीन सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर शेप की बात करूं पिरामिडल, P -Y -R -A -M -I -D -L, पिरामिडल. आ गया डी देखो अब ये इसको धक्का मारेगा इसको धक्का मारेगा होना चाहिए था 109 बट फाइनली बॉन्ड एंगल आता है 107 सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर कितने दो टोटल कितना चार हाइब्रिडाइजेशन कितनी sp3 थ्री आ गया हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो चार सिग्मा बॉन्ड बना दो जिसमें से दो लोन पेयर हैं एक लोन पेयर यहाँ बना दो एक लोन पेयर यहाँ बना दो कई मर्जी बना दो यहाँ 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 जहाँ तुम्हें मन करे शेप गिनते टाइम लोन पेयर नहीं देखना ये सिखाया था शेप गिनते टाइम लोन पेयर नहीं देखना तो यहाँ पर शेप क्या आ जाएगी बेंट या फिर वी अब यहाँ लोन पेयर और लोन पेयर आपस में इतना रिपल्शन क्रिएट करेंगे कि ये इसको पीसेगा ये इसको पीसेगा जब एक लोन पेयर की रिपल्शन थी तो बॉन्ड एंगल आके गिरा था 107 पे दो बॉन्ड दो लोन पेयर की रिपल्शन से बॉन्ड एंगल आके गिरेगा 104.5 पे ठीक है 104.5 पे बच्चे आइसोमॉर्फिज्म भी बता दिया जाएगा एक एक करके करते हैं एक एक करके करते हैं अभी आगे नहीं भागेंगे ठीक है स्टेप बाय स्टेप करेंगे डन यहाँ तक सबको समझ आया आगे देखो भाई सब आज तो फील दिलाती हूँ तुम्हें केमिकल वार्निंग में केमिकल वार्निंग इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल चैप्टर देखते जाओ बच्चे मेरे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ऐसे पांच चार छह हिस्सों में डिवाइड कर लू हाँ मेरे पास सिग्मा बॉन्ड कितने आए पांच लोन पेयर आए जीरो तो टोटल कितना पांच पांच का मतलब एस पी थ्री डी सही है एस पी थ्री डी एक दो तीन चार पांच शेप तो आपको समझ गई है ट्राइगनल पिरामिडल डन पिरामिडल, जो यहाँ और यहाँ है इनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 इसके और इसके बीच का बॉन्ड एंगल 90 और इसके और इसके बीच का बॉन्ड एंगल 180 हंड्रेड डन इसको शॉर्ट में ट्राइगनल बाय पिरामिडल टीबी पी भी लिखा जाता है ट्राइगनल पिरामिडल आगे देखिए मैम इधर भी देखो सुन भी लो हाँ वर्षा बच्चे बोलो बच्चे बोलो हार्ड लग रहा है हार्ड कैसे मैं तो एक एक करके लॉजिकली करवा रही हूं यार हार्ड लग रहा है चलो ध्यान से देखो मैं थोड़ा धीरे करा देती हूँ जिनको मुश्किल लग रहा है सामने देखो धीरे सिग्मा बॉन्ड आपको दिए हैं चार लोन पेयर दिया है एक तो पहले सिग्मा और लोन पेयर को काउंट कर लो टोटल कितना पांच जब टोटल पांच आता है तो मैंने सिखाया था हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी एसपी थ्री डी एस पी थ्री डी आते ही ऐसे बना लो एक दो तीन चार पांच ठीक है बना लिया अब इन पांच में से एक लोन पेयर बनाना है अब मेरे को पूछना है कि मैं कौन सा लोन पेयर बनाऊं ये देखो ये तीनों एक जैसे हैं इक्वेटोरियल और ये जो एक्सियल है ये दोनों एक जैसे हैं कहीं पर भी रखेंगे या इधर इधर या इन तीन पे अब आपको एक चीज याद रखनी है बच्चे लोन पेयर पेयर एक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है है ये चाहता है कि मैं न्यूक्लियस के अंदर चला जाऊं तो लोन पेयर ये चाहता है कि मैं एक ऐसी और बाइटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है यहाँ तो परसेंटेज एस कैरेक्टर है ही नहीं तो जब भी लोन पेयर को भेजोगे तो यू हैव टू सेंड द लोन पेयर एट इक्वेटोरियल पोजिशन अब ये आपके देखने का नजरिया है आप इस पे भेजो इस पे भेजो या इस पे भेजो एक ही बात है हमें चीजें अच्छे से दिखाई दें इसीलिए हम यहाँ पर भेज देते हैं इन तीनों पे कहीं पर भी भेजो एक ही बात है हम यहाँ भेज देते हैं अब इसको ना उल्टा होके देखो थोड़ा ऐसे कल मैं नक्श को पार्क में लेके गई थी वहां पे एक सीसो होता है सीसो है ना जहाँ पर तुम लोग सोचते हो कि जब तुम्हारी बंदी बनेगी एक पे तुम बैठोगे एक पे तुम्हारी बंदी बैठेगी फिर सीसो ये वैसा सीसो ही तो है सीसो ही तो दिख रहा है है ना ये C 100 C C100 हो गया ठीक है हाइब्रिडाइजेशन sp3d अब ध्यान से देखो बच्चे ये जो लोन पेयर है वो इस बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा इसको धक्का मारेगा ये इसको भी धक्का मारेगा इसको भी धक्का मारेगा तो एंगल जो आपको लग रहा था कि मैम यहाँ का एंगल 180 होना चाहिए वो 180 ना होकर के लेस देन 180 डिग्री बनेगा क्या ये बात समझ आई लेस देन वन एटी डिग्री बनेगा डन ठीक है आ गया समझ सी सौ कैसे ढूंढना आगे देखो अब अब ये तुम करना ठीक है यहां पर एक चीज लिख देती हूं द लोन पेयर लव्स टू गो टू ऑर्बिटल विद मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर विद मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर लोन पेयर उसी और जाना चाहेगा जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे बिकॉज लोन पेयर लव्स न्यूक्लियस और क्योंकि एस ऑर्बिटल जिस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है मतलब वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के उतनी ज्यादा पास है तो लोन पेयर पास जाना चाहेगा अच्छा बंदा बंदी एग्जाम्पल आप देते हो मैम दुख हमें होता है तभी तुम्हारा मूड भी तो चेंज हो जाता है ना तुम्हें नींद आ रही होती है फिर तुम्हें लगता है चलो अब नींद तो नहीं आ रही है अब क्या कहते हैं है ना थोड़ा सा नींद खुल जाती है तुम्हारी आगे करते हैं कौन है भाई ये ध्यान से देखिए अब मैं एक नया सिचुएशन देती हूँ सिग्मा बॉन्ड तीन लोन पेयर दो टोटल कितना ध्यान अब खुद से करोगे टोटल कितना तीन और दो पांच पांच का मतलब एस पी थ्री डी मैम ने कहा था जैसे ही पांच आए बनाओ एक दो तीन चार पांच दो लोन पेयर दो लोन पेयर कहां जाने चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक इक्वेटोरियल पोजीशन यहां

आप बेंट टी भी लिख सकते हैं bond angle less than 180 degree. समझ गए आगे करो अब अगला तो तुम कर ही दोगे टोटल कितना पांच पांच मतलब एस पी थ्री डी एस पी थ्री डी आते ही मैम ने कहा था ये बनाओ लोन पेयर तीन एक दो तीन शेप निकालते वक्त लोन पेयर नहीं देखना लीनियर अब हम सोचेंगे मैम बेंट लीनियर होगा या कैसे होगा देखो ये ऊपर वाले को जितना धक्का मारेंगे उतना ही नीचे वाले को धक्का मारेंगे तो धक्का विल बी इक्वल टू धक्का एवरीथिंग कैंसल आउट बॉन्ड एंगल डायरेक्टली वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री बॉन्ड एंगल वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री हैप्पी समझ आए यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ आगे देखिए आई थ्री माइनस का स्ट्रक्चर बिल्कुल बढ़िया ये हो गया अब ध्यान से देखो अब मैं करती हूँ सिग्मा बॉन्ड छे, लोन पेयर जीरो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम नींद आ रही है थोड़ा बोरिंग हो रहा है है ना थोड़ी स्पीड बढ़ा दो बट इस तर, इस चीज को मैं इसीलिए एक, एक 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 करके पूरा डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका खूब सारे जेई के क्वेश्चन हो जाएंगे

नेक्स्ट मैंने लिखा सिग्मा बॉन्ड पांच लोन पेयर एक टोटल कितना हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री एस पी थ्री डी टू बनाते ही मैम ने कहा था ऐसा बना दो अब बच्चे एस पी थ्री डी टू में सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं यहाँ कोई एक्सियल कोई इक्वेटोरियल नहीं होता नथिंग इज एक्सल नथिंग इज इक्वेटोरियल किसी एक पे लोन पेयर बना दो तो किसी एक पे लोन पेयर बनाओगे देखो ये तो स्क्वेयर है मगर अब केवल नीचे से पिरामिड बनेगा तो इसका नाम रख दिया पिरामिडल. समझ गए इसका नाम क्या रख दिया हमने पिरामिडल वेरी गुड आगे देखिए अब मैंने लिखा सिग्मा बॉन्ड चार लोन पेयर दो टोटल कितना छे छे का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कितनी सिखाई मैम ने एस पी थ्री डी टू अब मुझे छे को ऐसे बनाना है मुझे दो लोन पेयर रखने हैं सारे एक जैसे हैं कोई Excel इक्वेटोरियल नहीं है भी दो ऑपोजिट पे रखना सो दैट लोन पेर, लोन पेयर पेयर एक दूसरे से दूर हो जाए एक यहाँ दिया एक यहाँ दिया आपकी मर्जी है ऊपर नीचे रख दो लेफ्ट राइट रख दो आपकी मर्जी तो मुझे दिखाई दे गया की शेप बनी स्क्वायर बन गई स्क्वायर ऊपर का जितना रिपल्शन होगा नीचे का उतना रिपल्शन होगा यानी कि टोटल रिपल्शन कैंसल सबको नजर आया प्लेनर वेरी गुड वेरी गुड आंसर आते जा रहे हैं सबके दैट इज सो गुड डन अब थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा थोड़ी सी नई नई चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी सामने देखिए अगर मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है सात लोन पेयर है जीरो तो टोटल कितना आया सेवन ये जेई एडवांस है यहाँ तक मेन का था अब एडवांस करा रही हूँ लोन पे टोटल सेवन सेवन मतलब हाइब्रिडाइजेशन एस थ्री डी थ्री मैम ये तो आपने बनानी नहीं सिखाई अब मैं आपको ये बहुत डिटेल में नहीं है अपने एडवांस में भी तो जितना है वो सिखा देती हूँ तीन छ और एक साथ सात है तो पहले हम बनाएंगे पेंटागन एक दो तीन चार पांच कुछ ऐसा क्या बनाएंगे पहले पेंटागन पांच बना लिए एक ऊपर बनाएंगे एक नीचे बनाएंगे तो इसका नाम होता है पेंटागन बाय पिरामिडल। क्या नाम होता है पेंटा पी एन टी ए पेंटागनल। बीच में पहले पेंटागन बनाया बाय बाय का मतलब दो एक पिरामिड ऊपर पी वाई आर ए पिरामिडल। आ गया पेंटागनल बाय पिरामिडल अगर टोटल लोन पेयर मतलब अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड सात है और लोन पेयर क्या है जीरो दन? आ क्या मेरी आवाज इतनी गंदी हो गई है कि मतलब तुम्हारे कान मरने वाले हैं ठीक है दो टाइप रहते हैं ना मैम इसमें हाँ वो अभी बताऊंगी अभी बताऊंगी अभी बताऊंगी ठीक है अभी दो टाइप वाला जो केस है जिसमें आपको कंफ्यूजन है वो बताऊंगी अब ध्यान से देखो एक और केस जो सुपर सिंपल है सिग्मा बॉन्ड पांच और लोन पेयर दो तो टोटल कितना सात सात मतलब एस पी थ्री डी थ्री मतलब एक दो तीन चार पाँच पेंटागन तो बनाया एक लोन पे ऊपर लगाओ एक लोन पे नीचे लगाओ तो इसको सिंपल पेंटागनल बोलेंगे पेंटागनल प्लेनर आ गया इसका आंसर सिंपल आ गया पेंटागनल प्लेनर डन अब आप सोच रहे होगे ठीक है ओके मेरी टीचिंग स्किल अच्छी नहीं है थैंक यू बच्चे थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो है ना कि मैम की टीचिंग स्किल बहुत खराब है I was really waiting for this. आप इतने दिन से आई नहीं यार। साल मैंने बर्बाद कर दिए आप पहले मिले होते तो शायद टीचिंग बढ़िया हो जाती थे छीरो पाँच एक चार दो सात जीरो और पाँच दो क्यों किया छ एक क्यों नहीं किया क्योंकि सिक्स और वन वाला एक बहुत स्पेशल केस है वेलकम टू जे एडवांस लिखिए प्यार से समझ के केवल एडवांस के लिए टॉपिक है इम्पोर्टेंट समझिएगा मेन में आपको कोई भी नहीं कराएगा ठीक है ना ही इंपॉर्टेंट है तो इसको समझना जरूरी है सुनिएगा बच्चे अगर मेरी हाइब्रिडाइजेशन है एस पी थ्री डी थ्री ठीक है मतलब मेरे पास सिग्मा बॉन्ड तो छ है और लोन पेयर एक है तो टोटल आया सात सात का मतलब इतना तो क्लियर है कि हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए क्या एस थ्री डी थ्री डन है ये ठीक है ठीक है छ हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है एक लोन पर है अब बच्चे इसको आप एक मतलब ऐसे इसको हम ये बोल सकते हैं कि बड़ा ही नटखट नट खट नटखट केस है याद है बचपन में वो नटखट आते थे तुमने भी खाए है? पहले एक रुपए का पैकेट आता था फिर दो रुपए का आता था फिर पता नहीं बड़े होकर थोड़ा पाँच रुपए का आने लग गया अब मुझे पता नहीं है कि अब भी मिलता है या नहीं मिलता नटखट आता था वो येलो कलर का पैकेट होता था मुझे याद भी नहीं है उसके अंदर से क्या निकलता था कैसा टेस्ट होता था काफ़ी साल हो गए बट वो नटखट मस्त आता था है ना तो ये जो केस है ना जहाँ पर छः सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है ये थोड़ा सा नटखट केस है थोड़ा सा स्पेशल केस है ठीक है इस स्पेशल केसेस में Uh, हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं ठीक है दो तरीके से डिफाइन करते हैं एक केस वो होता है जहां पर सिग्मा बॉन्ड पेयर एक दूसरा केस सिग्मा बॉन्ड छयर एक एक केस में हमारे पास होता है एक्टिव लोन पेयर और दूसरा केस होता है जहां पर हमारे पास इनएक्टिव लोन पेयर होता है अब आपको थोड़ी देर पाँच से दस मिनट आपको लगेगा कि मैम क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा थोड़ा डिटेल में समझाओ मैं आपको समझाती हूँ एडवांस लेवल का दस मिनट देना आपको समझ आ जाएगा दस रुपए का आता है अब अरे भाई साहब अब दस रुपये का आता है मैम आज ही पूरा कंप्लीट करवाओगे क्या अच्छा अरे बिहारी मीना बच्चे आप तो मतलब अभी रो रहे थे कि मैम खराब है मैम को कुछ नहीं आता टाइम पास कर रही है अभी दोबारा मतलब कितने घंटे हो गए बच्चे मुझे पढ़ाते हुए अर, अर 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 चार घंटे से आप बस यही लिखने के लिए बैठे हैं कि मैम मतलब खराब पढ़ाती है हिम्मत है यार इतने वेले कैसे हो सकते हो तुम अपना थोड़ा थोड़ा टाइम बाकी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करो बच्चे भी खुश हो जाएंगे बहुत दुआएं मिलेंगी तुमको सही है यार मतलब चार घंटे कोई कैसे मतलब इतना वेला हो सकता है कि हिम्मत है भाई मतलब हिम्मत है ध्यान से देखिएगा चलो ध्यान से देखना ठीक है समझो एक एक करके समझाती हूँ पहले मैं ना नटखट केस वन लिखती हूँ लिखो एन ए टी के एच ए टी अभी ये नटखट कोई केमिस्ट्री का नाम नहीं है मैंने नाम रखा इसका तो इसका नाम लिख लो नटखट केस वन नटखट केस वन क्या कहता है जैसे फॉर एग्जाम्पल केवल दो स्पीशीज में नटखट केस वन होता है एक है जिनॉन फ्लोराइड एक्स ई एफ सिक्स जिसके ऊपर आप हंस रहे थे ना अच्छा यही ये मीना ही है जो हंस रहा था जब मैं XDF6 बढ़ा रही थी ठीक है मीना ने सही टाइम पे एंट्री मारी है है ना बिहारी मीना इसका नाम है एक है XDF6 एक ये है और एक XZ को रिप्लेस कर देते हैं IF6 माइनस हमारे पूरे एडवांस तक के सिलेबस में अगर ये दो केसेस आपके सामने आए तो आपके दिमाग में वो दस रुपए का मतलब पहले जमाने में 1 रुपए का नटखट का पैकेट आता था अब बच्चे कह रहे हैं 10 रुपए का आता है मेरे को नहीं पता वो नटखट आपका केस जो है सामने आ जाना चाहिए ठीक है ये दो केसेस आपके सामने आने कंपलसरी हैं अब क्या होता है इन दो केसेस में कि बच्चे ये जो जिनोन है या जो आयोडीन है इसका साइज देख रहे हो काफी बड़ा है जिनोन या आयोडीन के जो साइज है वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में काफी कम है अच्छा पहले तो ये बता देती हूँ कि यहाँ पर ये वाला केस लग रहा है या नहीं देखना जरा जिनोन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ फ्लोरीन एक दो तीन चार पाँच है और कुछ तो गड़बड़ होनी है ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है आयोडीन इतना बड़ा है अरे बड़ा ही नहीं बना पाए बच्चे आयोडीन का साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है एक हाथी की तरह आयोडीन होता है कि इसके ऊपर अगर मैंने एक दो तीन चार पांच छः फ्लोरीन को बिठाया तो छः के छः फ्लोरीन को कोई दिक्कत ही नहीं होती है क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो छः फ्लोरीन बड़े आराम से एकोमोडेट हो जाते हैं ठीक है बड़े आराम से ये अकोमोडेट हो जाते हैं इसीलिए जो हमारा लोन पेयर है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाता है ये क्या कर पाता है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाता है यानी कि ये एक एक्टिव लोन पेयर का केस बन जाता है ठीक है और क्योंकि ये एक्टिव लोन इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है एस पी थ्री डी थ्री और एस पी थ्री डी थ्री में ये कौन कौन से और बाइटल यूज करता है एक एस पी एक्स पी वाई पी जेड एक हमारा यूज करेगा डी एक्स वाई एक करेगा डी एक्स स्क् और एक करेगा डी जेड स्क्वेयर यानी कि डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो करना ही करना था एक ये डी एक्स वाई को भी यूज करता है ठीक है यहाँ पर ये डी एक्स वाई को भी यूज करता है पहले बताओ इतना क्लियर हो गया और ये क्यों हुआ क्योंकि आयोडीन या जिनॉन जो हमारा सेंट्रल एटम था उसका साइज बहुत बड़ा था तो छह फ्लोरीन आने के बावजूद लोन पेयर बड़ी आसानी से अपनी जगह बना पाता है वो लोन पेयर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में इस केस को बोलते हैं एक्टिव लोन पेयर का केस ठीक है सबको अच्छे से समझ आया इतनी बात सबको अच्छे से क्लियर हुई पहले तो मुझे ये बताओ, ये ये बताओ है है मगर प्रॉब्लम होती है, बच्चे यहां पर जो हमारा लोन पेयर है उसको ना वो ये बात ठीक है कि ठीक है मैम लोन पेयर ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया बट उस लोन पेयर की इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि कभी वो लोन पेयर यहां से निकल रहा है -b 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 कभी यहाँ से निकलेगा कभी यहाँ से निकलेगा कभी यहाँ से निकलेगा कभी यहाँ से निकलेगा कभी यहां से निकलेगा मतलब अलग 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 डायरेक्शन से ऐसा लगता है लोन पे निकल के आ रहा है वो आजकल इंस्टाग्राम पे ना एक वो रील वायरल वायरल हुई थी बीच में जैसे वो कुछ दबाओ और वो वहां से निकल जाता था कुछ एक वो था, था अजीब सा खिलौना सा तो मतलब ये देखो एक्स है मगर एक् सिक्स की ना एक बार यहाँ से लोन पेयर निकल रहा है एक बार इस फेस से निकल रहा है एक बार इस फेस से निकल रहा है तो ऐसे लगता है कि ये फ्लगजोनियल बिहेवियर जो है शो करता है फ्लगजोनियल बिहेवियर मतलब ऐसे फ्लक्चुएट होता है कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे तो एक् सिक्स केस में हाइब्रिडाइजेशन होती है एस पी थ्री डी थ्री और ये जो लोन पेयर होता है ये फ्लगजोनियल बिहेवियर शो करता है ठीक तो है ये लोन पेयर क्या शो करता है फ्लगजोनियल बिहेवियर शो करता है, था है। तो इसके अलावा इन दो के अलावा दुनिया भर का कोई भी एग्जाम्पल क्यों ना हो कोई भी दुनिया भर का कोई भी एग्जाम्पल आप यूज कर लो इसको बोलते हैं नटखट केस नंबर एन के एच ए टी नटखट केस नंबर टू अब मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया जैसे आई एफ सिक्स माइनस था ना मैंने एक नया केस ले लिया सी एल एफ सिक्स माइनस अब मुझे सोचना है मैम क्या होगा तो मैंने कहा देखना क्लोरीन एक दो तीन चार पाँच छः और एक ये सात ठीक है और क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है नहीं तो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन को दे दो छः फ्लोरीन चिपकाओ एक दो तीन चार पाँच छः तो मुझे दिख गया छः सिग्मा बॉन्ड है एक लोन पेयर है तो मेरे दिमाग में घंटी बज गई मैम ये नटखट केस है अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा नहीं होता क्लोरीन हाथी की तरह बिहेव नहीं करता क्या ये बात समझ रहे हो मैं मानती हूँ कि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है मगर इतना बड़ा भी नहीं है क्लोरीन इतना और फ्लोरीन एक दो तीन चार पांच यानी कि फ्लोरीन आने के बाद लो, लोन लोन पेयर बेचारे को जगह ही नहीं मिलती कि मैं मतलब निकल मैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाऊं तो लोन पेयर कहते हैं भैया मैं जहाँ हूं मुझे वहीं रहने दो तो, मुझे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना और इसीलिए इस केस को बोलते हैं इनएक्टिव लोन पेयर इनएक्टिव लोन पेयर का मतलब यह है कि लोन पेयर डिपेट पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है जो लोन पेयर है बच्चे वो प्योर एस और बाइटल में रहना पसंद करता है लोन पेयर देखो ना एसपी थ्री डी थ्री होना चाहिए था लोन पेयर कहता है कि भैया मुझे प्योर एस और बाइटल में रहने दो मैं मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहता क्या ये बात सबको समझ आई अब जब वो प्योर उसमें पार्टिसिपेट देखो प्योर में रहेगा प्योर एस में तो ये एस ऐसे हो गया लोन पेयर यही है अब मुझे छे बॉन्ड बनाने एक दो तीन चार पांच छः तो यहाँ पर लोन पेयर अंदर ही अंदर रहता है कहता है भैया मुझे बाहर निकलना ही नहीं है मतलब जब ये हाइब्रिड पिछले वाला तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था यहाँ तो वो हाइब्रिडाइजेशन में ही पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो वो प्योर एस में ही रहना पसंद करता है और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन होती होती है है वो कौन सी क्योंकि जो लोन पेयर है वो प्योर एस में ही रहना पसंद करेगा लोन पेयर प्योर एस और बाइटल में रहना पसंद करेगा इसीलिए यहाँ जो शेप आती है वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है देखो ना परफेक्ट क्योंकि लोन पेयर सेंटर में बैठा है

डन सेव पीडीएफ थैंक यू सो मच बच्चे थैंक यू सो मच कीप फाइल एक मिनट सेव एज डेस्कटॉप यस एक मिनट अब हम थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ठीक है लेट अस प्रैक्टिस अ फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब मुझे एक मिनट का टाइम दे दो एक मिनट लेट मी let me, एक मिनट लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि कौन कौन से पीवाई क्यूज हमने करने हैं हैंड वन सेकेंड बचे वन सेकेंड चलिए पहले तो ना मैं क्वेश्चन की नंबरिंग कर लेती हूँ सो दैट मेरे लिए भी आसान रहे क्वेश्चंस को पढ़ना की कौन सा क्वेश्चन था कहाँ तक हमने लिख लिया था थर्टीन तक लिख लिया था 13 हो गया था फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एक मिनट है मुझे दो तीन मिनट दे दो फिर मैं कराती हूँ ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये हो गया अभी फिर कुछ गड़बड़ हुई है ना एक मिनट अठारह उन्नीस बीस इक्कीस यहां पर लिखते हैं बाईस फिर यार क्या गड़बड़ हो रही है बाईस हो गया यहां पर नंबर डालिए ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव

जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समय लीजिए आंसर करिए टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर मेरे को मोटिवेशन की जरूरत है अरे थैंक यू सो मच बच्चे यार मीना बिहारी मीना तुमने कमाल कर दिया यार मतलब दिल जीत लिया आज तो तुमने मैं ये सोचती थी कि कैसे कोई बच्चा चार घंटे कंसिस्टेंटली बैठ सकता है टाइम पास करने के लिए मुझे लगा था खाली इंस्टाग्राम की रील्स इतनी एडिक्टिव होती है मैं तो खुश हो रही हूँ ये जानकर कि भाई साहब मेरा लेक्चर तुम्हारे लिए इतना एडिक्टिव है चार घंटे हो गए मतलब एक ऐसी टीचर के साथ तुम बैठे हो जिसको तुम पसंद भी नहीं करते यार कमाल है यार मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ चलिए करके दिखाइए क्वेश्चन नंबर टू आंसर बताइए आंसर पेन गायब हो गया मेरा एक मिनट तुम क्वेश्चन करो ए फॉर एटम अरे क्या बात है आंसर आ रहे बच्चों के एक मिनट एक मिनट अब मेरे को पेन ले दो मुझे मार्क करना है कौन कौन से क्वेश्चन कर बैठे हम क्या बात है क्या बात है सुपर समझदार बच्चे आंसर आ चुके हैं काफी सारे बच्चों के दिस इज नाइस चलिए क्वेश्चन देखिए बच्चे सामने देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एक्सी ओ थ्री का शेप और मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना है है ना एक्सी ओ थ्री एक्सी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ध्यान से देखिएगा तीन ऑक्सीजन है एक दो ध्यान से देखो सिग्मा बॉन्ड एक दो तीन सबको तीन सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है यानी कि आपकी टोटल चार आ गया चार का मतलब हाइब्रिडाइजेशन SP3, हाइब्रिडाइजेशन SP3, तो एक आंसर टू आएगा एक आंसर टू आएगा सी और डी तो हो नहीं सकता आ गया आगे देखते हैं इतना क्लियर हो गया आगे देखो कोई भी और देख लेते हैं बी का आंसर वन है बी का आंसर टू तो बी ही सॉल्व कर लेते हैं मॉलिक्यूल का नाम है एक्स फोर दो तीन चार पाँच छ सात आठ दो फ्लोरिन चिपका दो तो सिग्मा बॉन्ड कितने बच्चे दो और लोन पेयर कितने एक दो तीन लोन पेयर तो टोटल कितना हो गया पांच तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी और कोई एस पी थ्री डी वाला है नहीं तो बी का आंसर वन बी का आंसर वन एज द करेक्ट आंसर बस ये टीना मीना वाले जो बच्चे थे ना जो ये कह रहे थे अरे मैम आपको तो पढ़ाना भी नहीं आता मैम मोटिवेशन की जरूरत है मैम अरे यार टीना मीना यार क्या ही कर दिया तुमने आगे आंसर जय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ठीक है चलिए डन अगला अगला क्वेश्चन करते हैं एसिडिक ऑक्साइड शेप क्वेश्चन नंबर फाइव तीन ये चार पांच पांचवा क्वेश्चन करके दिखाओ टेक योर टाइम एंड द आंसर सारे सेम क्वेश्चन नहीं कराऊंगे मैं फिर टीना मीना कहेगा ना यार मैम आपको तो पढ़ाना भी नहीं आता यार फिर तुम देख रहे हो मतलब मुझे थोड़ा सा मेंटेन तो करना पड़ता है ना टीना वीना जैसे बच्चे आ जाते हैं जल्दी से जल्दी से जल्दी से ए बी सी डी व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर अरे भाई साहब हम जेई के क्वेश्चंस कर रहे हैं आप कहीं टीना मीना आके फिर से गए मैम आपने तो कौन से क्वेश्चन करा दिए मैम देखो आपको तो आता भी नहीं बच्चे टीना मीना है हमारी क्लास में सोच समझ के बताना आंसर ये हुई ना अरे वक्त तो, आज तो मैच लिस्ट वन वि बी आर एफ फाइव शेप बतानी है ब्रोमीन एक दो तीन चार पाँच छ सात पांच फ्लोरीन एक दो तीन चार पांच फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड कितने पांच लोन पेयर कितना बच्चा एक टोटल कितना हो गया छे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई एस पी थ्री डी टू एक दो तीन चार पांच छोन पेयर यहाँ पे चिपका दो स्क्वायर तो पिरामिडल तो एक आंसर आ जाएगा टू टीना वीना देख रहे हो टीना वीना तुम टीना वीना देख रहे हो कितना बढ़िया बच्चे कर रहे हैं हमारे क्या यार टीना वीना चलो आगे देखते हैं मैं बताती हूँ कोवल एंड कैरेक्टर मैग्नेटिका मैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर एमओ टी पोलर नॉन पोलर पैरामैग्नेटिक फिफ्टीन क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा भागते भागते क्वेश्चन नंबर पंद्रह पे आ जाओ तेरह चौदह और ये पंद्रह टेक योर टाइम बच्चे टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर पंद्रह क्वेश्चन आप सबके सामने है कहा था ना जेई के क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में करोगे कहा था ना करो डन जल्दी जल्दी करके बताओ कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर पंद्रवा क्या नाम है कंसीडर पी एफ फाइव आया आंसर इंटीजर टाइप है जल्दी से सोच के बताओ आंसर ये yeah, क्या बात है क्या बात है मतलब देखना तीन और दो पांच और एक तो टोटल नंबर छ आना चाहिए मैंने कहा इधर आओ पी एफ फाइव पी एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच सिगमा बॉन्ड कितने बना रहे हो तुम पांच टोटल छे बनाने थे तो आई एम सो सॉरी

कितने फ्लोरीन है एक दो तीन चार पाँच छ छ फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड कितने तो छ्री डी टू दूसरा स्टार फिर आईसीएल फोर माइनस मैंने कहा भैया आयोडीन इधर आओ एक दो तीन चार पाँच छः सात इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव है तो आठवां इलेक्ट्रॉन भी आयोडीन को दे दो कितने क्लोरीन है चार एक दो तीन चार अरे 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 चार सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कितने दो टोटल छ वेरी गुड आईसीएल फोर माइनस भी आएगा अगला है सी एल एफ थ्री तो यहाँ पे लिख देती हूँ कितना सी एल एफ थ्री क्लोरिन सी एल एक दो तीन चार पांच छः सात एक दो तीन, तो सिग्मा कितने? तीन. लोन पेयर कितने दो अर, 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 पांच. So sorry, CLF3 आप नहीं आ सकते हमारी क्लास में आई एफ फाइव आई एफ फाइव तो टोटल तो देखना एक दो तीन चार पांच छः सात एक दो तीन चार पांच सिग्मा बॉन्ड पांच लोन पेयर एक वेरी गुड सिक्स एस पी थ्री डी टू टोटल आ गया एक दो तीन चार ऑसम awesome बच्चे ऑसम awesome. जिन जिन का सही आंसर आ रहा है वेरी गुड बच्चे गॉड ब्लेस यू नाइस 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 आ गया हैप्पी हो चलिए अब दो तीन और क्वेश्चंस मार्क करवा देती हूँ ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क बाईसवां क्वेश्चन आपका होमवर्क है ये बच्चों वाले क्वेश्चन मैं दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती ये जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुछ आधे एक आधे जेई एडवांस के क्वेश्चन है दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन ट्वेंटी सेकेंड में मार्क कर रही हूँ मेरे बच्चे कर लेंगे ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन इज योर होमवर्क हम कर चुके हैं ये सब मैं करा चुकी हूँ उसके बाद छब्बीसवा क्वेश्चन करोगे चलो कर लो तुम भी क्या याद रखोगे कर लो छब्बीसवा क्वेश्चन नहीं पच्चीसवा ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन सब लोग मुझे करके दिखाएंगे ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखाओ ये मीना कहाँ गया भाग गया अरे यार मैं कह तो रही हूँ जब हम बाउंस बैक कराते हैं ना तब टीना मीना जैसे बहुत बच्चे आते हैं ये ओ पी वो ओ पी है ना टीचर्स को कुछ नहीं आता फिर जब हमारे बच्चों का रिजल्ट आता है ना तो फिर ये टीना मीना पता नहीं कहाँ जाके किस किस जगह जाकर छुपते हैं हमको भी नहीं पता चलता तो भैया ये टीना मीना को गोली मारो तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो लाइफ सेट हो जानी है तुम्हारी जल्दी से आंसर ले ऑसम स्माइल देख रहे हो मैम की फेस पे जेई मेन 2022 का पीवाईक्यू है जेई मेन 2022 एंड यू प्रूव्ड इट कि तुम कर लोगे द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस एग्जिबिटेड इन पीएफ5 मुझे पता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d तो y की वैल्यू कितनी वन ये जेई मेन 2022 का सवाल है कोई बहुत पहले भी नहीं कराया मैंने कहां गया टीना मीना बच्चे कहाँ चले गए तुम होमवर्क होमवर्क क्वेश्चन ठीक है सेम है होमवर्क क्वेश्चन एक और ट्वेंटी चलो बच्चे कर लो फटाफट से ट्वेंटी फटा फट से जल्दी से आंसर बता दो ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन जितने कहोगे मैंने कहा था ना मेरे को एक बार वीएसईपीआर खत्म करने दो तो अपना शॉर्टकट बताने दो तो तुम फटाफट से जई का कोई सवाल छूटेगा नहीं तुमसे तुम सब कर डालोगे करो जल्दी से। इक्वल टू वन क्योंकि बच्चे वाई एस पी एक्स डी वाई लिखा हुआ वा था तो वाई के वैल्यू वन आएगी ना एस पी थ्री डी वाई की वैल्यू वन आएगी सी अरे देखते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चे एक और चीज बताती हूँ

डन तो मैं तुम्हें बताती हूँ उनतीस मैंने लिए थे, जिसमें से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह तुम कर चुके हो ट्वेंटी नाइन टोटल थे जिसमें से थर्टीन तुम कम्प्लीट कर चुके हो ठीक है और हमें हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते सवा चार घंटे अब हम इसी खुशी की बात पर कुछ नए छोटे छोटे से टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जब मैं आपको एमओ सिखाऊंगी ना तो तुम थोड़ी देर तो रोगे कि मैम मैम इतनी डिटेल मत कराओ मत कराओ फिर जब एमओ का चोटेला मेथड और ऑड इलेक्ट्रॉन और, और आ, क्या कहते हैं के शॉर्टकट कराऊंगी ना तुम्हें प्यार हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग से सीरियसली यू विल फॉल इन लव विद केमिकल बॉन्डिंग बट हाँ ये मेन की बातें अपनी जगह है बट सक्सेस तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम एडवांस लेवल की चीजें ना पढ़ें सो so, क्यों ना एडवांस लेवल की कुछ चीजें और पढ़ ली जाए सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना अभी मैं एम पर नहीं आ रही आई एम नॉट कमिंग टू एम डायरेक्टली उससे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ एक नया रूल ऑल दो हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं शॉर्टकट में सब कंप्लीट हो गया बट थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं इस रूल का नाम है बच्चे बेंड्स रूल रूल का नाम है बेंड्स रूल ठीक है समझना है 10-15 मिनट वापस से थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं आप देख रहे हो जब मैं आपको शॉर्टकट कराती हूँ ना तो शॉर्टकट से आठ नौ सवाल आप फटाफट कर लेते हो तो आई आई हैड दिस ऑप्शन कि मैं शॉर्टकट में पढ़ा पढ़ा के सारा चैप्टर मतलब चार घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर दूँ बट मैं आपको इक्वली मतलब जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं उन पे फोकस करा रही हूँ क्योंकि जब आप एडवांस का सवाल बनाओगे ना तो ये कोई शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ काम नहीं आता तो काम आता है कि बच्चे ने कितनी डेप्थ में कितनी गहराई में पढ़ाई करी है तो वो डेप्थ में आपको सिखाती हूँ आप देखो जब मैं एडवांस का सिखाती हूँ कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाती क्योंकि एडवांस में इट्स लाइक like, छह कॉन्सेप्ट को यूज करके एक एडवांस का क्वेश्चन बनता है बट वो छह कॉन्सेप्ट ये मतलब बीच बीच में से आते हैं कहीं ना कहीं से एडवांस के कॉन्सेप्ट पूछता है तो नॉलेज गेन करना अपनी जगह क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालना एक आर्ट है वो भी मैं आपको साथ साथ सिखा रही हूं। तो दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है आप सोचो कि खाली एडवांस क्लियर हो जाता तो नहीं होता आप सोचो कि बस पढ़ते रहे शॉर्टकट पढ़े नहीं तो भी मेन भी नहीं क्लियर होगा क्योंकि उसके लिए स्पीड चाहिए टाइम मैनेजमेंट चाहिए जो आपको शॉर्टकट से आती है ठीक है अब ध्यान से देखना अगर मैं सपोज करो मेरे पास एस टू हाइब्रिडाइजेशन है मेरे पास एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है तो एस पी टू में एस पी थ्री में चारों के चारों जो ऑर्बिटल्स हैं तीनों के तीनों ऑर्बिटल सेम है तो कल को मुझे अगर लोन पर रखना हो तो मैं यहाँ पर भी, सकती हूं. यहां पर भी रख सकती हूँ मैं यहाँ पर भी रख सकती हूँ मैं यहाँ पर भी रख सकती हूँ इट इज वन एंड द सेम थिंग सिमिलरली अगर मुझे एस पी थ्री में लोन पर रखना हो मैं यहाँ पर रख दूँ मेरी मर्जी में यहाँ पर रख दूँ मेरी मर्जी में यहाँ पर रख दूँ मेरी मर्जी में यहाँ पर रख दूँ इट इज एक्सेप्टेबल कोई दिक्कत की बात नहीं होती है क्योंकि सारी पोजिशन जो है वो सेम है इन अदर आई विल से ऑल द पोजिशन आप कहीं को मतलब किसी भी लोन पेयर को कहीं पर रखो दैट इज हंड्रेड परसेंट ओके ठीक है दैट इज हंड्रेड परसेंट ओके मगर बच्चे मान लो मैं एस पी थ्री डी हाइड्रिटाइजेशन की बात करती हूँ तो मैंने आपको बताया ना sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ये तीन बॉन्ड ऐसे होते हैं जहां पर परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है और ये ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जहां पर परसेंटेज s कैरेक्टर जीरो होता है तो अगर मुझे किसी लोन पेयर को sp3d हाइब्रिडाइजेशन में रखना है तो मेरे दिमाग में क्लियर घंटी बजेगी कि लोन पेयर को ई क्यू यू ए टी ओ इक्वेटोरियल पोजिशन पे रखना compulsory है है ना लोन पेयर को मैं कहा रखना प्रेफर करूंगी equatorial position पे बिकॉज equatorial position पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है ये बात ठीक है ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई ये तो थी लोन पेयर की बात ये आपने पहले भी करा मैंने अभी भी कराया मगर अब सुनना मेरी बात अगर बच्चे मुझे एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन में मार्क कर लो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है मुझे एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन में किसी मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम को रखना है अब मैं मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम को कहाँ रखूंगी मुझे मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम को वहां रखना है बच्चे जहां पर परसेंटेज s और परसेंटेज s कम हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वॉन्ट्स टू गो टू दैट ऑर्बिटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस ऑर्बिटल पे जाना चाहेगा विच परसेंटेज एस कैरेक्टर उल्टा होता है याद रखना लोन पेयर वहां जाना चाहता है जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है जबकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन हो गया जैसे कि ऑक्सीजन हो गया ये ये वहां जाना चाहेगा जहां पर uh, जहां पर पर परसेंटेज परसेंटेज एस एस कैरेक्टर कैरेक्टर समझ रहे हो कम होता है क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई दिस इज क्लियर छोटा सा हिंट था ये क्यों सिखाया अभी इसके बारे में भी बात करूंगी उससे पहले एक और छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आपको पता है हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं एक होता है पोलर एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल याद है ये जेई के भी बहुत फेवरेट टॉपिक हैं एक होता है पोलर मॉलिक्यूल्स एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए मुझे एक छोटा सा टॉपिक आपको समझाना है जिसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट वैसे तो आपके फिजिक्स के टीचर्स आपको डायपोल मोमेंट बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं मगर हमें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही चाहिए ध्यान से देखिए बच्चे मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है एच सी एल आप जानते हैं है। है है है। है। अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्लोरीन के टुवर्ड्स ज्यादा दिखाई देगा हाइड्रोजन के टुवर्ड्स कम दिखाई देगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होगा और क्लोरीन पे डेल्टा माइनस डेवलप होगा मानते हो, हो। यानी कि यहां पर चार्ज सेपरेशन यहां पर क्या आ गया आपको नजर आ रहा है चार्ज सेपरेशन आ गया और इसी को तो डाइपोल कहते हैं यानी कि टू चार्जेस टू अगर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस तो ये जो सब जो पूरा सिस्टम बनता है इसी सिस्टम को तो क्या कहते हैं डायपोल और डायपोल को डिफाइन करने के लिए कि कौन सा डाइपोल स्ट्रॉन्ग है कौन सा डाइपोल वीक है उसके लिए हम डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिफाइन करते हैं विच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल ये जो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्जेस है इसका मैग्नीट्यूड और इस एच और सी एल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल्स क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई है ना और एक और चीज एक छोटा सा शॉर्टकट सिखाती हूँ ये जो डाइपोल है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालते हैं और इसकी डायरेक्शन केमिस्ट्री के लिए हम मानते हैं पॉजिटिव पी से पॉजिटिव ई e से नेगेटिव डायपोल की डायरेक्शन हम कहा से कहा शो करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि मैं एक एरो बनाऊंगी इस तरीके से ये मेरे को शो करता है कि एच का डायपोल कैसा है सही है ये मुझे शो करता है कि एच का डाइपोल किस तरीके से ओरिएंटेड है समझ गए मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां से कहां हुई होगी तो अगर मैं किसी ऐसे बॉन्ड की बात करूं जिसके अंदर डायपोल मोमेंट जीरो है तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा नॉन पोलर बॉन्ड मगर अगर मैंने एक ऐसे बॉन्ड की बात करी जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है ये बॉन्ड क्या कहलाएगा पोलर बॉन्ड सही है ये बॉन्ड को मैंने डिफाइन किया बॉन्ड पोलर भी हो सकता है नॉन पोलर भी हो सकता है जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसको आप ओपन बुक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं मुझे बताइए इसमें कितने पोलर और कितने नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं? हाउ मैनी पोलर एंड हाउ मैनी नॉन पोलर बॉन्ड्स आर देयर जल्दी से बताइए हाउ मैनी पोलर एंड हाउ मैनी नॉन पोलर बॉन्ड्स आर देयर ये बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये क्या बनेगा पोलर ये दोनों सेम के बीच में है ये बॉन्ड क्या कहलाएगा नॉन पोलर ये बॉन्ड क्या कहलाएगा पोलर डन पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स दिख गए सबको आ गया पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड को कैसे डिफाइन करते हैं डन अब ध्यान से देखिएगा कुछ अलग 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 अलग, -अलग केसेस करा रही हूँ जेई के सवाल करते हैं मेरे पास एक मॉलिक्यूल है मैंने यहां लिखा ए यहां लिखा बी यहां लिखा बी ये लीनियर है ये 180 डिग्री पे है बताओ क्या ये पोलर है या नॉन पोलर बीच वाला मैम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डाइपोल इधर से इधर इसका डाइपोल इधर से इक्वल इक्वल एंड ऑपोजिट दे विल कैंसल आउट इच अदर तो ये म्यू जीरो सुनो ये जो मॉलिक्यूल है ना या ये मॉलिक्यूल ले लो या ले लो बी टू ध्यान से सुनना ये जो बॉन्ड है ये तो पोलर है बॉन्ड आर पोलर आप सबको नजर आ रहा है इसका एक डाइपोल है इसका एक डाइपोल है बॉन्ड पोलर है मगर दो डाइपोल इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे दे विल कैंसल आउट इच अदर सो द कंप्लीट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर समझ आया यहां पर बॉन्ड पोलर हैं बट ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो क्या है नॉन पोलर डन बॉन्ड पोलर है मगर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या है नॉन पोलर डन है इतनी बात सबको अच्छे से क्लियर हुई ये बात सबको अच्छे से समझ आई डन चलिए अब आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे गिव मी वन सेकेंड ठीक है एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है सी सी एल फोर मुझे कोई बताएगा कि ये पोलर है या नॉन पोलर है सोचो मेरे पास चार क्वेश्चन कराऊंगी फिर सीधा जेई के क्वेश्चंस आप करेंगे चार क्वेश्चन मैं कराऊंगी फिर जेई के क्वेश्चन आप करेंगे ये पोलर है या नॉन पोलर है पोलर है या नॉन पोलर है टेक योर टाइम एंड द आंसर सी एल फोर कार्बन क्लोरीन 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 एक और बात बताऊं अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमिट्रिकल है एस वाई डबल एम ई टी आर आई सी एल इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है अगर हर दिशा में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इक्वली फैला हुआ है अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा उसके अंदर पोलैरिटी नहीं होगी क्योंकि सब कुछ इक्वल एंड ऑपोजिट है है जैसे देखो ये CCL4 है। अब देखना ये से minus, ये डाइपोल डाइपोल प्लस प्लस से से माइनस माइनस इन दोनों का एक, मतलब इन दोनों का वो कहते हैं ना क्या कहते हैं वेक्टर को ऐड करते हो तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे ये इधर जाएगा ये प्लस से माइनस प्लस से माइनस इन दोनों को ऐड करोगे इधर जाएगा क्वल एंड ऑपोजिट कैंसल आउट इच अदर डाइपोल मोमेंट जीरो यानी कि ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा नॉन पोलर डन चलिए ये यहां तक सबको अच्छे से समझ आ गया क्वेश्चन मेरे एन एच थ्री मेरे पास है एन एफ थ्री अच्छा एक और चीज बता देती हूँ लिख लो फैक्ट में लिख लो ये एक फैक्ट है ये फैक्ट वन फैक्ट टू मान लो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो जो लोन पेयर की वजह से डायपोल होता है वो हमेशा ऐसे जाता है मतलब फ्रॉम द एटम टू द लोन पेयर लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल होता है वो फ्रॉम द एटम टू द लोन पेयर जाता है क्वेश्चन है ए बी सी डी ये ए है ये बी है ए इज मोर पोलर देन बी ए इज लेस पोलर देन बी ए इज इज इक्वल टू पोलर देन बी नॉट कंपेरेबल क्या हम इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते ए बी सी डी वॉट डू थिंक इज द करेक्ट आंसर करें नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन ये लोन पेयर नाइट्रोजन तीनो फ्लोरीन और एक लोन पेयर ध्यान से देखना डाइपोल प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस सारे डाइपोल ऊपर जा रहे हैं ऐड हो रहे हैं मतलब म्यू की अच्छी खासी वैल्यू होगी म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो डाइपोल ऊपर यहाँ पर ये डेल्टा माइनस है ये डेल्टा पॉजिटिव है अर 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 अर। तीन नीचे की साइड है एक ऊपर की साइड है तो कुछ ना कुछ तो कैंसल आउट हो रहा है ना मुझे भी नहीं रटी हुई कि किसका डायपोल की कितनी वैल्यू है ये तो मुझे भी नहीं रटी हुई ठीक है तो वैल्यूज नहीं रटनी है लॉजिकली कंपैरिजन आना चाहिए डन अब आगे ध्यान से देखेंगे ध्यान से देखिए अच्छा क्वेश्चन है जेई का रिपीट क्वेश्चन है लिख लीजिए ये रिपीट जेई क्वेश्चन है जेई में बहुत बार रिपीट होता है मुझे अगर कंपेयर करना है सी एच थ्री सी एल सी एच टू सी एल टू सी एच सी एल थ्री सी सी एल फोर का डाइपोल मोमेंट दो हज़ार अठारह 2019, 20, 21, 22, बाईस पांच के पांच पेपर में टेढ़ा मेढा करके ये क्वेश्चन पूछा जरूर गया है ठीक है कैसे भी टेढ़ा मेढा करके क्वेश्चन पूछा जरूर गया है सोचिए और मुझे आंसर बताइए डायपोल मोमेंट का कभी वो ये तीन पूछता है कभी ये तीन पूछता है कभी ये ये मतलब कभी ये ये ये, ये पूछता है अलग से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके मगर पूछता जरूर है सोचो जरा टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर सोचो 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 सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका बताओ आंसर सोच समझ के करना बढ़िया क्वेश्चन है और फिर डायपोल के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक मिनट डायमैग्नेटिक एसिडिक ऑक्साइड कोवलेंट कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक सेवेंथ कर लेते हैं अच्छा इलेवेंथ क्वेश्चन करा देती हूँ इलेवन अठारह बॉन्ड ऑर्डर

ठीक है जिसका फोर सबसे ज्यादा आर था बिल्कुल गलत आंसर है सामने देखिए आपने ये कर रखा है मान लो अगर एक डायपोल है वो म्यू वन से रिप्रेजेंट किया दूसरा म्यू टू से रिप्रेजेंट किया है ना दो डायपोल है एक म्यू वन एक म्यू टू तो जब हम रिजल्टेंट लेते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं फिजिक्स में अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वाज ऑफ थीटा सही है रिजल्टेंट ऐसे ही निकालते हो ना म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा यही तो करते हैं डायपोल में तुमने फिजिक्स में तो यही किया होगा फिजिक्स के ग्रेड इलेवंथ के पहले चैप्टर में सिखाते हैं सही है ना फिजिक्स के ग्रेड इलेवंथ के पहले चैप्टर में सिखाते हैं क्या ये बात सही है ठीक है ध्यान से देखना मैं ऐसे गई ध्यान से समझिएगा मैं पहले थी सी एच थ्री पे फिर मैं गई सी एच टू सी फिर मैं गई ch सी एल थ्री और फिर मैं गई सी सी एल फोर सही है क्या आपको नजर आ रहा है ये सी एच थ्री सी एल एक मिनट मैं पूरा ड्रॉ करके दिखाती हूँ सो दैट आप लॉजिकली याद रख सके रट्टा नहीं मारना क्या आपको ये समझ आ रही है कि जब मैं सी एच थ्री सी एल से ठीक है सी सी एल फोर तक गई तो मेरा जो साइड एटम है वो मोटा होता जा रहा है पहले तीनों हाइड्रोजन छोटे थे एक सी एल था ठीक है फिर यहाँ पर दो छोटे हाइड्रोजन सीएल बड़े बड़े हो गए यहां एक छोटा हाइड्रोजन तीन सी एल बड़े बड़े हो गए और यहां चारो सीएल बड़े बड़े हो गए तो चारो सीएल वाला तो केस ही कंप्लीट हो गया क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल बन जाता है ठीक है क्या आपको ये बात समझ आ रही है जैसे मैं सी एच थ्री सी एच थ्री से सी एच सी एल थ्री की तरफ जा रही हूँ तो हमारा साइड एटम का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जब साइज एटम का साइज बढ़ेगा तो क्या आपको ये बात समझ आती है कि उन दोनों के बीच का रिपल्शन बढ़ेगा साइड एटम का साइज बढ़ेगा तो दोनों के बीच का रिपल्शन बढ़ेगा यानी कि अब ये दो जो दो ये जो दो बॉन्ड्स हैं उनका एंगल आपस में बढ़ जाएगा यानी कि थीटा बढ़ेगा और अगर थीटा की वैल्यू बढ़ गई तो आपको समझ आता है थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी अगर थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी क्या आपको यह बात समझ आ रही है मोमेंट कम हो जाएगा डन अगर साइड आटम का साइज बढ़ाओगे ठीक है साइड एटम का साइज बढ़ाओगे तो रिपल्शन बढ़ेगी रिपल्शन बढ़ेगी तो बॉन्ड्स आपस में दूर दूर जाएंगे बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल था थीटा वो बढ़ जाएगा थीटा बढ़ने से साइन थीटा क्या होता है जीरो वन बाई टू रूट थ्री बाई टू वन है ना और कॉस थीटा क्या होता है वन अंडर रूट थ्री बाई टू वन बाई जीरो तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी यानी कि म्यू की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हुई डन इतनी बात सबको अच्छे से क्लियर हुई ब्रेक चाहिए अब अभी से ब्रेक ले लें थक गए क्या कितना टाइम हो गया पढ़ते है? पढ़ते है। थोड़ा सा और पढ़ लो बाद में ब्रेक लेंगे ठीक है थोड़ा सा और पढ़ ले बाद में ब्रेक लो या एक आधा क्वेश्चन और कर लो कम से कम रुको एक मिनट दो तीन चीजें और कर लो चलो पहले तो दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है पहले तो दो तीन क्वेश्चन कर लो ताकि पोलर नॉन पोलर हमारा कंप्लीट हो जाए फिर दो चार और चीजें कराती हूँ पहले तो क्वेश्चन नंबर करोगे बच्चे नहीं अभी ब्रेक वैसे भी नहीं ले रहे क्वेश्चन नंबर इलेवन एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ दस ग्यारह ओके गुड क्वेश्चन टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर इलेवन ये शायद जेई एडवांस का है क्वेश्चन नंबर इलेवन टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर बच्चे ग्यारहवा क्वेश्चन चलिए 2022 का है समय लीजिए आंसर करके बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फ्रॉम फॉलोइंग हैविंग अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर इनमें से कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है अभी ब्रेक नहीं पंद्रह बीस पच्चीस मिनट बाद ब्रेक लेंगे पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ठीक है नेक्स्ट टॉपिक पे चढ़ने से पहले मतलब नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगी उससे पहले ब्रेक दे दूंगी बट पहले ये टॉपिक कंप्लीट करो मेरी बात तो सुनिए हाँ जी गार्गी बच्चे आई एम सो सॉरी आप बोलो अब बोलो नहीं अभी अभी ब्रेक नहीं थोड़ा सा यार टॉपिक कर लो फिर तो ऐसे खत्म ही नहीं होगा तीन चार ब्रेक ले लोगे फिर पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ ठीक है बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं पूछो जो नहीं आया मैं रिपीट कर देती हूँ लिखो पहले ये बता दो मुझे कौन कौन से प्लेनर हैं कौन कौन से नॉन प्लेनर हैं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और द आयंस हैविंग नॉन प्लेनर कितना आ रहा है पांच छ मैम साइड हो जाओ चलो मैम साइड हो जाती है कर लो कर लो मैम साइड हो जाती है करें एनओ थ्री माइनस एन ओ थ्री माइनस तो नाइट्रोजन एक दो तीन चार पांच कैसे बिल्कुल वही लॉजिक है जैसे मैंने पहले करवाया था बिल्कुल उसी तरीके से उसी लॉजिक से आप करेंगे एनओ थ्री माइनस ठीक है नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑक्सीजन खा जाएगा ओ माइनस एक डबल बॉन्ड बनाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ध्यान से देखिए क्या मैंने आपको सिखाया था बनने के बाद कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट में कोई फर्क नहीं होता तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एक दो तीन तीन सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कितने हैं जीरो तो टोटल तीन हाइब्रिडाइजेशन एस टू यानी कि प्लेनर लोन पेयर नहीं होना चाहिए लोन पेयर हो हो तो एक दो होने चाहिए वो एक दूसरे को कैंसिल करें अदरवाइज नहीं होना चाहिए तो एक तो प्लेनर ये आ गया दूसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड एच टू ओ टू बताइए क्या ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है अच्छा उसने तो नॉन प्लेनर पूछा था ना तो ये क्यों मैंने मार्क किया हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है आपको पता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे तो ये कोई प्लेन थोड़ी ना दिस इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल तो एक तो आंसर आ गया H2O2 नेक्स्ट है BF3 बोरॉन तीन फ्लोरीन हाइब्रिडाइजेशन sp2 अरे अरे ये तो प्लेनर है तो ये भी काट दो ये भी काट दो नेक्स्ट है BCl3 फास्फोरस 1 2 3 4 5 तीन क्लोरीन 1 2 3 ध्यान से देखिएगा बच्चे तीन सिग्मा बॉन्ड है एक लोन पेयर है हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर अगर आपको नजर आ रहा है तो भाई साहब ये नॉन प्लेनर है डन एक ये भी आ गया नेक्स्ट इज दो तीन चार पाँच छ सात आठ एक दो तीन चार, चार चार फ्लोरिन लगाओ एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे तो ये तो प्लेनर बन गया तो दिस इज नॉट आर आंसर प्लेनर नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए नॉन प्लेनर चाहिए है ना आगे देखो एस एफ फोर सल्फर एक दो तीन चार पांच छ चार फ्लोरीन एक दो तीन चार देखना चार सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर टोटल पांच एक दो तीन चार पांच लोन पेयर कितने एक तो ये तो बन गया ना क्या कहते हैं सी सॉ शेप नॉन प्लेनर ये भी आंसर आ गया नेक्स्ट इज एक्सी ओ थ्री अरे जगह ही नहीं छोड़ी मैंने लिख लेते चलो एक्सी ओ थ्री एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक तीन सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर ये तो बिल्कुल दिख गया अमोनिया वाली शेप है तो ये नॉन प्लेनर है बढ़िया नेक्स्ट इज पी फोर पॉजिटिव फास्फोरस एक दो तीन चार पांच मगर क्योंकि फास्फोरस पे एक पॉजिटिव है तो ये हटा दो चार सिग्मा बॉन्ड एस थ्री हाइब्रिडाइजेशन यस नेक्स्ट इज एस ओ थ्री एक दो तीन चार पांच छ एक, एक, एक ये तो एस है प्लेनर हो गया ये भी अपना आंसर नहीं आएगा Next is 4 पे ियम को सेंटर में रखो ओ एच ओ एच ओ एच एस पी थ्री एक दो तीन चार पांच करेक्ट आंसर किस किस का आंसर आया सिक्स एकदम बढ़िया आंसर आ चुका है वेरी गुड सिक्स 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 अब नंबर देख लो ये टू फिर फोर फिर सिक्स सेवन एट और टेन ये नंबर देख लेना। मैंने सारे एक एक करके एक्सप्लेन कर दिए हैं डन चलिए एक और क्वेश्चन करो एक और क्वेश्चन करो अठारवा बारह हो गया तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह ओके यस 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 जेई का पी वाई क्यू है टीना मीना कहाँ गया बच्चे टीना मीना कहाँ चले गए मैम अमोनिया और एसओ टू में किसका ज्यादा होगा क्या किसका ज्यादा होगा बच्चे जब भी कंपैरिजन आएगा ना तो कंपेरिजन या तो आपको इन अ पीरियड दिया जाएगा या इन अ ग्रुप दिया जाएगा आप कोई भी दो रैंडम मॉलिक्यूल्स को किसी भी चीज के लिए कंपेयर नहीं कर सकते ठीक है कोई एक फैक्टर होना चाहिए जो दोनों में एप्लीकेबल हो समझ गए क्योंकि तभी अगर मुझे कोई कहे मैम एसो टू और एसो थ्री तो मैं कंपेयर करूं मैम एन थ्री एन थ्री तो मैं कंपेयर करूं मगर कोई दो रैंडम मॉलिक्यूल्स को ना तो आपसे पूछा जाएगा ना ही कंपैरिजन कर सकते हो कोई भी इनऑर्गेनिक का टीचर डेटा रट के नहीं बैठता आप बॉन्ड की बॉन्ड uh, एंगल की वैल्यूज दो बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दो तो आंसर निकल जाएगा अदरवाइज ऐसे आंसर नहीं निकल सकते है चेक कर लेते हैं चेक कर लेती हूँ एक मिनट आंसर चेक करने दो क्या बात है भाई साहब तुम तो समझदार हो गए मतलब तुम्हारे सारे आंसर सही आ रहे हैं यार अब तो मैम के लिए हार्ट्स बनते हैं ऐसा तो मत करो मतलब मैम भी नहीं दे रहे हो आंसर दो बढ़िया भी देने देते रहना चाहिए अमंग बी एफ टू ठीक है बी एफ थ्री वॉटर लोन पेयर हमेशा लगाया करो अमोनिया

एक क्वेश्चन और कर दो या ये होमवर्क ले लो अच्छा चलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने कराया नहीं है कर, पिछली क्लास में कराया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है आइसो मैंने सिखाया हुआ है चलो करो टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हमने सीखा हुआ पिछली क्लास में टेक योर टाइम एंड मी द आंसर ए बी सी डी

बी एच फोर माइनस चूज द करेक्ट ऑप्शन पहले तो कार्बन कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं छ हाइड्रोजन के चार टोटल हो गया दस नाइट्रोजन के सात हाइड्रोजन के चार ग्यारह में से एक गया दस बी एच फोर माइनस बोरॉन के पांच प्लस चार और एक और नौ और एक दस तो ये सारी की सारी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है एंड ओनली टू स्ट्रक्चर ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बी जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीना मीना बच्चे कहाँ हो टीना मीना बच्चे हमारे बच्चे आईआईटी बॉम्बे में जा रहे हैं और तुम टीना मीना कहाँ गए आगे आंसर बच्चे हैप्पी हो अब मैं बताऊं उनतीस क्वेश्चंस थे मेरे पास जिसमें से तुम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चंस कर चुके हो उनतीस में से सोलह हम कंप्लीट कर चुके हैं तो सोच रहे हो इतने सारे टॉपिक्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं फाइन अब मैं जानती हूँ कि आप बच्चों को ब्रेक चाहिए ब्रेक अगले पंद्रह बीस मिनट में लेंगे देखो मैं बताती हूँ इस टॉपिक का ये जो हमारा वी एस चल रहा था इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है दो तीन छोटे चटपटे से टॉपिक हैं वो मैं थोड़े से टॉपिक्स आपको करा देती हूँ छोटे छोटे हैं ये कंप्लीट हो जाएगा ना फिर ब्रेक ले लेना फिर नया चीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोलिकुलर ऑरबाइटल थियोरी एम ठीक है एम फिर मतलब अलग डेढ़ दो घंटे में हम एम ओ टी करेंगे एम ओ टी हो जाएगा फिर हमारे पास ना वो चिटबिट्स टॉपिक बचेंगे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कौन सा फोर्स वीक है जैसे वो फजान रूल ठीक है बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग ये छोटे 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 टॉपिक्स बचेंगे तो मेजर जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर एम ठीक है तो एमओ अगली ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे बट उससे पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स मैं कराना चाहती हूँ सबसे पहले टॉपिक डालिए हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड लिक्विड स्टेट बच्चे जो हम हाइब्रिडाइजेशन जनरली पढ़कर आए ना वो हम हमेशा यही मान के चलते हैं कि गैसियस स्टेट में है फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे कहे पी एफ फाइव की हाइब्रिडाइजेशन तो आप अभी अभी कर कर हो निकाल के भी देखोगे अगर ये गैसियस स्टेट में है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d मतलब pf5 की गैसीय स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d अब pf5 मॉलिक्यूल बहुत बड़ा नहीं होता तो जब मैं सॉलिड में इनको पास लाने की कोशिश करती हूँ ध्यान से सुनना जब मैं सॉलिड स्टेट में pf5 को पास लाने की कोशिश करती हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती ये मॉलिक्यूल रिजिड रहता है अपनी जगह पे फिक्स रहता है

PCl5 की जेई मेन का सवाल है सॉलिड स्टेट में बात करती हूँ तो बच्चे क्लोरीन काफी बड़ा है दो PCl5 यूनिट्स आपस में एक साथ नहीं चिपक सकते वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं तो इस चक्कर में एक PCl5 को अपने क्लोरीन को छोड़ना पड़ता है और दूसरा PCl5 उस क्लोरीन को कैप्चर कर लेता है यानी कि अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में वो पीसीएल फोर पॉजिटिव और पीसीएल एग्जिस्ट करता है मतलब ये मॉलिक्यूल तो कैरेक्टर देखो पीसीएल माइनस बन गया अब हाइब्रिडाइजेशन देखना फॉस्फरस की फॉस्फरस एक दो तीन चार पांच क्योंकि फॉस्फरस पे पॉजिटिव आया तो फॉस्फरस का एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया कितने क्लोरीन चिपकाने हैं एक दो तीन चार चार सिग्मा बॉन्ड का मतलब SP3। आप देख रहे हो पहले क्योंकि छोरिन दो तीन चार पांच, है, है तो पांच यानी कि अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन किस में कन्वर्ट हो गई एसपी थ्री और एसपी थ्री डी टू क्या ये बात समझ आई ये जेई में पूछा गया सवाल है कि जब pcl5 को सॉलिड स्टेट में लेते हैं तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इज sp3 एंड sp3d2 रेस्पेक्टिवली क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई हैप्पी हो तो अब तो सारे बच्चे रट लेंगे और ये मैम इसमें क्या है अगर मेरे पास pbr5 है वो सॉलिड स्टेट में पता है कैसे टूटेगा मैम pbr4 पॉजिटिव और मैम pbr6 माइनस जबकि ऐसा नहीं होता एक PBR5 जो मॉलिक्यूल है वो ब्रोमीन को रिलीज कर देता है I totally agree. मगर अब ये ब्रोमाइड जो टूटा वो PBR5 के पास नहीं जा सकता क्योंकि ब्रोमीन बहुत बड़ा है वो एक छह ब्रोमीन को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता तो जब सॉलिड स्टेट की बात आएगी तो ये टूटेगा टू फॉर्म पी बी आर होल फॉर पॉजिटिव और जो बी आर माइनस निकला वो वहीं पे चिपक जाएगा एज इट्स काउंटर आई अभी भी देखो फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन हैज बीन चेंज्ड पहले वो एस पी थ्री डी हुआ करता था अब उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गया बच्चे एस पी थ्री क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो एनी प्रॉब्लम तो प्लीज आस्क डन जैसे फॉर एग्जाम्पल दो तीन चीजें मैं यहाँ पर और लिखवा देती हूँ लिख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में पूछी जाती है अगर मेरे पास एन टू ओ थ्री सॉलिड है मतलब मेरे पास बुक में लिखा हुआ एन टू ओ थ्री सॉलिड तो मैं बताऊं ये कैसे होता है ये NO पॉजिटिव एन ओ पॉजिटिव और यहाँ पर देखो एनओ टू माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मतलब इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन ओ पॉजिटिव एनओ टू माइनस जेई का सवाल है अभी अभी आपने क्वेश्चन भी किया था जस्ट नाउ यू डिड दिस क्वेश्चन क्योंकि बताओ तो आपको पता होना चाहिए कि एन टू ओ थ्री में दो टाइप के नाइट्रोजन है एक एनओ NO पॉजिटिव की तरह और एक एनो टू माइनस की तरह क्या ये बात समझ आई ठीक है ये सॉलिड स्टेट में इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा डन आगे देखो अगर मैंने मान लो एन टू ओ फोर सॉलिड की बात करी एन टू ओ फोर सॉलिड तो यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन डिवाइड करने हैं चार तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन और यहाँ तीन कर दो तो ये एनओ पॉजिटिव और एनओ थ्री माइनस की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है इट एग्जिस्ट इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ एनओ पॉजिटिव एनओ थ्री माइनस एक और देख लो नाइट्रोजन का ऑक्साइड एन टू ओ फाइव सॉलिड तो देखना दो नाइट्रोजन है मेरे पास पांच ऑक्सीजन है तो एक जगह तीन भेज दो एक जगह दो भेज दो तो ये एनओ टू पॉजिटिव और एनो थ्री माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हैप्पी हो याद कैसे रखे मैम बच्चे देखो यहां पर मैं वही ये मिनिमम मतलब लिमिटेड एग्जांपल्स है देर आर नॉट सो मेनी एग्जांपल्स कि आपको कोई भी रैंडम पूछा जाएगा बट ये जैसे है ना ये हमारी एनसीईआरटी में ना टेबल दे रखी है जब आपको मैं ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी ना ग्रुप फिफ्टीन आपने एनसीआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में मेरे से पढ़ा होगा तो ये टेबल दे रखी है टेबल में इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रखे हैं गैशियर स्टेट के तो कल को वो सॉलिड स्टेट के पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा ज्यादा नहीं पूछेगा मतलब रैंडम जो आपको नहीं पता उसमें से नहीं पूछेगा तो अगर आप हुई कीटन उठा के देखो तो उसमें बहुत दे रखे हैं जेडी में भी बहुत दे रखे हैं बट अपने सिलेबस में जितने हैं वो मैं आपको एक एक करके सारे करा रही हूँ ठीक है अपने सिलेबस में जितने हैं वो मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारे करा दूँ बताओ पहले तो मुझे यहाँ तक बताओ क्या ये सारी चीज़ें सबको अच्छे से समझ आ गया कोई ऐसा बच्चा भाई जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत हो कि मैम ये टॉपिक नहीं समझ आया ठीक है हाँ ड्रैगोज रूल लेफ्ट है करा रही हूँ बच्चे अभी मुझे पता है मैंने कहा ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मुझे आपको कराने हैं ड्रैगोज रूल इज़ वन अमंग देम ये कर लिया ठीक है अब सामने मेरी बात को ध्यान से पहले लिख लो यहाँ तक बताओ मैम स्ट्रक्चर ड्रॉ के ड्रॉ कर दीजिए इनके क्या minus, minus, positive, इनके तो हम खुद से कर कर चुके हैं ना पहले individually इन सबके आपने पर कर लिए करो बिल्कुल में जब स्ट्रक्चर्स करवाए थे ये तो ऑलरेडी ड्रॉ करके आए हैं ना बच्चे ये देखो ये एनओ थ्री माइनस एनओ टू माइनस इन सबके स्ट्रक्चर तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किए थे ना बस अब इनको मैंने अलग अलग लिख दिया डन चलिए अब एक और छोटी सी चीज बताती हूँ ठीक है एक और छोटी सी चीज बताती हूँ इसको बोलते हैं ड्रैगोज रूल सुन लो ये भी लिख लो वैसे जेई में जब तक ना बोला जाए ड्रैगो रूल यूज नहीं करना जब तक कोई ना बोले यू डोंट रूल. रूल, मैं आपको ये इसलिए नहीं पढ़ा रही थी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है वाई कॉन्ट्रोवर्शियल क्योंकि हमारी एन में पूरी एन उठा लो ग्रेड इलेवंथ और ट्वेल्थ की इन्होंने कहीं पर ड्रैगो कंपाउंड या ड्रैगो रूल किसी के बारे में बात ही नहीं कर रखी है मतलब फॉर एन ड्रैगो डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है अब आप जे डिली हुई किटर थोड़ी अच्छी एडवांस लेवल की बुक्स पढ़ोगे तो दे कंसीडर ड्रैगो रूल बट प्रॉब्लम ये होती है जेई वाले दे आर नॉट वेरी क्लियर ये कभी कभी तो पेपर में ऐसे मान के चलते हैं कि बच्चे को पता है ड्रैगो क्या है एंड दे एक्सेप्ट ड्रैगो एज द करेक्ट आंसर एंड कई बार ये मान के चलते हैं कि ड्रैगो एग्जिस्ट ही नहीं करता ठीक है तो अगर आप कल को बुक लेके जाओ कि देखो एनसीआर में आपने दिया तो NCRT में दे 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 हैव हैव नॉट नॉट गिवन एनीथिंग रिलेटेड टू ड्रैगो डू नॉट कंसीडर ड्रैगो रूल बट ये होता है इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ बच्चे ड्रैगो रूल या ड्रैगोस कंपाउंड आप कह सकते हो ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर नो हाइब्रिडाइजेशन एच वाई बी आर आई 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 डी जेड ए वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लो कंसीडर किया अमोनिया और मैंने कंसीडर किया पी एच थ्री तो जब आप अमोनिया को उठा के देखो आपने कहा मैम एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है आपने कहा कि मैम बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है है ना तो जब मैं पी एच थ्री को उठा के देखू तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री होनी चाहिए और बॉन्ड एंगल भी ना ना करते लगभग इतना होना चाहिए है हाँ ना होना चाहिए क्योंकि तो सब कुछ तो सेम किया है मगर अगर आप PH3 को बड़े ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बताती हूँ पीएच टी का जो बॉन्ड एंगल होता है ना वो लगभग लगभग नाइनटी डिग्री मतलब जो ड्रैगो कंपाउंड होते हैं ये वो कंपाउंड होते हैं जिनका बॉन्ड एंगल नाइनटी टू टू नाइन फोर मतलब मूव करता है 92, 90 से तक की रेंज में होता है तो अगर पी एच सी का एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल देखो तो लगभग 90 डिग्री का तो दुनिया की नजरों में अब मैं पूरी एक्सप्लेनेशन देती हूँ जब मैंने नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने की कोशिश करी तो आपको याद है मैंने क्या कहा कि हम लेने को तीन लोन तीन पी और बाइटल ले सकते थे बॉन्ड एंगल 90 आ सकता था बट क्योंकि रिपल्शन थी इसीलिए हमने ये नहीं कराया और मैंने एस और बाइटल को यूज कर लिया यही एक्सप्लेनेशन दी थी ना अमोनिया के केस में मगर पी एच थ्री के केस में पता क्या होता है फॉस्फोरस इतना बड़े साइज का है फॉस्फोरस काफी बड़ा है अब काफी बड़े फॉस्फोरस पे अगर आपने तीन हाइड्रोजन एट 90 डिग्री एंगल चिपका भी दिए ना तो एक दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ड्रैगो कंपाउंड्स दीज आर दोज कंपाउंड विच डू नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन या अभी और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कि बहुत कम परसेंटेज हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होती है हम मान के चलते हैं देर इज नो हाइब्रिडाइजेशन इन द केस ऑफ पी और ये जो लोन पेयर है क्योंकि अब फॉस्फोरस में कोई हाइब्रिडाइजेशन हुई ही नहीं ये प्योर पी और बाइटल यहाँ पर यूज हुए इसीलिए ये ये जो लोन प्योर है ये में रहना चाहिए वो बिल्कुल न्यूक्लियस के बाजू तो कौन से होते हैं जिनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो ऑक्सीजन एंड द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन जैसे कि जैसे ये है ना नाइट्रोजन फॉस्फोरस Arsenic, सब भारत से पीछे ठीक है या फिर जैसे ये ये जो होते हैं ना नीचे वाले सारे oxygen और nitrogen के hydride, इन दोनों को छोड़ के, ये हमारे generally compounds कहलाते अब ये पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सिखाई मगर एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा कि फॉस्फरस फॉस्फीन में हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता वो लिखता है कि की हाइब्रिड में मतलब उसने में लिख रखा। तो NCRT, अगर कुछ भी ना दे हो तो आप भले लिख करो एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है चलेगा मगर अगर उसने मेंशन कर रखा है कहीं ना कहीं ड्रैगो से रिलेटेड कोई चीज तो यस दीज आर ड्रैगो कंपाउंड्स इनके अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती क्योंकि प्योर प्योर यूज होते हैं इसीलिए इनका बॉन्ड एंगल लगभग 90 से 94 में ही रहता है किसी का 91 किसी का 92 किसी का 92.5 इस तरीके से एंगल रहता है सो दिस वाज द रीजन कि मैं ड्रैगो के बारे में बात नहीं कर रही थी बिकॉज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है जेई वाले खुद ही कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं तो इसीलिए मतलब बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं और बेचारे टीचर्स हमें भी प्रॉपर आइडिया नहीं लगता भैया तुम क्या कहना चाह रहे हो तुम चाहते हो हम बच्चों को ड्रैगो समझाएं तो हम सिखाते हैं फिर यही वाले नेगेटिव दे देते हैं कि ड्रैगो कुछ होता नहीं है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है स्मार्ट खेलना ड्यू टू साइज साइज द मेन थिंग इज बिकॉज ऑफ एंड खेलनाटी ठीक है इट इज बिकॉज ऑफ साइज एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी याद रखना अब कहीं तुम ये कहने लग जाओ मैम पीसीएल थ्री में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है ड्रैगो है ना भाई ना मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ हाइड्रोजन मस्ट है तब जाके ड्रैगो लगेगा हाइड्रोजन शुड बी देयर टू कंसीडर अबाउट ड्रैगो ठीक है चलिए सो so, यहाँ तक अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं हम काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं पांच घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं एक मिनट मैं एक बार चेक कर लेती हूँ व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोइंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू सही है अब हम एम के बारे में डिस्कशन करेंगे नाउ विल बी स्टार्टिंग अबाउट मॉलिकुलर और बाइटल थियोरी एम थोड़ा सा लंबा टॉपिक है मगर आई एम श्योर जिस तरीके से आई विल एक्सप्लेन यू यू विल फॉल इन लव विद एम ओ टी ऑल्सो एम ओ टी को भी मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगी वन विल बी फॉर जेई मेन एंड वन विल बी फॉर जेई एडवांस ठीक है एक होगा जेई मेन के लिए एक टॉपिक होगा जेई एडवांस के लिए मतलब एम टी को भी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो जिसको मेन लेवल का पढ़ना है उसको मेरे शॉर्टकट से सारे आंसर आ जाएंगे एडवांस लेवल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी वो भी मैं आपके साथ करूंगी ठीक है और उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे उनको कंप्लीट करेंगे डन चलिए मैं एक बार देख देती मैगनेटिक पैरा मैग्नेटिक एसिडिक ऑक्साइड ओके कोवलेंट कोवल्टर पैरा डाया पैरा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवलेंट कैरेक्टर तो भाई बिल्कुल सीधी सी बात है कुछ ही छोटे छोटे टॉपिक्स के हमारे पास बचे हैं क्वेश्चन ये सब हम कंप्लीट करा देंगे ठीक है चलिए सो नाउ वी कैन टेक अ ब्रेक फॉर अनदर ट्वेंटी टू मिनट्स एंड देन विल मीट आफ्टर द ब्रेक ठीक है मैं भी आज ना थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि थैंक यू बच्चे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू बच्चे ये याद दिलाते ना ना पिछली बार आज तक बच्चे रोते कि मैम आपने रेडॉक्स का पीडीएफ अपलोड नहीं किया लास्ट टाइम ऐसे हुआ था जब वन डॉट ओ ले रहे थे बीच में लाइट वाइट चली गई या मैं सेव करना भूल गई लास्ट में जाके फिर बचता ही नहीं है फिर बड़ी दिक्कत होती है चलो मैम क्लास और कब तक चलेगा बच्चे अभी दो तीन घंटे मैं आपके लूंगी ठीक है पाँच घंटे हुए हैं अभी तो लगभग लगभग दो ढाई घंटे में और पढ़ाऊंगी एक डेढ़ घंटा तो एम पे लगेगा फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बचा है ठीक है फिर फजान रूल बचा है फिर बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग बचा है तो खूब सारे टॉपिक्स है जितना कंप्लीट कर सकते हो आज कंप्लीट कर लो ताकि ब्लॉक केमिस्ट्री में आसानी से हो जाए आज नहीं कंप्लीट करोगे तो ब्लॉक केमिस्ट्री लंबे सेशन होंगे एक ही बात है कराना तो है मुझे तो आज आठ बजे तक तो क्लास चलेगी फॉर श्योर मैम तीन घंटे बैठ कर पढ़ नहीं सकते हैं एग्जाम कैसे दे पाएंगे तो यही तो सीखना है जब मैम पाँच घंटे से कंटिन्यूसली खड़े होके बोल रही है बोल रही हूँ तो फिर मेरा भी तो सोचो ना तो करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस लाओ हिम्मत लाओ सब हो जाएगा चलिए तो अब हम मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक मैं एक बार पानी वानी भी भराती हूँ एक ही बॉटल बची है मैं पानी भराती हूँ और फिर कंटिन्यू uh, करेंगे एमओटी ओ टी चोटिला मैथड ओ पी हाँ चोटीला मैथड भाई बहुत बढ़िया है मैं एक बार कोटा गई मुझे वहां पर बच्चे बोले कि मैम हम मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के हैं और हमने चोटिला मेथड अपनी क्लास में बताया अब हमारी टीचर भी चोटिला मेथड पढ़ाती है मैंने कहा ले हमारा चोटिला मेथड काफी फेमस हो गया है चलो मैं ब्रेक स्टार्ट कर देती हूँ फिर हम मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक किसका ले लो चलो हाँ जी बच्चे सो फाइनली वेलकम बैक टू द सेशन और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज का नया टॉपिक जिसका नाम है जिसका नाम है मॉलिकुलर और बाइटल थियरी ये क्या चल रहा है चैट में टीना मीना यार जान दो ऐसे बेचारे बच्चों को ये टीना मीना जैसे बच्चे बेचारे मतलब भटकती आत्माएं हैं ये भटकते हैं हर एक के सेशन में इनको जाने दिया करो कभी कभी यार अभी नक्श को मैं मतलब लिटरली रुला के आई हूँ मतलब सीरियसली वो बेचारा रोने लग गया कि मम्मा मेरे को क्लास में आना है और बच्चों को पढ़ी पढ़ी करानी है तो अभी क्लास में आएगा तो तुम बुरा मत मानना ठीक है मैं बहुत मुश्किल से उसको चुप करा के आई हूं। रोने लग गया वो ठीक है चलो अरे भाई साहब अभी भी ये बिहारी मीना हमारी क्लास में है हिम्मत है यार बंदे की साढ़े पांच घंटे से हमारी क्लास में बैठे हैं भैया क्या बात है चलिए सब so, बच्चे फाइनली वापस से हम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है मॉलिकुलर और बाइटल थ्योरी तो टॉपिक डालिए एम ओ एल ई सी यू एल ए आर मॉलिकुलर और बाइटल थ्योरी मेरी बात सुनिएगा इस मॉलिकुलर और बाइटल थ्योरी से दो प्रकार के सवाल हमारे पेपर में आते हैं एक वो सवाल है जो जेई मेन ओरिएंटेड होता है और उन सवालों को करने का मैं आपको अपना बड़ा फेवरेट गारंटी मेरी है, ठीक है मगर दूसरी बात यह है कि अगर मैं जेई एडवांस के सवाल की बात करूं तो जेई एडवांस में ऐसे तुक्के मारने वाले सवाल नहीं आते हैं तो यू नीड टू हैव अ क्लियर पिक्चर अबाउट द टॉपिक कि भाई किस तरीके से जेई एडवांस में यू नो मिक्सचर बना बना के सवाल पूछे जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ पांच बजकर नक्श को लाओ वो भी आ जाएगा वो ही क्राइंग ठीक है तो मैं उसको बोल के आई हूँ कि आप फ्रेश हो जाओ वो उठा अभी सो के वो उठा और उसने देखा कि मेरी मम्मी नीचे जा रही है पढ़ाने तो मतलब वो मतलब थोड़ा सा सैड हो गया कि मैं अभी तो उठाऊ मेरे को खिलाओ नीचे नहीं जाना पड़ी पड़ी कराने तो मैं उसको बोल के आई हूँ कि तू अच्छे से फेस वॉश कर ले है ना गुड बॉय बन जा फिर आईयो क्लास में तो अब उसके दिमाग में आया तो वो आएगा नहीं आया तो वहीं रहेगा ऊपर चलो बच्चे पांच बजकर बच पचास मिनट हो चुके हैं तो लगभग छह बजकर पचास मिनट तक मैं आपको खूब सारी थियोरी मेन और एडवांस लेवल की पढ़ाऊंगी उसके बाद अम सात बजे तक मेरे ख्याल से हम एमओ के सारे क्वेश्चन निपटा लेंगे दस मिनट मुझे चाहिए शॉर्टकट बताने में और क्वेश्चंस कराने में मगर मुझे लगभग मिनट चाहिए ताकि मैं आपको एडवांस लेवल की जो थ्योरी है वो पढ़ा सकूं फॉर मॉलिकुलर और बाइटल थियोरी चलिए उससे पहले हम एक बात करते हैं आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ कई बार ये चीजें पूछी जाती है बच्चे आपको पता है वीबीटी जो है वो फेल क्यों हो गई थी बिफोर आई मूव टू

कि भैया मतलब ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है जबकि पता चला कि ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक है दूसरी बात बताती हूँ वीबीटी ने कहा था या तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड हो सकता है या दो बॉन्ड हो सकते हैं या तीन बॉन्ड हो सकते हैं मगर वीबीटी ने कहा कि ढाई बॉन्ड हो इसका कोई मतलब नहीं है किसी स्पीशीज में

वी बी टी कहता कि मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन करना नहीं आता एंड आई थिंक अभी आप थो, आप लोगों ने थोड़ी देर पहले मेरे से पूछा था कि मैम एनओ पॉजिटिव का शेप तो बना के दिखाओ मैंने एनओ टू माइनस का बोला एनओ थ्री माइनस का बोला मगर एनओ टू प्लस का भी बोला कि मैंने बनवा दिया मैंने एनओ NO पॉजिटिव पे कोई बात नहीं की थी देखा ना आपने क्यों क्योंकि ये एक ऐसा स्पीशीज है जिसके बॉन्ड का ऑर्डर यानी कि एक बॉन्ड है दो बॉन्ड है तीन बॉन्ड है उसके बीच में हमें वी से कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं मिली ठीक है ये बात सबको समझ आ गई इतनी बात सबको क्लियर है डन तो ऐसे बड़े सारे केसेस थे जैसे फॉर एग्जाम्पल वीबीटी ने कहा कि जैसे VBT है वो वो केवल बॉन्ड के 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 बारे में के के बारे में में बताता था कभी कंपाउंड कलर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि क्यों फ्लोरीन पेल येलो कलर का है क्लोरीन येलोइ कलर का है ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का है और आयोडीन ब्लैकिश वायलेट कलर का है तो कलर के बारे में तो वीबीटी कुछ बता ही नहीं पाया था ये कुछ रीजंस हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं जिसकी वजह से लिखा हुआ है कि वीबीटी फेल हो गई धीरे धीरे और क्योंकि से इन सबके आंसर्स नहीं दिए गए इसीलिए वी मूव ऑन टू जिसका नाम है मोलिकुलर ऑर्बिटल बाइटल थियोरी ठीक है ये ये बात आपको सबको समझ आई अब मैं आपको बताती हूँ मोलिकुलर ऑर्बिटल बाइटल थियोरी एमओटी आखिर होती क्या है आप समझने की कोशिश करना ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखो बच्चे एमओ टी ये कहता है कि जैसे एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं मतलब जैसे कार्बन है कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन वन एस टू टू एस टू टू पी टू में ये जो वन एस टू एस टू पी है ये कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल है कार्बन एटम के ऑर्बिटल है तो एमओटी ये कहता है कि जिस तरीके से किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटॉमिक एटोमिक्स में पाए जाते हैं सेम उसी तरीके से एक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक नए प्रकार की ऑर्बिटल में पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वीबीटी की आई मीन सॉरी एमओटी की पहले कुछ कहानियां हैं जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ उसके बाद शॉर्टकट सीखेंगे देखो पहले कहानियां सीखो अगर मैं पहले से ही शॉर्टकट सिखा दूंगी तो आप कभी भी कहानी पे एडवांस की चीजों पे नहीं कर पाओगे ठीक है सब चीज का शॉर्टकट सिखाऊंगी मगर पहले एडवांस का सीखना जरूरी है समझ गए तो एमओटी कैसे कहता है एमओटी कहता है कि भाई जिस प्रकार से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं उसी प्रकार से एक मॉलिक्यूल के अंदर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया जैसे एन टू हो गया जैसे सी टू हो गया बी टू हो गया इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं ठीक है ये ठीक है अब अब आप सोच रहे होंगे मैम ये चल क्या रहा है मैम मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आए कहां से तो मैं बताती हूँ जब कभी एटम्स कंबाइन करके मान लो एक और एक जब कभी दो एटम्स ने आपस में कंबाइन किया एटम प्लस एटम ने आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाया जैसे नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल बनाएगा तो इस एटम के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेंगे कंबाइन करने के बाद ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज कर देंगे और ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल किस किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में समझे तो क्या कहा एमओटी ने एमओटी ने ये कहा कि भैया जिस तरीके से एटम एटम आपस में कंबाइन करता है तो उसी तरीके से एक एटम के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स से कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो याद रखिएगा द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सो फॉर्म्ड विल बी आई मीन सो यूज्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड भैया जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपने यूज करे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे ये बात ठीक है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपने यूज करे हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे क्या ये बात सबको समझ आ गई ठीक है अब अब एमओटी ये भी कहता है कहता है कि जिस तरीके से आपने वो रूल्स यूज करे थे ना हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी उस प्रिंसिपल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वही सारे के सारे रूल्स को हम फॉलो करेंगे टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिकुलर ऑर्बाइटल, ठीक है वो हंड्स रूल था है ना? रूल था फिर अफबाउस प्रिंसिपल था और क्या था पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था वो कहते हैं इन सारे रूल्स को आप यूज करेंगे टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैं आपको एक शॉर्टकट मतलब एक दिमाग में चीज रखने के लिए बोलती हूँ मैं आपको ये बोलती हूँ बच्चे जैसे हमने पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था ना एटम के अंदर अटोमिक और होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सच्ची बात है ना सेम उसी तरीके से जब मैं एक मॉलिक्यूल की बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ भैया एटोमिक और कुछ नहीं है जब मॉलिक्यूल बना होगा तब दोनों एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिले होंगे खत्म हो गए कुछ नया बना होगा जो नया बना उसको बोलते हैं मोलिकुलर और बाइटल मतलब मॉलिक्यूल के लिए क्या है मोलिकुलर ऑर्बिटल एटम के लिए क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल जिस तरीके से आपने रूल्स पढ़े सो दैट आप इलेक्ट्रॉन एटॉमिक और में इलेक्ट्रॉन भरो सेम वही रूल्स हम अप्लाई करेंगे सो so दैट हम इलेक्ट्रॉन को मॉलिकुलर ऑर्बिटल में फिल कर सके क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई दिस इज क्लियर टू एवरी वन अब एक नई कहानी आप समझेंगे सामने देखते जाइएगा समझते जाएगा मजा आ जाएगा पांचवा पॉइंट ये है फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कहते हैं मान लो आपने एक एटॉमिक ऑर्बिटल को लिया और आपने दूसरे एटम के दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल को लिया ठीक है मैंने क्या किया मैंने दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स किया कितने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया दो तो कितने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे दो अब जो दो नए मॉलिकुलर और बाइटल बनेंगे उसमें से एक मॉलिकुलर और बाइटल होगा जिसकी एनर्जी कम होगी एक मॉलिकुलर और बाइटल होगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी मैम ये क्या चल रहा है मैम ये आया कैसे ऐसा क्यों हुआ इन सब के आंसर्स मैं आपको अगले एक घंटे के अंदर अंदर दे दूंगी आई एम श्योर आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं बट बच्चे मैं मतलब एकदम मतलब आप समझ रहे हो बिल्कुल वो क्वांटम मैकेनिक्स यहां पर नहीं पढ़ाना शुरू कर सकती हमें मेन और एडवांस लेवल का पढ़ना है पीएचडी नहीं करनी तो पेशेंस रखो विश्वास रखना आपके क्यों क्या कब कैसे का जितना पॉसिबल होगा मैं आंसर जरूर दूंगी बट एक सीक्वेंस में हम चलेंगे ठीक है देखो देखो पहले हमारे दो अटोमिक और की एनर्जी इतनी थी जब दो अटोमिक और मिले तो दो नए ऑरबाइटल बने जिनका नाम है मोलिकुलर ऑर एक मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो गई एक मॉलिकुलर की ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई जिसकी एनर्जी कम हो गई उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी बढ़ गई इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बाइटल जो एंटीबॉन्डिंग मॉलिकुलर और बाइटल होता है उसके ऊपर हम ये स्टार ये एस्ट्रिक सा चिपका देते हैं क्या ये समझ आया समझ आ गया एक हमने स्टार चिपका दिया डन है ये ये जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर और है इसकी एनर्जी कम होती है लो एनर्जी होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर और की हाई एनर्जी होती है मगर आपको ये याद रखना है जो पहले एटॉमिक और की टोटल एनर्जी थी विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिकुलर और बाइटल जितना टोटल मॉलिकुलर और की एनर्जी है विल बी सेम एज एनर्जी पहले थी क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई अब मैं आपके क्यों क्या कब कैसे का आंसर देने की कोशिश करती हूं एक इसको हम बोलते हैं एल सी ए लिख लीजिए इसके सामने जेई एडवांस मेन में इसका कुछ लेना देना नहीं है टॉपिक का नाम है एल सी एल सी ए का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखिए एल सी ए की फुल फॉर्म होती है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, सुनिएगा लॉजिकली आपको सारी चीजें मैं क्लियर करके करने की कोशिश करूंगी देखना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कह रहा है कि कुछ एटम है मान लो मेरे पास एक एटम ए है मान लो मेरे पास एक एटम बी है मेरे पास दो एटम है एटम ए और एटम बी अब एटम की अगर ऑर्बाइटल आपस में ओवरलैप कर रही हैं तो मुझे तो पता है कि मैम ऑर्बिटल तो कुछ नहीं होता इट्स थ्री डायमेंशनल रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज हाई इज मैक्सिमम तो आपने कहा मैम अगर एक एटम ए का ऑर्बिटल की आप बात कर रहे हो तो ए के पास अपना कुछ वेव फंक्शन होगा जिसको मैं साई ए बोलूंगी सिमिलरली एटम बी के पास उसका कुछ वेव फंक्शन होगा जिसको मैं साई बी बोल सकती हूँ इतना तो मैंने आपको लास्ट लास्ट अपने वन शॉट में सिखाया था ना अगर एक एटम है अगर आप उसके एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो उस ऑर्बिटल के लिए आप एक वेव फंक्शन डिफाइन करोगे साई ए और उसको फिर दूसरे को डिफाइन करेंगे साई बी क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई एक हम बात करेंगे साई ए एक हम बात करेंगे साई बी ये ठीक है क्या मैं बात कर सकती हूँ साई ए साई बी डन है

इन दोनों वेव फंक्शन को या तो मैंने ऐड कर दिया जब आप ऐड करोगे क्या बन जाएगा साइ ए प्लस साइ बी या फिर आप सबट्रैक्ट कर दोगे क्या बन जाएगा साइ ए माइनस साइ बी कर सकते हो इतना तो आ सकता इस दिस है ना दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अदर वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ठीक है यहाँ ठीक है अब एक बात बताओ अगर मैंने कहा कि ये तो वेव फंक्शन है और मैंने आपको बताया वेव फंक्शन कुछ नहीं बताता था तो हम स्क्वेयर करते थे वेव फंक्शन का याद आ रहा है वी टू डू द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन तो जब आप वेव फंक्शन का स्क्वायर करेंगे ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी याद आ रहा है और सुनो जब दोनों मिक्स नहीं हुए थे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी थी साई स्क्वायर ए और साई स्क्वायर बी बट जब आपने दोनों एटम्स के ऑर्बाइटल के वेव फंक्शन को एड किया तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी हो गई साई प्लस, आई प्लस साई स्क्वायर बी प्लस टू साई ए साई बी यानी कि जब मैंने दोनों एटम्स के वेव फंक्शन को इस तरीके से ओवरलैप किया कि हमारे दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई इसका मतलब है उन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना इसीलिए इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और बाइटल मतलब मैंने ऐड किया और अगर मैंने दोनों वेव फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया होता और स्क्वायर करो तो साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस टू टाइम्स साई ए साई बी पहले दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी थी साइज स्क्र साइज स्क्वायर भी अब कुछ कम हो गई यानी कि जो बॉन्ड बनना चाहिए था वो तो ऐसे लग रहा है कि उनके बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब हो गई तो जब आप वेव फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और क्या मैथमेटिकली आपको ये चीज क्लियर हुई है या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या ये चीज सबको अच्छे से क्लियर हुई है या किसी को प्रॉब्लम है मैम स्टेट्स ऑफ मैटर का वन शॉट कब होगा नेक्स्ट फ्राइडे जब भी फ्राइडे आएगा अब जो भी फ्राइडे आएगा उस दिन स्टेट्स ऑफ मैटर का वन शॉट लेंगे ये एडवांस लेवल की बातें बोल रही हूं एडवांस में ये ग्राफिकल मैथमेटिकल हर चीज पूछी जाती है NCRT में इत्तु सभी नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा एनसीआर में ये क्या है साइज पर है साइज पर बी प्लस टू साई ए साई बी तो बच्चे रट लेते हैं रटो मत लॉजिकली सीखो अब मैं आपको ना वो शेप्स uh, के अकॉर्डिंग भी सिखाती हूँ जिस ना

साइंस तो पता है ना प्लस माइनस ये कोई इलेक्ट्रॉन के साइन को थोड़ी ना रिप्रेजेंट करता है इट सिंपली टेल्स यू द साइन ऑफ वेव फंक्शन याद है ना वो जब जब साइन चेंज होगा नोड आएगी वही वैसी है, ये को रिप्रेजेंट करता है अब देखो दो पॉसिबिलिटी है ये भी एक एटॉमिक और बाइटल है ये भी एक एटॉमिक और बाइटल है जब दो एटॉमिक और बाइटल आपस में मिक्स होंगी तो दो नए मॉलिकुलर और बनेंगे एक काम करो इनके बीच में न्यूक्लियस चिपका दो थोड़ा सा और क्लैरिटी से सिखा देती हूँ इनके बीच में आप क्या करो न्यूक्लियस चिपका दो ये क्या है, तो है, है. तो तो ये ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और क्योंकि ओवरलैपिंग मैंने कराई ऐसे एक एक्सिस के अलोंग तो जब आप एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा बॉन्डिंग देखो बॉन्डिंग मॉलिकुलर और बाइटल बना

क्योंकि ओवरलैपिंग एक्सिस पे हुई तो अभी भी मैं इसको सिग्मा बोलूंगी बट क्योंकि बोला तो इसको लिख देंगे क्या ये बात क्लियर हुई तो जब दो वनेस वनेस आपस में मिलते हैं एक बनेगा सिग्मा एक बनेगा बनेगा क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई एक बनेगा सिग्मा वन एस एक बनेगा सिग्मा स्टार वन एस ठीक है मैम इन येज एम सेशन आई आस्क यू टू क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन एस डाउट बट यू डेन सॉल्व इट सो नाउ फ्रॉम वेयर आई कैन कॉन्टैक्ट यू बच्चे कल तो आपने कोई कल तो मेरे से किसी बच्चे ने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही नहीं था बट शायद आपने अपलोड किया होगा बट मैं आपको नहीं कंट्रोल्स दे पाई होंगी तो अभी नेक्स्ट स्पेशल क्लास जब मैं लगाऊंगी तब आप पूछ सकते हो ठीक है जब भी नेक्स्ट स्पेशल क्लास लगाऊंगी तब आप पूछ सकते हो या कल ठीक है मैम इनके नोडल प्लेन्स के बारे में भी बताइए बिल्कुल बिल्कुल बच्चे किंग अभी बताती हूँ सब कुछ बताती हूँ एक एक करके पहले और लिखना सीख लो फिर नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कैलकुलेट करते हैं डन केस नंबर 2 सब लोग सामने देखेंगे केस नंबर 2 अगर एक 2s ऑर्बिटल दूसरे 2s ऑर्बिटल के पास आ रही है तो या तो ये दोनों ऐड कर सकते हैं या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है ये दोनों सबट्रैक्ट कर सकते हैं तो जब दोनों ऐड होंगे तो ये दोनों न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी सिग्मा 2s और अगर सबट्रैक्ट हुए तो ये इधर चला जाएगा

अगर एक बार 2px दूसरे 2px के साथ कंबाइन करता है ये प्लस ये माइनस देखो ये ऑपोजिट होंगे इधर प्लस है इधर माइनस है तो यहां देखो ये प्लस ये माइनस तो ये दोनों ऐड होंगे तो जब आप ऐड करोगे देखो ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी साइड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी ये दोनों ऐड हो गए तो ऐसे अलोंग द एक्स बॉन्ड बना तो इसलिए इसका नाम लिखूंगी सिग्मा टू पी एक्स ठीक है अगर ये टू पी एक्स प्लस माइनस अच्छा ये इसी के साथ वाला हो गया ना एक सिग्मा टू पी एस आई एम सो सॉरी और इसी के बाजू में मुझे क्या बनाना चाहिए था सिग्मा स्टार टू पी एस ये एड होने पे बना सब ट्रैक्ट होने पे कैसे बनेगा देखना अरे अरे रे, रे, सब ट्रैक्ट होने पे क्या होगा देखो ये छोटा हो जाएगा ये दूर चला जाएगा ऐसे बनेगा ये छोटा ये दूर ये प्लस ये माइनस ये छोटा ये दूर ये प्लस ये ये माइनस ये प्लस साइन उल्टा डाल दिया ठीक है ये बीच वाला माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो सिग्मा स्टार टू पी एक्स डन अब जनरली हम क्या करते हैं ये टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड आप कुछ भी ले सकते थे ठीक है मैम मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं किया तो क्या ये समझ नहीं आएगा एनी प्रॉब्लम बच्चे ये वाला जो पार्ट है ना ये उन्हीं को समझ आएगा जिनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता है मतलब अगर आपको टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड डी और बाइट आगे वाला चैप्टर है वो पिछले वाले से कनेक्टेड है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो वो क्वांटम केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो आपको आना चाहिए तब जाके ये आपको समझ आएगा अदरवाइज ऊपर से जाएगा ठीक है डन मैम प्लस माइनस साइन का मीनिंग बता दीजिए बच्चे दीज आर द साइन ऑफ वेव फंक्शन इनको फेजेस बोलते हैं आपको याद है मैंने कराया था वेव फंक्शन प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है तो ये जो हम सिखाते हैं 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 ये वेव को करते ठीक है Phases of wave function आप कह सकते फोर आगे देखिए फिर हम करेंगे case number 5, ध्यान से देखिएगा अगर मैंने दोनों को साइडवेज ओवरलैप कराया देखना ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस ये है अब मैंने साइडवेज ओवरलैपिंग कराई तो या तो मैं दोनों को ऐड करूं या दोनों को सबट्रैक्ट करूं तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगी ध्यान से देखना ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस तो ऊपर प्लस प्लस वाले आपस में मिल जाएंगे नीचे माइनस माइनस वाले मिल जाएंगे तो क्योंकि ओवरलैपिंग इस तरीके से हुई ये बोल देंगे पाई पाई बॉन्ड ठीक है पाई पाई बन गया यहां देखो जब माइनस करोगे तो माइनस करोगे पता कैसे नजर आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो यहाँ पर दो ये लगाओ ये प्लस वाला इधर आ गया माइनस वाला इधर इधर माइनस आ गया प्लस इधर आ गया तो इसको बोल देंगे पाई स्टार क्योंकि दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसको पाई बोलते हैं क्योंकि दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमेगी कम, कम होगी तो इसको क्या बोलते हैं पाई स्टार देन है यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आया केस थ्री वाला वापस बता दो केस थ्री वाला देख लो, देखो जब मैंने दोनों को ऐड किया और प्लस और प्लस को ऐड करूंगी तो मिक्स हो जाएगा ना प्लस बढ़ गया माइनस वाला ऐसे इधर खींच के आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हमें सेम रखनी है ना तो ये नेगेटिव वाले को छोटा कर दो पॉजिटिव वाले को बड़ा कर दो तो ये बीच में गुब्बारा बड़ा हो गया साइड में छोटे छोटे हो गए अगर मुझे इनको माइनस करना होता तो ऐसे होगा ना माइनस प्लस अब आपने माइनस किया तो ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया तो ये रिपेल करेंगे तो ये बाहर वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और प्लस वाली छोटी या नेगेटिव वाली छोटी बाहर वाली बढ़ जाएगी समझ गए ठीक है मैम एडवांस केमिकल बॉन्डिंग पे अलग वन शॉट होगा क्या नहीं बच्चे ये जो मैं सिखा रही हूँ ये मेन एडवांस सब मिक्स है ऐसा कुछ नहीं है कि एडवांस का मैं पार्ट छुड़वा रही हूँ ये सब एडवांस की चीजें आपको साथ साथ करा रही हूँ तो अलग से कोई वन शॉट नहीं आएगा इसी वन शॉट में मैं मेन और एडवांस सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रही हूं ठीक है डन यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ यहाँ तक सारे टॉपिक्स क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं डन है चलो एक और छोटी सी बात बताती हूँ वैसे तो डायरेक्टली चलो एक सेकेंड ना वैसे तो मैं तुम्हें डायरेक्टली ना पहले उसके बारे में बताती हूँ नोडल प्लेन के बारे में बताती हूँ ट्राई टू अंडरस्टैंड नोडल प्लेन क्या होते हैं क्योंकि नोडल प्लेन का भी क्वेश्चन जनरली ये पूछते हैं तो केस फाइव स्टडी करने की बजाय पहले हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं नोडल प्लेन्स ठीक है और उससे भी पहले एक नया टॉपिक पढ़ाती हूँ जिसको बोलते हैं जीरेड एंड जी रेड एंड अन जी ए डी थोड़ा सा बताती हूँ बहुत एडवांस में तो खैर हमें नहीं जाना डी रेड जी रेड अन जी रेड के बारे में बहुत एडवांस नहीं पढ़ना जितना रिक्वायर्ड है मेन एडवांस के लिए उतना बता रही हूँ ध्यान से देखना बच्चे कई और वाइटल होती हैं जिनके आगे हम लिखते हैं जी रेड

सेंटर ऑफ सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू फेज अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो हमारे ऊपर से गया है जीरेड और अनजीरेड हमें नहीं समझ आया तो ध्यान से देखो मैं समझाती हूँ देखो 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 घबराओ मत मान लो बच्चे मेरे पास ये एस और है ठीक है मेरे पास ये एस और है सिंपल एस और है इस एस और में हर जगह पॉजिटिव 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 चार्ज है मैंने ना एक काम किया यहां से एक सेंटर ले लिया यहां से सेंटर ले लिया तो सेंटर के लेफ्ट पे भी पॉजिटिव है राइट right पे भी पॉजिटिव है ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है मतलब सेंटर के अबाउट हर जगह जो फेज है यानी कि जो वेव फंक्शन का साइन है वो सेम आ रहा है तो एस ऑर्बिटल को हम बोलते हैं कि इट हैज जी रेड इट इज जी रेड मतलब इसके पास सिमेट्री है विद रिस्पेक्ट टू फेज कि आप ऊपर जाओ तो भी प्लस साइन है नीचे जाओ तो भी प्लस साइन है ठीक है ये समझ आया आगे देखो अगर मैंने p और vital लिया p और vital ऐसे होता है ये सेंटर ये प्लस ये माइनस अब देखो ये सेंटर सेंटर के ऊपर जा रही हूँ तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है सेंटर के नीचे जा रही हूँ तो नेगेटिव मिल रहा है मतलब देयर इज नो सिमेट्री राइट तो इस सिमेट्री को मतलब जब कोई सिमेट्री ना हो इसको क्या बोल देंगे अनजीरेट समझ आया जब सिमेट्री ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं अनजीरेट डन ये क्लियर है अब ध्यान से देखो जैसे मान लो मैंने डी और बनाया डी और तो डी और ऐसे ऐसे बनेगा ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस अब क्या करोगे पहले सेंटर चूज करो सेंटर से ऊपर जाओ तब भी पॉजिटिव है नीचे जाओ तब भी पॉजिटिव है सेंटर के इधर जाओ नेगेटिव है सेंटर के उधर जाओ नेगेटिव है तो मतलब सेंटर के अबाउट से है तो ये जो डी और है ये क्या हो गया इट हैजीरेड इसको हम क्या बोल देंगे ये

सेंटर के इधर जाओ, इधर, जाओ इधर जाओ प्लस 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 इधर जाओ तो मतलब इसके अंदर अब आप करके दिखाओ प्लीज बच्चे ये न्यूक्लियस ये प्लस और ये माइनस सोच के बताइए ये जी रेड है या अनजी रेड है सोच के बताओ ये जी रेड है या अनजी रेड है सोचो 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 आंसर दो जीरेड है या अनजीरेड है सोचो करना देखना मैंने क्या किया कोई एक सेंटर चूज कर लो इधर आ रही हो तो प्लस है इधर जा रही हो तो माइनस है अरे अर, कोई सिमेट्री नहीं है तो ये क्या हो गया अनजीरेड आगे आंसर जीरेड अनजीरेड कैसे देखते हैं फेजेस एक सेंटर चूज करना सॉरी सेंटर चूज करना सेंटर के अबाउट जाओ ऊपर नीचे आगे पीछे दाए अगर सब कुछ सेम मिल रहा तो कह दो रहे है अगर सेम नहीं मिल रहा तो कह रहे हो ये सब एडवांस की कहानियां मेन में इससे लेने देने का कुछ नहीं आएगा सुनिए कभी कभी एडवांस में आपसे ये पूछा जाता है कि आपको नोडल प्लेन्स पता करने हैं नोडल प्लेन तो पिछली क्लास में सिखाया था ना कि एक ऐसा प्लेन जहां पर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन जीरो होना चाहिए सेव पीडीएफ थैंक यू सो मच बच्चे थैंक यू सो मच कीप फाइल सेव आस, ठीक है ना डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं यस थैंक थैंक यू थांक यू सो मच बच्चे मेरे को नोडल प्लेन निकाल के बताने है नोडल प्लेन्स का मतलब है मान लो पहले प्लस है फिर एक नोडल प्लेन आया फिर माइनस आएगा जहां पर साइन चेंज होना चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल

तो क्या मैं लिख दू नोडल प्लेन कितने नोडल प्लेन कितने जीरो समझे नोडल प्लेन कितने जीरो अगर मैंने लिखा सिग्मा स्टार वन एस ये ऐसे है ये प्लस ये माइनस अब मुझे बताओ नोडल प्लेन कितने नोडल प्लेन कितने सोच के बताइएगा रटना नहीं है क्या आपको एक ऐसा प्लेन नजर आ रहा है जहां पर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन जीरो है तो कितने नोडल प्लेन हो गए बच्चे वन हाउ मेनी नोडल प्लेन वन ठीक है स्टूडेंट्स को थैंक यू नहीं बोलते मैम मतलब अच्छा डन आगे देखो अगला करके दिखाओ सिग्मा टू पी जेड जो कि इस तरीके से नजर आएगा यहां ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस बताओ हाउ मेनी नोडल प्लेन्स खुद करोगे देखो मैं कुछ भी रटवा नहीं रही हूं सिग्मा स्टार टू पी जेड करके दिखाओ हाउ मेनी नोडल प्लेन ये मैं बना देती हूँ ये नेगेटिव ये प्लस ये न्यूक्लियस ये माइनस ये प्लस ये न्यूक्लियस हाउ मेनी नोडल प्लेन यहां पर भी बता दो कितने नोडल प्लेन हैं टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर यहाँ कितने हैं वेरी गुड वेरी गुड ऑसम देखो यहाँ यहाँ एक प्लेन दिखाई दे रहा है जहां प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन जीरो एक प्लेन यहाँ दिखाई दे रहा है प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन जीरो वेरी गुड इस वाले में बताओ हाउ मेनी नोडल प्लेन हाउ मेनी नोडल प्लेन्स ऑसम ऑसम तो अब तो मुझे हार्ट मिल जाने चाहिए इतना एडवांस लेवल सीख रहे हो एक ये एक ये देखो जितनी जितनी बार साइन चेंज होगा एक ये जो बच्चे ये साइंस में कंफ्यूज हो रहे थे अब आपको याद आया मैंने लास्ट लास्ट वन शॉट में क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाई थी कि जहां जहां वेव का साइन चेंज होगा वहां पर एक नोड आएगी तो एक दो तीन तीन नोडल प्लेन सबको नजर आ गए हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोडल प्लेन डन ठीक है अब अब मेरे को हार्ट मिलने चाहिए तभी मैं कंटिन्यू करूंगी मतलब पढ़ाते पढ़ाते साढ़े घंटे होने वाले हैं और तुम हार्ट नहीं देते हो ना मेरे को भी दुख होता है ठीक है ये हुई ना बात हार्ट्स दे मतलब हार्ट्स देते हो ना स्माइल आ जाती है फेस पे चलो वैसे तो देखो मैं अगर कंपेयर करूंगी भाई निशान सर के जैसा मैं वो तुम्हें मॉड फंक्शन पढ़ा सकूं तो मेरे ख्याल से जन्म बीत जाएंगे मगर मैं एमओडी सर की तरह तो नहीं करवा सकती हूँ है ना मैट्रिस और डिटर्मिनेंट्स कह दो या तुम्हारे वो मॉड फंक्शन वर्ड फंक्शन होते हैं ना मैथ्स में इतना तो हम नहीं सिखा सकते हैं मगर एक छोटा सा टॉपिक मैं सिखा सकती हूँ जिसका नाम है ओ डी हमने मैथ से नाम लिया है मगर टॉपिक हमारा है ये है मॉलिक्यूलर और बाइटल डायग्राम डी आई ए जी आर ए मतलब ये है बच्चे हमारा मॉलिकुलर और डायग्राम ठीक है हाँ अब मॉलिकुलर और डायग्राम क्या होता है ये सारी कहानियां एक तरफ ये सारे दीज आर वन 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 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं बट किस तरीके से मतलब मान लो हाइड्रोजन है उसका मैं एमओडी कैसे बनाऊंगी ये मैं आपको सिखाती हूँ तो देखो पता है क्या हुआ हमने एक हाइड्रोजन एटम को बुलाया हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे हाइड्रोजन एटम को मैंने बुलाया दोनों हाइड्रोजन अपना 1s1 इलेक्ट्रॉन लेकर आए दोनों हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आए ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ठीक है ना दीज आर एटोमिकरबाइटल जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो मुझे पता है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे सही है एक जिसकी एनर्जी कम होगी एक जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो जब वन एस वन एस आपस में मिलेंगे तो एक बनेगा सिग्मा वन एस एक बनेगा सिग्मा स्टार वन एस सो दिसर और बाइटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन तो देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे करनी है टोटल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है दो अब ना तो ये है ना ये है सिर्फ ये है तो जब भी दो इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं पहले एक को हाफ स्पिन में भरते हैं फिर उसी को ऑपोजिट स्पिन में भरते हैं so सिग्मा वन स्क्वायर डन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी कैसे लिखनी है लिख लिया ठीक है ये ये सबको अच्छे से क्लियर है है डन अब एक नई टर्म आती है जिसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर बी ओ बी ओ का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है पहले तो आप लेंगे हाफ आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोग कहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स ऐसा नहीं है बॉन्ड ऑर्डर देखो निकालते कैसे हैं पहले तो हाफ ले लो ये सब लंबे तरीके हैं कोई शॉर्टकट नहीं सिखाया शॉर्टकट सिखाऊंगी का था ना 6:50 मिनट तक पहले मैं आपको पूरी एडवांस की थियोरी बताऊंगी बाद में शॉर्टकट सिखाऊंगी तो छह पचास पे शॉर्टकट सिखाऊंगी अभी तो इलेक्ट्रॉन दो एंटी बॉन्डिंग में कितने जीरो, ये में कितने जीरो तो दो two, किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर वन होने का मतलब ये नहीं है कि उस मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है ना, ना ना इसका मतलब ये है कि वो दोनों एटम्स आपस में ऐसे फोर्स से जुड़े हुए हैं जिसका मैग्नीट्यूड इज लगभग टाइम एज इफ वुड सिंगल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम तुम सोच रहे हो मैम पागल बना रहे हो क्या इसका मतलब क्या हुआ आपने एक सिंपल सी लाइन को कॉम्प्लिकेट करके बोल दिया भाई मैम इसका मतलब यही तो हुआ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में एक बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड चलो ठीक है अभी आप ये मान के चलो फिर मैं बताती हूँ भाई ठीक है अभी ये मान के चलो फिर मैं बताती हूँ ठीक है स्क्वायर समझ नहीं आया कहां पर स्क्वायर किया बच्चे मैंने जो समझ नहीं आया नहीं ये स्क्वायर नहीं है ये टू है मतलब जैसे लिखते हैं ना वन एस टू तो वही है कि सिग्मा एस में दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं ये स्क्वायर नहीं है डन ये स्क्वायर नहीं है अब ध्यान से देखो मान लो किसी ने मुझे कहा कि ना हीलियम टू

जब दो ऑर्बिटल आपस में मिलेंगी तो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगी एक को बोलेंगे सिग्मा वनेस, एक को बोलेंगे बोलेंगे सिग्मा सिग्मा एक एक स्टार वनेस। ये बनाया अब मुझे मुझे बात बताओ जब मुझे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने है? दो प्लस दो दोनों इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं चार तो पहले एक फिर दो फिर तीन फिर चार ठीक है अगर मैं निकालू बॉन्ड ऑर्डर तो आप कैसे निकालोगे हाफ बॉन्डिंग में कितने हैं दो एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं दो बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ गया बॉन्ड ऑर्डर जीरो आने का मतलब दो एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं बना तो इसीलिए हम कहते हैं कि हीलियम हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई हम कब बोलेंगे कि अगर देखो अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ गया या अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ गया तो हम कहते हैं कि वो बॉन्ड ही एग्जिस्ट मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा हैप्पी हो यहाँ तक समझ आया अब और मैं तुम्हें इसका भी शॉर्टकट बताऊंगी बढ़िया शॉर्टकट बताऊंगी आज की क्लास में यू विल फॉल इन लव विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग बहुत शॉर्टकट करेंगे बट पहले डिटेल समझनी जरूरी है सामने देखिए अगले पेज पे बताती हूँ बच्चे मान लो मेरे पास एक वन एस है फिर मेरे पास एक टू एस है फिर मेरे पास तीन टू पी और बाइटल टू पी एक्स हो गया टू पी वाई हो गया टू पी जेड हो गया ये एक एटम का है एक और एटम का मैंने सामने लिखा मैं डाईटोमिक आट... मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ ये वन एस है फिर यहाँ पे मैंने लिखा टू एस और फिर इन तीनों के सामने मैंने लिखा टू पी एक्स एक टू पी वाई एक टू पी जेड हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है मैं क्या मान के चल रही हूं कि मेरी Z एक्सिस क्या है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ठीक है तो अब हम डायग्राम बनाते हैं ये दोनों आपस में मिलेंगे ठीक है ये दोनों आपस में मिलेंगे अब ये जब छह आपस में मिलते हैं तो छह एटॉमिक ऑर्बिटल बनने चाहिए है ना एक सबसे नीचे एक सबसे ऊपर फिर दो आजू बाजू फिर दो आजू बाजू तो ये डायग्राम आता है इसका नाम मैं लिख कर दिखाती हूँ नीचे वाला सिग्मा वन एस फिर सिग्मा स्टार वन एस फिर सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, फिर सिग्मा टू पी फिर जाता है सिग्मा स्टार टू पी जेड जो ये दोनों है इनके नाम है पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई ये दोनों डी जेनरेट होते हैं डी जेनरेट का मतलब दे हैव हाँ सेम एनर्जी और ये जो दो हैं, जिनका नाम है पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई इन दोनों की भी एनर्जी क्या होती है सेम दे हैव सेम एनर्जी, ठीक है अभी बता रही हूँ रोहित बच्चे एक एक करके सब कुछ बताऊंगी रुको तो सही एक एक करके सब कुछ बच्चे ये जो मैंने एमओडी मॉलिकुलर और बाइटल डायग्राम बनाया है मेरे टीचर्स ने बचपन में मुझे सिखाया था फोन होता ना फोन मतलब वो एक ट्रिक तुम्हें सिखाई गई थी ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन कौन से होते हैं फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन याद है ये वही ट्रिक है मगर थोड़ा सा चेंज कर दिया फोन होता है ना फोन फोन अब यहाँ पर फोन का मतलब है फ्लोरीन ऑक्सीजन और एन टू इन सब के लिए और इनके रिश्तेदारों रिश्तेदारों मतलब फोन करने वाले लोग और इनके रिश्तेदारों के लिए हम ये वाला आ, पूरा का पूरा जो फिगर है ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं अब आप सोच रहे हो ये सोच रहे हो मैम उनके रिश्तेदारों का मतलब उनके रिश्तेदारों का मतलब जैसे मैंने ओ टू पॉजिटिव ले लिया ओ टू माइनस ले लिया ओ टू टू माइनस ले लिया ओ टू uh, टू पॉजिटिव ले लिया मतलब ये सारे जो इनके इनसे बनने वाले molecules है, charge species है, इन सबके रिश्तेदारों और इनके लिए ये वाला डायग्राम हम फॉलो करते हैं क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई ठीक है विदाउट sp मिक्सिंग है ये अभी बता रही हूँ यार एक एक कदम आगे मत भागो ना अभी सब कुछ कराऊंगी जितना आगे भागोगे तो मैं कैसे कराऊ यार मुझे तो अपनी स्पीड पे चलना है है ना मैं बहुत आगे कैसे भागू मुझे तो सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना है तो तुम आगे मत भागो मैं कराती हूँ ठीक है आगे मत भागो डन एक मिनट यहाँ तक डन है O2 पर कुछ भी चार्ज ले लो हाँ O2 पर कुछ भी चार्ज ले लो अब मैं बताती हूँ मैम डिटरमिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ बी टू इफ अरे 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 राहुल बच्चे मैं पढ़ा रही हूँ यार क्यों भाग रहे हो आगे एक मिनट रुक जाओ यार थोड़े बाल बाल ठीक करने दो चलो हाँ अब मैं तुम्हें बता रही हूँ ये तो एक केस हो गया मैंने इसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं करी जो था सब कुछ तुम्हारे सामने लिख दिया एस सच अब मैं थोड़ा सा ना स्पीकिंग इंग्लिश बच्चे मैं कोशिश कर रही हूँ आई एम ट्राइंग टू स्पीक बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी Like the the major audience which our channel has is like those who want me to speak in English. So I will try my level best to teach you every topic in Hindi plus English also I'll try to use, but hundred percent English I cannot because otherwise people do not understand. So easily I'm trying whatever you are not able to understand, just let me know. I will repeat that particular thing in English. बट हंड्रेड परसेंट इंग्लिश फिर माई स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हंड्रेड परसेंट ऑफ इंग्लिश ठीक है अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना ठीक है मैं ना छोटे छोटे आइटम्स के बारे में बात करती हूँ जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम यहाँ से स्टार्ट करो मैं बात कर रही हूँ बोरॉन के बारे में ठीक है फिर मैं बात कर रही हूँ कार्बन देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन फ्लोरिन एंड देन न्योन ठीक है ना बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन और नियोन के बारे में बात कर रही हूँ एक बात बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना दिस इज टू एस टू टू पी वन टू एस टू टू पी टू टू एस टू टू पी थ्री टू एस टू टू पी फोर समझते जाना मेरे पॉइंट्स को टू एस टू टू पी फाइव जय एडवांस दो हजार इक्कीस में क्वेश्चन पूछा गया था टू एस टू टू पी सिक्स

2p2 अरे र ये जो 2p2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना ये s वालों को रिपेल कर रहे हैं 2s2 2p3 जैसे-जैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं s और p में रिपल्शन बढ़ती जा रही है पहली बात तो ये बताओ क्या ये क्लियर हुआ जैसे-जैसे आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स द रिपल्शन बिटवीन s एंड p इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग ठीक है और जब इन दोनों के बीच में रिपल्शन बढ़ेगी रिपल्शन बढ़ेगी दे वो ट्राई टू गो अवे फ्रॉम इच अदर तो जो 2s और टू पी के बीच का गैप है ये बढ़ने लग जाएगा उल्टा मतलब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए था आप लिख लोगे ये कि जैसे जैसे रिपल्शन बढ़ेगा यानी कि द गैप बिटवीन टूएस एंड टू पी इतनी बात सबको समझ आई जब मैं बोरॉन से कार्बन से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से फ्लोरिन से, तो सेम है मगर मैं 2P के बढ़ाई जा रही धीरे-धीरे be जिसकी वजह से 2s और 2p के बीच का जो गैप है वो बढ़ने लग जाएगा क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई अब प्रॉब्लम ये है इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम है कम गैप इज मगर इन दोनों के बीच में huge gap is there. तगड़े वाला है है कोई problem नहीं बट अगर S और पी के बीच में गैप कम है तो अदर आप जानते हैं जब भी दो के बीच में गैप कम होता है उन ऑर्बिटल को मिक्स होना आसान होता है आज ही तो स्टार्टिंग में सिखाया था कि कहां डी और डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है अगर नीचे आते हो इनके बीच का गैप बढ़ गया अब ये मिक्स नहीं होते मगर अगर शुरुआत में जब एटम छोटे थे जब शुरू में एटम छोटे थे एस और पी के गैप कम थे जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में मिक्सिंग होनी शुरू हो जाएगी नीचे आते हुए हम कोई मिक्सिंग कंसीडर नहीं करते हैं यहां पर देयर इज नो एसपी मिक्सिंग मगर जो छोटे एटम्स होते हैं यहां पर हमें sp मिक्सिंग कंसीडर करनी पड़ती है पहली बात तो ये क्लियर हुआ और जब मैं sp मिक्सिंग कंसीडर करती हूं मेरे पास एक नया मॉलिकुलर और बाइटल डायग्राम आएगा सामने देखिए ये वन एस इसके सामने वाला वन एस ये टू एस इसके सामने वाला टू एस ये थोड़ा साफ सुथरा बनाऊंगी इस बार ये टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड और इसके सामने वाला टू पी एक्स टू पी वाई और टू पी जेड तो जब वन एक्स और वन एस आपस में मिलेंगे हमारे पास आएगा सिगमा वन एस सिगमा स्टार वन एस टू एस और टू एस आपस में मिलेंगे मेरे पास आएगा सिग्मा टू एस एंड मेरे पास आएगा सिग्मा स्टार टू एस जब ये दोनों आपस में मिलेंगे पहले क्या आना चाहिए था सिग्मा टू पी जेड है हाँ ना यही आना चाहिए था अब प्रॉब्लम पता क्या होती है यहां पर पहले आता है पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई फिर आता है अरे फिर आता है सिग्मा टू पी जेड ऊपर वाला सब कुछ सेम रहता है सिर्फ इन दो में एक्सचेंज हो जाता है ये है पाई स्टार टू पी एक्स ये है पाई स्टार टू पी वाई और सबसे ऊपर आता है सिग्मा स्टार टू पी जेड मतलब जो भी चेंज आया वो इन तीनों और बाइटल में आया क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई दिस इज क्लियर टू एवरी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए ठीक है ये क्लियर है अब ये किसके लिए होगा ये किसके लिए होगा जो हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे बोरॉन हो गया बी टू हो गया जैसे सी टू हो गया जैसे एन टू हो गया एंड इनके 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 रिश्तेदार और रिश्तेदारों के लिए जैसे बी टू प्लस बी टू माइनस इन सबके रिश्तेदारों के लिए ठीक है ये वाला आएगा और इनसे जो बड़े वाले थे है ना बूढ़े लोग उनके लिए वो वाला डायग्राम आएगा क्या ये बात सबको समझ आ गए क्या ये बात सबको समझ आ गई अब देखो मैं मिक्सिंग का केस है। दिस डायग्राम इज द रिजल्ट ऑफ एसपी मिक्सिंग अब हमारे पास जेई एडवांस में में साल पहले क्वेश्चन आया था कि B2 में हमें पता है SP mixing होती है, होती जो बच्चे होते हैं ना जिन्होंने रट्टा मार रखा होता है, उनको नहीं पता ये क्यों आया एडवांस वालों ने पूछा कि अगर मानो बीटू में एसपी मिक्सिंग ना होती तो बताओ कि क्या मतलब तो बताओ कि क्या बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए था तो भैया अगर मिक्सिंग होती है तो ये लगाएंगे अगर वो दे रहा है कि मिक्सिंग नहीं होती तो हम यही वाला यूज करेंगे मतलब ये ओरिजिनल है देखो याद रखने का तरीका अब ये लिख लिया अब मैं तुम्हें अपना शॉर्टकट सिखाती हूँ देखो मैं बचपन से जब से मुझे मेरे टीचर ने ये, ये पढ़ाया था ठीक है जब से मुझे ये मेरे टीचर ने पढ़ाया था देखो मैं तो ऐसे ही करती हूँ ना ना ना, 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 ना 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 अरे दोबारा लिखती हूँ ठीक है गाना खराब हो गया मेरा तो देखो एक कौन सा डायग्राम होता है ना 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 मतलब मुझे वो पैटर्न याद है मैं पूरा लिखती नहीं हूँ पूरा टाइम बैठ के और जगह दूसरे वाला है ना 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 बस यही एक बार याद रख लो ना इसमें तो बस इन दो कोई तो पलटना है बाकी तो सब सेम है सीधी सी बात है मतलब मुझे पूरा ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है मैं लिखूंगी नहीं, सिग्मा वन सिग्मा 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 पाई टू टू पाई, पाई, स्टार, पाई स्टार सिग्मा बस ये, ये इसकी प्रैक्टिस कर लो लिखने की तुम करोगे चोटिला अच्छा, चीज इसको याद रखने का तरीका पता क्या है कुछ दिक्कत ना हो ना लाइफ में सब कुछ इक्वल चल रहा हो सब बढ़िया हो तो बस ये याद रखना ये इक्वल टू साइन आता है ये रेगुलर है ये क्या है रेगुलर मगर जब हमने मिक्सिंग कंसीडर करी तो ये इक्वल टू साइन हो जाता है तो देख रहे हो यहां आ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा है। है? सबके चल तो सब लिए एसपी मिक्सिंग हो गई तो ये वाला आएगा डन डन क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हुई कोई बच्चा अगर किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताऊ ठीक है मैम को गाना याद आ रहा है तुम कैसे भी कर लो यार अब इसका मजाक मत बनाओ देखो ये काम की चीज़ है मतलब मैं ऐसे ही सिखाती हूँ ना 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 ठीक है तो ये मेरा स्टाइल है यार स्टाइल तो समझना चाहिए ना स्टाइल तो हम चेंज नहीं कर सकते ठीक है अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ सुनो मेरी कहानी सुनो ठीक है जिसने माता रानी के दर्शन करने हो वो मेरे चैनल पे जाएंगे ठीक है वहां पर हमने चोटिला माता के चलो मैं बताती हूँ मैं गुजरात में रहती हूँ ठीक है गुजरात में भी पर्टिकुलरली हम लोग राजकोट में रहते हैं ठीक है हमारे राजकोट से जब हम अहमदाबाद की साइड जाते हैं तो राजकोट से अराउंड साठ सत्तर किलोमीटर पे एक मंदिर आता है माता रानी का ठीक है जिनका नाम है चोटिला माता मंदिर ठीक है क्या नाम है माता रानी का चोटिला माता मंदिर अब मतलब मैं यहाँ पे राजकोट में आई ठीक है और मेरे को घूमने फिरने का बहुत शौक है और ऐसे पहाड़ों वाली जगह पे जाने का तो बड़ा ज्यादा शौक है तो एक बार हम वहां पर गए ठीक है हम गए तो भाई साहब मेरे दिमाग में माता रानी ने एक चीज डाली कि ये बढ़िया चीज है मतलब ठीक है उन्होंने एक मेथड मतलब मैं एक मेथड पढ़ाती थी बचपन से वो मेथड हम ऐसे पढ़ाते थे देखो ठीक है ऐसा सा था एक पहाड़ है अब मैं अगर मैं बताऊं ना ये चोटिला माता का जो मंदिर है माता रानी का मंदिर है वो ना क्या है एक ऐसा पहाड़ सा बना हुआ है ठीक है पहाड़ों पे लगभग ढाई सौ तीन सौ स्टेप है स्टेप पे ऊपर जाके माता रानी का यहाँ पे जो है वो मंदिर बना हुआ है जिसने दर्शन करने हो मैंने तुम्हें बता दिया कि है कि व्लॉग है चैनल पे आराम से देख सकते हो ठीक है अब मैंने क्या किया जब से मैं गुजरात में आई मेरे को पता चला भाई चोटिला मेथड है हमारे एक मेथड है उसमें हमने सीढ़ियां बना रखी है ठीक है तो यहाँ पर हम सीढ़ी बनाते हैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं आठ फिर सीढ़ी पे चढ़ो हम क्या लिखेंगे नौ सीढ़ी पे चढ़ो क्या लिखेंगे दस सीढ़ी पे चढ़ो ग्यारह सीढ़ी पे चलो बारह सीढ़ी पे चढ़ो तेरह चौदाह वो कहते हैं ना पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ जय माता दी करते जाओ चौदह तक पहुंचे फिर नीचे आओ ढलान पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस तो जो हमारा मेथड है इसको हम बोलते हैंश टैग चोटीला मेथड अब बड़े सारे टीचर्स ने इसको ऐसे पढ़ाना शुरू कर रखा देखो कई ऐसे बना देते हैं ऐसे 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 तुम्हारी मर्जी है मतलब हमने ये चोटीला मेथड से ही मैंने पढ़ाना शुरू करा काफी टाइम हो गया पढ़ाते हुए तो ये चोटिला मेथड क्या कहता है ध्यान से देखो चोटिला मेथड ये कहता है कि अगर आपको सिग्मा वन है सिग्मा स्टार वो पूरी कहानी करने की जरूरत नहीं है यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग कुछ नहीं करना तुमको तुम क्यों, क्यों क्या करना है अगर किसी स्पीशीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चौदह है तो तुम बोल दो उस स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना है तीन किसी में तेरह या पंद्रह है तो बोल दो बॉन्ड ऑर्डर कितना टू पॉइंट या सोलह है बॉन्ड ऑर्डर कितना दो, बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.5, बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, बॉन्ड ऑर्डर कितना 0.5, बॉन्ड ऑर्डर कितना 0, क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई? तो क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? ठीक है कितना टाइम और लगेगा मैम? बच्चे मैं 8 साढ़े 8 तक पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है थोड़ा सा मतलब शक्ति रखो अपने अंदर अभी आज वन शॉट लंबा है यार मैंने आपको पहले ही कहा था मैं दो बजे स्टार्ट करती रात के ग्यारह बजे से ठीक है इसीलिए मैंने बारह बजे स्टार्ट किया मुझे पता है तुम लोग थक गए हो ठीक है मुझे पता है कि ये मतलब काफी सारा हो गया टू डाइजेस्ट इन वन गो बट बच्चे मैं तुम्हें प्योर एडवांस लेवल का पढ़ा रही हूँ मेरे को टाइम पास करना होता मैं सीधा चोटिला मेथड सिखाती है ना इससे सारे जेई मेन के सवाल हो जाते ये मुझे कुछ भी ना कराना पड़ता मतलब कुछ भी ना पढ़ाती तो तुम्हें पता ना चलता कि ये भी चीजें हैं तो अभी टाइम लगेगा एक डेढ़ घंटा दो घंटे और लगेंगे बट सब कराऊंगी कोशिश करूंगी जितना बेस्ट करा सकती हूँ बेस्ट कराऊं ठीक है ये जो लोगों ने फैला रखा है ना कि YouTube पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो बच्चों को एडवांस लेवल नहीं पढ़ा सकते मतलब ये बच्चों और टीचर्स सबके लिए मतलब सीधी बात है कि देखो पढ़ाने पे आए ना बंदा तो हर चीज़ पढ़ा दे एक मिनट आ। अब आप सोच रहे मैम सब कुछ तो बढ़िया है मेथड भी याद आ गया समझ आ गया बट एक बात बताओ ये बॉन्ड ऑर्डर टू पॉइंट फाइव का मतलब क्या है मैंने कहा था ना कई लोग आपको ये बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम्स के बीच में बॉन्ड कितना ठीक है अगर किन्हीं दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है तो क्या मतलब उसके अंदर ढाई बॉन्ड है मतलब कोई हाफ बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है बच्चे बॉन्ड ऑर्डर ढाई होने का मतलब इन दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो ढाई गुना है कंपेयर टू अगर इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता समझो इस चीज को अगर किन्हीं दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर डेढ़ बॉन्ड है इसका मतलब ये है कि ये जो दो आटम्स बी और B हैं ये आपस में इतने फोर्स से जुड़े हुए हैं, गुना, यानि कि समझ आई क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई दिस इज क्लियर टू एवरी वन डन अब एक और छोटी सी चीज बताती हूँ एक तो हमारा चोटिला मेथड बढ़िया है इससे जेई मेन के सारे सवाल हो जाएंगे घबराना भी नहीं आपको एक दूसरा हमारा जो शॉर्टकट है ये भी बड़े ध्यान से सीखिएगा बच्चे देखा जाता है कि अगर किसी स्पीशीज़ में इवन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो स्पीशीज डाया मैग्नेटिक होती है डाया मैग्नेटिक का मतलब समझ आ गया ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं अगर किसी स्पीशीज में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस स्पीशीज को हम पैरा मैग्नेटिक बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक मतलब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक मतलब उसके अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड मगर यहाँ पर दो तीन एक्सेप्शन है तो वो एक्सेप्शन भी आप याद रख सकते हो एक्सेप्शन याद रखोगे तो थोड़ा इजी हो जाता है सुनिए हमारे पास केवल दो एक्सेप्शन हैं एक एक्सेप्शन है दस और एक एक्सेप्शन है सोलह तो वैसे तो टेन और सिक्सटीन ये हैं तो क्या इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर की वजह से इनके पास जो इनका मैग्नेटिक uh, नेचर है वो क्या होना चाहिए डाया मैग्नेटिक मगर ये दोनों क्या होते हैं पैरा मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक बस आपको ये याद रखना है दस और सोलह ये दो नंबर आपको याद रखना है वन जीरो वन सिक्स ये दो याद रख लोगे तो बाकी सारा कुछ सॉर्टेड है डन इतना याद रख लोगे तो बाकी सारा कुछ सॉर्टेड है डन टेन और सिक्सटीन अब कुछ क्वेश्चन करते हैं लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चन बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद मैं आपको कुछ और अच्छी थोड़ी हाई लेवल की जो चीजें हैं वो सिखाना पसंद करूंगी उससे पहले मैं जरा ये सेशन मतलब जो पीडीएफ है इसको सेव कर लेती हूँ फाइल सेव एस एक मिनट आप पीडीएफ सेव कर लेते हैं उसके बाद मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपको कराती हूँ ना 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 चलिए आर यू रेडी टू डू अ फ्यू क्वेश्चंस सबसे पहले आज का क्वेश्चन नंबर वन आप करेंगे भाई साहब कितना पढ़ चुके हैं मतलब मेरा तो सिर आ गया इतना पढ़ा के आज लग रहे करिए अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज ये क्या हो गया करके दिखाइए टीना मीना को बुला लो भाई आंगन द फॉलोइंग स्पीशियस, द नंबर ऑफ़ स्पीशियस शोइंग डायमैग्नेटिज्म इज़, इनमें से कितनी ऐसी स्पीशीज हैं जो डायमैग्नेटिज्म शो करती हैं, जय मेन का सवाल है, बताइए, इनमें इनमें से कितनी ऐसी स्पीशीज हैं जो डायमैग्नेटिज्म शो करती हैं, बता दो आंसर अब बच्चे एलसी का केस नंबर फाइव पे पीछे नहीं जा सकते हम उसी टाइम पूछना था ना अब क्या वापस जाके पढ़ाऊ चलो अभी रिपीट कर दूंगी अगर कुछ ऐसा है आहा, दिशा वेरी गुड और बच्चे नाइस 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 वेरी गुड चलिए नाइट्रोजन से एक गया तेरा इलेक्ट्रॉन पैरा मैग्नेटिक एन टू पे माइनस चौदह में एक एड किया पंद्रह पैरा मैग्नेटिक एन टू पे टू माइनस चौदह प्लस दो सोलह मगर सोलह वाला क्या होता है पैरा मैग्नेटिक ओ टू ओ टू में कितने इलेक्ट्रॉन सोलह सोलह मतलब पैरा मैग्नेटिक O2 पे पॉजिटिव 16 में से एक गया पंद्रह पंद्रह मतलब पैरा मेथड 17, 17 मतलब 18, 18 मतलब तो एक एक. अच्छा नहीं था क्या जेई मेन के पीवाई क्यू में आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ा कि हो नहीं पाएगा ये है जेई मेन के प्रीवियस क्वेश्चन बस वही है कि जो अंदर का डर है ना उस डर को मिटा दो तीन कहां से आ रहा है कौन सा तीसरा तुम्हें दिख रहा है वट इज थर्ड वन बच्चे वट इज थर्ड वन ठीक है चलो टीना मीना आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री अभी नहीं कर सकते हैं सिक्स नहीं कर सकते हैं सेवेंथ क्वेश्चन तीन चार पच सात सातवां क्वेश्चन आप सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पर सातवां क्वेश्चन आप सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर अच्छा ये अभी आईनिक कंपाउंड करा देंगे तो कर लोगे रुको सातवां नहीं करो आठवां कर लो आठवां क्वेश्चन कर लो आठ नौ दस तीनों क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे आठवां क्वेश्चन समय लीजिए आंसर करके बताइए सॉरी आठवां क्वेश्चन करिए फॉलोइंग कहा था ना ये पैरा मैग्नेटिक वाला हर पेपर में आता ही आता है क्वेश्चन करके बताओ मैम ये सब सिक्सटीन अरे सिक्सटीन को नहीं कंसीडर करना था सिक्सटीन अभी तो लिखवाया दस और सोलह वन जीरो वन सिक्स नंबर याद रखो वन जीरो वन सिक्स ये पैरा मैग्नेटिक होते हैं मैम आपने एटॉमिक में मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह नहीं कराया था क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है बाय द वे यू आर द बेस्ट टीचर आपकी वजह से मेरी केमिस्ट्री सुधर गई है कौन है ये बच्चा दिशा अग्रवाल बच्चे जो मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह नहीं निकलवाना सिखाया था ना वो उसका जो एक्चुअल मतलब एप्लीकेशन है ना वो हमारा डी एंड एफ ब्लॉक में आता है जहाँ पर अंडर रू टेन एन प्लस टू बोर मैगनेटोन यही सब वाला बोल रहे हो ना तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी करा सकते हैं और वो हम डी एंड एफ ब्लॉक में भी कराते हैं तो अगर वो नहीं वहाँ पे कराया तो मैं आपको डी एंड एफ ब्लॉक में रिपीट करूंगी मतलब वो डी एंड एफ ब्लॉक में तो मुझे कराना ही होता है तो वो इम्पोर्टेंट है बट वील डू इट इन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट फोर अरे क्या बात है आंसर चेक कर लेते हैं फोर नाइस Among the following, the number of oxides which are paramagnetic in nature, मैंने कहा ये देखो कई बच्चों को Na2O नहीं समझ आता बच्चे Na2O को गोली मारो ये है Na+ और O पे टू और ऑक्सीजन एक दो तीन चार पांच छह इलेक्ट्रॉन दो और इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया सारे इलेक्ट्रॉन हो गए ये पैरामैग्नेटिक नहीं है अगर मैं के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सोलह प्लस एक सत्रह सत्रह मतलब ये इट इज पैरा मैग्नेटिक देन वी हैव हाँ एनओ टू एन ओ टू तो अभी अभी आप बनाकर आए थे ना

एक दो तीन चार पाँच छ और नाइट्रोजन एक दो तीन चार पाँच तो जब इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया तो नाइट्रो ऑक्सीजन के कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नाइट्रोजन के पास अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो यस इट इज पैरा मैग्नेटिक देन है सल्फर डाइऑक्साइड एक दो तीन चार पाँच छ ये और ये कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है डायोमैगनेटिक फिर एक है सी एल टू ओ सी एल टू ओ का स्ट्रक्चर होता है ओ एक दो तीन चार पांच छह एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब डायमैग्नेटिक तो टोटल पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक एक दो तीन चार फोर इज द करेक्ट आंसर आया आंसर फोर इज द करेक्ट आंसर मैम मैम अब तो मैं शक्ल पहचान लेता हूँ इनकी किन की अच्छा मॉलिक्यूल्स की देखा तो जो बच्चे स्टार्टिंग में ये बकवास कर रहे थे ना अरे साक्षी मैम हाई लेवल का पढ़ाओ मैम मैम ये स्ट्रक्चर्स क्या पढ़ा रहे हो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो थे ना हमारी क्लास में ऐसी जनता भगली ना सारी जनता क्योंकि पता है मैम पहले टाइम पास करा रही थी ये ना स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दिया होता तो ना बनते स्ट्रक्चर एन टू ओ सी एल टू ओ एन ओ का स्ट्रक्चर ना बनता और यही फंसते तो जितनी जनता ना जो ये अपनी प्रवचन झाड़ने आती है हमारी क्लास में कि कितना बेसिक पढ़ा रही है मैम टाइम वेस्ट कर रही है इनको इनके घर रहने दो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं इनके है ना ये टाइम पास करते हैं इनको करने दो तुम पढ़ाई पे ध्यान दिया करो अकॉर्डिंग टू the answer. ऐसी कौन कौन सी हैं जिनका आइडेंटिकल है हाँ ये टीना मीना के species आते रहते हैं हमारी क्लास में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बताओ इंटीजर टाइप क्वेश्चन है कौन कौन से स्पीशीज हैं जिनके पास आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर है बॉन्ड ऑर्डर सेम है कर लेते हैं करना जरा माइनस छ प्लस नाइट्रोजन के साथ प्लस ए कितना चौदह चौदह का बॉन्ड ऑर्डर तीन था चोटिला चोटिला मैथड ओपी हमारा जिनको नहीं याद है वापस बना लो चोटिला मेथड आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह फिर पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस तो चौदह का बॉन्ड ऑर्डर तीन एनओ पॉजिटिव नाइट्रोजन कितना सात प्लस ऑक्सीजन आठ माइनस वन कितना चौदह ठीक है ना हाँ पंद्रह और एक चौदह तो बॉन्ड ऑर्डर तीन ओ टू का तो बॉन्ड ऑर्डर टू है निकालने मत बैठ जाना पॉजिटिव सोलह में से एक गया पंद्रह पंद्रह का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2 और पॉजिटिव पॉजिटिव सोलह में से दो गया कितना चौदह चौदह का बॉन्ड ऑर्डर थ्री तो हाउ मेनी स्पीशीज आव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर थ्री स्पीशीज ऑसम ऑसम वेरी गुड ग्रेट हो गया क्वेश्चन एक और कर लो चलो दसवा क्वेश्चन कर लो कर लो कर लो कर लो फटाफट कर लो अब ये मेन एडवांस के सिंपल सवाल नहीं कराऊंगी बारी बारी जो सेम है वो तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ कुछ अच्छा करा देती हूँ जो सेम है वो तुम होमवर्क में ले लो बाकी थोड़े अच्छे आ, मैं करा देती हूँ और आ गया मैम साइड अच्छा सॉरी 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 आंसर सी चेक करते हैं मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू साई मोलिकुलर और बाइटल ए माइनस बी साई ए माइनस साई बी गार मतलब डाइपोल मोमेंट बॉन्डिंग मॉलिकुलर और बाइटल एंटी बॉन्डिंग ए का तो थ्री होगा ए का थ्री होगा तो ए तो हो नहीं सकता

बिना मतलब बिना टेंशन लिए हो रहा है ना ये जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आई एम नॉट किडिंग मेरे पे विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खरीद के कर लेना ठीक है तो अगर इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो तुम कर डालोगे हंड्रेड परसेंट श्योरिटी मैं देती हूँ बस रिविजन करते रहना बारह इसके बाद एक सोलह और सत्रह क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर प्लीज दिस इज योर होमवर्क आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट इन द क्लास बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर निकालना है सोलवा क्वेश्चन होमवर्क है बाय द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चलो सत्रवा क्वेश्चन कर लो डू सेवन क्वेश्चन को मैंने होमवर्क कह दिया सेन्थ क्वेश्चन कर लो एक योर होमवर्क क्वेश्चन बच्चे ये सेम रिपीट क्वेश्चन है मैं इतने क्वेश्चन सेम नहीं करा सकती क्लास में उन्नीसवा भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है ठीक है सेवनटीन करके दिखा दो चलो 17 डिफरेंट है ये करके दिखा दो इसमें आई विल हेल्प यू आउट सेवेंटीन क्वेश्चन आप करके दिखा दो क्या है बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग चलो करके दिखाओ मैं आपको बस ये बात बताना चाहती हूं कि आ, अगर हमारी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर और बाइटल में जाते हैं तो वो स्टेबल है अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर और बाइटल में जाता है तो वो थोड़ा अनस्टेबल है ठीक है बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन स्टेबल है एंटी बॉन्डिंग वाला अनस्टेबल है करो बॉन्डिंग इन ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने से बॉन्डिंग कहां पर ज्यादा स्टेबल हो जाएगी तो सबसे पहले मैंने कहा सबके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो बॉन्ड ऑर्डर निकालना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने होते हैं आठ और सात पंद्रह पंद्रह का मतलब बॉन्ड ऑर्डर टू पॉइंट फाइव नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर थ्री ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर टू सी टू में बॉन्ड ऑर्डर कितना 6 और बारह, है ना बारह एक बार बना लेते हैं। देखना आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ये जीरो ये जीरो पॉइंट फाइव वन वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव और थ्री ठीक है ना में में मतलब बारह का ऑर्डर कितना आ रहा है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन निकलवा तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे देखना, ये पहले कितने थे पंद्रह और अब बचेंगे कितने चौदह पहले कितने थे चौदह अब बचेंगे तेरह पहले कितने थे सोलह अब बचेंगे पंद्रह पहले कितने थे बारह अब बचेंगे ग्यारह पहले कितने थे दस और अब बचेंगे नौ अब एक बार बॉन्ड ऑर्डर लिखो अब एक बार आप बॉन्ड ऑर्डर लिखो तो बॉन्ड ऑर्डर चौदह का कितना आ गया तीन तेरह का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया ढाई ठीक है पंद्रह का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया पंद्रह का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आ गया ढाई ग्यारह का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया डेढ़ और ई नाइन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया जीरो पॉइंट फाइव ठीक है नाइन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया जीरो पॉइंट फाइव कर लो पहले इतना करा अब ध्यान से देखना ध्यान से इस चीज को देखना बच्चे जब मैं कंसीडर करती हूँ जब मैं कंसीडर करती हूँ चलो इसमें आपको एक और चीज सिखाती हूँ अगर एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से हमारा जो जो अब फाइनल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है अगर वो एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा आते हैं अगर इलेक्ट्रॉन के निकलने से हमारे फाइनल जो इलेक्ट्रॉन है देखो ये बात तो सही है कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर से भाई अगर किसी के बीच का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो मतलब उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी ठीक है अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी अब देखना प्रॉब्लम क्या हुई हमारी अगर मैं एनओ NO की बात करूं ठीक है अगर मैं एनओ NO की बात करूं या अगर मैं ओटो की बात करूं तो जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो पाई स्टार और बाइटल में जाएंगे और पाई स्टार और वाइटल में जाने की वजह से जो हमारे सिस्टम है वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं जाते हैं We do not want कि जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में जाए चलो ठीक है एक काम करते हैं आई एम श्योर अभी आपको इस वाले पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मैम थोड़ा और रिपीट कर दो है ना ए होना चाहिए या सी होना चाहिए थोड़ा और रिपीट कर दो तो एक काम करते हैं मैं आपको पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देती हूँ माई मिस्टेक कि मैं वो टॉपिक पहले नहीं पढ़ाया उससे पहले मैंने ये क्वेश्चन करने को दे दिया जस्ट मुझे दो मिनट का टाइम दो लेट मी टीच यू द कॉन्सेप्ट ऑफ होमो लूमो सुनो दो मिनट मैं पहले ये टॉपिक पढ़ाती हूँ फिर विल गो बैक टू दैट क्वेश्चन देखिए जरा एक टॉपिक होता है बच्चे जिसको हम बोलते हैं होमो जिसको बोलते हैं लूमो होमो की फुल फॉर्म होती है हाइएस्ट ऑक्यूपाइड अभी समझाती हूं फिर उस क्वेश्चन पे चले जाना मॉलिकुलर और बाइटल ठीक है और लूमो की क्या फुल फॉर्म होती है इसका मतलब होता है लोएस्ट अन ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर और बाइटल हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर और बाइटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल मान लो मेरे पास एक मोलिकुलर ऑर्बिटल है जहां पर सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन है सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन है सिग्मा टू एस में इलेक्ट्रॉन है सिग्मा स्टार टू एस में इलेक्ट्रॉन है और ध्यान से देखना सिग्मा टू पी जेड में भी इलेक्ट्रॉन है ये सिग्मा टू पी जेड में इलेक्ट्रॉन है मगर ये खाली है पाई वाले तो जो सबसे भरा हुआ है ये डायटोमिक स्पीशीज है सब पेयर्ड है तो जो सबसे ऊपरी सबसे ऊपर वाला जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर जो ऑर्बिटल है जो भरा हुआ है इसको कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल समझ गए इसको क्या बोलते हैं हाईएस्ट मॉलिक्यूल ये ये क्या हो जाएगा हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल और ये वाला क्या हो जाएगा जो खाली है जो सबसे छोटे वाला खाली है इसको बोलेंगे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल

और और खाली भी कौन है इसके अंदर अभी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और आ सक, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना तो ये अनपेड भी, मतलब, uh, भी है तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर और वाइटल भी क्या हो जाएगा ये ठीक है अगर मेरे सिस्टम में बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा ठीक है तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा अगर मेरे सिस्टम में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल होगा क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई अगर सिस्टम में ध्यान से सुनिएगा अगर सिस्टम में बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो सिस्टम स्टेबलाइज होता है अगर सिस्टम में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो अनस्टेबल बनता है इतनी बात सबको अच्छे से क्लियर हुई तो पहले बताओ फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं ये ये बात सबको अच्छे से ठीक है दिस इज क्लियर डन अच्छा एक और चीज बताती हूँ अभी हमारे सिलेबस में ना बच्चे हमारे सिलेबस में इन्होंने केवल फ्लोरीन और नियॉन तक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो पूछा हुआ है या वो पूछते हैं ठीक है कल को मान आई <coughs> सॉरी कल को मान लो ये मेरे से पूछे कि ना S2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करके दिखाओ या पूछे क्लोरीन का करके दिखाओ या पूछे ब्रोमीन का करके दिखाओ तो भैया मुझे इन सब के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है है ना मैं इन सब के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बना सकती s2 का वी विल कंसीडर इट टू बी सेम एज o2 जो उसी के ग्रुप का है क्लोरीन ब्रोमीन का आई विल कंसीडर इट टू बी 100% सेम जो इसके ग्रुप वाले हैं यानी कि जो फ्लोरीन का है क्या ये बात ठीक है इनका जो वैलेंस नीचे वाले तो सब चेंज हो मगर जो इनका वैलेंस डायग्राम होगा ना वो इन्हीं के होमोडायटोमिक स्पीशीज ऑफ द सेम ग्रुप के जैसा होगा ये बात सबको समझ आई ये बात सबको अच्छे से समझ आई तो अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं अब देखो हाईएस्ट और लोएस्ट की बात करती हूँ अगर मैंने फ्लोरीन के बारे में बात करी कोई मुझे बताएगा फ्लोरीन के केस में होमो क्या है और लूमो क्या है और सिमिलरली कोई मुझे बता दो क्लोरीन के केस में होमो क्या होगा और लूमो क्या हो जाएगा बस ये बता दो फ्लोरीन के केस में होमो क्या है और लूमो क्या है ये बताना फ्लोरीन के केस में होमो लूमो बता दो और क्लोरीन के केस में होमो लूमो बता दो देखना सामने फ्लोरीन ना 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 ये है ना फ्लोरीन फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं नौ नौ अठारह एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह ठीक है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिकुलर और बाइटल कौन सी है क्या मैं लिख दू पाई स्टार टूपी है पाई स्टार टूपी

तो ये वेपर फॉर्म में पाया जाता है अब इन्होंने पूछा था कि सल्फर का लूमो बताओ कौन सा है ये जेई एडवांस का सवाल है सल्फर का लूमो कौन सा है ये ये पता करके बताओ सल्फर का लूमो कौन सा है सल्फर का फॉर सल्फर कोई मुझे लूमो बता सकता है प्लीज फॉर सल्फर कोई मुझे बता सकता है सल्फर का लूमो कौन सा है सल्फर का लूमो मैंने कहा अच्छा सल्फर की बात कर रहे हो ऑक्सीजन का देखते हैं ऑक्सीजन में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं देखना ये हटा दू फ्लोरीन हटा दू ना अब मैं सोचती हूँ ऑक्सीजन में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं देखते हैं ये भी देख लो ऑक्सीजन के केस में कहा गया ये ये ये, ये है ना और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के केस में मुझे सोलह इलेक्ट्रॉन भरने हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह से देखने ध्यान से देखिएगा ये एक अच्छी बढ़िया चीज है जो इन्होंने पूछी थी अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन के केस में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर और बाइटल तो भी यही है और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर और बाइटल तो भी यही है तो ऑक्सीजन के केस में लूमो क्या है पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई तो सल्फर के केस में लूमो क्या हो जाएगा पाई स्टार थ्री पी क्या ये बात सबको समझ आई आंसर विल बी पाई स्टार थ्री पी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जिनका आंसर आ गया ऑसम awesome बच्चे नहीं समझ आया दोबारा देखिए दोबारा देखिए ये समझ आया कि देखो दोबारा जिनको नहीं समझ आया दोबारा देखो कल को उसने मेरे से पूछा सल्फर तो मैं तो अब कंफ्यूज हो जाऊंगी कि भाई सल्फर का तो मैम ने नहीं कराया था अब मैं सारे बनाने थोड़ी ना बैठूंगी मैंने कहा सल्फर किसका पार्ट है ऑक्सीजन का तो चलो ऑक्सीजन का देखते हैं ये होमो है हाईएस्ट भरा हुआ और सबसे कम अनऑक्युपाइड कौन सा आधे बच्चे कहते हैं है, मैम ये है मैं कहती हूँ बच्चे नीचे वाला भी तो अनऑक्यूपाइड है अभी इसमें भी तो दो इलेक्ट्रॉन और डाल सकते हो तो ऑक्सीजन के केस के लिए लूमो भी यही है ऑक्सीजन के केस के लिए लूमो भी यही है तो ऑक्सीजन का लूमो क्या निकाला तुमने पाई स्टार टू पी तो सल्फर में चुपचाप थ्री पी लिख देना आंसर आ जाएगा पाई स्टार थ्री पी अब समझ आया सबको अब समझ आया अब कॉन्फिडेंस आ रहा है सबको अभी यहां तक सबको अच्छे से क्लियर है कोई ऐसा बच्चा जिसको इस वाले में कोई दिक्कत हुई हो तो प्लीज पूछो किसी बच्चे को इस वाले में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज पूछो अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं आगे ठीक है कल को अगर कोई मेरी बात ध्यान से सुन लो कल को अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है मेरी बात सुनो कल को कोई क्वेश्चन आता है कि मैम सी एन के बारे में इन्होंने पूछा या सी एन माइनस के बारे में इन्होंने पूछा या एनओ के बारे में इन्होंने पूछा या एनओ पॉजिटिव के बारे में इन्होंने पूछा ठीक है इनका मॉलिकुलर डायग्राम बनाना हमने नहीं सीखा हमारे सिलेबस में मॉलिक्यूल का 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 जैसे O2 है N2 है F2 है एमओ टी हमारे सिलेबस में नहीं है इनका एमओी हमारे सिलेबस में नहीं है तो अगर मुझे कोई पूछता है कि इनका मोलिकुलर डायग्राम बना के दिखाओ तो हम इनका मॉलिकुलर डायग्राम नहीं बनाएंगे हम बिल्कुल वैसे कंसीडर करेंगे कि ये कितना हो गया सात मतलब ठीक है छः और सात तेरह प्लस एक चौदह तो मैं बोल दूंगी कि चुपचाप एन टू का मॉलिकुलर और बाइटल डायग्राम बना लो वो इनके साथ मैच कर जाएगा ठीक है आपको केवल नाइट्रोजन का जो क्लोजेस्ट है नाइट्रोजन का मॉलिकुलर और बाइटल ड्रॉ कर लो आपके अपने आप आंसर आ जाएगा मैम ये ना ना के अलावा और कोई मेथड नहीं है तुम बना लो यार सिग्मा वन है सिग्मा स्टार वन है सिग्मा टू है सिग्मा स्टार टू है सिग्मा टू बी जेड पाई टू पी एक्स पाई टू बी वाई पाई स्टार टू बी एस पाई स्टार टू बी वाई सिग्मा स्टार टू बी जेड लो ये वाला मेथड कर लो ठीक है जो वो वाला मेथड कर लेते हैं डन एक मिनट आ एक मिनट एक मिनट जस्ट गिवी वन सेकंड बच्चे डन चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने मैं मंडे को किस चैप्टर का वन शॉट है मंडे को नहीं लेती ना मंडे को आई विल नॉट बी टेकिंग फ्राइडे को तो मेरे जितने भी वन शॉट्स बच्चे वो फ्राइडे को होंगे ठीक है ऑल माय वन शॉट्स विल बी देयर ऑन फ्राइडे ठीक है अगला जो वन शॉट होगा वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर का अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ हमारे ना उनतीस क्वेश्चन थे जिसमें से हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस बाईस सवाल मैं आपको करा चुकी हूँ मेरे पास बचे हुए हैं केवल सात सवाल तो अब मुझे आपके साथ कुछ वो कहते हैं ना छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं वो छोटे मोटे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं तो वो सारे टॉपिक्स मैं कम्प्लीट करूँगी एक करके आप बच्चों के साथ मुझे बस एक सेकेंड का टाइम दीजिए ठीक है एक सेकेंड का टाइम दीजिए सेव होने दो फिर कंटिन्यू करवाती हूँ ठीक है कितने सेक्शन हुए हैं मैम आज काउंट आज काउंटिंग करना भूल गए स्टार्टिंग से ही आज मैं सच में काउंट करना भूलिए कि कितने सेक्शन हो गए बस आप छोटे छोटे टॉपिक्स बजे देख लो ना उनतीस क्वेश्चन थे ये लिख रखे हैं कौन कौन से उनतीस क्वेश्चन थे उनतीस में से आप बाईस कर चुके हो एक फजान रूल पढ़ाना है मुझे अभी एक एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराना है दो एक वही फजान रूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग यही फजान रूल कराना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराना है ब्रिज बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग कराना है ये तीन चार छोटे छोटे टॉपिक्स मुझे आपको बताने हैं ठीक है ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं ये मुझे आपको बताने हैं बट मुझे दो मिनट का टाइम दो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ जस्ट टू मिनट्स हाँ अरे मैम यही रही मैम ये रही मैम ये रही हाँ जी आई एम हियर आई एम हियर वन सेकेंड ना चलिए सो so, हाँ वो नक्श वस क्राइंग तो मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया था कि उसको चुप कराना है तो इसीलिए आई जस्ट वेंट डायरेक्टली ओके सो बच्चे अब हम कंटिन्यू करते हैं बिकॉज यू नो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम एक छोटे बच्चे के लिए आठ नौ घंटे अपनी मम्मा को ना देखना इज अ बिग डील तो वो कई बार वैसे तो ही इज़ देर बट कई बार वो थोड़ा सा ना सैड हो जाता है मतलब एंड ही इज़ नॉट फीलिंग वेल टुडे तो इसीलिए उनका मैसेज आया मेरी मम्मी का कि एक बार ऊपर आओ उसको अपनी शक्ल दिखा जाओ तो उसको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मम्मा इज़ हियर एंड ठीक है वो सॉ मतलब इसीलिए मैं ऊपर गई थी ठीक है चलिए बच्चे अब मुझे आपके साथ कुछ दो तीन छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने हैं जिसमें से सबसे पहला टॉपिक जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो है फजान रूल उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक्स है अगर आज टाइम लगता है तो उन दो टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे अदरवाइज उनको हम ग्रुप नंबर थर्टीन में डिस्कस करेंगे बट मैं कोशिश करती हूँ कि आज ही डिस्कस कर लूँ एक है बैक बॉन्डिंग एक है ब्रिज बॉन्डिंग ये चार टॉपिक्स मेरी तरफ से रहते हैं ये चार के चार टॉपिक्स मैं आपको कराने की कोशिश करती हूँ ध्यान से देखिएगा सबसे पहला टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फजान्स रूल अब इसको ध्यान से समझिएगा ये 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 ऐसे टॉपिक्स टॉपिक्स हैं जो चार मैंने आपके सामने बोले चारों ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा यू नो इम्पॉर्टेंट नहीं है दे आर नॉट लाइक सुपर 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 इम्पोर्टेंट बट कभी कभी पेपर में इनसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे आप अगर 2022 का भी देखो तो फजान रूल के सारे शिफ्ट को कुल मिला के दो क्वेश्चन आए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन भी भी नहीं था जितने अभी तक करे, वो मेन पर्टिकुलरली नहीं पूछे केमिस्ट्री करते हैं वहां पर इनके सवाल पूछे जाते हैं तो अब ध्यान से देखिएगा बच्चे फजान रूल क्या होता है आपको मैं एक बात बताती हूँ अगर मैंने कोई भी एक बॉन्ड लिया तो कोई भी बॉन्ड बच्चे हंड्रेड परसेंट आयनिक नहीं होता कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लो जैसे आपने NaCl ले लिया जैसे आपने के ले लिया कोई भी आयनिक कंपाउंड या कोई भी बॉन्ड जो है ना तो वो हंड्रेड परसेंट होता है और ना ही वो बॉन्ड हंड्रेड परसेंट कोविलेंट होता है कोई भी बॉन्ड ना तो प्योर आयनिक होगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से मिलेगा ना ही वो बॉन्ड 100% कोवेलेंट नेचर का होता है अगर कोई बॉन्ड हमारा कोवेलेंट है अगर आपके पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसके अंदर कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होते हैं ठीक है ठीके? किसी कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं और अगर आपके पास एक आयनिक बॉन्ड है तो उसके अंदर कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं यानी कि नन ऑफ द बॉन्ड इज 100% आयनिक इवन इफ यू हैव एन आयनिक बॉन्ड उसके अंदर कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा इवन इफ यू हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड उसके अंदर कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का होगा फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो मान लो मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया जैसे NaCl अब देखने में दुनिया को लगता है कि मैम सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया Na पॉजिटिव बनाएगा Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके वाला गेन करके Cl माइनस बनाएगा और 100 परसेंट आयनिक का क्या मतलब है 100 परसेंट आयनिक का मतलब है Na पॉजिटिव अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर बैठा है है ना और Cl माइनस अपनी स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर बैठा है अगर मैं किसी बॉन्ड को 100 परसेंट आयनिक करार करती हूं इसका मतलब है हमारी जो स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एकदम स्टैटिक रहेगी मतलब एकदम गोल-गोल मतलब इसको कहते हैं हंड्रेड परसेंट आईनी कैरेक्टर जो कि नहीं होता ठीक है जो कि बिल्कुल भी नहीं होता अगर आप एन ए सी एल में भी देखोगे ना तो बच्चे ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हंड्रेड परसेंट स्फेरिकल ना होकर के थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है। कभी भी अगर आपका 100 जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक दिशा में आ गई है ना एक डायरेक्शनल नेचर उसने ले लिया तो वहां पर हम बोलते हैं कि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा क्या ये बात ये सबको अच्छे से थोड़ी सी चीज क्लियर आई ये थोड़ी सी चीज क्लियर हुई ठीक है क्या ये क्या ये चीज थोड़ी सी क्लियर हुई सबको अब एक बात बताओ मान लो मेरे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है सपोज करो मेरे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है जैसे एच तो ये होना तो कोवलेंट बॉन्ड चाहिए होना क्या चाहिए कोवलेंट बॉन्ड कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बीच में इक्वली शेयर्ड होने चाहिए मगर आपने खुद अभी अभी थोड़ी देर पहले जब डाइपोल मोमेंट सीखा था तो आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का जो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्लोरीन अपनी टूवर्ड्स खींचता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है और क्लोरीन पे क्या आ जाता है डेल्टा नेगेटिव सच्ची बात है ना तो किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कि किस कंपाउंड में कितना कैरेक्टर है हमें डाइपोल की हेल्प से पता चलता है। यही तो कि जिसके अंदर चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा वहां पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा जैसे हाइड्रोजन एच टू है ये भी देखने को होना चाहिए हंड्रेड परसेंट कोवलेंट बट ये हंड्रेड परसेंट कोवलेंट नहीं होता फिर भी ये ज्यादा कोवेलेंट है कंपेयर टू एच एफ एच एफ में तो देखो ना सारा 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 का सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रखने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर परसेंटेज कम है ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट के बेसिस पे मुझे पता चला कि जिसके अंदर चार्ज सेपरेशन ज्यादा उस कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा ठीक है अब क्वेश्चन है कि मैम आपने ये तो समझा दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर हमें फील भी आ गई कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर का मतलब है चार्ज सेपरेशन और जैसे ये चार्ज सेपरेशन हो गया मतलब हम समझ जाएंगे कि आयनिक कैरेक्टर आ गया मैम उल्टे का क्या मतलब है कहने का मतलब मैम एक बात बताओ अगर मेरे पास एन है या मेरे पास कोई भी एक आयनिक कंपाउंड है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कितने हैं? तो बच्चे मैं डाइपोल मोमेंट या कोई नया तुम्हें फैक्टर समझा दू मैथमेटिकली इसको हम मैथमेटिकली नहीं स्टडी कर सकते बट इसको हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू स्टडी करते हैं जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पोलराइजेशन ओ एल आई एन

छोड़ नहीं सकते बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है यू कैन नॉट लीव इट बट हाँ दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो ठीक है एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन पोलराइज करने का मतलब होता है पोलराइज for... करने का मतलब जैसे तुम समझ रहे हो अपनी तरह बनाना जैसे फॉर एग्जांपल मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है मेरी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है ठीक है अब मान लो अगर तुम तुम्हें मतलब मान लो मैं ऐसे तुम मेरे घर में रहने आ रहे हो ठीक है और तुम्हारी केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है बट तुम मुझे रोज देखते हो कि मैं पढ़ाती हूँ रोज मैं तुम्हें पकाऊंगी पढ़ा के पढ़ा 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 के तो डोंट यू थिंक कि धीरे 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 मेरे केमिस्ट्री के जो कैरेक्टर्स थे वो तुम्हारे अंदर जाएंगे मतलब मैंने तुम्हें अपने टुवर्ड्स पोलराइज कर लिया क्या ये बात सबको समझ आ रही है ये बात समझ वो कहते हैं ना वो जैसे एक फ्रूट सड़ जाता है और बाकी के मतलब उस बास्केट में सारे फ्रूट सही होते हैं तो धीरे धीरे वो सारे फ्रूट खराब हो जाते हैं या तुम्हारे ग्रुप में अगर एक कोई थोड़ा इंसान है बाकी सब सुधरे हुए हैं तो जनरली वो जो इंसान होता है वो सबको बिगाड़ देता है है ना अपने जैसा बनाना अपने टू खींचने को क्या कहते हैं पोलराइजेशन ये ये बात समझ आई अब मैम ये मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन कैसे होती है हाँ संगत का असर वही मैं सोच रही थी कौन सा वर्ड है संगत का असर देखो क्या हुआ बच्चे मान लो एन बना एक एन प्लस बना और सी माइनस बना ठीक है एन प्लस बना और सी माइनस बना अब होता क्या है जब एन आपस में एक दूसरे के पास आ रहे थे सो so दैट इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड बन जाए आयनिक बॉन्ड बनने का मतलब था एन ऐसा दिखेगा

वापस मेरी बात पे गौर फरमाना जो कैटायन था उस कैटायन के न्यूक्लियस ने एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने टुवर्ड्स खींचना शुरू कर दिया और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले स्फेरिकली सिमेट्रिकल हुआ करता था अब उसकी स्फेरिकल सिमेट्री थोड़ी सी टेढ़ी मेढी हो जाएगी यानी कि इस Na+ ने Cl- को पोलराइज कर दिया अपने खींच दिया, क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई ठीक है होना क्या चाहिए था ये होना चाहिए था बट जब ये खींच लेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे हो थोड़ी ऐसे अजीबो गरीब हो जाएगी इसके टुवर्ड्स आ जाएगी और यही तो होता है यही तो था कोवलेंट कैरेक्टर सबसे पहला ही तो यही होता है अगर किसी चीज में डायरेक्शनल कैरेक्टर आ गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाती है तो यही तो बोलते हैं कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है है ये 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 क्या बात सबको अच्छे से समझ आई दिस इज क्लियर ठीक अब ये थोड़ा सा समझ आ गया कि मैम ठीक है स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन सिमेट्री को डिस्टॉर्ट करके जो भी टेढ़ी मेढी आपने इलेक्ट्रॉनिक बनाई अरेंजमेंट ठीक है मैम उसको आपने पोलराइजेशन कह दिया ठीक है अब मैम एक बात बताओ हमें कैसे पता चलेगा कि एन ज़्यादा आयनिक एल है या LiCl है सी एल है मैं, मैं कंपेयर कैसे करूं क्योंकि आप मुझे ये तो बता ही नहीं रहे हो कि डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट में तो आपने निकालना सिखाया था ना Q इन टू डी अगर Q ज्यादा है है ना तो और अगर Q ज्यादा है, है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा ये मैंने आपको सिखा दिया बट मैम इसमें तो आपने कुछ नहीं सिखाया तो अब ये कैसे पता चलेगा कि किस कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है इसके लिए हमारे पास एक बाबा जी आए जिनका नाम था फजान बाबा और उन फजान बाबा ने अपने कुछ रूल्स दिए जिसका नाम है फजान्स रूल पहले तो मैंने आपको पूरा टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि जिस दिन एडवांस में क्वेश्चन आता है तो वो मतलब कहीं से भी कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है इसीलिए मैंने तुम्हें पूरा लॉजिक सिखाया समझ आया कि पोलराइजेशन होगी या पोलराइजेशन नहीं होगी अगर होगी तो कितनी होगी ये कौन डिसाइड करेगा ये डिसाइड करेंगे हमारे फजान बाबा ठीक है एक बाबा जी हैं जिनका नाम है फजान बाबा इन्होंने कुछ रूल्स दिए थे जिनको हम फजान्स रूल के नाम से जानते हैं ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना सबसे पहले फजान ने कहा कि कौन इन्वॉल्व है कैटायन और एनायन कहते इधर आओ सबसे पहले कैटायन को इन्होंने बुलाया कहते बेटा केटाइन तुम्हारा क्या काम है कैटाइन ने कहा कि बाबा जी मेरा न्यूक्लियस जो है है ना जो हमारा मेरा न्यूक्लियस है केटाइन का मैं एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने टुवर्ड्स खींचना चाहता हूँ तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो पहली बात है तुम्हें अगर अट्रैक्शन करनी है इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है तो तुम्हारे ऊपर जो चार्ज है वो ज्यादा होना चाहिए भाई चार्ज ज्यादा होगा केटाइन पे तभी तो वो अट्रैक्ट करेगा सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को समझ रहे हो और कहते देखो अगर तुमने इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो बच्चे तेरा साइज जो है वो छोटा होना चाहिए द साइज शुड बी स्मॉल तभी तो तुम सामने वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने हुआ हेलो 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 अभी आ रही है मतलब सैड हो गया यार आज के बाद मैं फजान बाबा को फजान बाबा नहीं बुलाऊंगी मैं चुपचाप फजान सर बुला लूंगी देखो बुरा मान गए सर है ना मैम की क्लास मैं खुद धर्मेश बच्चे मैं खुद परेशान हूं और मैं खुद इसका लॉजिक निकालने की कोशिश कर रही हूँ अब एक चीज जो मेरे दिमाग में आई है जब निशान सर स्टूडियो से क्लास लेते हैं तो मेरे ख्याल से सर केवल इधर और इधर ही चलते हैं है ना अब मेरे जैसा कोई इंसान हो जिसको ज्यादा चलने की आदत हो मैं वहां तक पहुंच जाती हूँ अब वहां तक जाती हूँ कुछ ना कुछ तार वार हिलती है फॉर श्योर जिसकी वजह से ये जो मेरा ब्लैक मैजिक का डब्बा है खराब हो जाता है फिर मुझे बंद करके वापस रीस्टार्ट करना पड़ता है तब जाके ठीक होता है अब या तो मैं सर से पूछती हूँ कि सर क्या मतलब नहीं लैपटॉप से कुछ कनेक्शन नहीं है सब कुछ सेटअप सेम है बस एक ही दिक्कत है कि मैं थोड़ा चलती फिरती ज्यादा उस स्टूडियो में देखो मैं एक जगह पे नहीं खड़ी हो सकती काफी देर तक मैं बोर हो जाती हूँ ये पॉसिबिलिटी है बाकी तो देखो अब सेम ही पढ़ा रही हूँ मतलब स्लाइड वही है लैपटॉप वही है सब कुछ सेम है क्या पता आ, और फजान बाबा भी नहीं बोलना चाहिए हमारी क्लास में हम ऐसे टीना मीना बोल देते हैं फजान बाबा बोल देते हैं क्या पता मतलब गुस्सा हो जाते हो हो सकता है ये कुछ पावर्स होती हो चलिए सामने देखिए ठीक है तो क्या बात हुई बात ये हुई कि कहां पे थे हम पोलराइजेशन हाँ बात ये हुई कि फजान ने कहा कि बेटा कैटायन अगर तुमने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करना है तो दो तीन चीजें देखो बेटा केटायन तुम्हें याद रखनी है पहली बात तुम्हारे ऊपर चार्ज ज्यादा होना चाहिए दूसरी बात तुम्हारा साइज छोटा होना चाहिए सो दैट तुम सामने वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर लो और उन्होंने कहा कि जा बेटा जब तू किसी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑपरेट खींचेगा तो तेरे को जो मैंने पावर दी है इसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर क्या कहते हैं पोलराइजिंग पावर पोलराइजिंग पावर जिसको हम पीपी -पी के नाम से जानते हैं पोलराइजिंग हमारे यहाँ पे एक पीपी -पी फूल वाला है बड़ा फेमस है यह है पोलराइजिंग पावर पोलराइजिंग पावर का मतलब कैटायन की पावर टू पोलराइज द एनायन इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर क्या ये बात सबको समझ आई फिर फजान बाबा ने कहा कि चलो बेटा एनायन को बुलाकर आओ मेरी एक टीचर थी पता है उन्होंने ना मैंने आईआईटी रुड़की में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो कुछ कोर्सेज होते हैं जो आपको लेने होते हैं मैंने ले लिया कोर्स जिसका नाम था लिंग्विस्टिक मुझे इंग्लिश पढ़ने का बड़ा शौक था तुम्हें पता ही है तो हमारी टीचर ने मेरे से पूछा तो कोई ऐसे बात हो रही थी तो कहती कि ना देखो बच्चों एक एटम में देयर इज ऑलवेज अ एंड एन तो जब भी मैं लिखती हूँ ना मेरे को अपनी वो मैम की याद आती ही आती है मतलब हमेशा तो वो मैम बोलती थी कि एक एनायन होता है एक एह आयन होता, होता है तो जब फजान बाबा ने एनायन को बुलाया और बोला एनायन कहता कि देखो फजान बाबा कैटाइन अपने इलेक्ट्रॉन्स है ना मतलब अपना जो कैटाइन का न्यूक्लियस है वो मेरे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है एंड आई एम ओके एनायन पता क्या कहता है कहते ठीक है यार मतलब ठीक है होना है मुझे पोलराइज अगर मैं पोलराइज होना चाहता हूँ तो मेरे अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए

और एनायन की एबिलिटी टू अंडरगो पोलराइजेशन इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी पी ओ एल ए आर आई जेड ए बी आई एल आई टी वाई ठीक है द एबिलिटी ऑफ एनायन टू अंडरगो पोलराइजेशन इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई है दिस इज क्लियर अगर कल को मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा अब देखो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से हजारों करोड़ों क्वेश्चन बना सकते हो मैम इनमें सबसे ज्यादा आयनिक कॉन या कोवेलेंट कॉन तो देखो या तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक पर्टिकुलर पीरियड में या क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऐसे रैंडमली कोई भी कंपाउंड देके आपसे नहीं पूछा जाएगा ये बात सबको समझ आई या तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक पर्टिकुलर पीरियड में या क्वेश्चन पूछे जाएंगे पर्टिकुलर ग्रुप में जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ मुझे बताओ फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड इन सब में से मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी किसकी Z A B I L I D Y इन सब में से मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी कौन सबसे जल्दी पोलराइज होना चाहेगा फजान बाबा नहीं फजान सर कहो अब ठीक है यार एक ही बात है घर की बात है जल्दी से बताओ इनमें से मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी किसकी मेरे दिमाग में आया मैंने कहा ये सारे ग्रुप नंबर 17 के हैं ऊपर से नीचे जाते हो सब पे नेगेटिव 1 साइन है मगर ऊपर से नीचे जाते हुए साइज बढ़ता है

अगला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ मान लो मेरे पास है बच्चे नाइट्रोजन पे थ्री माइनस ऑक्सीजन पे टू माइनस और एफ पे माइनस मुझे वही क्वेश्चन करके बताओ मिनिमम पोलराइजेबिलिटी किसकी मिनिमम ओ एल आई एल आई टी वाई मिनिमम पोलराइजेबिलिटी किसकी सोच के बताना मिनिमम पोलराइजेबिलिटी मैंने सोचा यार ये एक ही पीरियड क्या

बोलना चाहती हूँ ये याद रख लो सो दैट आपका काम जो है ना वो अच्छे से हो जाए मतलब दिस यू नीड टू रिमेंबर सो दैट आपके काफी सारे जो क्वेश्चन हैं ये आराम से बन जाए ठीक है सुनना हाँ सुनना इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी कैटायन की किसी भी कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस कैटायन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से याद रख लो किसी भी कैटायन की पोलराइजिंग पावर कि कौन सा कैटायन कितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस कैटायन के, के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है क्योंकि अगर उस कैटायन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स को बड़े अच्छे से अट्रैक्ट करेगा यानी कि उसकी पोलराइज पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी ज्यादा ये बात सबको अच्छे से समझ आई दिस इज क्लियर टू एवरी कल को मैं आपसे पूछू मेरे पास है एनए प्लस ठीक है मेरे पास है एम टू प्लस मेरे पास है ए एल थ्री प्लस मुझे बताइए इन सब में से पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम किसकी आउट ऑफ दीस थ्री विच हैज द मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी आएगी सोच के बताना जल्दी से बताइए <coughs> जल्दी से इन सब में से मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर किसकी आएगी टाइम पास मत करो चार्ट्स में लिटरली बच्चे टाइम पास कर रहे हैं मत टाइम पास मारो तो मैंने कहा यार एक पीरियड है एक पीरियड में क्या देखते हैं साइज तो लगभग सेम तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो जिसके पास चार्ज ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा समझ रहे हो मान लो मेरे पास एक और क्वेश्चन है मेरे पास मैंगनीज +2 में है मैंगनीज +7 में है अब मैं पूछ रही हूं लो पोलराइजिंग पावर किसकी विच आउट ऑफ द टू हैव लो पोलराइजिंग पावर लो पोलराइजिंग पावर किसकी सोच के बताओ लो पोलराइजिंग आगे आंसर एक एम एन प्लस टू एक एम एन प्लस सेवन दोनों सेम है तो जिसका चार्ज कम है उसकी पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी दिस इज क्लियर डन है अब मेरी बात सुनो अगर किसी के अंदर लिख लो ये बात फैक्ट के तौर पर लिख लो अगर आपको कोविलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना है द कोविलेंट कैरेक्टर इन एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन अगर उस मॉलिक्यूल की पोलराइजेशन ज्यादा है तो उस मॉलिक्यूल में कोविलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे और अगर मैं किसी कैरेक्टर किसी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर की बात करती हूँ तो यू कैन से इट विल बी प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पोलराइजेशन अगर ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर कम और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा ये दोनों पॉइंट्स को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन ज्यादा होने का मतलब है उस मॉलिक्यूल के अंदर उस मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएंगे ज्यादा क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई को, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा का मतलब आई मीन पोलराइजेशन ज्यादा का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा एक क्वेश्चन पूछती हूँ क्वेश्चन ये है आपके पास एक कंपाउंड है पीबीसीएल टू और एक कंपाउंड है पीबीसीएल फोर आपको मैं बताना चाहती हूँ दोनों आयनिक कंपाउंड है बताइए इसमें से मोर कोवलेंट कैरेक्टर मोर कोवेंट कैरेक्टर किसमें विच आउट ऑफ द टू हैज मोर कोवलेंट कैरेक्टर सोच समझ के आंसर दीजिएगा ज्यादा कैरेक्टर किसमें है विच आउट ऑफ द टू हैव मोर कोवलेंट कैरेक्टर मैम मेरा नेट नहीं चल रहा अब अच्छा डेटा वेटा खत्म हो गया बस थोड़ी देर और पढ़ लो रट्टा मारने नहीं आए इधर बच्चे कोई बात नहीं आदित्य कोई बात नहीं बच्चे मैं रट्टा सुबह से लेके बारह बजे से लेके आठ बज में, में कोई बात नहीं बच्चे, बच्चे तो क्लास में समझ रहे हो मत बच्चे मत क्लास में किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा पीबीसीएल फोर कैसे ध्यान से देखो दोनों आयनिक है सीएल दोनों में सेम है इसपे चार जे प्लस टू इस पे चार जे प्लस फोर जिस पे चार्ज ज्यादा अगर होगा डन तो मतलब हो अब मैं एक बात बताती हूँ और बड़ी 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 तसल्ली और प्यारी बात है एक बार अगर आप क्वेश्चन करना चाहो तो पहले क्वेश्चन कर लो फिर मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स एक सेकेंड बच्चे जस्ट वन सेकेंड

और मेरे ख्याल से जब जेई में क्वेश्चन आया था तो उन्होंने एनओ NO नहीं दिया था एक बार चेक कर लेना प्लीज जब जेई में सवाल था तो शायद एनओ NO नहीं दिया था एक बार आप इसको प्लीज चेक कर लेना बुक में जिसमें से क्वेश्चन मैंने अरिहंत में से क्वेश्चन लिया इसमें एनओ NO दे रखा था तो मेरे ख्याल से पेपर में नहीं था पेपर में यही चार आए थे होमोडायाटोमिक मॉलिक्यूल तो देखो बी में जब इलेक्ट्रॉन निकाला वो वन से जीरो पॉइंट फाइव में गया तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया बॉन्ड कम कम स्ट्रॉन्ग हो गया

अगर एनओ दिया होता तो आंसर ए और सी होता ठीक है ठीक है हाँ ये ये उस टाइम पे छूट गया था मैंने कहा था विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन और हम कम बैक नहीं कर पाए चलो अब मैं मार्क कर देती हूं सत्रहवा हो गया डिस्कस कर लिया चलिए एक क्वेश्चन नंबर आप डिस्कस करेंगे सिक्स ओके टाइम लीजिए टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन जेई दो का सवाल है दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे आप समय लीजिए और प्लीज आंसर दीजिए टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन

तो सी ए आई की पोलराइजेशन सबसे ज्यादा यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा डी सी बी ए बी विल बी द करेक्ट आंसर लियो क्या दिक्कत था सिंपल सवाल आसान सवाल जेई मेन 2022 में पूछा गया सवाल कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया है हमारा इसके बाद भाई साहब सारे क्वेश्चन करा देंगे सत्ताईसवां क्वेश्चन एक बार कर लीजिए लेट्स डू ट्वेंटी क्वेश्चन वंस अगेन

Okay. बच्चे पे CL, CL, CL सब में सेम है तो जिसका केटाइन छोटा उसका कोवेल कैरेक्टर सबसे ज्यादा तो एल आई सी एल का कोवेलन कैरेक्टर सबसे ज्यादा तो आंसर आना चाहिए ए बी सी डी आंसर आना चाहिए ए बी सी डी सी इज द करेक्ट आंसर अब खुश हो आप खुश हो फ रूल से रिलेटेड ले जो भी क्वेश्चन आएंगे कोवल कैरेक्टर से कर लोगे पूरे के पूरे अब मेरे पास उनतीस क्वेश्चन थे आज की क्लास में जिसमें से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन रह गया है और एक पैरा और डाया भी मैंने कर लिया है एक एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल ऑक्साइड एसिडिक बेसिक न्यूट्रल ऑक्साइड तो मैंने मेरे ख्याल से हमने लास्ट क्लास में कर लिया था याद आ रहा है एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल ऑक्साइड तो मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था कर लो चलो ये भी जिनको नहीं आता एसिडिक बेसिक न्यूट्रल ऑक्साइड लास्ट क्लास ये कराया था कर लो एक बार ये कर लो प्लीज बस एक टॉपिक रह गया मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले मैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा देती हूँ आई विल फर्स्ट टीच यू दिस टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके बाद देखते हैं वो कौन सा बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग या तो ग्रुप नंबर थर्टीन फोर्टीन में कराऊंगी जहां पर बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग होती है चलो बता दो ये करके बता दो क्या पूछा है द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इस गिवन लिस्ट में से एसिडिक ऑक्साइड कितने हैं? करना NO मुझे अच्छे से याद है ये न्यूट्रल होता है मैंने सिखाया था हस नो मरो एन टू ओ भी आप सबको याद होना चाहिए ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है सही बात है एनओ NO भी न्यूट्रल है एन टू ओ भी न्यूट्रल है आगे देखो बी टू ओ थ्री नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है बिल्कुल सच्ची बात है एन टू ओ फाइव नॉन मेटल का ऑक्साइड बिल्कुल एसिडिक होता है बिल्कुल सच्ची बात है कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन न्यूट्रल होता है आप जानते हैं इसको याद रखने का तरीका सिखाया था हस नो no, मरो अगर हसोगे नहीं तो मर जाओगे हंसना मतलब एन टू ओ लाफिंग गैस नो मतलब एनओ no, मरो मतलब सीओ नो मरो सल्फर ट्राई को पानी में डालने से एसिड बनता है एसिडिक है फॉर ओड एंड नॉन मेटल के सारे के सारे ऑक्साइड क्या है देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो आपका ब्रिज बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग का जो uh, सवाल है वो केमिकल बॉन्डिंग के पीवाई क्यूज में नहीं मिलेंगे हद हद वो मिलेंगे तो ग्रुप नंबर थर्टीन में मिलते हैं जहां पर हम वो बी टू एच सिक्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बनाना बॉन्डिंग है ना या फिर ए एल सी एच थ्री होल थ्राइस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ए एल एच थ्री का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये बेसिकली उन्हीं चैप्टर्स में आपको मिलेंगे आज के सेशन में ब्रिज बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन भी नहीं है बट मैंने सोचा था कि मैं थियरी करा दूंगी बट अभी बहुत टाइम हो चुका है तो देखते हैं बट अभी मैं पहले हाइड्रोजन बॉन्ड पे फोकस करती हूँ बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड तो एनी हाउ मुझे केमिकल बॉन्डिंग में ही कराना है ठीक है चलिए तो आज का देखते हैं लास्ट टॉपिक टॉपिक एक बार का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना जरा एक लास्ट टॉपिक सिखाती हूँ ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है इसको डिटेल में करते हैं बाकी तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में वैसे और पढ़ते जाएंगे कुछ कुछ अगर टॉपिक्स बचे भी होंगे लिखिए टॉपिक का नाम लिखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्वेश्चन आई मीन पॉइंट नंबर वन कि मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नक्श को बुलाओ आज चलो क्लास के लास्ट में बुला लूंगी ठीक है क्लास के लास्ट में बुला लूंगी अभी तो नहीं अभी तो पढ़ लो पहले चैप्टर पढ़ लो पूरा कर लो फिर वो आएगा तो तुम्हें क्या लगता है फिर वो मुझे मतलब पढ़ाने देगा और तुम्हें पढ़ने देगा हो ना पाएगा हाँ लास्ट में बुला लेंगे ठीक है सुनो बच्चे मान हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है इस चीज को ध्यान से समझिएगा मेरे पास एक एटम है ए उसने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रखा है इस ए और हाइड्रोजन के बीच में सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए कंडीशन नंबर वन क्या ये सबको अच्छे से समझ आ गया जो ए है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत तगड़ी होनी चाहिए ए शुड बी वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक है जब ए हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ए के ऊपर खूब सारा डेल्टा माइनस आएगा और एच के ऊपर खूब सारा डेल्टा पॉजिटिव आएगा मैंने क्यों बोला ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए सो so दैट वो अपने टुवर्ड्स इतने इलेक्ट्रॉन खींच ले कि हाइड्रोजन के ऊपर खूब सारा डेल्टा पॉजिटिव आ जाए अब जब इस हाइड्रोजन के ऊपर खूब सारा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा अब एक कोई और एटम मान लो ये एटम मैंने लिख दिया ए डैश इट कैन बी एनी अदर एटम ठीक है अब इस एटम के पास होने क्या चाहिए लोन पेयर एटम के पास क्या होने चाहिए ठीक है अब ध्यान से देखना अब ये जो एटम है ए ए डैश ये इस एच पॉजिटिव को अपने लोन पेयर से अट्रैक्ट करेगा ये जो एटम है एच डेल्टा पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा अपने लोन से तो क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई अब इसकी कुछ कुछ मैं कंडीशन बनाती हूँ कुछ कुछ मैं कंडीशन बताती हूँ सबसे पहली कंडीशन ये है कि वेरी वेरी हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए कम से कम तीन या तीन से ज्यादा होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीन हो या तीन से ज्यादा होनी चाहिए अब आपको बचपन में तीन एलिमेंट सिखाए गए थे फोन एफ ओ एन यही सीखा था ना फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अभी कल परसों मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पॉलिंग स्केल कराया था तो मैंने कहा था क्लोरीन भी काफी तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है है ना बट फिर भी हम क्लोरीन को यहाँ पर कंसीडर नहीं करते बिकॉज क्लोरीन का हाई साइज या आप लिख सकते हैं मोर साइज होता है मुझे ज्यादा साइज भी नहीं चाहिए मुझे चाहिए एटम छोटा होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए तो फ्लोरीन आता है इस कंपटीशन में ऑक्सीजन आता है नाइट्रोजन आता है एक ऐसा कार्बन जो एसपी हाइब्रिडाइज्ड हो एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्योंकि एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में 50% परसेंट एस कैरेक्टर होते हैं तो दिखने में तो कार्बन है बट बिहेव करता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तरह तो क्या मैंने बोला sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या मुझे एक ऐसा कार्बन चाहिए जो तीन फ्लोरीन से जुड़ा हो इसके ऊपर तीन फ्लोरिन हो तो दिखने में तो कार्बन है दिखने में तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है मगर इसके साथ तीन फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट वाले एटम्स जो हैं लगे हुए हैं तो ये highly, मतलब बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह बिहेव करता है सिमिलरली क्लोरीन डायरेक्ट ना जुड़ा हो मगर क्लोरीन क्लोरीन तीन तीन क्लोरीन एक कार्बन पे जुड़े हो तो ये तीन क्लोरीन इस कार्बन का जीना हराम कर दे इसके इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे कि ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनने का मतलब है अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा होगी ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा तो मैं कह रही हूं कि कौन कौन से एटम हो सकते हैं जिससे ए ने ये बॉन्ड बना रखा हो या तो वो एट मतलब जिससे हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा हो या तो वो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो क्लोरीन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है एचपी हाइड्रोडाइज कार्बन चलेगा क्योंकि वो कार्बन परसेंटेज एस कैरेक्टर फिफ्टी होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के ऊपर तीन खून चूसने वाले आप एटम्स लगा दीजिए यानी कि कार्बन के ऊपर आप तीन फ्लोरीन लगा दो या तीन क्लोरीन लगा दो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो कर सकते हैं ठीक है थीके? इतनी बात सबको अच्छे से समझ आई पहले तो मुझे ये बताओ इतना क्लियर है तो आगे बढ़े अबाउट ए डैश इतना इतना सबको समझ आ गया दिस इज क्लियर टू एवरी वन यहां ठीक है अब मैं जरा इस ए डैश के बारे में डिटेल बताती हूं कि भैया जिससे हाइड्रोजन मतलब जिस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आ चुका है अब वो सामने वाले ए डैश से ए डैश एटम से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा अब ये जो ए डैश एटम है सबसे पहली बात तो ये ये एक अच्छा यू नो इट शुड बी अ गुड लूइज बेस ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहेगा भाई एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन खींचने हैं तो ये ऐसा होना चाहिए ना जो इलेक्ट्रॉन दे सके तो ये कौन कौन हो सकता है मतलब किसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है यहां पर हमारा फ्लोरीन भी आ सकता है क्योंकि उसके पास लोन पेर है ऑक्सीजन भी आ सकता है क्योंकि उसके पास लोन पैर है नाइट्रोजन भी आ सकता है एंड एट द सेम टाइम क्लोरीन भी आ सकता है क्योंकि उसके पास लोन पेर है इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए कोई ऐसा चाहिए जो अपना इलेक्ट्रॉन दे सके क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई यहां पर क्लोरीन एक्सेप्टेबल है बट यहां पर क्लोरीन एक्सेप्टेबल नहीं है ये समझ आ गया ये जो ए डैश है इसके ऊपर पोलैरिटी होनी चाहिए ये अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूं पहले लिख लो इस ए डैश के ऊपर पोलैरिटी होनी चाहिए तभी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे पाएगा अब एग्जाम्पल देखिए ये सुपर इंपॉर्टेंट स्लाइड आज की वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर टुडे इसको ध्यान से समझिएगा मान लो मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक एच है और मेरे पास एक एच है क्या एच के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या एच के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी तो मैंने कहा एक काम करते हैं देखना हाइड्रोजन किसी अरे 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 हाइड्रोजन तो बड़े क्लोरीन के साथ जुड़ा है आई एम सो सॉरी दे बी एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या ही सही बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी अगर मैं पूछू यहां पर एच है और यहां पर एच है क्या यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हुई नजर आ रही है एच एफ और एच सी एल दोनों पास पास हैं क्या आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है मैंने कहा हाइड्रोजन ओ भाई साहब फ्लोरीन से जुड़ा है बहुत बढ़िया ओ भाई सामने कौन है पोलर देखो सी एल डेल्टा माइनस एच पे डेल्टा, डेल्टा पॉजिटिव और इसके पास लोन पेयर भी है आराम से लेगा ये यस यहां पर मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हुई नजर आ रही है डन पहले वाले में नहीं होगी दूसरे वाले में होगी अगला क्वेश्चन आप करेंगे मेरे पास एच एफ है और मैंने HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराई विद ऑक्सीजन क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हुई नजर आ रही है या नहीं होती नजर आ रही सोच समझ के आंसर देंगे और yes नो no. क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हुई नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही सोच समझ के करिएगा यस yes, नो no. देखना ओ भाई हाइड्रोजन फ्लोरीन से कनेक्टेड है एक कंडीशन तो हो गई शुक्र है

एक दो आपको क्वेश्चन कराती हूं आपका जो लॉजिक है बिल्कुल मस्त हो जाएगा ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे क्वेश्चन नंबर वन आपके पेपर में पूछा जा सकता है आपको मुझे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेयर करके बताना है यू हैव टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कंपेयर करना है कल को मेरे से उसने क्वेश्चन पूछा एक एच एफ और एच एफ के बीच में आहा, 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 उल्टा लिख दो कल को उसने मेरे से पूछा और यहां क्या यहां पर क्या आ जाएगा फिर उल्टा लिख दिया मैंने ऐसे लिखूंगे ना पहले मैं यहां पर लगाओ आप फ्लोरीन और यहां लगाओ हाइड्रोजन यहां लगाओ फ्लोरीन और यहां लगाओ हाइड्रोजन ठीक है एच एफ और एच एफ के बीच में कल को उसने मेरे से पूछा पानी और पानी के बीच में कल को इसने मेरे से पूछा अमोनिया और अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में स्ट्रॉन्ग है मैम बताओ ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है ना कल को कोई ये पूछे कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में सबसे बढ़िया है तो अब मैं कंफ्यूज होगी है ना मैं कन्फ्यूज होगी कि मैम अब ऐसे क्वेश्चन मैं कैसे समझ पाऊंगी मान लो ये क्वेश्चन उसने दे दिया मान लो उसने मेरे को ये क्वेश्चन दे दिया दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन उसने ये कह दिया एच एफ और एच एफ दूसरा उसने कह दिया एच एफ और पानी तीसरा कह दिया एच एफ अमोनिया इनके बीच में पता करके बताओ किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो यार मैं तो मतलब लिटरली कंफ्यूज कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटरमिन uh, करने में काम आएंगे है ना मतलब मुझे ये नई क्लैरिटी है तो अब मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कंपेयर करने है मैं तीन केसेस ले रही हूं या चार केसेस ले रही हूं बच्चे प्रॉपर मेन एडवांस लेवल की चीज है दस पंद्रह मिनट और लगेंगे बट आई रियली वॉन्ट कि आप एक बार इस चीज को समझ लो हर प्रकार का जो आगे ब्लॉक केमिस्ट्री के, के क्वेश्चन है ना वो आप कर पाओगे ठीक है देखो जरा मान लो मैंने एक ले लिया जिसके साथ बॉन्ड लगा हुआ है जैसे ये हाइड्रोजन ने अच्छा तीन केसेस बना रही हूँ ना मैं मैंने तीन केसेस बनाए यहाँ पर लिख लो केस नंबर वन समझ समझ के करेंगे घबराना नहीं है रटना भी नहीं है समझ समझ के करेंगे यहाँ पर एक एटम है जो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए बैठा है और यहाँ पर एक एटम ए से कनेक्टेड है यहाँ पर हाइड्रोजन इस मतलब इसके साथ बॉन्ड बनाए बैठा है यहाँ पर भी ये ए से कनेक्टेड है यहाँ पर जो एटम है वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और यहां पर भी ए है ठीक है कहने का तात्पर्य कहने का तात्पर्य यह है 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 कि जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, वो तो सेम है ना देखना ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है हाइड्रोजन को तो ये डोनर तो सेम है डोनर सेम है मगर चेंज कौन हो रहा है ये ये वाला एक वाइट कलर का है एक येलो कलर का है है ना जिसने हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है वो चेंज हो रहा है क्या ये बात पहले पहचान करना सीखो देने वाला सेम है देने वाला सेम है मगर जिसने हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है वो अगर अलग अलग है तो अब मैं क्या देखूंगी क्या मैं ये देख लू कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस क्रिएट करेगा ये ज्यादा डेल्टा प्लस क्रिएट करेगा ये और ज्यादा डेल्टा प्लस क्रिएट करेगा तो क्या मैं बात करूं अगर ऐसा केस आया देन यू नीड टू टू डिसाइड अकॉर्डिंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ दिस एटम कि अगर उस एटम की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा तो मैं बोल दूंगी हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा क्या ये हरे वाला पार्ट सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो अगर मैंने ये डिफरेंट करे, मगर देने वाला सेम रखा, तो मैं क्या सोचूंगी? जिसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो मेरे हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा आनी चाहिए क्या ये बात अच्छे से क्लियर है ये बात अच्छे से क्लियर है केस नंबर टू देखिए बच्चे केस नंबर टू दो तीन केसेस कराऊंगी सब कुछ इसी में सॉर्ट हो जाएगा मेरे पास ए एटम जिसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है ए एटम जिसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है ए एटम जिसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है ठीक है हाइड्रोजन को देने वाला पहले है येलो दूसरी बार हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने वाला अब है ग्रीन और तीसरी बार हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने वाला अब है ब्लू आप मुझे बताओ तीनों केसेस में ये देने वाला अलग है ना ये देने वाले देने वाले पे सब कुछ डिपेंड करता है क्या ये सही बात है जो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या ये बात सबको समझ आ रही है मतलब जो मोर लुइस बेसिक होगा ल्यूस बेस ल्यूस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिसका ल्यूज बेसिक कैरेक्टर ज्यादा जिसका ल्यूइ बेसिक कैरेक्टर ज्यादा वो एक अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या ये बात सही है जिसका लूइज बेसिक कैरेक्टर ज्यादा वो एक अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई डन अब मेरी बात सुनो ठीक है अब मेरी बात सुनो अब बात ये है कि एक और केस हम बनाते हैं केस नंबर थ्री जहां कुछ भी समझना आए केस नंबर थ्री कुछ भी समझ ना आए ये एटम ए जो एच के साथ जुड़ा हुआ है मतलब थोड़ा सा और डिफरेंट ले लेती हूँ मैं इसको हटाओ देखो यहाँ पर एक वाइट कलर का एटम है और यहाँ पर डोनर एटम भी वाइट है ठीक है नेक्स्ट केस यहाँ येलो कलर के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया और डोनर एटम भी येलो है मतलब सब कुछ ही डिफरेंट है यहाँ ग्रीन कलर का डोनर मतलब जिसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और डोनर एटम भी हाइड्रोजन है अब मैं कैसे कंपेयर करूँ यार

सिर का ताज जाएगा जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तीन केसेस अगर आप अपने दिमाग में रख सकते हो ठीक है ये तीन अगर आप अपने दिमाग में रख सकते हो तो आई एम श्योर आपका हर प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा ये मैंने मल्टी कलर डिस्प्ले बनाया क्योंकि मैं रटवाना नहीं चाहती आई डू नॉट वॉन्ट यू ऑल टू मग अप मैं बस ये चाहती हूं कि आप खुद से खुद से सोचो ये सेम है ये सेम है तो जब जो बॉन्ड बनाया पड़ा है वो उसकी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एच पर ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा ज्यादा केस नंबर ये ये सेम है डोनर एटम चेंज हो गया तो जो अच्छे से डोनेट कर सकेगा वो अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा अरे भैया ये भी चेंज है ये भी चेंज है अब हम किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे हमेशा हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे डन यू विल ऑलवेज बी डिसाइडिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई है तो मुझे बताइए मैं आपको दो तीन क्वेश्चन कराती हूं ठीक है विल डू टू थ्री क्वेश्चन एंड आई एम श्योर आपका आंसर आ जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन तीन क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू एंड देन विल डू क्वेश्चन नंबर तीन तीन क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले बच्चे आप मुझे बताएंगे एच एफ एच एफ ठीक है दूसरा आप मुझे बताएंगे वॉटर एच एफ और तीसरा आप मुझे बताएंगे अमोनिया एच एफ इन तीनों में से मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी ए में बी में सी में रट्टा नहीं मारोगे लॉजिकली आंसर दोगे रट्टा नहीं मारोगे लॉजिकली आंसर दोगे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगी ए बी सी आठ घंटे पूरे हो गए हैं अरे अरे अभी भी थोड़ा सा रह गया है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी सोचो कैसे मैम ये बॉन्ड तो सबने सेम बना रखा है जो भी फर्क पड़ा वो इसमें इसमें और इसमें पड़ा इन तीनों में से देने वाला कौन है फ्लोरीन को कहो भैया दे दे इलेक्ट्रॉन थप्पड़ मारेगा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा मगर इन तीनों में से जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ठीक है नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा यानी कि ये जब इलेक्ट्रॉन देगा ये इसको देगा एच डेल्टा पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी C में समझ आया ए वाले बच्चे जो गलत बोल रहे हैं अब समझ आ गया दिस इज क्लियर टू एवरी वन डन है एक और क्वेश्चन कर दो एक और क्वेश्चन करके दिखा दो क्वेश्चन है वही वाला वही वाला लास्ट केस लेते हैं मान लो मेरे को एच एफ एच एफ के बीच में मुझे पानी और पानी के बीच में और मुझे अमोनिया अमोनिया के बीच में ए बी सी मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर होगा सोचिए समझिए और आंसर दीजिए मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर होगा मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर होगा भैया मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव ये ज्यादा बोला था दिस शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव जिसने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को क्यों ही देगा समझो जिसका डाउट था अब देखना सही बोल रहे हैं बच्चे कह रहे मैम देखो और, 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 और मैम यहाँ तो अलग ही केस हो गया यहाँ पर अगर मैं इनके हिसाब से देखूं कि जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर डेल्टा पॉजिटिव मैम ज्यादा होगा अगर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा तो मेरे हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए ए में B में में बी फिर सी ठीक है और अगर आप डोनेटिंग नेचर देखो तो फ्लोरीन नहीं डोनेट करना चाहता नाइट्रोजन डोनेट करना चाहता है तो दूसरे फैक्टर के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुड बी ए बी सी दोनों एक दूसरे को कंट्रोवर्शियल है ऑपोजिट है तो मैंने क्या कहा था जब दोनों में कंफ्यूजन हो तो क्या डिसाइड करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जय हो आंसर आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो एच एफ और एच एफ में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आगे आंसर हैप्पी हो गई है दिमाग में ठीक है अब एक छोटू सा और चीज बता देती हूँ ये काम वैसे इनऑर्गेनिक में नहीं है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बट ठीक है इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ तो आपको बता ही देती हूँ आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर एक होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर इसके सारे क्वेश्चंस आपसे ऑर्गेनिक में पूछे जाएंगे जब मैं ऑर्गेनिक जियो से कराऊंगी तो अपने आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं क्वेश्चंस करा दूंगी ठीक है मतलब इनऑर्गेनिक में हमारे से इंटर इंट्रा के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते बट स्टिल कभी कोई पूछ लिया जाए तो मैं आपको बता देती हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटर मोलिकुलर का मतलब है दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंटर मोलिकुलर फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल लू एसिटिक एसिड सी एच थ्री एच और दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल ले लो जब आप दूसरे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल लोगे तो ये जो हाइड्रोजन है तो ये किसके साथ बॉन्ड करेगा सी डबल बॉन्ड ओ के साथ तो सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ ओ एच यहाँ सी एच सी दो मॉलिक्यूल के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहलाएगी इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या ये सही बात है दो मॉलिक्यूल के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहलाएगी इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मगर अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया जिसमें ओ एच है और फ्लोरीन भी है एक ही मॉलिक्यूल के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या कहलाएगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहलाएगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डन सबको अच्छे से समझ आई है किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लो प्लीज आस्क इफ यू गाइज मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ क्वेश्चन नंबर सातवां सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाइए तीस क्वेश्चन लेकर आई थी जिसमें मेन एडवांस सारे मिक्स क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर देखो सारा देख लेते हैं कोई रह गया हो तो करवा देती हूँ पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया फोर्थ हो गया फिफ्थ हो गया सिक्स हो गया सेवेंथ क्वेश्चन अब ये कर लोगे ये होमवर्क दे दू कर लो चलो करना चाहते हो ये होमवर्क ले लो यार मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन है ये कर लेना सातवां आठवां हो गया है ठीक है नाइन्थ हो गया है टेंथ हो, हो गया है इलेवेंथ हो गया है ट्वेल्थ पैरा मैग्नेटिक स्पीशीज चलो करके बता दो विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज पैरा मैग्नेटिक बारहवा क्वेश्चन बारवा क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है द नंबर करना करना वट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ग्नेटिक स्पीशीज ये कर लिया है क्या हैव डन इट क्या बोल रहे हैं बच्चे चार ये कर लिया क्या बोरॉन में पैरा मैग्नेटिक बोरॉन में दस इलेक्ट्रॉन दस का मतलब पैरा लिथियम टू में लिथियम हाइड्रोजन ही हा, पहले क्या आएगा है ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीन और तीन छह इलेक्ट्रॉन इवन नंबर है डायमैग्नेटिक c2 में छह और छह बारह इलेक्ट्रॉन इवन नंबर है डायमैग्नेटिक c2 माइनस में ये ऐसे लिखा हुआ है c2 माइनस बारह और एक तेरह इलेक्ट्रॉन तेरह इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक ठीक है आगे o2 पॉजिटिव में o2 पॉजिटिव में 16 में से बन गया 15 इलेक्ट्रॉन यानी कि पैरामैग्नेटिक ओके okay. एच ई टू पॉजिटिव हीलियम टू पॉजिटिव हीलियम दो दो चार चार में से एक गया तीन तीन इलेक्ट्रॉन यानी कि पैरा तो एक दो तीन चार फोर will be the correct answer for this question आ गया इग्नोर 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 बच्चे मतलब थोड़ा मैम पे भी तरस खा लो आठ घंटे से कंटिन्यूसली पढ़ा रही हूँ कभी तो मतलब ये मत किसी के लिए अच्छा बोल दो मतलब ऐसे लिखोगे तो मैं लिटरली इग्नोर मारूंगी कि मुझे क्या फर्क पड़ता है आठ घंटे फ्री का पढ़ाने में तसल्ली से दिल से पढ़ा रही हूँ फिर भी बच्चे लास्ट में आके ये डेढ़ तो घंटे तो? तो भी कोई ऐसा बोले कि मैं आपने कुछ नहीं कराया तो फिर टीचर का दिल दुखता है ठीक है अच्छा तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है उन्तीस के उन्तीस क्वेश्चन हम कर पाएंगे अगर हमने ये चौबीसवा क्वेश्चन कर लिया सेव पीडीएफ बस अब कर लेते हैं आप थोड़ी ना भगवान धोखा देंगे इतना करवा दिया ठीक है ये वाला क्वेश्चन कर लो बस लास्ट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए अभी भी कई बच्चे हमारी क्लास में ऐसे रो रहे हैं ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ बच्चे मैं एक बात बताती हूँ केमिकल बॉन्डिंग जैसे मैंने आपको प्रियोडिक कहा था इट्स अ ह्यूज चैप्टर आप खुद देख रहे हो लास्ट आठ घंटे से खड़े होकर मैं कंटिन्यूअसली हर चीज पढ़ा रही हूँ शॉर्टकट भी पढ़ाया एडवांस लेवल का भी पढ़ाया मेन का पढ़ाया हर चीज पढ़ाई ठीक है इसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि छोटे टॉपिक्स छूट गए जैसे ब्रिज है, बैक है। अब रोला नहीं, नहीं, नहीं होगा हो आऊंगी ना मैं ग्रुप 13 पे। एक, एक ग्रुप के लिए एक एक वन शॉट ले रही हूँ ग्रुप नंबर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो कराऊंगी मेहनत घबराना मत हर चीज कवर होगी लास्ट ईयर भी हर चीज कराई थी इस साल भी हर चीज कराऊंगी बट आप लास्ट ईयर का मेरा वन शॉट उठा के देखो मेरे ख्याल से पांच छह घंटे का और चीजें एड ऑन करी क्योंकि मुझे लगा बच्चों को थोड़ी और मेहनत करवाने की जरूरत है तो बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा होगा घबराना मत बी सी बी और सी में कंफ्यूजन है अरे अरे ध्यान से करिए जरा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे पहले क्या है एच सियन वाटर अमोनिया एच सियन मीथेन ठीक है मीथेन एचसियन अमोनिया और मीथेन एचसियन अमोनिया इन्हीं के बीच में हमें कंपेरिजन करना है तो देख लेते हैं पहले तो है एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन डॉ 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 डॉट एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन बच्चे पहली तो मेरे को एक ये बात बताओ कि ये कार्बन ये एस पी हाइब्रिडाइज है बढ़िया हाइड्रोजन से जुड़ा है नाइट्रोजन ठीक है फिर है पानी एच ओ एच डो डो डॉट ओ एच एच ठीक है ना ये भी ठीक है देने वाला भी ऑक्सीजन है लेने वाला भी ऑक्सीजन है मतलब ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ओके okay. और तीसरा क्या है अमोनिया एन एच थ्री डॉ डॉट एन एच थ्री यहां पर भी ठीक है देने वाला भी नाइट्रोजन लेने वाला भी नाइट्रोजन एक है मीथेन मीथेन में तो बच्चे जरा सी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो मीथेन को तो मैं क्या ही कंसीडर करूं मीथेन में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं तो अगर किसी एग्जाम्पल में मीथेन को एच से ज्यादा दे रखा है तो वो तो हो ही नहीं सकता तो जो बच्चे बी बोल रहे हैं वो तो कद आंसर नहीं हो सकता मीथेन से तो कोई दिन ज्यादा नहीं हो सकता ना बच्चे यहाँ कह रहे मीथेन कम है नाइट्रोजन अच्छा, और, और, और यहाँ पर भी देखना इन दोनों को कंपेयर करो यहाँ हाइड्रोजन है और देने वाला कौन है नाइट्रोजन यहाँ पर भी देने वाला कौन है नाइट्रोजन देखो मेरा एक फैक्टर यहाँ पे लग रहा है ना इसको ऐसे करके लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा जैसे पहले लिखते थे हम एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन ये लोन पेयर ये देगा अर अर अर। ये लोन पेयर ये देगा एक मिनट ये डॉट डॉट लगा लो अपना वही लॉजिक लगाते हैं और यहाँ पर क्या था एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन एक ये चीज है सही है और दूसरा मैंने क्या कंपेयर करना था अमोनिया तो यहाँ पर अमोनिया लगाओ एन एच थ्री और यहाँ पर फिर से डॉट 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 लगाना भूल गई यहाँ पर आपने क्या लगाना है डॉट 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 यहाँ एन एच 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 यही है ना ये तो ठीक है कि मीथेन सबसे लास्ट में आएगा ये तो मुझे समझ आ ही रहा है मीथेन सबसे लास्ट में 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 आएगा इन दोनों में चेक करती बस इन दोनों दोनों चेक चेक करती बस का कर लूंगी तो सी या डी से कोई एक आंसर तो होगा कोई एक तो होएगा ही होगा अब ध्यान से देखो यहाँ पर देने वाला नाइट्रोजन है देने वाला नाइट्रोजन है सही बात है इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा तो यहाँ पर कुछ भी करो है तो कार्बन

मैं दिखा देती हूँ ये क्वेश्चंस तुम्हें दिख रहे हैं मैंने सारे लिख रखे थे कौन कौन से क्वेश्चन कराने यहाँ से स्टार्ट करके ये सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस जो मैं आज लेकर आई थी उसमें मेन के एडवांस के सारे प्रीवियस है सब मिक्स थे वी हैव कंप्लीटेड एंड नाउ आई थिंक अच्छा नक्श नक्श को नक्श अब यार ऊपर होएगा नक्श को तो तुम उस पर मिलते ही हो ना हमेशा कौन सा दूसरे चैनल पे तो वहां देखा करो भाई ऑल डन चलो अब मेरी तरफ से पूरा केमिकल बॉन्डिंग मैंने डिटेल में करा दिया देखो मेरी इतनी आ, हिम मतलब मेरे इतनी मेहनत में कर पाई ठीक है अब इससे ज्यादा बचा है हमारा ब्रिज बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग एक ये टॉपिक बचा है ये मैं ग्रुप नंबर थर्टीन में कराऊंगी ठीक है अभी एक आधा बच्चा रो रहा था मैम ऑक्सी एसिड नहीं कराया आपने ठीक है मैम ऑक्सी एसिड आपने नहीं कराया ऑक्सी एसिड यार जब हम ब्लॉक केमिस्ट्री करेंगे ग्रुप थर्ट फोर्टीन के अलग करेंगे फिफ्टीन के अलग सिक्सटीन के अलग सेवनटीन के अलग एटीन के अलग वो मेरे पे विश्वास रखो यार नहीं लेट डाउन करूंगी कोई टीचर है जो तुम्हें आठ आठ नौ नौ घंटे का वन शॉट कराता है केमिस्ट्री में नहीं है ना तो करा रही हो ना मैं सब कराऊंगी घबराइएगा मत गवर, ठीक है चलिए डन नक्श को बुलाओ नक्श अब ऊपर है अब मैं लेकर आऊंगी तो फिर अब ठीक है ना बस करते हैं बोलो फजान बाबा की जय ठीक है फजान बाबा की जय अच्छा ये सारी चीजों से याद आया मैंने पीडीएफ सेव नहीं करी है, और अगर पीडीएफ सेव ना की होती ना और फिर तुम कहते मैम दोबारा लिख कर दे दो तो भाई हम ना लिख पाएंगे मैं ठीक है कीप कर लेते हैं फाइल कर लेते हैं सेव एस कर देते हैं <coughs> चलिए कल आपका मेरे ख्याल से निशान सर का वन शॉट है ना कल बैक टू बैक क्लासेस है, है ना आज मेरा वन शॉट है कल निशान सर का वन शॉट है Uh, और देखते हैं अभी कई बच्चे बोल रहे हैं मैम आप दो दो वन शॉट ले लो बच्चे अभी मेरे ना प्लस की बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं तो मैं दो वन शॉट लूंगी ना तो मेरी प्लस की क्लासेस सफ़र करेंगी तो मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दो या तो मैं प्लस वालों की क्लासेस का टाइम कुछ चेंज करूँ तो मैं आपका वन शॉट ले पाऊंगी अदरवाइज जब वन शॉट होता है फिर उस दिन मैं कोई प्लस की क्लास नहीं ले पाती आठ घंटे पढ़ाओ प्लस तीन घंटे प्लस की क्लास ग्यारह घंटे में गला ख़राब हो जाता है तो मैं देखती हूँ अगर मेरा प्लस के बैचेस आगे पीछे शिफ्ट होते हैं तो मैं आपका दूसरा बाउंस बैक लेना शुरू करूंगी अदरवाइज देखते हैं फिर वी हैव अनदर टीचर कमिंग ठीक है चलिए मैम टाइट्रेशन नहीं कराया आपने बच्चे टाइट्रेशन मैंने मोल कॉन्सेप्ट में उतना कराया था जिसमें जितना हमने एसिड बेस्ट टाइट्रेशन मोल कॉन्सेप्ट में रिक्वायर्ड होता है टाइट्रेशन मैं चैप्टर में कराऊंगी ना हर चीज एक ही चैप्टर में नहीं कर सकते तो रिडॉक्स टाइट्रेशन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट ये सब हम रिडॉक्स में पढ़ते हैं सब कुछ मोल में पढ़ोगे तो रिडॉक्स में क्या पढ़ोगे ठीक है ओके okay. चलिए बच्चे थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी थ्रू आउट द सेशन आप लोगों की मतलब मैं हिम्मत की दाद देती हूँ कि आप बच्चे मतलब बारह बजे से लगे हुए हो मेरे साथ साढ़े आठ साढ़े आठ से भी ऊपर हो चुका है आठ बज के चौंतीस मिनट हो चुके हैं बारह बजे मैंने क्लास स्टार्ट करी थी आ, बस ये सोचना कि आप बच्चे जो इतने दिल से इतने शिद्दत से मेहनत कर रहे हो ना कभी भी ये मत सोचना कि इस मेहनत का फल कब मिलेगा जब आपकी जेई की प्रिपरेशन है ना ये हमेशा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि भाई आज ही कुछ रिएक्शन करी और रिजल्ट आ गया वो होती है ना कई रिएक्शन विच आर वेरी स्लो रिएक्शन तो जेई की प्रिपरेशन जेई का रिजल्ट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन अभी बस अपने आप को इस बात की मोटिवेशन दो कि जब आप एक दिन आठ आठ नौ नौ घंटे पढ़ाई कर सकते हो एंड सपोज इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस एवरीडे बेसिस पे आई थोड़ा सा टफ काम होता है बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि अगर इतनी मेहनत आपने अभी भी पुट इन करी ना तो जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि मैम क्या अभी भी हमारा एडवांस में सिलेक्शन हो, हो सकता है हो सकता है लास्ट ईयर भी जब हमने ये बाउंस बैक सीरीज स्टार्ट करी थी जब हम बाउंस बैक सीरीज लेते थे बहुत बच्चे बिल्कुल डेडिकेशन से मेहनत करते थे कि हमें करना है मैम जितना करा रही है सर जितना करा रहे हैं हमें करना है है ना और लेटर ऑन जब रिजल्ट आया ना आप खुद देखो आज के नीचे इतने सारे बच्चे ये लिखते हैं, series, हमारा हो गया, अपने ना ही टीचर के ऊपर बच्चे अगर कोई आपको केमिकल बॉन्डिंग का ये सब भी आप पढ़ के जा रहे हो ना आपने खुद देखा उनतीस के उनतीस क्वेश्चन जो आज आपने क्लास में किया ना ये ट्वेंटी आपने क्लास में हैं

जिस कंसिस्टेंसी से अभी वाले लेक्चर्स देख रहे हो आगे जब तक बाउंस बैक खत्म नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यूअसली आपको लेक्चर्स देखने हैं तभी कॉन्फिडेंस आएगा रोना पिटना नहीं है ये नहीं कराया ये नहीं कराया ये नहीं कराया तुम तो पूरी सीरीज फॉलो करो हर चीज आपको किसी ना किसी वन शॉट में मिलेगी जरूर ठीक है तो ये बात की मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ ठीक है थोड़ी देर में अपलोड कर देना बच्चे ये देखो मैं अभी इसका वो नहीं ले सकती कि कब अपलोड होगा अभी दिवाली की छुट्टियां चल रही है ये काफी लोग काम पे नहीं है ठीक है तो मैं ये दे दूंगी आई विल सबमिट इट मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी बाकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डलता है कल सुबह तक डल जाएगा देखो दिवाली की छुट्टियां हमारे राजकोट में तुम मानोगे इतनी तगड़े तरीके से दिवाली की छुट्टियां होती है कि हमारी पूरी गली में पूरी लेन हम बोलते हैं शेरी में पूरी शेरी में चार पांच घरों में लोग हैं बाकी सब घरों में लॉक लगा हुआ है क्योंकि सब घूमने चले गए ठीक है तो जब यहाँ पर हमारे आजू बाजू में सब लोग घूमने जा रहे हैं तो हमारे ऑफिस में भी छुट्टियां चल रही हैं तो अभी कई लोग नहीं होंगे इसीलिए अपलोड मैं कल सुबह तक करवा दूंगी बट कोशिश करती हूँ आज मेल कर देती हूँ इन केस अगर अपलोड कोई कर देता है तो ग्रेट अदरवाइज़ कल सुबह तक तो हो ही जाएगा ठीक है चलिए मैम आई वन डॉट ओर टू डॉट ओ बच्चे ये अब आप अपने आप देखो आ, हमारी तो यही कोशिश है कि टू डॉट ओ में हम नए क्वेश्चन कराएं जो पिछले साल नहीं कराए थे कुछ नए टॉपिक्स एड ऑन करें जो पिछले साल हमें लग रहा था कि नहीं पढ़ाए या जो ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा दिए थे उनको डिलीट करें तो हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि टू आप, आप, आप है आगे चलना है तो वन के कुछ फॉलो करो पैल देखना तो टू डॉटो फॉलो करो ये आपकी श्रद्धा भावना वहां पर भी मैंने इतनी मेहनत करी थी यहाँ पर भी हम कर रहे हैं ठीक है चलिए बच्चे इसके साथ साथ जो भी बच्चे नर्चर बैच में आना चाहते हैं ये नर्चर बैच उन बच्चों के लिए जिनकी ग्रेड इलेवंथ खराब हो चुकी है ठीक है अगर आप खराब इलेवंथ के साथ अगले साल ग्रेड ट्वेल्थ में आएंगे तो प्लीज आप इस बात को याद रखिएगा कि आधे से ज़्यादा टाइम तो इलेवंथ के पाप धोने में लगते हैं तो स्टिल अभी टाइम है अभी अक्टूबर खत्म होने वाला है आपके पास नवंबर दिसंबर जनवरी आई एम sure श्योर ट्वेल्थ आपकी फेब से पहले नहीं स्टार्ट होती तो जो बच्चे अभी इलेवंथ में एंड दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद जेई सिलेबस ऑफ ग्रेड इलेवंथ तो प्लीज बच्चे आप नर्चर बैच फॉलो करें इलेवंथ के पाप इलेवंथ में ही धोएं तभी बेटर है कि आप ट्वेल्थ में जाएं तभी आप 12th पे फोकस कर पाएंगे इलेवेंट फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ योर जेई सिलेबस ठीक है तो इस बैच में बच्चे मैं थर्मो और इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने वाली हूँ फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर नवंबर वन को मेरी क्लास है आज से दो तीन दिन बाद फर्स्ट नवंबर से थर्मो और इक्विलिब्रियम हम इस बैच में स्टार्ट करने वाले हैं प्योर एडवांस लेवल की पढ़ाने वाली हूँ तो जो भी इंटरेस्टेड है आप नर्चर में आ सकते हो इसके साथ साथ जो बच्चे प्रेजेंटली ग्रेड ट्वेल्थ में है अगर आपको ट्वेल्थ के पोर्स जल्दी कंप्लीट करने हैं दैट टू एडवांस लेवल के आप इवॉल्व में आ सकते हो या फिर आप नर, ये अचीवर टू डॉट ओ में आ सकते हो अचीवर टू डॉट ओ में बच्चे जो हमारा अचीवर टू डॉट ओ है इसके अंदर कहा गया अचीवर टू डॉट ओ में हम लोग पूरी डिटेल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं आज केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको आठ घंटे में कराया अब यही केमिकल बॉन्डिंग मैं अपने प्लस में और ज्यादा डिटेल में कराने वाली हूँ ठीक है मतलब ये आठ है तो वो अठारह से बीस घंटे का लेक्चर मतलब टोटल लेक्चर्स होंगे तो और भी एडवांस में करने के लिए आप अचीवर टू डॉट ओ तो फॉलो कर सकते हैं प्रॉपर मतलब एडवांस तक आपको खूब मेहनत कराई जाएगी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं टेस्ट आप दे पाएंगे हर हफ्ते ठीक है एंड एट द सेम टाइम मतलब आप आप बच्चे अपने सारे डाउट्स टीचर से पूछ सकते हैं विच इज़ अ ग्रेट थिंग कई बार क्या होता है ना डाउट्स हमारे दिमाग में पूरे भर के इकट्ठे हो जाते हैं बट वी नेवर आस्क द टीचर तो प्लस पर आते हो तो यू गेट दिस फैसिलिटी टू आज दीचर यूर डाउटी करेंगे प्लस पे आना चाहते हैं आप ये कोड यूज कर सकते हो साक्षी जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा ठीक है चलिए मैम हम आपके 9 आर्ट की क्लास के नोटबुक में नोट्स बनाए या नहीं तो नहीं बनाने मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी बढ़िया है यार साथ साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है थोड़े से पैसे खर्च लेना इनको डाउनलोड करवा लेना मतलब प्रिंट करवा लेना ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे तो लिख देना दोबारा मेहनत क्या करनी सब कुछ लिखने की इनमें से शॉर्ट नोट्स बनाओ ये आपका टास्क है ये सारे नोट्स आपको दोबारा दोबारा नहीं चेपने ये डाउनलोड कर लेना ये सीरी को क्या हो गया ठीक है तो बस इनके शॉर्ट नोट्स बना लेना वो ज़्यादा बेटर है ठीक है मैम प्लीज़ कॉल नक्शु एंड सर इन क्लास नहीं नक्शु को तो नहीं बट मैं हाँ निशान सर को बुलाती हूँ बिकॉज़ निशान सर वॉन्टेड टू डिस्कस अबाउट कल का वन शॉट विद यू वन सेकेंड हाँ नहीं, सर की भी सर वो सेम कि कल का कुछ उन्होंने डिस्कस करना है आपके साथ बट ठीक है आई विल लेट यू नो ठीक है टेलीग्राम पर डाल देंगे जो भी कोई दिक्कत होगी ओके बच्चे चलो टेक केयर बाय नक्श काम। अरे से हाय। आओ। नक्श से हाय। एवरीवन इज़ वेटिंग। आओ। 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 no. ये लो। पकड़ो। क्या बोलोगे? एक, एक्टी, सिवोटी। एक क्या बोल रहे हो? नहीं हैड़ी hey आपने पढ़ी कर 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 हाँ. करी बच्चों ने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आगे हाँ? पढ़ी सारी सारी फिनिश हो गई अरे बच्चे तुमने मुझे बोला नक्श को बुलाओ एंड ही वॉज वेटिंग हियर ओनली तो ही वॉज हियर तो ही केम एंड ही सेड मुझे बड़ी बड़ी करानी है चलो सबको बाय कर दो तो एक बार से बाय गाइस बाय गाइस टेक केयर टेक केयर सी या सी या गुड नाइट गुड नाइट आई लव यू आई लव यू ओके बच्चे बाय बाय <laughs> चलो बाय बच्चे बाय